सो फाइनली फाइनली एंड फाइनली सो आज हम वापिस आ चुके हैं अपने 2D डी एनिमेशन मास्टरी कोर्स के साथ आई नो बहुत ज्यादा वेट करा लिया आप लोगों को बट उस वेट का आज फायदा भी होने वाला है क्योंकि आज एक ऐसी कोर्स लेकर आ गया जो आपने नहीं सोचा होगा कि ये कोर्स इतना ज्यादा बेटर होने वाला है थ्री डी एनिमेशन में आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिखा दिया उसको एक मिलियन तक पहुंचाने वाले लिटरली मैंने नहीं सोचा था की इतना ज्यादा उसमें सपोर्ट देखने को मिलेगा और उसी वीडियो में टू डे एनिमेशन से रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे आ गए थे सो इसलिए आप लोगों ने लेकर आ गया टू डे एनिमेशन

एक बात मैं पहले कंफर्म कर देना चाहता हूँ की कोई मामूली कोर्स नहीं होने वाला है इसमें आपको टू डी एडमेशन से रिलेटेड हर वो चीजें बताई जाएगी जो आप यूट्यूब पे सर्च तो करते हो बट आपको मिलता नहीं है आप अभी यूट्यूब सर्च करो टू डी एनमेशन कोर्स भैया आपको कोई भी नहीं मिलने वाला टॉप रैंकिंग हमारी वीडियो की आने वाली है सो उधर से आप डायरेक्ट देखो यार ये वीडियो को आप फुल देखोगे तो आपको समझ आएगा की आप लोग को क्या क्या सीखने को मिलने वाला है टू डी एडमिशन का क्रेज भी अभी बहुत ज्यादा ही है और इसको बहुत लोग पसंद भी करते अच्छा सबसे पहले हम बात करते हैं इसका यूज कहाँ कहाँ होता है बोले तो किस किस टाइप की वीडियो हम इससे बना सकते आपने बहुत सारी YouTube ऐसे चैनल्स देखा होगा YouTube ही एक इकलौता प्लेटफॉर्म नहीं है Facebook हो गया Instagram हो गया बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है अभी के टाइम पे यार तो आप इससे स्पॉन्सरशिप भी ले सकते हो इससे आप एड्स भी बना सकते हो वो सबसे ज्यादा जो चैनल चलते हैं टूडे एनिमेशन के वो है स्टोरीज वीडियो लाइक like किड्स के लिए चाहे सासूमा वाले बना लो चाहे आप कोई फनी वीडियो बना लो चाहे आप एंटरटेनमेंट के लिए जैसे फाइटिंग सीन होता है मैजिकल होता है भूत वाले होते हैं बहुत सारे हैं यार यूट्यूब आप टूडे एनिमेशन के कार्टून सर्च करोगे तो इतने सारे मिल जाने वाले हैं और व्यूज भी भाई मिलियंस में आते हैं अच्छे खासे व्यूज आते और अच्छी खासी भी होती है मैं आपको कुछ ऐसे चैनल्स भी दिखाने वाला वालों जिसकी अर्निंग देखकर आप लोग लिटरली हैरान हो जाने वाले किस टाइप की अर्निंग एडिंग हो सकती है इस वीडियो को देखने के बाद आप ये तो सीख जाओगे की कैसे वीडियोस बना सकते हो वो भी अपने स्मार्टफोन की मदद ऐसी जी हाँ क्यूँकी काफी लोगो को लगता है की टू एनिमेशन भाई एंड्रोइ में पॉसिबल ही नहीं है बट नहीं भाई पॉसिबल है अगर आपको सही सिखाने वाला सही गाइड करने वाला मिल जाए तो सब कुछ पॉसिबल है मैं आपको इस वीडियो में टू जेड बताऊंगा कैसे क्या क्या सिस्टम होता है थ्री डी एनिमेशन थोड़ा हार्ड है तो उसके लिए थोड़ा प्रोसेसर वगैरह भी अच्छा चाहिए होता है बट टू एनिमेशन के लिए ऐसा कुछ नहीं है अगर आपके स्मार्टफोन तीन बत्तीस बीना बहुत अच्छा चलने वाला है उसमें आप वीडियो बहुत ही इजिली बना लोगे और काफी अच्छी क्वालिटी के बना लोगे बाकी क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए मैं आपको कुछ ऐसे एप्लीकेशन बताऊंगा कुछ ऐसे स्ट्रिक बताऊंगा जिसको यूज करके आप अपनी वीडियोज को काफी अच्छा इनहेंस करके बहुत अच्छा तरीके बना से बना सकते इस वीडियो में आपको कैरेक्टर डिजाइनिंग से लेकर वॉइस एडिटिंग तक भी बताने वाला हूँ वीडियो एडिटिंग कैसे करनी करेक्टर देखो कैरेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बैकग्राउंड हो चाहे कुछ भी हो ठीक है तो सब कुछ डिटेल से बताऊंगा तो चलो फिर कुछ ऐसे चैनल को देख लेते हैं जो इसके थ्रो बनाए गए और काफी अच्छे खासी जनरेट कर रहे हैं तो अभी मैं अपने YouTube चैनल पे आ चुका हूँ तो बात करते हैं मैं YouTube से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ तो देखो यार YouTube चैनल सिर्फ आपको वीडियोस देखने या रील्स देखने के लिए नहीं होता है इधर आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा के पैसे भी कमा सकते हो देखो मेरे सामने एक कार्टून वाला चैनल है जिसका नाम है ड्रीम टूस क्या सोच दो भाई इसका पहले व्यूज देख लो आप कितने हैं ट्वेंटी वन लैन व्यूज है ठीक है इसके चैनल पर चलते हैं और इसके व्यूज वगैरह देखता हूँ वीडियो किस तरीके क्रिएट करती है वो देखते हैं देखो इसी तरह की वीडियोस में आपको कुछ क्रिएट करने दिखाने वाला हूँ अब देखो ये जो इसकी वीडियो है ठीक है ये वीडियो देखो आप एक बार प्ले करता हूँ सुबह कर देखो तो इस तरीके कुछ वीडियो से बनाते मैं इधर आ चुका हूँ इसकी पॉपुलर वीडियो पे चलता हूँ देखते कितने व्यूज है तो देखो वन पॉइंट फोर करोड़ व्यवसाय पे इसके सब्सक्राइबर्स की बात करें तो टेन लाख है अगर हम जाते हैं ओवरऑल यूट्यूब पे सर्च करते हैं टोडी एनिमेशन या टोडी स्टोरी आप सर्च करो तो देखो कितने सारी आती है जस्ट मैं लिख देता हूँ टोडी एनिमेशन स्टोरी तो बहुत सारी वीडियोस आ जाएगी देखो किस किस तरीके की वीडियोस इसमें आती है कितने सारे चैनल से जो इस तरीके की वीडियोस बनाते हैं आप ये वो देख सकते हो काफी जगहों पे आपने देखा होगा अब इस चैनल पे चलते इसके सब्सक्राइबर्स आप देखो कितने सब्सक्राइबर्स है इसके इसके वन पॉइंट ट्वेंटी टू करोड़ सब्सक्राइबर्स है किस तरह की वीडियोस बनाते हैं टू एनिमेशन वीडियोस बनाते हैं आप देख सकते हो कुछ ये पिक्चर्स देख लो कुछ इसी तरीके की अपनी वीडियोस भी होने वाली है अगर हम इसकी पॉपुलर पे चले तो देख सकते हो 16 करोड़ से ऊपर व्यूज है भाई एक बार हम प्ले करते हो कि इस वीडियो में है क्या चीज़ आ रहा है अर्निंग तो अच्छी खासी जनरेट हो रही है चलो अर्निंग के बारे में हम बात करेंगे कि ये चैनल कितना अर्न करता है थोड़ा सा इसे आगे कर देता हूँ देखो कुछ इस तरीके की वीडियो होती है जिसमें करेक्टर बोलता है बात करता है और आप लोग वॉइस कैसे ऐड कर सकते हो क्योंकि वॉइस बहुत ज़्यादा मैटर करता है तो इस तरीके की पूरा मैं आपको सिखाऊंगा कि एक एक चीज़ बताने वाला अगर आप वीडियो पर बने रहते हो तो बहुत कुछ सीखने वालों देख सकते हो इसके अगर हम लेटेस्ट वीडियो देखें तो कितने व्यूज आ रहे हैं लेटेस्ट वीडियो में देख सकते हो एक दिन में इनके वन लाख भी उस है और इनका बढ़ता रहता है नहीं घटता है देख सकते हो सिर्फ बढ़ते हैं अब देखो आपको नीचे भी दिखाता हूँ ये देखो फोर लैख टू पॉइंट वन फोर लैख सेवेंटी एट के वन लैख फोर पॉइंट नाइन वन पॉइंट सिक्स इस तरीके की इस चैनल की अर्निंग देखते हैं कि ये चैनल कितना मंथली अर्न करते हैं तो इधर से मैं कॉपी करता हूँ अब हमें एक वेबसाइट पे जाना होगा जिसका नाम है सोशल ब्लेड सो उधर चलते हैं चेक करते हैं जस्ट मैं इधर लिख देता हूँ सोशल ब्लेड सोशल ब्लेड जैसे मैं लिखता तो हूँ मेरे सामने एक करंट मैदान को वेबसाइट आ चुकी है सो मैं इस पर क्लिक कर देता हूं इधर हम इसकी अर्निंग चेक करेंगे और सब्सक्राइबर्स कितने आ रहे हैं मंथली में कितने आ रहे हैं ईयरली में कितने आ रहे हैं और एक दिन में कितने सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं जस्ट मैं इधर सर्च करता हूँ उसके बाद आप लोग देख के बिल्कुल हैरान हो जाने वाले हो कितनी अर्निंग होती है देखो यही वो चैनल है जो आपने देखा था कोको टीवी इसके सब्सक्राइबर्स भी देख सकते हो और बाकी व्यूज़ वगैरह कंट्री में कितने रैंक रुंक सब इधर दिखाते हो ये क्रिएट होता है दो हज़ार में क्रिएट हुआ था ठीक है सो आप देखो नीचे स्क्रोन करो इसके मंथली जो अर्निंग बन जा रही है वो बन जा रही है चार के डॉलर से लेकर बहत्तर हज़ार डॉलर तक ये मंथली अर्न कर रहा है तो कितना होता है उसके बारे में बात करेंगे देखो चार हज़ार से स्टार्टिंग है ठीक है और वो जाता है बहत्तर हज़ार तक अब इसी में देखो हम मिनिमम लेकर चलेंगे मान के चलो बीस हज़ार डॉलर तक इसकी मंथली अर्निंग क्योंकि मैं पूरा नहीं लेकर चलूँगी यार बीस हज़ार डॉलर लेकर चलेंगे बाकी नीचे दिखा देते कि भाई कितने कितने व्यूज आ रहे हैं कितने सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं कितने डॉलर बन रहे हैं ये सब दिखाता है तो हमने बीस हज़ार डॉलर लेकर चलते हैं यू एच डी पे चलते हो चेक करते हैं कितने डॉलर बनता है जस्ट मैं इधर यू एच डी लिख देता हूँ उसके बाद देखो ये आ चुका है इसमें मैं बयासी रुपये चढ़ रहा है तो इधर मैं सिंपल सा लिख दूंगा बीस हज़ार ठीक है वन ये मैंने बीस हज़ार लिख दिया है अब इधर मैं कर देता हूँ अब देख सकती हूँ सोलह लाख रुपए सोलह लाख रुपए आप सोच सकते हो कि सिर्फ कार्टून वीडियोस बना के काफी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है सब तो लोग देखो मेरे सामने एक ऐड आ चुका है जो टू में बनाई गई है यार इसका देख सकते हो पिक्चर टू डी मतलब टू में समझाया गया है अगर कुछ भी किसी को समझाना चाहते हो तो टू में समझा सकते हो टू एनिमेशन काफी ज्यादा सीसी भी है देखो इस समय हमारी वीडियो डी एनमेशन ज्वाइन करी काफी अच्छे खास यार ग्रोथ पे है नीचे और स्ट्रोल करते हैं ये देखो काफी लोग है सिर्फ आपको देखो दो घंटे तीन घंटे ऐसे बनाएंगे फुल नॉलेज नहीं देते मैं आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगा आपके एंड्रॉइड में सब लोग लैपटॉप में समझाते मैं आपको आपके स्मार्टफोन में समझाने वाला वालों कैसे आप क्रिएट कर सकते हो सो अपनी एक और कौर मास्टर कोर्स आ सके यूट्यूब के बारे में अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ये वीडियो भी जरूर देख लेना अगर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने जा रहे हो तो बहुत सारे कोर्सेस हम निकालने वाले चैनल पर बने रहोगे तो बहुत कुछ सीखने वाले चलो फिर आप चलते हैं स्टार्ट करते हैं और सीखते कैसे आप लोग वीडियो बना सकते हो वीडियो की स्टार्टिंग में कुछ क्लिप्स के साथ करना चाहता हूँ अब पहले ये वाली क्लिप देखो आप कितनी ज्यादा अमेजिंग लग रही है इसमें जो आपको ऊपर स्काई इफेक्ट दिख रहा है प्लस ये जो इसकी मूवमेंट दिख रही है ये देखो इसकी मूवमेंट कितनी ज्यादा एक्यूरेट हो रही है कितनी ज्यादा हाई ग्राफिक्स की लगती है मुझे तो लिटरली काफी ज्यादा अमेजिंग लगती है मैं आपको एक और बार स्टार्टिंग से दिखाता हूँ देखो ये वाली वीडियो मैंने बनाई हुई ये बेसिक है यार हम जो बनाएंगे वो काफी ज्यादा एडवांस होने वाली है एक इकलौती क्लिप मैं आपको नहीं दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में मेरा मोटिव यही रहने वाला है कि पहले मैं आपको कुछ दिखा दूं उसके बाद बनाने स्टार्ट करूं क्योंकि कई लोग बोलते हैं भाई आपने क्या बनाया पहले वो दिखाओ तब हम आगे चलेंगे चलो आपने एक देखा मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूं अब आप इसमें देखो एक बाढ़ का सीन हमने क्रिएट किया हुआ है इसमें क्या है ये जो चुड़ैल है ये बहते हुए जा रही है और साइड में देखो ये बादल को देख रो प्लस ये जो बारिश हो रही है इस तरीके क्लिप्स कैसे रेडी की जाती है भाई ये सब एंड्रॉइड में बनाया गया है काफी लोगों को लग रहा है भाई ऐसा हम पीसी बना सकते बट नहीं मेरे भाई आप एंड्रॉइड में इस तरह की डिजाइन कर सकते हो कुछ क्लिप्स दिखाने वालों बेसिक के तौर पे कि इस तरीके से आप बना सकते हो उसके बाद हम धीरे धीरे एडवांस लेवल पर जाने वाले हैं हर चीज डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो में मेरी मोटिव यही रहने वाली है कि आपका जो बेसिक क्लियर हो जाए और हर चीज आप समझ पाओ कि भैया कैसे काम किया जाता है ये देखो आप ये वाली क्लिप देखो ये नाइट इफेक्ट क्रिएट किया गया है कितना ज्यादा ऑसम लग रहा है इसका जो बैकग्राउंड है प्लस ये जो कैरेक्टर बोल रहा है ये पीछे देख के बोल रहा है इसके पीछे मैंने एक और कैरेक्टर को एड करना था जो कि मैंने नहीं किया है बट आपको मैं फुल डिटेल से समझाऊंगा कि वर्क कैसे करना है कैसे क्या क्या, क्या सिस्टम होता है आप देखो भाई कितना ज्यादा एडवांस लग रहा है मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है इसमें जो नाइट इफेक्ट है साथ में जो बाइक चढ़ रही है किस तरीके से है कितना ऑसम लग रहा है अब ये वाला देखो इसमें क्या है? ये बंदा जो है पेड़ पे चढ़ रहा है ठीक है और बंदा जो है बाइक से राइडिंग कर रहा है इस तरीके की वीडियो कैसे क्रिएट की जाती है इतनी हाई क्वालिटी की वीडियोस भाई बहुत कुछ जानने वाले इस वीडियो में लिटरली ये एक क्लिप नहीं है ऐसे में कम से कम आपको सात से आठ क्लिप दिखाने वाला हूँ किस लिए ताकि आपको समझ आए कि भैया इस तरीके से भी क्रिएट की जा सकती है एंड्रॉइड में ये जो आपको बैकग्राउंड में पेड़ दिख रहे हैं प्लस ये जो स्काई दिख रहे हैं ये जो पेड़ दिख रहा है इस पर कैसे चढ़ रहा है सब कुछ बताने वाला हूँ अब आप ये वाला सीन देखो इसमें क्या है कि पीछे माउंटेन देख सकते हैं माउंटेन देख लो हर कोई सन लेकर जाता है बट मैंने चांद लेकर गया है अभी तो देखो काफी

और भी एक क्लिप दिखा देता हूँ इसमें देखो आपको मतलब नाइट का सीन जो होता है ना भूत वाला होरर सीन आप कैसे क्रिएट कर सकते हो इस वीडियो में आपको गारंटी देता हूँ जिस तरीके की एनिमेशन में आपको सिखाने वाला हूं आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं सिखा पाएगा इतना बेसिक तरीके से आप लोगों को मैं समझाऊंगा बहुत ज्यादा एडवांस तरीके समझाने वाला हूँ बहुत कुछ बताने वाला हूँ इस तरीके की बाइक मूवमेंट होगी प्लस वो जो नाइट इफेक्ट हो गया ये वाली होगी और भी दिखाता हूं आप लोगों को ये कैसे बना सकते हो देखो ये सिर्फ बिगनिंग लेवल का ये सिर्फ बिगनर है पर हम एडवांस लेवल में जाएंगे आपको एडवांस तरीके से समझाएंगे कैसे बना सकते हो और किस किस तरीके से बनाना है इसमें आप देख सकते हो ऊपर का जो स्काई इफेक्ट है भाई ये कोई नहीं दे पाता और ना ही आपको बता पाएगा कि ये स्काई इफेक्ट कैसे होता है हम आपको पेड़ मूवमेंट भी सिखा सकते हैं कि जो ट्री का मूवमेंट होता है ये कैसे होता है अब ये तो पता है कि भैया बातें कर रहे हैं तो ये कैसे कर इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से बातें करता है कैसे कैसे क्या क्या सिस्टम होता है अब देखो हर एक चीज डिटेल से बताऊंगा मेरी कोशिश इस बार भी यही रहने वाली है कि मेरे जो वीडियो सिक्स क्लास का बच्चा भी देखे ना तो उसको भी समझ आ जाए, जाए कि एनिमेशन वीडियो बनानी कैसी है बहुत ज्यादा बेसिक तरीके से बताने वाला हूं तो लास्ट तक जरूर देखिए चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हो, समझते हैं आप क्रिएट कैसे करना है आई थिंक इतना इंट्रो बहुत है आप लोगों को बताने के लिए कि किस लेवल के हम एनिमेशन वीडियो बनाने वाले हैं सो अभी मैं आ चुका अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कितनी ज्यादा अमेजिंग करेक्टर है अच्छा आप इस करेक्टर को तो जानते हो चुड़ैल वाला है ये हो गए नारद जी इसको बताओ इसका नाम क्या करेक्टर का काफी ज्यादा अमेजिंग है ना भाई आप कार्टून वीडियोज भी इसमें बना सकते हो इस लेवल की एनिमेशन आप लोगों को सिखाने वालों आपने नहीं सोची होगी कि इस तरीके की भी हम सीखने वाले हैं देखो जिन का मॉडल आप लोग देख लो कितने ओसम ओसम इसमें कैरेक्टर्स हैं सबसे पहले मैं आप लोगों को यार इसके टूल के बारे में कुछ समझा देना चाहता बेसिक क्लियर कर दो ताकि हमें आगे काम करने में कोई दिक्कत ना हो आपको बेसिक पता होगा ना तो आप लोग को भी सब कुछ मजा आने वाला है बहुत मजा आएगा लिटरली कह रहा हूँ वीडियो जितने भी घंटे की होने वाली है ना आपको बहुत मजा आएगा लिटरली बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है चलो फिर आप समझते हैं सबसे पहले इसके कुछ टूल्स के बारे में सबसे पहले मैं इधर से स्टार्टिंग बनाऊंगा ये जितने भी आपको स्क्रीन पर टूल्स देख रहे हैं ये जो ऊपर दिख रहे हैं प्लस ये जो दिख रहा है इन सबका क्या काम है जो रिकॉर्ड वाला है प्लस है जो प्लस माइनस है इन सबका काम क्या है यार तो देखो सबसे ऊपर जो आपको ये वाला ऑप्शन देखने को मिलता है यह है प्रीव्यू का ऑप्शन भैया इसका तो काम अपने को अभी है नहीं सो इसका यूज करने वाले नहीं है उसके बाद दिखता है आपको ये कैरेक्टर का ऑप्शन वेरी इंपॉर्टेंट भाई एक एक चीज पे हम बात करेंगे देखो ये कैरेक्टर कैसे आया क्या क्या करना है ये तो मैं आपको आगे वीडियोस में बताने वाला हूं बट बेसिक बेसिक चीजें मैं अभी बता देता हूं ताकि आप लोग का सब कुछ क्लियर हो जाए सबसे पहले आपको इस करेक्टर वाले पे क्लिक करना है इस पर आप जैसे क्लिक करते हो तो वाओ न्यू इंटरफेस आ जाता है अब इसमें देखो काफी कुछ मिल रहा है जैसे कि इधर इंपोर्ट कस्टम वाला इसमें मैंने अपने खुद के करेक्टर्स को ऐड किया हुआ है ओके देखो आपको साइड में देखो ये एरो देखने को मिल रहा है ना ये वाला इसका क्या काम है जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे देखो कितने सारे ऑप्शन आ गए कितने सारे करेक्टर्स के ऑप्शन आ गए बट हाँ इसमें देखो आपको कितने दिख रहे हैं एक दिख रहा है दो दिख रहा है तीन दिख रहा है ये दो हो गया ये तीन हो गया ये चार हो गया चार करेक्टर्स के ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको इधर चार करेक्टर्स दिख भी रहे हैं देखो एक दो तीन चार चार करेक्टर दिख रहे हैं और चार ऑप्शन है मतलब कि जितने भी करैक्टर सबके अलग अलग ऑप्शन है सबसे पहले वाले कैरेक्टर में गया हूँ इस वाले पे इस पे देखो सबसे पहले देखो ये जो हाउस वाइफ वन लिखा हुआ है ना जस्ट मैं इस पे क्लिक करूंगा जो हाउस वाइफ वन है इसपे ही मैं क्लिक करता हूं तो देखो अपना जो कैरेक्टर है चुड़ैल वाला चेंज हो चुका है ये देखो हो okay, गया चेंज अब मैं और भी कैरेक्टर्स आप लोग को दिखा देता हूं देखो बेसिक क्लियर हो जाए तब मैं आगे बढ़ता हूं ताकि मुझे भी मजा आए देखो अब और भी चलते हैं जैसे कि मैं लिली बॉय ले लेता हूँ देख सकते हो तो लड़के का कैरेक्टर आ चुका है तांत्रिक के जो करेक्टर है ये देखो तांत्रिक का कैरेक्टर आ चुका है और भी दिखाता हूँ यार इसमें आपको चुड़ैल का भी दिख जाता है ब्लेजमैन का आप देख सकते हो यार आपका ब्लेजमैन का कैरेक्टर जो देख रहे हो और भी कैरेक्टर दिखा देता हूं ऐसे बहुत सारे मिलने वाले ये देखो बर्ड का जो कैरेक्टर है कई लोग बोलते हैं भैया की टूनी बर्ड वाली एनिमेशन कैसे बनाई जाती है सो so, अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है अब इसमें और भी करेक्टर्स के ऑप्शन है ये जो पुलिस वाला ऑप्शन है दिख रहा है ना अब ये देखो ये मैंने पुलिस वाला सिलेक्ट कर लिया ठीक है अब मैं और भी दिखाता हूँ जैसे सासू मां को बोलते हैं भाई सासू माँ की स्टोरीज वगैरह कैसे बनाते हैं सो सब रखोगे तो सब कुछ सिखाने वाला हूँ देखो सासू मां काेक्टर आ चुका है ठीक है और भी कैरेक्टर इसमें आप लोग को देखने को मिल जाते हैं बिकॉज सर इन सबको जब तक मैं चेंज नहीं करूंगा तो आपको ये पता नहीं लगने वाला है कि क्या क्या सिस्टम कैसे कैसे होता है इसकी साइज आई थिंक काफी ज्यादा बड़ी है ठीक है तो मैं इसे एक बार चेंज कर लेता हूं ये हो चुका है अब देखो मैं आपको सेकंड का कैरेक्टर चेंज करके दिखाता हूँ जस्ट मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो ये भी सासू मा हो चुके हैं बिल्कुल सेम टू सेम सकल अब जो डबल रोल वाले एनिमेशन नहीं होते लाइक डुप्लीकेट मैं जो होता है आई डोंट नो कि मैं क्या कह रहा हूं बट जो भी है ठीक है अभी देख सकते हो ये आ चुका है साहू अला भैया बहुत ज्यादा अमीर है अब चलो यार मैं इन दोनों कैरेक्टर को चेंज नहीं करना चाहता हूं मैं इधर आपको एक कैरेक्टर लेकर दिखाता हूं ठीक है अब देखो आपको और अपना करेक्टर लाइक एनिमल का एड करना है तो वो भी कर सकते हो सिंपल आपको इसी कैरेक्टर वाले ऑप्शन पे जाना है उसके बाद देखो क्या करना है नीचे आपको गेट करेक्टर का ऑप्शन देखने को मिलता है ना जस्ट आपको इस पे क्लिक करना है इस आप जैसे क्लिक करते हो तो आपको एक वेबसाइट पे भेज देने वाला अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर भेजेगा जहां पर आपको काफी सारे करेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं तो थोड़ा सा मैं काफी ज्यादा आगे चला गया था तो देखो मैंने कुछ करेक्टर्स को इधर पहले चेंज कर दिया क्योंकि जब आप अपने एप्लीकेशन को ओपन करने वाले तो कुछ इस तरीके के करेक्टर आप लोगों को दिखेंगे हाँ देखो भाई सब कुछ बेसिक से लेकर चलो तो ज्यादा बेटर रहेगा वरना आप इसे ओपन करोगे तो आप लोग बोलोगे भाई मेरा वो कैरेक्टर नहीं है वो कैसे आया था तो बेसिक से एडवांस पे चलेंगे वापिस हम इधर क्लिक करने वाले हैं इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो नीचे देखो आपको गेट कैरेक्टर का ऑप्शन देखने को मिलता है ठीक है इधर से तो आप करेक्टर को चेंज कर सकते हो वेट आप अपना करेक्टर कैसे ले आ सकते हो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आप अपना करेक्टर कैसे बना सकते हो उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं अभी जैसे देखो गेट करेक्टर पर आप जैसे क्लिक करोगे लाइक like मैंने क्लिक किया मुझे ये एक वेबसाइट पर भेज देने वाला है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिधर आपको काफी सारे फ्री में करेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जिनको आप यूज कर सकते हो ठीक है सो so, मुझे देखो ये जो हूमन का सबसे पहले देखने को मिल रहा है ना जस्ट मैं इस पर टैप करूंगा तो मेरे पास कुछ कैरेक्टर्स आ जाने वाले हैं देखो ये आ चुके हैं अब इधर देखो आपको कुछ इसका नेम देखने को मिल रहा है और एक की कोड देखने को मिल रहा है सो so, इसको क्या करना है आपको कॉपी कर लेना कॉपी करने के बाद एक जगह पेस्ट करना होगा वो कौन से टूल में पेस्ट करना है उसके बारे में अभी बताऊंगा तो काफी सारे कैरेक्टर्स आप लोग को इसमें देखने को मिल रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके इसके कोई भी पैसे नहीं लगने वाले हैं जस्ट मैं बैक करता हूँ ओके नीचे आपको देखो इस इसपे मुस्लिम कैरेक्टर का भी देखने को मिल जाता है देखो काफी सारे कैरेक्टर्स हैं यार इनको आप यूज कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बस इसका नेम को ये जो नेम है इसको कॉपी करना है एक जो एक की कोड है इसको कॉपी करना है जस्ट मैं बैक चलता हूं देखो इधर आपको ओल्ड मैन का भी देखने को मिल जाता है मतलब इस तरीके काफी आप बात करते हैं कि जैसे कि जानवर वगैरह के तो वो कैसे मिलेंगे जस्ट मैं देखो दूसरे नंबर पर जाता हूं नेक्स्ट पेज पे उसके बाद देखो ये स्केल्टन का करेक्टर आप लोगों को देखता है तो स्केल्टन वाले पे अब जैसे क्लिक करोगे इसका भी की कोड आ जाता है एक बार मैं क्लिक कर देता हूँ यार देखो बेसिक से एडवांस तक जा है। रहे हैं मेरी कोशिश यही रहेगी आपको सब कुछ पता लगे स्केल्टन को कॉपी करना और इसके की कोड को कॉपी कर लेना उसके बाद जाके एक जगह पेस्ट करना होगा पर पेस्ट करना बताता हूँ अब देखो विलेज वाला ये वाला जो करेक्टर है इसमें देख सकते हो काफी सारे देखने को मिले ये देखो इसकी मुंडी कट चुकी है भाई ये रहा इसका मुंडी का जो अलग सा पार्ट है ओके okay, देखो इस तरीके के आपको बहुत सारे करेक्टर्स देखने को मिल रहे इधर से आप ले सकते हो ये देखो नागिन का करेक्टर भी आ चुका है जस्ट ये देखो नागिन का जो करेक्टर है काफी सारे करेक्टर्स इनका आप यूज कर सकते हो अब इनके ड्रेसअप वगैरह जैसे आप अपने हिसाब से देना चाहोगे नीचे स्क्रॉल करोगे तो देखो आपके बर्ड कैरेक्टर देखने मिल रहा है ना जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है तो बर्ड के भी करेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं लाइक मैं आपको इसलिए सब बता रहा हूं बेसिक्स नॉलेज अगर आप खुद से ना बनाना चाहो आपको इधर मिल सकता है देखो फीमेल का कैरेक्टर हो गया ठीक है टूनी मेल का करेक्टर हो गया ये देखो टूनी बर्ड का करेक्टर हो गया है So, देख सकते हो कितनी ज्यादा अमेजिंग अमेजिंग इनको कैप वगैरह कैसे पहना सकते हो इस तरीके कैसे बना सकते हो सब कुछ बताने वाला हूँ भाई बेसिक से एडवांस तक चलेंगे और भी बहुत सारे कैरेक्टर आप देखो इधर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने में मिले लाइक ये देखो सांप का देखने को मिल जाएगा नीचे स्क्रोल करोगे तो और भी सारे देखो एक मॉन्की करेक्टर देखने को मिल जाएगा जस्ट मैं इस पर क्लिक करता हूँ जैसे क्लिक करता हूँ देखो गुरिया का करेक्टर वगैरह भाई देखो कितने सारे कैरेक्टर्स हैं ठीक है जस्ट एक बार क्या करना आपको इसके की कोड को कॉपी करना है इन दोनों को कॉपी करके आप पेश करना होगा पेश कहां करना है वो मैं बता देता हूँ नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है एसपी इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो देखो इधर लिखा हुआ है ना नेम और की कोड इधर आप बस वो दोनों को पेस्ट कर देना उसके बाद इंपोर्ट वाले पे क्लिक कर दोगे तो आपका आ जाने वाला है देखो मैं नहीं करने वाला हूँ क्योंकि भैया मेरे पास काफी सारे कैरेक्टर्स पहले से है सो मैं उधर ही चलता हूँ इसे ओके कर देता हूँ देखो ये काफी सारे इसलिए अब देखो इसके बारे में आपको पता चल गया इधर से आप कैरेक्टर ले सकते हो उसको कर सकते हो जैसे मैं अपना खुद का कस्टम करेक्टर लेना चाहता हूं जस्ट मैं इस पर क्लिक करूंगा उसके बाद देखो इंपोर्ट कैरेक्टर का ऑप्शन देखने को मिला ना जस्ट मैं इस पर क्लिक करूंगा उसके बाद ये फॉर्म प्रोफाइल पे आपको टिक कर देना उसके बाद लोड वाले पे क्लिक करना है ये आपको आपके गैलरी में भेज देने वाला है जस्ट मैं इस पर क्लिक करता हूं तो इधर से मैंने एक अपने कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेना है लाइक मैं कर लेता हूं चुड़ैल वाले कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेता हूं देखो ये चुड़ैल का कैरेक्टर आ चुका है इसी तरह काफी सारे कैरेक्टर आप इस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हो अब इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये है सेटिंग का ऑप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई देखो इसके बारे में भी पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है अभी तो देखो आपको इंपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है इधर आप एनिमेशन को इंपोर्ट कर सकते हो एनिमेशन कैसे कुछ समझे नहीं ना देखो इधर आपको पार्टिकल एफ

मतलब जो स्मोक्स होता है अब देखो ये जो मुंह हिलाड़ी फेस का जो इसका रिएक्शन वगैरह ये आप कैसे दे सकते हो इसके बारे में डिस्कस करते हैं पर हाँ देखो एसपी में आपको पता चल गया कि आप इधर से क्रेक्टो को इम्पोर्ट कर सकते हो उस वेबसाइट के थ्रू ठीक है तो यहां पर आपको ये चीज पता चल चुका है इसको मैं ओके करता हूं अब यहां पर पहले यार मैं इसको नन कर देता हूं बिकॉज मुझे इसकी जरूरत नहीं है अब इन दोनों के बारे में आपको आगे बताने वाला हूं इन तीनों के इन चारों के जो है इसको आगे बताऊंगा उससे पहले आपको इधर एक ऑप्शन देखने को मिलता है ये वाला ठीक है इसका काम क्या है इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो वापिस आपका करेक्टर वन टू थ्री फोर इसपे मतलब आप उनके हाथ में कुछ भी दे सकते हो लाइक इस पे देखो पर्स पे क्लिक करता हूँ तो इस पहले वाले करेक्टर के हाथ में पर्स आ चुका है ठीक है ऐसे में क्या करता हूँ दूसरे के हाथ में इधर दे देता हूं ए दे देता हूँ लाइक ये

लाइक like, इसके हाथ में ये दे देते हैं ओके okay, ठीक है ये देखो ये आ चुका है इसके हाथ में बट ये ये क्या है यार फोन फोन पे बात कर रही है और ये हाथ में पकड़ा हुआ है सो so, मैं एक काम करता हूं देखता हूं अगर इसमें फोन का ऑप्शन है तो ठीक है वरना हमें फोन जो है अलग से ऐड करना पड़ेगा वो कैसे होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा देखो इसको आप आपको छोड़ो इसको अभी आप छोड़ो और नेक्स्ट ऑप्शन पे ध्यान दो ये क्या चीज है इस पर आप क्लिक करोगे तो बैकग्राउंड को आप देखो इस तरीके से घुमा फिरा सकते हो सो इसके ऊपर भैया ज्यादा मेरे को मतलब अभी जाने की जरूरत नहीं है बस सिंपल समझ लो कि भैया इधर स्क्रीन अपनी हिल जाती है ठीक है जस्ट इसको ऐसी छोड़ दो इस पर क्लिक कर दो इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलता है ये बैकग्राउंड है का ये आपको पीछे जो बैकग्राउंड दिख रहा है ना ये जो घर का बैकग्राउंड है इसको आप चेंज कर सकते हो जस्ट मैं इस पे जाता हूँ उसके बाद देखो ग्रीन स्क्रीन में आप करना चाहते हो वो भी ब्लू स्क्रीन में ये भी जस्ट मैं ग्रीन पे करता हूँ तो देखो ग्रीन स्क्रीन आ चुका है उसके बाद मैं ब्लू पे करता हूँ तो ब्लू आ चुका है अब देखो ये जो नेक्स्ट है बैकग्राउंड वन ये वाला हो गया इसका नेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ लाइक ये देखो ये हो गया चेंज नेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ ये देखो काफी सारे बैकग्राउंड्स देखने को मिलते हैं आप अपना कस्टम खुद का कैसे ले आ सकते हो उसके बारे में डिस्कस करेंगे लाइक एक काम करता हूं मैं अपना खुद का जो है इंपोर्ट कर लेता हूं इधर देखो इंपोर्ट वाला ऑप्शन देखने को मिलता है जस्ट मैं इधर क्लिक करता हूँ उसके बाद ये मुझे मेरे गैलरी में भेज देगा इधर बैकग्राउंड वाले पे जो भी मेरा बैकग्राउंड होगा उस पर अब देखते हैं इधर हमें कौन सा बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है वैसे मेरे पास काफी सारे काफी ओसम ओसम बैकग्राउंड है इनका मैं यूज कर सकता हूँ बट मैं कोई सिंपल सा लेने वाला हूँ लाइक ये हाउस का ले लेते हैं देखो ये हाउस का बैकग्राउंड आ चुका है भाई बहुत ज्यादा बेसिक और बहुत ज्यादा एडवांस लेवल के एनिमेशन हम आपको सिखाने वाले तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ये बैकग्राउंड मुझे थोड़ा बढ़िया नहीं लग रहा है यार तो मैं काम करता हूँ कोई और बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेता हूँ आई थिंक ये वाला ले, ले लेते हैं बिकॉज हाँ ठीक है ये वाला हमने ले लिया पहले जो बैकग्राउंड था उससे पहले इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको इधर कर देते हैं ठीक है वापिस ऐसे किए इसको थोड़ा तो तो नीचे कर देते हैं क्योंकि जमीन पे खड़ा रहना चाहिए ना देखो ये हो चुका है आपके चारों करेक्टर आ चुका है मूवमेंट कैसे देनी है और ये रिकॉर्ड वाले का क्या काम है इसके बारे में आगे बताऊंगा उससे पहले इसके जो मूवमेंट देने के लिए आपको क्या करना होगा देखो इस कैरेक्टर को पूरे मूव कराने के लिए आपका नीचे मूव का ऑप्शन देखने को मिलता है इधर से आप मूव करा सकते हो काम करता हूं इधर हम एक सिंगल कैरेक्टर लेने वाले हैं तो कैरेक्टर को हटाने के लिए आपको क्या करना होगा सिंपल से वापस कैरेक्टर वाले ऑप्शन पे जाना है जस्ट मिस पे जाता हूँ उसके बाद इंपोर्ट वाले पे जाना है उसके बाद देखो ये नन का ऑप्शन देखने को मिलता है ना एनो एनी इस पर क्लिक कर देना ये हट जाएगा सब पे मैं कर देता हूँ एक चुड़ैल वाले करेक्टर को छोड़ देता है देखो सिंगल करेक्टर है अभी तो देखो मूव वाला करेक्टर इस पर आप क्लिक करके कहीं पर भी इसको ले जा सकते हो स्क्रीन में कहीं पर भी ठीक है उसके बाद देखो इसकी जो मूवमेंट है वॉकिंग वगैरह बाकी बात बूत कैसे करता है आपको जो प्लस वाला ऑप्शन देखने को मिलता है जस्ट इस पे क्लिक करना है आगे बढ़ने से पहले इसकी साइज देखो नीचे साइज लिखा हुआ आपको देखने को मिलता है ना जस्ट आप साइज पे क्लिक करोगे तो देखो इसकी साइज बढ़ा या घटा सकते हो लाइक देखो इसकी इतनी बड़ी है इसकी साइज को मैं फुल कर देता हूँ लाइक जस्ट मैं फुल कर दे देखो कितनी बड़ी साइज इसकी हो चुकी है अब मैं इसी तरह वापस जाता हूँ इसके साइज को मैं कम कर देता हूँ जस्ट प्लस वाले क्यों इसके साइज़ को लाइक मैं काफ़ी ज़्यादा छोटी कर देता हूँ ये देखो इसकी साइज कितनी ज़्यादा छोटी हो चुकी है ठीक है इस तरीके से आप इसकी साइज को मेंटेन कर सकते हो अपने हिसाब से जितनी बड़ी रखना चाहो रख सकते हो अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ मैं पहले इसकी साइज़ को वापिस इंक्रीज़ कर लेता हूँ मैं वेट इसको मुझे ऊपर करना होगा बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा नीचे चला जाएगा जो हमें प्रॉब्लम दे सकता है सो so, इसे थोड़ा और छोटे करते हैं इसे मूव करके ऊपर की ओर ले आते हैं अब इसकी साइज़ को बढ़ाते हैं ठीक है

तो आपको ऑप्शन है इसको मत छेड़ना ये जो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितने भी आपको ऑप्शंस देखने को मिल रहा है ना इनका काम होने वाला है सबसे पहले वाले पे आप क्लिक करोगे तो आपको देखो काफी सारे मूवमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा लाइक like, एंग्री वाले पे क्लिक करोगे देखो एंग्री करियो गुस्सा हो रही है लाइक like, सेकंड वाले पे करता हूं तो देखो कुछ इस तरीके का थर्ड वाले पे क्लिक करता हूं देखो इस तरीके की दिख रही है अब इसके नेक्स्ट वाले पे जाता हूँ तो ये देखो बिटन है जो डर जाते हैं ऐसा कुछ अब देखो ये गिर चुकी है अब और भी दिखाता हूँ लाइक इस पे देखो फ्रंट में गिरी है अब नीचे स्क्रॉल करते हैं लाइक फ्लाई वगैरह हो गया ये देखो ये सिंपल आइडल है ठीक है अब इस पर हम फ्लाइंग आइडल ये देखो फ्लाय करिए अभी हवे में उड़ी है ठीक है ये हवे में उड़ रही है अब ऐसे में काम करता हूँ और भी देख लेते हैं लाइक नीचे स्क्रॉल करते हैं ठीक है ये लेडी रन ये देखो डॉ रही है ठीक है अब और भी इस तरह दिखाते हैं एकदम हाई क्वालिटी की कैसे रनिंग कर सकता है कैसे एकदम बढ़िया तरीके से रनिंग कर सकता है उसके बारे में बताऊंगा ये देखो अभी किक कर रही है ठीक है नीचे स्क्रॉल करता हूं और भी देख लेते हैं लाइक ये देखो बैकग्राउंड में इधर उधर देख रहे कोई है तो नहीं किसको मारू कुछ इसके और भी मूवमेंट को देख लेते हैं अब देखो इसका जो बाकी सारे जितने भी दिख रहे हैं ना आपको ये देखो वापस में प्लस वाले पे क्लिक करता हूं एक बार जिसमें प्लस वाले पे क्लिक किया अब देखो जो दूसरे नंबर तीसरे नंबर और चौथे नंबर पांचे नंबर पे जितने भी दिख रहे हैं आपको लाइक ये दिख रहा है ना मूव टू थ्री फोर फाइव सो इन सब का क्या काम है देखो जब आप स्क्रीन पे क्लिक करोगे लाइक अभी मैं वापस से प्लस वाले पे क्लिक करता हूं ठीक है तो इधर देखो पहला है फोन कॉल दूसरा है किक तीसरा है गिरने वाला चौथा है रनिंग पांचवा है लिंक डाइ अब देखो स्क्रीन पे आप जैसे क्लिक करोगे तो इसका जो मूवमेंट है चेंज हो जाने वाला है ठीक है देखो चेंज हो रहा है देखो बात बुत करिए so, इसकी मतलब टैप करके आप इसके मूवमेंट को इस तरह एक्सचेंज करा सकते हो लाइक ये देखो इसकी आइज वगैरह को आप नीचे हल्का सा स्क्रॉल देखो आइस के पास जाके नीचे स्क्रॉल करोगे तो इसका व्हाइट सा हो जाने वाला है इस तरीके से आप वाइट सा ले आ सकते हो अब देखो इसमें लेइंग डाउन प्लस मैं वापस से क्या करता हूँ इसे आइडल कर देता हूं देखिए देखो आइडल हो चुकी है ना एकदम शांति से खड़ी है चलो आपको बेसिक पता चलेगा भैया इधर से आप इसकी मूवमेंट वगैरह चेंज कर सकते हो अब करेक्टर आप अप अपना कस्टम कैसे ले आ सकते हो सो सरप्राइज तो मैं आपको लास्ट में दूंगा सबसे पहले क्या करते हैं मैं अपना खुद का करेक्टर ले आता हूँ उसके लिए मुझे क्या करना है करेक्टर वाले पे जाके वापस से नन वाले पे जाना है इधर कस्टम वाले पे जाना है उसके बाद अपना एक करेक्टर को इधर इम्पोर्ट कर लेना है जस्ट मैं इधर से अपने करेक्टर को इम्पोर्ट कर लेता हूं एक काम करते हैं हम कोई एनिमल का करेक्टर लें ये ये थोड़ा चुड़ैल का ठीक लग रहा है ये देखो डायन आ चुके है इसको मैं दूसरी टाइप कर देता हूं ओके ठीक है दोनों की जोड़ी काफी ज्यादा औसम लग रही है सो यार देखो ये आपका सेट हो चुका है अब बात करते हैं आप मूवमेंट वगैरह एनिमेशन कैसे कर सकते हो तो सबसे पहले एनिमेशन जो हम करने वाले हैं वो हम करेंगे काम करते हैं स्टार्टिंग से करें लाइक सन एनिमेशन या कुछ और ऐसा कुछ करते हैं ठीक है तो सन एनिमेशन से करेंगे तो उसके लिए मैं एक एप्लीकेशन का यूज करने वाला हूँ सबको कट करता हूं तो एप्लीकेशन का नाम जो है काइन मास्टर जस्ट आपको इसे ओपन कर लेना है मैं इसे ओपन कर लेता हूँ नो थैंक्स इधर मैं चलता हूँ ओके प्लस ग्रेट देखो इस एप्लीकेशन को आप जैसे ही ओपन करते हो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा सो so, भाई स्टार्टिंग जो है मैं एडिटिंग से करने वाला हूँ बिकॉज यार अगर मैं स्टार्ट कर दूंगा तो बाद में पता नहीं कि मैं समझा पाऊँ कि ना पाऊ so, इसलिए मैं स्टार्टिंग यहां से कर रहा हूँ बिकॉज इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना जरूरी है बिना इसको समझे आप आगे नहीं बढ़ सकते तो देखो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक्स ही नॉलेज दे देता हूँ आपको इधर देखो ये जो मीडिया का ऑप्शन देखने को मिलता है ना जस्ट इसमें आपके सारे इमेजेस वीडियो वगैरह रहते हैं जस्ट मैं इस पर क्लिक करके ना इमेज एसेट पे जाके ठीक है यहां से मैं क्या करता हूँ ब्लैक चूज कर लेता हूं यहाँ पर देखो मैंने ब्लैक ले लिया अब कुछ बेसिक चीजें आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ लाइक देखो इधर जैसी ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये लेयर का ऑप्शन है इसमें सबसे ऊपर मीडिया का ऑप्शन होता है इसमें सेम तो ही आप इस पर क्लिक करोगे कर देखो सेम आता है इसमें आपकी इमेजेस वगैरह आएंगी बट हां जब आप मीडिया पे क्लिक करोगे ना तो इसपे क्लिक करने से क्या होता है कि आपके फोल्डर में जैसे ये है ठीक है ये है तो इसके पीछे आ जाएगा इधर सेट हो जाएगा बट जो लेयर वाला ऑप्शन है जैसे कि लेयर वाला है इस पे क्लिक करके अगर करते हो तो नीचे के साइड इमेजेस आएंगे लाइक देखो मैं इस पे क्लिक करता हूं कोई इमेज वगैरह ले लेता हूँ जैसे काइन मार्शा का जस्ट मैं इसे ले लेता हूं देखो इसे मैंने जैसे लिया है तो ये सब अभी आप लोग बनाना सीखने वाले हो जो अभी आप इस स्क्रीन पर देख रहे हो ना ये सब आप लोगों को सिखाऊंगा ये सब कैसे होता है कैसे बात करिए ठीक है देखो तो ये अभी नीचे आ गया ठीक है तो इधर से ये फायदा है कि इसको मैं देखो छोटा कर सकता हूं जैसे कि मैं एक स्क्रीन को इधर ले आता हूं ठीक है एक इधर ले आया अब इसके साथ मैं एक और चीज ले आ देता हूं जैसे कि कोई और सीन को मैं ऐड करना चाहूँ जस्ट मैं इस पर क्लिक करके उसको भी सेट करूंगा Like, सेट करता हूँ मूवमेंट वगैरह आप देख सकते हो जो आपको लेयर वगैरह दिख रही है, ठीक है? तो ये होता है इसका। और हाँ, इसे आप जैसे क्लिक करोगे अभी देखो ये फ्रंट में है ये वाली इमेज ये जो पूरी है ये ऊपर है ठीक है इसको पीछे भेजने के लिए हम क्या करेंगे जैसे आप मैं इस वाली इमेज को सिलेक्ट करता हूँ इस पर जैसे सिलेक्ट करता हूँ ऊपर तीन लकी आ जाती है जस्ट मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो इधर सबसे पहला देखने को मिलता है डुप्लीकेट डुप्लीकेट बोले तो इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो इसका डुप्लीकेट हो जाने वाला देखो एक और डुप्लीकेट हो गया इसको मैं इधर कर सकता हूँ डुप्लीकेट हो गया ना मतलब इसका डबल रोल हो चुका है बट हमें ये नहीं करना है जस्ट मैं इस पर क्लिक करके वापस थ्री डॉट पे क्लिक करता हूँ फिर उसके बाद देखो कुछ और ऑप्शन आता है लाइक ब्रिंग टू फ्रंट इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि आगे भेजो मतलब कि देखो अभी ये वाली इमेज फ्रंट में आगे की तरफ है ठीक है बट उसके पीछे देखो ये इमेज ने ये जो इमेज है ठीक है ये जो आपकी इमेज है ये पीछे वाले को दबा के रखी है ध्यान दो अभी इसका नोक निकला हुआ है ना ये छोटा सा नोक निकला है अभी देखना जैसे ही मैं इसको ब्रिंग टू फ्रंट इस वाले को नहीं जस्ट इसके ऊपर वाला नीचे गया है ना तो मैं इस पर क्लिक करूंगा इसको मैंने ऊपर करना है अभी देखो ये पीछे की साइड है तो इसको मैं जैसे ही इधर जाके ब्रिंग टू फ्रंट करूंगा तो ये ऊपर आ जाएगा देखो अभी ये ऊपर आ गया है देखो इमेज को इसने दबा दिया है लाइक मैं इधर हटाता हूं देखो अभी इसको दबा दिया है अगर मैं इसी को बैक करना चाहू तो क्या करूंगा वापस से मैं इस पर क्लिक करके इधर जाऊंगा फिर देखो इधर नीचे ऑप्शन देखने को मिलता है सेंड बैक ठीक है जैसे मैं सेंड बैक पे करूंगा तो बैक चल जाने वाले देखो बैक चला गया मतलब ये सेंड बैक सेंड फ्रंट ये जो है कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को समझाना जरूरी है क्योंकि आगे वीडियो में हो सकता है कि मैं उसे ढंग से क्लियर तरीके से आप लोगों को ना बता पाऊं इसलिए पहले ही बता दे रहा हूं अब देखो कुछ और चीज़ें है लाइक अब देखो इस पे लेयर वाले पे जाओगे तो कुछ इफेक्ट्स वगैरह हैं जो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा लाइक इधर से देखो इफेक्ट्स इफेक्ट है तो इधर से मतलब सिंपल बेसिक इफेक्ट्स हैं जैसे कि आप ब्लड वगैरह होता है वैसा कुछ है सो तो इसका तो यूज मैं कमी करने वाला हूँ बट ये जो स्टीकर्स है ना इसका यूज हम ज्यादा करने वाले हैं बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों को बताने वाला हो ठीक है इसी से रिलेटेड अब यहाँ पर देखो लाइटिंग वगैरह वाली है ये क्या चीज है जैसे मैं लाइट इधर करता हूं तो मतलब बेसिक बेसिक चीज़ें यार कुछ अफेक्ट्स हैं जो मैं इधर यूज करूंगा अपनी वीडियोस को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लाइक ये देखो ये जो धुआं वाला है जस्ट मैं इस पर क्लिक करता हूँ देखो ये धुआं सा आ गया है ना सो मतलब कि बहुत सारी चीजें जो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कुछ अफेक्ट्स कुछ मैजिकल हॉरर बहुत सारी चीजें यार अब देखो इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो जस्ट ये देखो काफी सारे और आ चुके हैं जस्ट मैं इस इसपे क्लिक करके जैसे इधर कर देता हूं अब देखो सिंपल से देखो मैं प्ले करता हूँ ये देखो लाइटिंग है ठीक है ना इन सब चीजों के बारे में डिटेल से आगे आपको बताऊंगा पहले मैं इसे डिलीट करता हूँ बिकॉज इसकी मुझे अभी जरूरत नहीं मैं आप लोग को बस समझाना चाहता हूँ क्या क्या सिस्टम होता है अब देखो मैं इसमें कलर ग्रेडेशन वगैरह भी करूँगा हो सकता है वो भी आप लोग को बताना भूल जाऊं या फिर ना बताऊं बताऊंगा तो शायद किसी को समझना है जिस हिसाब से बताना चाहूंगा तो देखो मैंने क्या करना है जस्ट इधर तो आपको पता है कि भैया ऑडियो जो आपके गैलरी में रहने वाली है वो सब आती है ठीक है यहाँ पर सारी आपकी जो भी गैलरी में वीडियो वगैरह जो भी फाइल में हो सो ऑडियो वीडियो नहीं ऑडियो होगी वो इधर आएगी बट मेरे पास तो अभी नहीं सो अभी नहीं दिख रहा है और इधर वाले से होता है रिकॉर्डिंग आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे स्टार्ट वाले पे क्लिक कर दोगे तो रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगा बाकी आप लोगों को रिकॉर्डिंग के बारे में अलग से मैं वीडियो बना रहा हूँ ठीक है तो उसमें एंड में बताऊंगा कैसे बॉयस ओवर करना है कैसे बॉयस चेंज करना है कैसे गर्ल की करनी कैसे बॉय की करनी एवरीथिंग आई विल टेल यू यार तो ज्यादा नहीं सोचने का ठीक है बहुत

ये ऑटोमेटिक पीछे आ जाने वाला है इधर आपका डिलीट का देखने को मिल जाता है बाकी मत छेड़ो यार ठीक है और इधर देखो आपको आउट एनिमेशन और इन एनिमेशन देखने को मिलता है सो इसका मैं यूज नहीं करूंगा ये जो रोल एनिमेशन है ना इसका मैं यूज करूंगा ताकि देख सकते कुछ ऐसे ब्लैंडिंग वगैरह के अफेक्ट हैं सो इसका मैं यूज करने वाला हूँ तो आपको इसके आगे बताऊंगा कैसे यूज करना है नीचे स्क्रॉल करोगे तो देखो इसका भी हम यूज करेंगे इसको डिटेल से बताएंगे और ये स्पीड का हो गया ये रिवर्स का हो गया सो आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये क्रॉपिंग का है ठीक है इधर से आप अपनी इमेज को क्रॉप कर सकते हो लाइक देखो मैं इमेज को इस पर क्लिक करता हूँ क्रॉप वाले पे गया ठीक है तो देखो इस पे आ चुका हूँ मैं अब इस इमेज को मैं छोटा करना चाहता हूँ लाइक मुझे सिर्फ बर्ड को दिखाना तो मैं इधर से इधर ले आऊंगा अब देखो यहाँ से सिर्फ बर्ड दिखने वाली है जैसे मैं प्ले करूंगा सिर्फ अपनी बर्ड दिख रही है और सारी स्क्रीन कट चुकी है सो तो मैं वापस से रिवर्स कर देता हूं और बाकियों को डिलीट मारता हूं क्योंकि अब थोड़ा डिफरेंट करने वाला हूं जस्ट मैं वापस जाता हूं मीडिया पे और इधर से मैं कोई एक ले लेता हूं स्क्रीन शॉट ये काम करते हैं हमारे पास वैसे काफी सारे हैं सो तो मैं इन्हीं में से किसी का यूज कर लेता हूँ जस्ट मैं इसका नहीं ये वाला क्योंकि कोई काम का नहीं होगा जस्ट इसे लेता हूँ और पिछले वाले में डिलीट करता हूं देखो ये जो इमेज है ये सिंपल से एक वैसे स्क्रीन शॉट लिया हुआ है ठीक है तो इसका जैसे कि मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं क्रोमा की वगैरह इनेबल करना होता है जस्ट ये देखो आपको क्रोमा की दिख रहा है ना इससे इसकी ग्रीन स्क्रीन जो है हट जाएगी जस्ट मैं इनेबल करता हूँ ग्रीन स्क्रीन हट गई ये बैकग्राउंड से पूरा हट चुका है तो सो मैं इसे वापस से डिलीट कर देता हूँ और बैक करते हैं हमने जो अभी आपने देखा था ना जो बनाया था अभी मैं उसको लेकर आने वाला हूँ देखो मैं रिवर्स कर रहा हूं इधर से रिवर्स कर रहा हूं सो इसे बैक होता है अब यहां पर मैं इसकी साइज को बड़ा करता हूं अब आपको थोड़ा फिल्टर वगैरह के बारे में दिखा देता हूं काफ़ी बार होगा कि मैं ना बता पाऊं या बताऊंगा वैसे कोशिश तो रहेगी कि जो जो चीजें मैं यूज़ वो आप लोग को क्लियर बताऊं यार ठीक है तो फिल्टर का ऑप्शन मिलता है जस्ट मैं फिल्टर पर क्लिक करता हूं तो काफी सारे फिल्टर्स सा आ जाते हैं काफी सारे इफेक्ट्स सा आ जाते हैं लाइक मैं इसको चेंज करता हूं देखो किस किस तरीके के इफेक्ट्स हो जाते हैं मतलब कि ये पूरे स्क्रीन पर इफेक्ट्स पा देता है जिससे पूरा चेंज हो जाता है देख सकते हो कुछ इस तरीके का सो मैं इधर से करूंगा ये जो भी करने वाला हूं ठीक है तो बेसिक बेसिक चीजें मैं क्लियर कर देना चाहता हूं ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो अब यहां से एडजस्टमेंट है इसके कलर वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हो जैसे ज्यादा डार्क या हाई ब्राइटनेस वगैरह अपने हिसाब से जो भी एडजस्ट करना चाहो सो इधर से वो होगा आगे बताऊंगा आप लोगों को पूरा डिटेल से ये होता है ब्लेंडिंग मतलब स्क्रीन इस में इसका थोड़ा कम दिखने लग जाए देखो अभी कम दिख रहा है इसको ऑन कर दोगे तो ज्यादा दिखने लग जाएगा क्लियर तब समझ आएगा जब हम आगे जाने वाले हैं ठीक है तो और मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ नहीं यूज करूंगा जो यूज करूंगा वैसे बता दूंगी ट्रांसफॉर्म है इसको आप इधर उधर कर सकते हो लाइक देखो स्क्रीन पे ये देखो इधर उधर हो रहा है सो ये देखो ऊपर नीचे हो रहा है इससे ये चीजें होती है सो इसके बारे में आप लोगों को पता तो चल ही जाएगा आगे कैसे, कैसे कैसे क्या क्या मतलब बेसिक चीजें हमने क्लियर कर दी है अब एडवांस में चलेंगे और आप लोगों को समझाएंगे कैसे आप वॉइस ओवर कर सकते हो कैसे क्या कर सकते हो वीडियो कैसे बनेगी आप लोग वीडियोस को कैसे रिकॉर्ड करके हटा सकते हो मतलब सब कुछ बताने वाला हूँ यार और हाँ काफी लोगों को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आएगी सो मैं उनके बारे में बता देता हूँ कैसे होगा देखो सबसे पहले लेयर पे जाना है उसके बाद आपको क्या दिखता है यहाँ स्टिकर्स दिखता है ना स्टिकर्स पे जाना तो इधर देखो आपको क्या दिखेगा ये कुछ ऑप्शन है लाइक शॉप पर है सो मैं बता देता हूँ कि यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा आप लोग डाउनलोड कर लेना उसके बाद देखो आपको इसी ऑप्शन पे आना है ठीक है इस वाले हार्ड वाले फिर स्पेशल इफेक्ट सोशल इफेक्ट नहीं जस्ट इस पे जाके देखो कुछ इफेक्ट्स हैं जो आप लोग को देखने को मिलता है जो मैंने लाइटिंग वाली डाउनलोड की है ना देखो ये जो लाइटिंग वाली है इस इसपे जस्ट आपको क्लिक करना है और इधर जो डाउनलोड वाला ऑप्शन आएगा उसे डाउनलोड कर लेना तो तो डाउनलोड है सो मैं डाउनलोड नहीं करूंगा जैसे कि मैं आपको कोई भी एक बेसिक सा इफेक्ट से काम करता हूं मैं डाउनलोड कर लेता हूँ देखता हूँ कौन सा बेटर रहेगा लाइक ये वाला जो इफेक्ट मैंने डाउनलोड नहीं किया देखो ये डाउनलोड आ रहा है ना जैसे मैं इस पर डाउनलोड पर क्लिक करूंगा ये मेरा डाउनलोड हो जाने वाला है उसके बाद मेरी गैलरी में आ जाएगा इससे देखो कुछ इस तरीके के इफेक्ट्स आते हैं मतलब कि इस तरह के बेसिक इफेक्ट्स हैं जो इफेक्ट्स वगैरह जैसे कहते हैं ना तो वैसा कुछ आ सकता है अब यहां पर देखो ये वाले कुछ इफेक्ट्स अगर आप इन्हें यूज करना चाहते हो अपनी एडिटिंग के हिसाब से जिस तरीके से आपकी स्किल हो बाकी ये देखो एरा क्लाउड वाला जो मैंने आपको दिखाया था बादल सा कुछ

क्योंकि यहीं पर काफी लोगों को प्रॉब्लम आती है कि भाई कौन सा की मैं यूज करूं तो एटसेक्ट्रा बहुत सारी चीजें होती हैं सो चलो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको इधर क्या करना है एक ब्लैक सा लेयर चूज करना होगा उसके लिए आपको इधर देखो इधर जाना देखो सबसे सब पहला जो अपना सन एनिमेशन या मून एनिमेशन होगा तो मैं इधर जाता हूँ ठीक है उसके बाद जस्ट इधर इमेज पे जाता हूँ उसके बाद इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एक काम करता है पहले मैं आपको एनिमेशन दिखा देता हूँ किस टाइप के बनाने वाले हैं जस्ट मैं इस पर क्लिक करता हूँ ओके करता हूं देखो हम कुछ इस टाइप की बनाने वाले हैं इस टाइप के आप कैसे बना सकते हो देखो इसमें जो ये सन की मूवमेंट हो रही है प्लस जितने भी ऑब्जेक्ट आप लोग को दिख रहे हैं ना ये कैसे कहां से लाना है इसके बारे में बताता हूँ उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ेंगे देखो उसके लिए आपको क्या करना है सिंपल से से कट करना अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना जस्ट मैं क्रोम ब्राउजर को ओपन करता हूँ मेन मेनू पे जाने के बाद इधर आपको दो तरीके आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो या आप जो है पिक्सवे पिक्सल्स विक्टर जी एटसेक्टेड काफी सारे वेबसाइट्स हैं इधर मैं लिख देता हूँ वैक्टर जी ये देखो मैंने लिखा इधर डॉट कॉम करके जो आपको दिख रहा है ना यही चीज इसी वेबसाइट पे आपको आ जाना है उसके बाद देखो आपको क्या करना है इधर आपको अपनी आईडी वगैरह लॉगिन करने के आएगा लॉग लॉगिन वगैरह कर लेना सिंपल से मैं लॉगिन कर लेता हूँ लॉगिन करने के बाद देखो इधर से आपको काफी सारे फ्री इमेजेस देखने को मिल जाते हैं जिनको आप यूज कर सकते हो सिंपल सा यार इधर से आपको कॉपी नहीं देखने को मिलने वाला है देखो यहाँ पर देखो वैक्टर सेलेक्ट कर लेना जस्ट एक बार मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको काफी सारे ऑप्शन आएंगे लाइक इमेज फोटोज पी एनजी सो आप एक काम करना यार वैक्टर सेलेक्ट कर लेना या इमेज पे क्लिक कर देना तो इमेज हमें चाहिए तो इमेज पे कर देता हूं इधर मैं लिख देता हूं माउंटेन ठीक है माउंटेन करने के बाद इधर मैं सर्च कर दूंगा माउंटेन जस्ट मैंने सर्च कर दिया है ठीक है उसके बाद मेरे सामने काफी सारे इमेजेस सा आ जाएंगे लाइक अभी देखो ये वीडियो पे सिलेक्ट हो चुका है इमेज पे जाता हूं माउंटेन कार्टून ठीक है इसे करने के बाद सर्च वाले पे क्लिक करूंगा फिर अपना जो इमेज है काफी सारे देखो काफी सारे इमेजेस सा आ चुके हैं सो इनमें से किसी भी एक इमेज का मैं यूज करने वाला हूं नीचे स्क्रॉल करता हूँ लाइक मैं कौन सा यूज करूँ काफी सारे हैं पी भी है सो एक काम करते हैं कुछ अलग ही लेंगे ठीक है वो पिछली बार वाला आपने देख लिया किस तरीके का है देखो तो इधर से कितने सारे आपको बैकग्राउंड्स देखने को मिल रहे हैं कितने हाई क्वालिटी के बैकग्राउंड्स है एक काम करना ठीक है आप इधर जाने के बाद इसको पीएनजी भी सिलेक्ट कर लेना तो ज्यादा बेटर रहेगा पीएनजी का ऑप्शन जस्ट इधर फिल्टर पे जाते हैं एक बार देखते हैं किधर आएगा पॉपुलर फ्रेश हेडसेट एक वैक्टर इल्यूजन भैया इसे आप छोड़ो अब नीचे स्क्रॉल करो मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा कैसे आप कर सकते हो इसके बैकग्राउंड को इरेज ठीक है भाई इतना डीपली नहीं जाएंगे ठीक है सिंपल से बताऊंगा जैसे कि इस वाले का मैं यूज करने वाला हूं जस्ट मैं इस पर क्लिक करूंगा इस पर क्लिक करते ही फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखो डाउनलोड वाला ऑप्शन है डाउनलोड वाले पे क्लिक करूंगा फिर बोरा परचेस करने को जो कि मैंने नहीं करना है अब यही सेम इमेज ठीक है जैसे मैं इधर लिख देता हूं माउंटेन कार्टून ठीक है जस्ट मैं इस पर क्लिक किया उसके बाद इमेज पे जाता हूं इधर देखो कितने सारे बैकग्राउंड्स हैं अब इनको आप यूज कर सकते हो भाई आपको कोई भी कॉपीराइट नहीं आने वाला है अगर ये लाइसेंस वाले करते हो तो भैया बहुत ज्यादा बेटर फिर तो आपको कभी कोई भी नहीं दे सकता कितनी भी मेहनत कर ले आपको कभी आएगा ही नहीं जस्ट मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ एक को डाउनलोड कर लेता हूँ अब देखते हैं कौन सा डाउनलोड करें क्योंकि काफी सारे मिल रहे हैं अब जस्ट मुझे ये वाला काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है इस पर मैं क्लिक करूंगा लॉन्ग प्रेस करके रखूंगा डाउनलोड कर लेने वाला वालों ठीक है ये डाउनलोड जैसे ही हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा वापस होम पे जाने वाला हूँ उसके बाद इधर आपको लिखना होगा रिमूव बैग जस्ट मैं लिख देता हूँ रिमूव बैग अब तो देखो इस वाले वेबसाइट पर चल जाना है ये वाले वेबसाइट पे इस पर आप चल जाने के बाद इधर से हम बैकग्राउंड को इरेज करने वाले हैं देखो अपना मेन जो है काम इधर से स्टार्ट हो गया है सो भैया बिल्कुल भी स्किप मत करना अपलोड इमेज पे जाने के बाद आपको अलो कर देना उसके बाद इधर से अपने उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना जो भी अभी आपने इमेज लिया हुआ है जस्ट देखो ये आपका इमेज आ जाएगा उसके बाद आपको इसे सिंपल से डाउनलोड कर लेना है जैसे ही डाउनलोड कर लोगे तो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा अभी ये आपका इमेज छोटा सा दिख रहा है क्योंकि इस समय मैं मैंने रोटेशन ऑन किया हुआ है सो सिंपल से इसे मैं डाउनलोड क्लिक कर देता हूँ अब ओपन करके आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ देखो कुछ इस तरीके की इमेज आई है जस्ट मैं इसे अब कट करता हूँ ठीक है अब कट करने के बाद हम चलते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर जो एप्लीकेशन हमने ओपन की थी ठीक है जस्ट मैं इस पर आ चुका हूँ अब इसको मैं डिलीट करता हूँ वापस हमने ब्लैक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया है इसके साइज़ को आपको क्या करना है हल्के से इंक्रीज़ कर देने ठीक है इंक्रीज़ कर दिया हूँ अब इधर से आपने जो इमेज को डाउनलोड किया वो इमेज लेकर आनी होगी जस्ट मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इस इमेज को ले आता हूँ जस्ट ये रहा इमेज इसे मैं थोड़ी सी इसकी साइज़ को इंक्रीज कर देता हूँ ओके okay, ठीक है ये इंक्रीज हो चुकी है डन ठीक है इसे मैं कट करके एक बार डिलीट कर देता हूं ओके ये डिलीट हो चुका है वापस से मैं चलता हूं इधर देखता हूं मेरे पास कुछ वैक्टर वगैरह पड़े हों ऑब्जेक्ट वगैरह के तो बढ़िया बात है यार उसी का यूज कर लूंगा वैसे काफी सारे हैं ठीक है थीके? तो मेरे को अभी नहीं करना है ठीक सिंपल से मैं ये देखो अपना ये हो चुका है अब आपको क्या करना है जस्ट वापिस इधर ही आते हैं अब आपको क्या करना है देखो आपको स्टोर का ऑप्शन देखने को मिलता है ना जस्ट आपको इस पे क्लिक करना है स्टोर पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ अफेक्ट्स डाउनलोड करने होंगे जो कि बेसिक अफेक्ट ऐड कर लोगे तो बढ़िया बात है आपके बाद में भी काम आने वाला है जस्ट मैं काम करता हूँ इसे इधर करते हैं अब नीचे आपको स्क्रॉल करोगे तो काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं लाइक ए आई वाला तो हमें यूज नहीं करना है जस्ट मैं इधर इफेक्ट पे जाता हूँ देख लो आप इधर देख लेना आपको काफी सारे देखने को मिलेगा लाइक ये बर्ड वाला हो गया ये बटरफ्लाई हो गया और ये देख सकते हो यार बहुत सारे वाटर एनिमेशन भी देखने को मिल जाते हैं भी देखने मिल जाता है डिजाइनिंग भी देखने को मिल जाते हैं जिनका हम आगे यूज करने वाले हैं देखो इधर ट्विंकल वाला दिख रहा है ना आपके जो स्टार वाला है सच आप सिंपल सा क्या करना है जो स्टार वाला आपको दिख रहा है इसको डाउनलोड कर लेना आपको वैसे बहुत सारे देखो ये बार्डवल का दिख रहा है जस्ट आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ उसके बाद इन्हीं सब चीज़ों का हम यूज करके अपनी वीडियोज को क्रिएट करने वाले हैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ देखता हूँ और भी कोई मिल जाए तो बेटर है लाइक इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं ठीक है जस्ट मैंने डाउनलोड कर लिया है वापिस से देखते हैं ग्रीन स्क्रीन में कुछ है अपने लिए नो इधर भी नहीं है जिस जिसको मैं यूज कर रहा हूँ आप इसको भी यूज कर सकते हो अब मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ यार मैं डायरेक्ट यूज कर सकता था बट मेरी कोशिश ये रहेगी कि, कि हम बिगिनिंग लेवल से करें यार मतलब कि जहां से स्टार्टिंग होती है वहां से समझे तो ज्यादा बेटर रहेगा इधर स्पेशल इफेक्ट नाम का ऑप्शन देखने को मिलता है जस्ट आपको इस पे क्लिक करना है ठीक है उसके बाद जो इफेक्ट्स मैं डाउनलोड करने वाला हूँ वही आपको डाउनलोड करना है जस्ट आपको इस इसपे जाना है इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर देना है नेक्स्ट वाले पे जाना है डाउनलोड कर देना है ठीक है नीचे स्क्रॉल करना है फिर इधर जाना है इसे भी डाउनलोड कर देना है फिर थोड़ा नीचे आना है इसको भी डाउनलोड कर देना है जितने भी ब्लिंकिंग वाले आपको दिख रहे हैं इसे डाउनलोड कर देना क्योंकि इनका हम यूज करने वाले हैं अपनी वीडियो को बनाने के लिए जी हाँ इधर हम एडिटिंग करने वाले हैं देखो एडिटिंग के बारे में आपको एक वीडियो में कोई भी नहीं बताता सिंपल सा वीडियो बना के छोड़ देता है इस वीडियो में मेरी कोशिश यही रहेगी कि हम बिगनिंग्स लेकर एडवांस लेवल तक जाए अब देखो इधर आपको स्मोक इफेक्ट दिख रहा है तो इसको भी डाउनलोड कर लेंगे ये देखो ये वाला जो इफेक्ट है ना तो तो जस्ट इसको भी डाउनलोड कर लेंगे अब मुझे स्क्रॉल करता हूँ देखता हूँ और कोई इफेक्ट अपने लगभग यार सारी चीज़ें डाउनलोड हो चुकी है सिंपल से इसे कट करता हूँ होम पे चलते हैं इधर आप देखो आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे लेयर पर तो स्टिकर का है ना इस पर जाना है ठीक स्टिकर पे जाने के बाद देखो आपने जो भी डाउनलोड किया सारे इधर आ चुके हैं अब मैं क्या करता हूँ इधर एक ले लेता हूँ लाइक में ये वाला लेता हूँ ठीक है क्योंकि ब्लिंकिंग वाला हम यूज़ करने वाले हैं जस्ट मैं इस पर क्लिक करता हूँ थोड़ी इसकी साइज को मैं क्या करूँगा आगे कर देने वाला हूँ जस्ट मैं इसे आगे कर चुका हूँ नेक्स्ट भी मैं ले लेता हूँ एफेक्ट्स पे जाता हूँ उसके बाद एक काम करो आप ये स्मोक ले लो ठीक है स्मोक ले लो उसके बाद आपको पता चलेगा भाई क्या करने के वाला हूँ मैं एक्चुअली जस्ट मैं इसकी साइज़ को भी सेम आपको हर किसी की साइज़ को इंक्रीज़ कर देनी है जस्ट मैं इसकी साइज़ को भी इंक्रीज़ कर देता हूँ जस्ट मैंने इसकी साइज़ को भी इंक्रीज कर दिया अब नेक्स्ट साइज को भी इंक्रीज कर देता हूँ लाइक like, अब कुछ छोड़ लेते हैं एक और स्मोक देखते हैं ये भी स्मोक सही है बट ये काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन पे फैल जा रहा है सो मैं इसे नीचे रखने वाला हूँ जस्ट देखो इसको भी मैंने बड़ा कर दिया अब इसको क्यों बड़ा किया एक बार मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ देखो ये अभी सब कुछ स्क्रीन पे आ रहा है ठीक है ए टू जेड जो भी चीज़ें सारी इन स्क्रीन पे आ रही है सो मैं इसे कट करता हूँ अब देखो आपको क्या करना है जो स्काई वगैरह प्लस जो ब्लिकिंग वगैरह आपने डाउनलोड किए ना जितने भी स्टार्स वगैरह हैं सो इसे मैंने क्या करना है जस्ट मैं देखता तो हूँ कौन सा सेट रहेगा सो इसको मैं इस तरफ कर देता हूँ अभी इन सबको आपको मैनेज करना होगा मैनेज किस तरह करना है वो भी आप लोग को बताने वाला हूँ जस्ट मैं इस पर चलता हूँ ओके अब एक और हम अफेक्ट्स को यूज करने वाले हैं लेकिन सिंपल सा देखते हैं कोई मिल जाए स्टार का ये ठीक है इसको भी बैक कर देते हैं अब देखो इन सबको आपको बैक करना होगा बैक कैसे करना है मैं बताता हूं देखो आपको क्या करना है एक पे क्लिक करना है जिसको भी आप बैक करना चाहते हो मतलब ब्रिंग टू बैक देखो इस वाले के ऊपर आ रहा है इस समय ऑब्जेक्ट के ऊपर आ, आ रहा है तो इसके बैक लेकर जाना होगा इस बैकग्राउंड के बैक में आपको समझाता हूँ एक बार देखो प्ले करो अभी देखो इसके स्क्रीन के ऊपर सब कुछ है ये भी जो वाटर ये भी इसके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है प्लस ये जो देखो ट्विंकल हो रही है ना ये भी स्क्रीन के ऊपर आ रही है तो सबसे बढ़िया बैटर क्या है आप इस इमेज पे क्लिक करो जो आपको इमेज देखने को मिल रहा है उसके बाद ऊपर तीन लकीड़े दिख रहे हैं जस्ट इस पे क्लिक करो अब ब्रिंग टू फॉरवर्ड कर दो सबसे ऊपर कर दो इसे एक काम कर दो सेंड टू बैकवर्ड नहीं ब्रिंग टू फॉरवर्ड अभी देखो ये नीचे जा चुका है सो मुझे ये नीचे नहीं चाहिए ये जो धुआं वाला है फॉग है फॉग को मुझे फॉरवर्ड करना पड़ेगा ब्लिंक टू फॉरवर्ड ठीक है अब अगर प्ले करो देखो इस तरह लग रहा है और जो स्क्रीन के पीछे वो तो ब्लिंक हो ही रहा है ठीक है वो काफी ज्यादा बड़ा बड़ा है इसको मैनेज कर लेते हैं एक बार हम इसकी साइज को कम करेंगे ट्विंकल जो है स्क्रिल करता हूं ये रहा इसकी साइज को और ज्यादा कम करते हैं नीचे वाले को ठीक है बाकी सेट है ठीक है आप, आपको क्या करना होगा अपने चांद को लेकर आना होगा चांद को कहाँ से लाना है वापस आपको क्रोम पर जाना है ठीक है क्रोम पर जाने के बाद आपको सर्च करना होगा मून इमेज ठीक है हेम डबल ओवन मून पी एन जी लिख दोगे तो आ जाएगा देखो ई मेज पर जाते हैं अब देखो तो इधर आपको काफी सारे देखने को मिल रहे हैं सो आपको कोई भी एक डाउनलोड कर लेना है मैं एक काम करता हूँ जैसे कि ब्लिंकिंग वाला मुझे काफी अच्छा लग रहा है तो इसे मैं सिंपल सा करता हूँ डाउनलोड कर लूंगा जस्ट मैंने इसे डिटेल पर जाकर बार चेक कर लेना है इसका बैकग्राउंड मेरे ख्याल से पहले से ही रेज है सो सिंपल से मैंने इसे अपनी एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है इधर जाने के बाद वापस से क्या करना है ये मीडिया वाले पे जाके एक बार मैं आपको बता देता हूँ किस तरह मैंने किया है जस्ट ये देखो इधर क्या करना है आपको सबसे पहले इस लेयर पे क्लिक करना है उसके बाद आपको ये जो मीडिया का ऑप्शन देखने को मिला है जस्ट इस पे क्लिक करना है इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे देखो डाउनलोड वाला ऑप्शन है जस्ट इस पे क्लिक कर दोगे तो आपका देखो ये मून आ चुका है अब इसको क्या करना है आपकी इसकी साइज को इंक्रीज करनी होगी जस्ट मैंने इंक्रीज कर दिया ठीक है अब नीचे स्क्रॉल करो आप यहां पर ले आके ठीक है इतना ले आके आपको इधर की फ्रेम देनी होगी हल्का से इससे आगे करो देखो यहां पर मैं ले लिया हूं अब इधर प्लस वाला आइकन देखने को मिलता है ना जस्ट आपको प्लस वाले क्लिक करना है और इसे आगे करना है ठीक है आगे करने के बाद इसे आपको पूरा ऊपर कर देना जहां तक भी आप ले जाना चाहो तो इधर आपका जो की फ्रेमिंग सेट हो जाएगा ये देखो ये जो रेड रेड थोड़ा सा डॉट है ना ये सेट हो जाएगा मैं प्ले करके दिखाता हूँ आप लोग को देखो मून धीरे धीरे ऊपर जा रहा है ठीक है इस तरीके से आपका इफेक्ट्स बनेगा जैसे ये ऊपर जाएगा तो आपका ये चांद आ जाने वाला है अब इधर सिंपल से भी रख सकते हो हम एक काम करेंगे इसके बैकग्राउंड को और ज्यादा अभी एडवांस नहीं हुआ ये सिंपल है इसमें क्या करता हूं ब्रिंग टू बैकवर्ड कर देता हूं सेंड टू बैकवर्ड अभी देखो आप लोग देखो ये स्क्रीन के ऊपर है ठीक है बट इससे मुझे पूरा बैकवर्ड नहीं करना फॉरवर्ड ब्रिंग टू फॉरवर्ड क्योंकि स्टार्स जो हैं अपने नहीं दिखने चाहिए ब्रिंग टू फॉरवर्ड अब इधर से मुझे एक बैकवर्ड करना होगा ठीक है अब इसके स्टार्स पीछे हैं देखो स्टार्स जो हैं पीछे है, ट्विंकल कर रही हैं अब इधर आपको क्या करना है इधर देखो आपको क्या करना है सिंपल से जो आपको दिख रहा है ना बैकग्राउंड वाले को सिलेक्ट करना है उसके बाद आपको इधर से नीचे स्क्रॉल करना होगा इधर से नीचे स्क्रॉल करो नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको इधर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा वो है फिल्टर ठीक है देखो फिल्टर वाला जो ऑप्शन इस पे जाना फिर इधर भी नीचे स्क्रॉल करना फिर इधर बेसिक नाम का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जस्ट इस पे क्लिक करना फिर नीचे स्क्रॉल करना फिर देखो कर यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको B37 इस पर क्लिक करोगे और इसको क्या करना है अप्लाई टू ऑल कर देना जस्ट मैं अप्लाई टू ऑल कर देता हूं अप्लाई टू ऑल करने के बाद आपको छोड़ देना अब देखो आपका ये नाइट इफेक्ट हो जाएगा कुछ करिएट कुछ इस तरीके से अब इधर से धुआं आ रहा है अब इधर देखो अपना जो आपने दबाया था ना देखो ये किस तरीके से आ रहा है अभी देखो आपके कुछ ज़्यादा जो है डार्क हो गया तो आपको अपने इस मून को सेलेक्ट करना है देखो मैंने मून को सिलेक्ट किया है वापस से आपको स्क्रॉल करके उसी अफेक्ट्स वाले में चल जाना है स्क्रॉल करता हूं मैं अपना जो ये रहा फिल्टर फिल्टर में जाने के बाद इसकी इंटेंसिटी को आपको कम कर देनी बाकी को सेम रखना है ठीक है देखो अब अब इधर मैं प्ले करता हूँ एक बार देखो किस तरीके की आपकी बन के आई होगी ये देखो आपका मून आ रहा है भाई कितना ज़्यादा सिंपल था यार इधर आप और भी एडवांस कर सकते अब इधर क्या करता हूँ मैं सिंपल से जो दिख रहा है ना ट्विंकल वाले इसको मैं डिलीट करता हूँ बिकॉज मुझे ये ज़्यादा बेटर नहीं लग रहे हैं मैं इससे मिस्टीरियस को रहने देता हूँ जस्ट मैं इसे भी डिलीट करता हूँ हमने काफी सारी चीज़ें डाउनलोड की थी अब इधर जाता हूँ मैं ओके इस पर नहीं है मेन पे चलते हैं जस्ट बैक ओके मीडिया पे अब इधर आपको वीडियो एसेट पे जाना है इधर देखो काफ़ी सारी चीज़ें आ चुकी हैं अब जैसे मैं देखो इधर काफी सारे यार अब देखो मून के कितने सारे आप लोग को देखने को मिले इनको आप यूज कर सकते हो मैं इसमें से कौन सा यूज करूं मैं तो सच कंफ्यूज हो चुका हूं <laughs> कितने सारे हैं जस्ट मैं इस पर क्लिक करता हूँ इसपे क्लिक करने के बाद इसकी साइज को मैं इंक्रीज कर लेता हूँ जस्ट इधर करता हूं इसकी साइज को मैं इंक्रीज करता हूँ इंक्रीज नहीं होगी जितनी है इतनी रहने वाली इसे आपको बैकवर्ड करना होगा सेंड टू बैकवर्ड ओके सेंड टू बैकवर्ड बैकवर्ड एक एक करके करना होगा ठीक है सेंट टू बैकवर्ड चला गया ये अब देखो आपका जो ट्विंकल देखो किस तरह हो रहा है पीछे से ट्विंकल हो रहा है नीचे भी आप देख सकते हो नीचे भी ट्विंकल हो रहा है सो so, आपको एडजस्ट करना होगा थोड़ा बहुत इधर पानी का देना होगा वो कैसे देना है वो भी बताऊंगा एक काम करते हैं मैं जो आपको दिखाने वाला था ना वो दिखाता हूँ सबसे पहले वीडियो एसेट पे गए इधर मैं लिया इसके बादल बादल को लेने के बाद मैंने इसकी साइज को की इंक्रीज इंक्रीज करने के बाद मैं इसे कर दूंगा बैकवर्ड बैकवर्ड कैसे करना आप लोग को मैंने सिखाया है सेंट टू बैकवर्ड ठीक है ये देखो हो चुका है इधर आपको क्या करना है इसकी साइज़ को आपको डुप्लीकेट करना होगा इसे मैं कर देता हूँ डुप्लीकेट जस्ट मैंने इसे डुप्लीकेट किया है इसे वापस से मैं थोड़ा सा ऊपर लेकर जाऊँगा ओके इसे भी मैं सेंड टू बैकवर्ड कर दूंगा सेंड टू बैकवर्ड ओके ये भी हो चुका है अब देखो आप लोग किस तरीके का इफेक्ट लगने वाला है ये देखो पूरा देखो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है इधर देखो आपका चांद आ चुका है अब कितना ज़्यादा औसम लग रहा है पर हाँ इधर एक चीज़ है मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ इधर वापस मैं इसे डुप्लीकेट कर देता हूँ जस्ट इसको भी मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा और इसमें भी मुझे सेंड टू बैकवर्ड कर देता हूँ इसे सेंड टू बैकवर्ड ओके ये भी हो चुका है अब वापस आपको देखो जितने भी अफेक्ट्स हैं ना वापस आपको नाइट अफेक्ट्स सब में अप्लाई टू ऑल करना होगा बिकॉज यार सब कुछ हट चुका है हमने न्यू लेकर कर आया है सो इसे मैं थोड़ी सी सेट कर देता हूँ उसके बाद अपने इस चांद को जो है हल्का सा मैं एक काम करता हूँ सही कर देता हूँ इसके एडजस्टमेंट को फिल्टर पे जाके हल्का सा कम कर देता हूँ एक बार प्ले करते हैं देखते हैं अपना चांद हल्का सा सही नहीं लग रहा है सो मुझे वापस इसे एडजस्ट करना होगा जस्ट मैं वापस से फिल्टर पर जाता हूँ इंटेंसिटी को कम करता हूँ एक बार प्ले करते हैं ठीक है थीके? आप देखो किस तरीके लगे गए जैसे देखो ऊपर से हो पीछे से बारिश का सीन है साथ में ये भी निकल रहा है तो पहला सीन देखो कितना ज़्यादा ऑसम लग गया इसी तरह आप सन को कर सकते हो मैं सन का लेकर आता हूँ एक काम करता हूँ मैं सन का डाउनलोड करता हूँ ठीक है सन पी लिख के इधर मैं सन का डाउनलोड करूंगा देखो काफ़ी सारे हैं अब लाइक मून का देखते हो ना लाइक चंद्रमा जो है एकदम ब्लैक से हो जाता है वो कैसे कर सकते हो वही बताऊंगा इधर मैं इसकी जगह सन लिख देता हूँ ओके सन लिख देते देखो सन का आ चुका है अब सन में भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं अब आप सन में कौन सा यूज़ करोगे लाइक एक काम करो आप इफेक्ट का यूज़ कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा जैसे मैं लाइसेंस वाला है इसको यूज़ कर लेता हूँ इसकी पी है कि नहीं आई डोंट नो बट डाउनलोड करने के बाद ही पता चलेगा डाउनलोड करते हैं डिटेल में चलते हैं इसका देखते हैं ओके okay, इसका मुझे बैकग्राउंड को इरेज करना पड़ेगा सो so, उसके बाद काम होगा वापस मैं क्या करता हूँ रिमूव बैक पे चलता हूँ इधर चलते हैं रिमूव बैक पे गए रिमूव बैक पे जाने के बाद इधर मैं बैकग्राउंड इरेजर को सिलेक्ट करूंगा उसके बाद इसके बैकग्राउंड को हटा देने वाला हूँ अपलोड इमेज बैकग्राउंड पर सिलेक्ट डन किए और ये ही इसका रिमूव हो जाने वाला इसे हमने सिंपल से डाउनलोड कर लेना है कुछ भी नहीं करना है ठीक है ये देखो आपका ये रसन जस्ट आया नहीं अभी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ उसके बाद तो आ ही जाएगा डिटेल पे चलते हैं देखो तो ये सन कुछ इस तरीके का है इसे आपको एडजस्ट करना होगा अब जस्ट मैं बैक आता हूँ तो इधर देखो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा ना अब देखो सन में आपको इधर हमने दूसरा फैक्ट यूज़ किया था बट इधर रिप्लेस वाले पर जाके अब मैं सन को सिलेक्ट कर लेने वाला हूँ जस्ट मैंने सन को सिलेक्ट किया अब इसका एक एक चीज़ ध्यान दो कि इसके जो लाइटिंग है काफी ज़्यादा बेकार लग रही है ठीक है इसको एडवांस करने के लिए हम इसमें थोड़ी एडजस्टमेंट करने वाले हैं या इसकी ब्राइटनेस को मैंने थोड़ी सी इंक्रीज करनी है ठीक है कॉन्ट्रास्ट को हाई कर लेना है अब देखो इधर ये है कि हमने जहां से डाउनलोड किया था ना उसके कारण ये हुआ इसे मैं सेंड टू बैकवर्ड एक बार सबको बैकवर्ड कर देता हूँ फिर तो ब्रिंग टू ब्रिंग टू फॉरवर्ड नहीं सेंड टू बैकवर्ड सेंड टू बैकवर्ड मतलब सबसे पीछे चला गया है अब एक से आगे ले आते हैं अब देखो क्या हो रहा है ये देखो तो सन आ रहा है बट इधर तो बिल्कुल भी लाइटिंग नहीं पड़ी एकदम भद्दा सा लग रहा है मुझे तो सच बोलो बहुत ज्यादा बकवास लग रहा है सो मैं इसकी साइज को कम करता हूं देखो अब देखो इधर में गया ठीक है ये सन आया अब इधर आपको थोड़ी सी लाइटिंग और प्लस अपनी क्रिएटिविटी दिखानी होगी वो कैसे दिखानी है अब यहां पर देखो आपको क्या करना है स्टिकर्स में जाना है उसके बाद आपको क्या करना है इधर स्टिकर्स पे आने के बाद देखो आपको इधर जो भी अभी आपने इफेक्ट्स को डाउनलोड किया है ना अब आपको उसको यूज करना है ब्रो देखो यहां पर देखो कितने सारे इफेक्ट्स आपने डाउनलोड किए हुआ है लाइक सन के लिए मुझे ये काफी बेटर लगेगा सो मैं इसको यूज करने वाला हूं अब इस तरीके के एफेक्ट्स को आप यूज़ करोगे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिक लगेगा यार लुक उसका काफी ज़्यादा औसम आ जाएगा मैं इधर काम करता हूँ मैं नीचे चलता हूँ अब देखो इधर भी आपको की फ्रेमिंग का सेट करना पड़ेगा मैन क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इधर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ अब इसकी जो रेस है मुझे थोड़ी एडवांस लग रही है ना तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसे सिलेक्ट करना अब देखो इसे आपको सिलेक्ट करके रखना है अभी जैसे ही ऊपर जाएगा ना इसको आपको ऊपर कर देना उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या क्या चीजें करनी है अब ओके इसे मैं माइनस करता हूं देखो अब इसको हल्का सा आपको ऊपर करना ज्यादा नहीं यहाँ तक कर देना है और हाँ इसकी साइज को थोड़ी इंक्रीज करो आप लोग क्योंकि देखो वो एकदम सा जो है रेड सा है उसके बाद उसकी कलर को जो हमें एडजस्ट करना होगा ये हो चुका है अब इसे ब्रिंग टू बैकवर्ड कर दो आप सबसे पीछे भेज दो आप इसे सेंट टू बैकवर्ड अब इसे एक फ्रंट देखो मैंने इसे सबसे पीछे क्या किया सेंट टू बैकवर्ड उसके बाद एक फ्रंट क्यों क्योंकि हमारा ये जो सन दिख रहा है ना ये सबसे आगे उसके तो इधर हम करेंगे सेंट टू ये भी बैकवर्ड है इसे भी नहीं ब्रिंग टू फॉरवर्ड जस्ट मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये इसके ऊपर आ जाएगा अब देखो किस तरीके का इफेक्ट आने वाला है सन के जो लाइटिंग है इसे हम थोड़ी एडजस्ट कर देंगे या हम कोई और पीएनजी को यूज कर सकते हैं देखो किस तरीके के आ रहा है ये जो सन है मतलब अभी देखो इसमें हमने क्या किया एक मिस्टेक कर दिए कि ये नीचे देखो कहाँ गया आपका एकदम पीछे जा चुका है भाई ठीक है तो इसे आपको वापिस से फॉरवर्ड करना होगा कर देते हैं ब्रिंग टू फॉरवर्ड ओके इसमें माइनस करो आप लोग अब देखो अब एक बार प्ले करता हूं यहां से जस्ट देखो ये रेस देखो आप रेस पे ध्यान दो रेस कितनी ज्यादा अल्ट्रा लग रही है देखो अभी आपका सन आ रहा है अभी थोड़ा मुझे सही लग रहा है बट इसका जो कलर है ना ये सन अचानक से बड़ा क्यों हो गया भाई <laughs> ओके इधर हमने देखो ये साइज इसकी जो यहां पर हमने कुछ गड़बड़ की थी ठीक है तो ये हो चुका है ठीक है अब क्या करना है इसके सन का हम थोड़ा एडजस्ट करते हैं देखते फिल्टर से हो जाता है तो बढ़िया बात है वरना भैया आपको इसका भी थोड़ा चेंजेस वगैरह करने होंगे मैं तो देख लेता हूँ फिल्टर में जाके ऑप्शन होंगे यार आई थिंक होने तो चाहिए क्योंकि इसके बिना काम कहाँ होगा ठीक है ये वाला हमने यूज़ किया है अब इसको थोड़ा सा और मैं डार्क कर देने वाला हूं ठीक है डार्क कर दिया अब एक बार मैं देखता हूँ प्ले करके ठीक है ओके नाउ इट्स लुकिंग गुड यार अब थोड़ा मुझे सही लग रहा है क्योंकि सन के कलर को भी हमने एडजस्ट कर दिया है तो पहला सीन देखो अपना इस तरह कुछ क्रिएट हुआ है अब सेकंड में हम बाइक एनिमेशन करने वाले तो उसमें थोड़ा डिफरेंट होगा अब इसमें आप चांद भी ले आ सकते थे तो कुछ भी ले आ सकते थे अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से कर सकते हो अब पीछे देखो बादल है और नीचे के साइड देखो ऐसा लग रहा है कि भैया नीचे जो है पानी भरा हुआ है मैं इसे एक बार डिलीट करता हूं अब नीचे आप लोग देखो नीचे ऐसा लग रहा है पानी भरा हुआ है ठीक है ये देखो ये आपको नीचे दिख रहा है ना ऐसा लग रहा है कि इसकी जो ऊपर की पूरी रेज़ है नीचे पड़ी है इसकी परछाई जो है नीचे पड़ी है सो so, ये काफी अमेजिंग लग रहा है अब दूसरे सीन पे चलते हैं दूसरे को सीखते हैं इस वाले सीन को आपको सीखने में मजा आया कि नहीं कमेंट में जरूर बताना अब दूसरे सीन की तरफ चलते हैं सर so, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम उसकी इंट्रो देख लें तो काफी ज्यादा बेटर रहेगा पहले आप ये वीडियो देखो मैंने आपको वैसे स्टार्टिंग में दिखाया था बट उतनी डिटेल से नहीं बता पाया था इसमें जो पेड़ की मूवमेंट हो रही है मैं आपको इसमें दो चीजें समझाने वाला हूँ ठीक है पहली चीज मैं आपको नाइट इफेक्ट दिखाऊंगा बिल्कुल सेम टू सेम हम ऐसा कुछ क्रिएट करेंगे नहीं यार थोड़ा एडवांस करें तो नहीं बेटर रहेगा एक काम करेंगे इससे थोड़ा एडवांस करेंगे और हाँ Yeah. you हम डे वाला भी यूज करेंगे ये तो नाइट का सीन हो गया ना आप इसी को डे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो बट हाँ डे में थोड़ा डिफरेंट लाइक like जो इसकी स्काई की मूवमेंट होती है वो आप कैसे करा सकते हो मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थे ना जिसमें स्काई का इफेक्ट हो रहा था स्काई जो है मूव कर रहा था सो कैसे हो रहा था उसके बारे में डिस्कस करेंगे ठीक है चलो फिर आप सीखते हैं कि ये कैसे कर सकते हो वापिस से हम बिगनर्स की तरह सोचेंगे और समझेंगे भाई कैसे कैसे क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है ताकि वो प्रॉब्लम आप लोगों को फेस ना करनी पड़े मेरी कोशिश इस बार भी वही रहने वाली जैसे हर बार कोर्सेस

उसके बाद अपने ये टोडी करेक्टर जैसे शिस्पे गया काफी सारे करेक्टर हैं यार जिनका मैं यूज कर सकता हूँ बट एक काम करते हैं थोड़ा डिफरेंट ले या फिर यमराज को बैठा दे क्या कहते हो यमराज का करेक्टर ले लेते हैं देखते हैं किस तरह लगता है ओके यमराज का करेक्टर नो यार अगर ये बाइक चलाएगा चलो ठीक ही है वैसे कुछ खराब नहीं है इसका मुझे लंगोट लंगोट भी उड़ाना पड़ेगा तो थो वो थोड़ा बेकार हो जाएगा क्योंकि गाड़ी चलाते वक्त लंगोट भी उड़ने लग जाएगा काम खराब हो जाएगा फिर भी जैसा बनेगा आप लोग को समझाना है मुझे ठीक है सबसे पहले इधर को चुड़ैल को मैं हटाता हूं अब मैंने हटा दिया अब देखो ये जो कैरेक्टर है इसमें मैं अगर कुछ भी एनिमेशन दूंगा ना तो भैया काम नहीं करेगा क्योंकि देखो हम जब बाइक चलाते हैं तो अपना ये जो हैंड है नहीं दिखता है सिर्फ ये वाला हैंड दिखता है ये दिखता भी है तो भैया अपने साइड में रहता है जब हम फुल सपोर्ट में करते हैं तब तो देखो इन दोनों हैंड को हमने रखना है ठीक है इन दोनों हैंड को रखेंगे बट हाँ एक लेग जब हम बाइक चलाएंगे समझ लो ये बाइक है ठीक है ये अपना बाइक है मुझे बनाना तो नहीं आ रहा फिर भी कोशिश कर रहा हूं तो ये जब बाइक को ये चलाएगा बंदा तो उसका देखो ये मुंह एक ही पैर दिखेगा ना ये पैर दिखेगा ठीक है बाकी ये तो हाथ हो तो गए ऊपर जो बैठा हुआ एक ही पैर दिखता है दूसरा पैर दूसरे साइड रहता है आई नो काफी लोगों को नहीं समझ आ रहा होगा ठीक है एक्सप्लेन वापस हम वीडियो में चलते हैं जो वीडियो अभी आप लोगों ने देखी थी ठीक है अब इसका देखो इस कैरेक्टर का जो है एक पैर दिख रहा है एक साइड का पैर दिख रहा है दूसरे साइड का पैर नहीं दिख रहा है एक साइड का हैंड दिख रहा है दूसरे साइड का हैंड नहीं दिख रहा है सो so, ये सब कैसे होंगे इसी वीडियो तो. में बताऊंगा बने रहोगे तो सिंपल से क्या करता हूं देखो इसका मूव वगैरह कैसे कराना है मूवमेंट कैसे देना है इसका फेस का मूवमेंट कैसे होगा सब कुछ बताऊंगा ठीक है सबसे पहले मैंने क्या करना है इसके जो बॉडी पार्ट को थोड़ा अलग करना होगा मतलब कि सबके एनिमेशन डिफरेंट करनी होगी देखो वापिस मैं एप्लीकेशन को ओपन कर चुका हूं अब, अब आपको एक और एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है किस लिए इस कैरेक्टर को एनिमेट करने के लिए एनिमेट करने के लिए आई थिंक थोड़ा कंफ्यूजन तो है यार चलो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है प्ले स्टोर से पिक्सल लैब एप्लीकेशन को डाउनलोड करनी है लैब कौन सी है जस्ट मैं प्ले स्टोर पर जाता हूँ उसके बाद आपको इधर क्या करना है लिखना है पिक्सल लैब पी आई एक्स ई एल देखो पिक्सल लैब लिखोगे तो ये जो आपको नीचे ऐप आप देखने को मिल रहा है ना जस्ट आपको इसको डाउनलोड करके ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद देखो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा ठीक है इंटरफेस आएगा आपको इधर सबसे पहले एक काम करो मैं इससे कंसर्ट को ओके okay करता हूँ इससे पहले मैं डिलीट कर देता हूं अब आपको जो आपने अभी डाउनलोड किया ना वो इधर लेकर आना होगा जो पिक्चर हमने यूज करनी है ये देखो आपको इधर क्लिक करना है इसे ट्रांसपेरेंट कर लेना जस्ट मैं इसे ट्रांसपेरेंट कर लेता हूँ ठीक है क्योंकि हर चीज ट्रांसपेरेंट में होने वाली है अगर हम उसी करेक्टर को इसमें करेंगे ई वेट यार आई नो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है काफी लोगों का सिर घूमने लग गया होगा क्या बोल रहा हूँ जस्ट मैं प्लस वाले पे क्लिक करता हूँ इधर फ्रॉम गैलरी पे जाता हूँ अपने उस करैक्टर को लेकर आता हूँ ठीक है देखो तो ये रहा अपना करेक्टर मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया अब मैं इसके स्क्रीन साइज को थोड़ी बड़ी कर देता हूं ठीक है सेट हो चुका है अब मैंने क्या करना है देखो इसमें लॉक वगैरह अभी मत लगाना है इसकी जो कुछ चीजें हमें इरेज करनी होगी वापस से मैं बिगनर लेवल से स्टार्ट करने वाला हूँ क्योंकि जो जो चीजें मैं इरेज करूंगा वो मुझे पता है कि क्या क्या इरेज होने वाली है बट आपको नहीं पता है अब देखो मैं क्या क्या इरेज करूंगा उससे पहले हम वापस से चलते हैं अपने उसी एप्लीकेशन के अंदर ये देखो ये अभी फुल करेक्टर है ठीक है फुल करेक्टर आप लोगों को फुल दिख रहा है इसका कुछ भी इरेज नहीं है बट इसके इस वाले पैर को हमने इरेज करना है ठीक है इस वाले पैर को चलो इरेज करते हैं कैसे इरेज होगा इसी एप्लीकेशन के अंदर होने वाला है वाह यार सब कुछ कट गया मुझे वापस से ले आना पड़ेगा देखो ये आ चुका है करेक्टर अब मैं उसी एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ अब सबसे पहले मैंने इसके लेफ्ट पैर या लेफ्ट राइट आई डोंट नो राइट पैर डाउन इरेज करने वाले इस पैर को हमने इरेज करना है ठीक है हाथ वगैरह को नहीं इरेज करेंगे हाथ बाद में इरेज करेंगे और हाँ इसके शेर को भी इरेज करना होगा और वो कब इरेज करना है आपको बताता हूँ एक चीज इसमें मिस्टेक है इसके करेक्टर की जो आइज की मूवमेंट है ना वो ब्लिंक नहीं होगी सो क्यू नहीं होगी आगे पता लगेगा इरेज करने के लिए वापस में मैंने क्या करना इधर देखो आपको कुछ टूल्स दिख रहे होंगे नीचे कुछ ऑप्शंस जैसे आपको इसमें से ढूंढ लेना भैया किस ऑप्शन में आपको मिलने वाला है जैसे देखो इधर स्क्रॉल करोगे नीचे तो आपको काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे इधर इस वाले पे जाके जो आपको दिखता है ना रोटेशन सर्कल सा उसके बाद इधर इरेजर का ऑप्शन देखने को मिलेगा इस पर चल जाना इधर आपको इरेज करना होगा ये देखो इरेजर सिलेक्ट है इसके साइज को आप इंक्रीज कर सकते हो मैं साइज को थोड़ी से इंक्रीज करता हूँ इसके पैर को इधर से इरेज कर देता हूं जस्ट मैंने ये इसे इरेज कर दिया इरेज होने के बाद ये जो टिक वाला ऑप्शन है जस्ट मैंने इस पर क्लिक करना है और इसे टिक कर देना है देखो जैसे मैं टिक कर देता हूँ तो उसके बाद मुझे इसे सेव भी करना होगा ब्रो ओके मैं इसे सेव कर लेता हूँ ठीक है इसे सेव वाले पे गए ये अपना सेव वाला ऑप्शन जस्ट मैंने इसे करके सेव बस इमेज पे क्लिक करके इसकी क्वालिटी को मैं एक काम करता हूँ क्वालिटी को इनहेंस कर देंगे अब यहां से देखो वेरी हाई कर दिया है अब इसे सेव टू गैलरी कर दूंगा वैरी हाई सेव टू गैलरी जैसे सेव हो जाता है वापस आपको अपना क्रोमा टून एप्लीकेशन को ओपन करना होगा जस्ट मैं इसे ओपन करता हूं देखो इस करेक्टर के पैर हैं बट अब जो करेक्टर हम इम्पोर्ट करेंगे उसके पैर नहीं होने वाले हैं जस्ट इम्पोर्ट फ्रॉम डिवाइस लोड अभी इधर चलते हैं और अभी हमने जो पिक्चर को लिया हुआ है उसे हमें लाना होगा पिक्सल लैब में ये रहा जस्ट मैं इसे ले लेता हूँ अब एक चीज़ नोटिस करो कि इसके पैर नहीं है अब ठीक है बट हम बाइक पे बैठेगा तो थोड़ा अजीब सा लगेगा बिकॉज यार देख रहे हो इसके मैंने आपको कहा था ना ये जो है धोती में ये जो पड़ा हुआ है सो ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है इसलिए मैंने बोला था दूसरा करैक्टर यूज़ करेंगे बट कोई बात नहीं अब इसी करैक्टर को सिलेक्ट किया तो इसी को यूज़ करने वाले हैं अब हाँ इसके पैर तो देखो ये पैर अभी किक वगैरह कर रहा है तो इसको मैं हटा देता हूँ बिकॉज मुझे अब भैया तुम नहीं चाहिए तुम्हारा काम है अब आपको ये करेक्टर जैसी आप ले लोगे उसके उसके बाद देखो ये जो वन के लिखा हुआ है ना जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से आ जाने वाला है अब इधर आपको इसके इस तरीके से बैठाना होगा ना इस तरीके से सेट करना होगा कि भैया ये गाड़ी पे बैठा हुआ है ठीक है सो so, जस्ट मैं क्या करता हूँ इसके जो फेस की मूवमेंट पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ टाल ठीक है जस्ट इसे टाल कर देता हूं ओके देखो अब ये बोल रहा है इसके हाथ को मैं आगे करता हूँ इसको भी मैं ऐसे आगे कर देता हूँ देखो आपको इधर ये जो प्लस वाले आइकन दिख रहे हैं ना ये प्लस वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं इनके हाथ वगैरह अगर टूट टाट जाए तो आप इसे ऊपर नीचे करके सेट कर सकते हो लाइक मैं इसे थोड़ा सा इधर करता हूँ और देखता हूँ किस तरीके का होने वाला देखो अभी इसका हाथ देखो टूटा हुआ लग रहा है मेरे को इसे थोड़ा सा सही से सेट करना होगा तब जाके सही होगा मैं इसे ऊपर करता हूँ इसके जो बाकी के पार्ट है मुझे वो भी देखो इसको जैसे घुमाया तो ये घूम गया है इसके अंदर के सैड कर लेते हैं हाथ की देखो कलाइयाँ इसकी घूम रही है ठीक है सो so, ये देखो अभी हो रहा है बंद खोल हो रहा है सो so इसको मुझे सेट करना होगा आप लोगों को बताता हूँ कैसे होगा अब इसके पैर को भी आप लोग सेट करो पैर को थोड़ा आगे करो और इसके रेड वाले को थोड़ा सा एडजस्ट करो आप लोग ये देखो ये थोड़ा मुड़ रहा है ना जस्ट इसे मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ इसे रेड वाले को ले जाके देखो इसका पर्पल है बट अब यहाँ पर मुझे इस करैक्टर को मूव करा के देखना होगा इसका पर्पल वाला कलर किधर है ये देखो ये रहा पर्पल इसे मैं नीचे लेकर आता हूं ये देखो इस पर्पल की मैं बात ठीक है इसे नीचे लेकर आता हूं जस्ट अब मैं इस पर्पल वाले को सेट करूंगा ओके तो इस तरह कुछ बैठ चुका है अब इसको गाड़ी पे जब बैठाएंगे तो एकदम एक्यूरेट लगने वाला है इस तरीके से बैठा बट इसका हैंड जो है सेट नहीं हुआ ठीक है तो हैंड को अपने सेट करना पड़ेगा हैंड को अपने ये जो हैंड है ना इसको इरेज करना पड़ेगा इन दोनों हैंड को हम इरेज करेंगे ठीक है इन दोनों हैंड को इरेज करते हैं फिर वापस आते हैं इसी पे चलो उसी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं जस्ट मैं इसे ओपन कर लेता हूँ जस्ट ओपन कर चुका हूँ तो अब हमें दोनों हैंड को भी रेस करना होगा हैंड को रेस करने के लिए वापस हम इरेजर टूल सिलेक्ट करने वाले हैं और ये जो दोनों हैंड दिख रहे हैं ना इसको इसको और इन सभी को इरेज करना होगा देखो तो जितने सबको इरेज कर देना कुछ मत छोड़ना जस्ट मैं इरेज वाले पे सलेक्ट करता हूँ और इसे एक साइड से इरेज कर देता हूँ लाइक है मैंने लेग को छोड़ के आपको सब कुछ इरेस कर देना कुछ नहीं और हाँ अगर आप इसकी धोती वगैरह को रेस करना चाहते हो जो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम कर रहा था ना इसको भी आप इरेस कर सकते हो इधर से आप जाना जस्ट आप इसे करना हल्का हल्का इरेस कर देना ये ज़्यादा हो चुका है मैं इसे बैक करता हूँ इसके साइज़ को मैं कम करूंगा जस्ट इसकी धोती को भी मैं हल्का सा इरेस कर दूंगा ओके इसके साइज़ में थोड़ी सी निकाल देता हूँ ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो ये गया मैं ठीक है इतनी बहुत है यार बिकॉज यार अपने को सिंपल सा बनाना है ज़्यादा एडवांस में नहीं घुसेंगे हम सिंपल से सेव इमेज करके मैं इससे सेव कर देता हूँ सेव टू गैलरी ओके सेव हो चुका है अब वापस अपने क्रोमा टून को ओपन करना है लेट स्टार्ट अब इन करेक्टर्स को वापस से हटा देता हूँ देखो एक करेक्टर आ चुका है इसका हैंड नहीं है अब ठीक है इसकी मूवमेंट वगैरह आप आराम से दे सकते हो लाइक जो टर्किंग वाला है जो अपनी बात करने वाला है वो कहाँ है टर्ल्क वाला हेरा जस्ट देखो बात कर रहा है अब वापस आपको वन के पे सेलेक्ट करके इसको अरेंज करना होगा अपने हिसाब से जस्ट देखो इसका पैर हट चुका है अब उतना ज्यादा बैटर नहीं लग रहा है बट ये देखो अब ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है सो इसे भी इरेज करना होगा हमें ठीक है मैं उससे इरेज कर लेता हूँ फिर आप लोग को दिखाता हूँ चलो ये भी अपना सेट हो ही चुका है इसे काम करता हूँ थोड़ा इधर ही अरेंज कर देता हूँ ओके ठीक है ये भी हो चुका है अब इसके हैंड वगैरह हमने इरेज किया क्यों इरेज किया आप लोगों को बताता हूँ मैं क्योंकि देखो भाई अपना ये जो सिस्टम होने वाला थोड़ा अलग होने वाला है इसका पिंक वाला टूल मुझे सेट करना पड़ेगा ओके okay, ये बैठ चुका है इसे अब आपको क्या करना है ग्रीन स्क्रीन में शूट करना होगा उसके लिए क्या देखो रिकॉर्डिंग वाला जो ऑप्शन है इसलिए काम आता है ताकि आप ग्रीन स्क्रीन में कर सको अब ये देखो आपको इधर ऑप्शन देखने को मिला है ये वाला ठीक है इस पे जाना है इंपोर्ट बैकग्राउंड पे नहीं आपको इधर देखो ग्रीन स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है जो मैंने बताया था जस्ट इसे सिलेक्ट करके ओके करना है अब आपको अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करना होगा मैंने तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है सो मेरा डायरेक्ट रिकॉर्ड हो जाने वाला है ठीक है तो मैं क्या करता हूँ रिकॉर्डिंग वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा अपना ये देखो आ जाने वाला है ये बोल रहा है कि हेलो क्रोमाटोन्स की जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट करनी है सो वहां से स्टार्ट हो जाएगी सो मुझे वो नहीं करनी है देखो अब ये बोले बस ओके ये अपना रिकॉर्ड हो गया रिकॉर्ड जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है आपको क्या करना है नीचे जो आपको क्रोटून का ऑप्शन देखने को मिल रहा है ना इस पर क्लिक करना है उसके बाद कैंसिल वाले पे क्लिक करोगे तो ये हो जाने वाला है अब ओके कर दोगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा और हाँ अब आपको एक और चीज करना होगा वो क्या चीज है आपको वापस अपने एप्लीकेशन को ओपन करना है इधर बैक करना है और इसके हैंड को छोड़ के जितने भी पार्ट्स है सबको इरेज कर देना है लाइक like देखो ये जितने भी पार्ट्स में इन्हें इरेज कर देता हूँ इसके माउथ के हो गए इसके लेग हो गए वेट इसके लेग के साइड में और भी थे सो से नहीं इरेज कर दे थे तुम इरेज हो जाओ तुम इरेज हो जाओ और तुम तुम्हारा जो बॉडी है तुम भी इरेज हो जाओ देखो ये हैंड को मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि इसको भी हम उस एप्लीकेशन में लेकर जाते हैं अब इसका हैंड का कल्ला चाहिए होगा किस लिए चाहिए होगा आपको बताता हूं मैं जस्ट सेब इमेज और उसका स्क्रीन ले लेना यार उसका आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है सेव इमेज कर देते हैं अब उसी एप्लीकेशन को हम ओपन करते हैं अब इधर क्या करते हैं आपको वापस से करेक्टर वाले पे जाना है लोड पे जाते हैं और अपने हैंड वाले पी को ले लेना है जो सेव नहीं हुआ है मैं एक और बार सेव कर लेता हूँ इसे अभी सेव हो चुका है अपने एप्लीकेशन में देखते हैं आ चुका है ठीक है देखो इसका हैंड आ चुका है ठीक है अब हैंड को आपने एडजस्ट कर लेना जिस हिसाब से आप करना चाहो बट इसके दो दो हैंड यार फिर आपको प्रॉब्लम कर सकता है ठीक है आप एक ही हैंड यूज़ करो एक हैंड को इरेस कर दो हैंड कौन सा इरेस करना है ये प्रॉब्लम है सो अब क्या करो देखो आपको लेफ्ट साइड वाले जितने भी दिख रहे हैं उसे इरेस कर दो जितने भी इस साइड दिख रहे हैं इसको इरेस करो पहले आप जस्ट मैं इसे इरेस करता हूँ इस साइड के मैंने सभी को रेस कर लिया इसके बीच वाले को इरेस कर दो और नीचे के ठीक है ये अब आप उसमें लेकर जाओगे तो आपको पता चलेगा भाई कौन कौन सा इरेज हुआ है कौन सा नहीं इरेज हुआ है जस्ट मैं सेब इमेज ओके okay, वापिस से करेक्टर वाले पे चलते हैं लोड ठीक है देखो ये पूरा अपना हो चुका है इसमें जो हैंड का था ना ये आ चुका है मैं इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ सो so, देखो इसका ग्रीन वाला नहीं आ रहा है पहले मुझे इसके बैकग्राउंड को कोई और कलर देना होगा ओके okay, इसका ग्रीन वाला ये रहा इसके हाथ जो टूटे फूटे मुझे इसे एडजस्ट करना होगा उसको एडजस्ट करने के लिए आपको एक इस टूल का यूज़ करना है एक इस वाले ग्रीन वाले का सो मुझे कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ क्या सिस्टम होगा सो so, देखो अभी मैंने सेट कर चुका है अब मैं वापिस से ग्रीन स्क्रीन कर देता हूँ और इसे क्या करूंगा मैं रिकॉर्ड कर लेने वाला हूँ रिकॉर्ड नहीं स्क्रीन ले लोग आपका काम हो जाएगा मैं इसे कैंसिल करता हूँ इधर से मैं इसकी स्क्रीन ले लेता हूँ से so, ये स्क्रीन शॉट अपना कंप्लीट हो चुका है अब मैं इसे कट कर तो करता हूँ अपने एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ अब उधर एडिटिंग करते हैं और हाँ उससे पहले यार आपको कुछ टूल्स की भी जरूरत पड़ेगी लाइक जो जो पीएनजी चाहिए वो चीज़ डाउनलोड कर लेना है मैं इधर चलता हूँ देखो तो मैं तो डायरेक्ट डाउनलोड करता हूँ सो so, आप भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो बट मैं ये रिकमेंड करूँगा यारिक्सब पिक्सअप वे, जैसी वेबसाइट से डाउनलोड करो क्योंकि आपने पूरा वीडियो में कन्वर्ट करना है ठीक है तो मैं इधर लिख देता हूँ बाइक पी एन जी बाइक पी एन जी ठीक है जस्ट में से पीएम जी लिख दिया बाइक पी एन जी बैकग्राउंड इमेज पर चलते हैं कार्टून में चाहिए ना अपने को बाइक पी एन जी कार्टून जस्ट इधर कार्टून लिख देता हूँ ओके okay, देखो काफ़ी सारे आ चुके हैं इनमें से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो बट मैं कोशिश करूँगा थोड़ी अलग हो तो ज़्यादा बेटर है एक काम करो आप जस्ट स्क्रॉल करते हैं देखो आप इस तरीके की भी इमेजेस का यूज़ कर सकते हो बट आपको क्या करना है बस इसका जो ये दिख रहा है ना टायर को इेस करना होगा जस्ट मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ फिर आपको रेस करके भी दिखा देते हैं इसे मैंने डाउनलोड किया ओके okay, डाउनलोड हो चुका है अब इसके टायर को आपको अलग से भी डाउनलोड करना होगा लाइक बाइक टायर ठीक है टेलिक देखो देखो आपका आ जाएगा बट हाँ देखो सिंपल मेजे को आपको जो फ्रंट वाला दिख रहा है ना जिसका पूरा फ्रंट दिखे इसी को इस तरीके की इमेज डाउनलोड करनी है इसे भी मैं डाउनलोड कर लेता हूं ओके okay, ये भी डाउनलोड हो चुका है अब आपको क्या करना है अपने उसी एप्लीकेशन को ओपन करना है इस वाले एप्लीकेशन को और अपने इस वाले जो फाइल है ना इसे डिलीट मार के जो अभी आपने डाउनलोड किया बाइक का पी उसे ले लेना है देखो यार इसमें कुछ भी बैकग्राउंड जो है इरेज नहीं हुआ है आपको बहुत मेहनत लगेगी इरेज करने में तो एक काम कर सकते हो आप रिमूव बैक का यूज़ कर सकते हो वापस तो से इधर चलता हूँ इधर जाते हैं रिमूव बैक पे जाते हैं इधर अपने इस इमेज को अपलोड कर देंगे तो ये हमें ऑटोमेटिकली जो है रिमूव करके दे देने वाला है ये अपलोड है इमेज जस्ट मैं इस पर क्लिक करता हूँ डन पे करता हूँ ये जैसे ही हो जाता है देखो ये कंप्लीट हो चुका है इसमें डाउनलोड कर लेता हूँ जैसे डाउनलोड हो चुका है एक काम करते हैं दूसरे वाली इमेज को भी कर देते हैं जो टायर वाला है जैसे इसे भी डन कर देता हूँ देखो ये भी कंप्लीट हो चुका है इसे भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ ये रहा जस्ट डाउनलोड हो चुका है ठीक है अब मैं क्या करता हूँ इधर उसी जो इमेज को अभी लिया हुआ था इसको मुझे लेकर आना होगा इसे सो मैं इस वाली इमेज को डिलीट मारता हूँ मैं इधर से अपने उस इमेज को ले आता हूँ प्लस वाले पे गए फ्रॉम गैलरी पे गए ये रहा अपना देखो आ चुका है इसे मैं क्लिक कर देता हूँ ओके okay. अब इसके टायर को आपको इरेज करना होगा पहले देखो यार आप एक काम करो इसकी जो साइज है ना बैकग्राउंड की साइज उससे डिफरेंट कर लो उसके लिए आपको क्या करना है इस तीन लकीर पे जाना है उसके बाद इमेज साइज पे जाना है इसे आपको करना है यूट्यूब थंबनेल नहीं यूट्यूब थंबनेल पे कर दो आप लोग ठीक है अब इधर आपको इरेज करना है इसे जस्ट मैं इसकी साइज को बड़ी करता हूं ओके okay. अब ध्यान से आपको इरेज करना है ठीक है एक एक पार्ट को इरेज करना है तो ध्यान से करना अब इधर मैं थोड़ी सी पिक्चर को जूम कर लेता हूँ ठीक है इरेजर टूल को मैंने ऑन कर लेना है इधर से मैं जो है थोड़ा सा कम करना अब इधर से इरेज करना चालू करता हूँ एकदम बारीकी से इरेज करना ठीक है।, है मैं इसे इरेज कर लेता हूँ जल्दी से सो so, भाई देखो हमने रेस कर दिया है अब इसे मैं क्लिक कर देता हूँ उसके बाद मैं इसे सेव कर दूंगा सेव एस इमेज ओके ये भी हो चुका है अब देखो आपको क्या करना है सिंपल से अपने उस एप्लीकेशन को ओपन करना होगा जिसमें आप एडिट करने वाले मैं तो काइन मास्टर का यूज करता हूँ सो मैं इसे डिलीट करता हूँ अब इधर आपको देखो ग्रीन बैकग्राउंड का यूज करना है उससे पहले आप ब्लैक ले लो बाद में ग्रीन यूज कर लेना जस्ट मैं इसे लेता हूँ अब देखो यार क्या करते हैं हमने जो बाइक वगैरह वाली लाई है प्लस अपने उस करेक्टर को कर लाया था ना जो हमने यमराज को बनाया था ठीक है तो सबसे सब पहले मैं बाइक को लेने वाला हूँ बिकॉज उसमें थोड़ी मूवमेंट वगैरह कर दें फिर आगे काम करेंगे जस्ट मैं इसकी साइज को ना थोड़ी सी इधर एडजस्ट करूंगा अब इधर मैं क्या करने वाला हूँ इधर वापस से टायर वाला ले लेने वाला हूँ लाइक पिक्सल लैब से नहीं किया था हमारा डाउनलोड वाले ऑप्शन में होगा ये रहा ठीक है टायर इस टायर को ले लिया इसके टायर को आपको छोटा करना होगा अरेंज करना होगा इधर सेट करना होगा अब क्यों मैं कर रहा हूं आपको बताता हूं मैं जस्ट इधर मैं सेट कर चुका हूं अब इसको देखो ब्रिंग टू तो बैकवर्ड कहाँ करना है जो तीन लकीर इस पे जाना है इसके बाद सेंड टू बैकवर्ड कर दो इसे जस्ट सेंड टू बैकवर्ड देखो उसके बाद ओके देखो सेंड बैक कर दिया हूँ ठीक है तो आप इसे जितनी बढ़िया से रेस करोगे यार कर देना मैं तो सिंपल से आप लोगों को समझाने के लिए किया हुआ हूँ अब इधर आपको क्या करना है रोल जो एनिमेशन देखने को मिल रहा है ना जस्ट इस पे क्लिक करना है नीचे स्क्रॉल करना है इधर आपको दिखने का मिलेगा काउंटर क्लॉक वाइस जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है तो एक गोल घूमेगा देखो प्ले करता हूं मैं देखो ऐसा लग रहा है कि बाइक चढ़ रही है अभी तो नहीं लग रहा है अभी तो सिर्फ मूवमेंट हो रही है जस्ट आपको इसे वापस से क्या करना है डुप्लीकेट करना है अब डुप्लीकेट करके देखो आपका ये घूम रहा है जस्ट इसे मैं दूसरी साइड ले आता हूँ क्योंकि दूसरी साइड भी हमने रखा है इसको भी ब्रिंग टू बैकवर्ड कर दू सेंड टू बैकवर्ड सो अभी देखो किस तरीके से लग रहा है अभी थोड़ा सही लग रहा है ठीक है बट आपको इधर देखो ये जो है ना थोड़ी सी देर लकड़ी वगैरह लगा देना जो आपका डंडी वगैरह रहता है लोहे का रोड वगैरह लगा देना मैं तो सिंपल सा बना दिया आपको एक और बाइक लेकर दिखाता हूँ मैं मैंने कैसे डिजाइन की हुई है जस्ट मैं इसके बैक चलता हूँ ठीक है उसके बाद हम सेकंड वाला बाइक लेते हैं जो मैंने खुद से काफी ज्यादा मेहनत के बाद उससे बनाया था वो पहले आपको दिखाता हूँ डाउनलोड वाले में नहीं होगा मेरे ऑब्जेक्ट वाले फोल्डर में होगा जस्ट ऑब्जेक्ट पे चलता हूं उसके बाद हमारा बाइक किधर हो ये रहे बाइक ओके okay, ठीक है बाइक आ चुका है दूसरे लेयर में आ गया यार हमने सेकंड लेयर तो चूज की नहीं जस्ट इसे डिलीट करके मुझे पहले एक ब्लैक लेना होगा ठीक है ये चीजें जो छोटी छोटी मिस्टेक आपको ध्यान रखना होगा अगर यही चीज़ आपका खराब हो जाएगा तो कर देना वरना फिर प्रॉब्लम हो सकती है तो फिर अब देखो मैं अपनी बाइक को इधर वापिस सेलेक्ट कर लेता हूँ चांद थोड़ी ना लेना है मुझे यार बाइक लेना है जस्ट मैं बाइक को लेता हूँ चांद को डिलीट करता हूँ वरना चांद की हवा करते हुए जाएगा ओ भाई चलो इसके ऊपर भी एक वीडियो अपनी बन चुकी मेरे दिमाग में अभी अभी है जस्ट देखो ये बाइक इसे मैं थोड़ा सा नीचे करता हूं अपने टायर को भी ले लेता हूं ऑब्जेक्ट वाले फोल्डर में वो भी है जस्ट एरा रहा टायर ठीक है इसकी साइज को अब आपने एडजस्ट करनी होगी छोटी कर देता हूं मैं इसकी साइज और छोटी ओके इसे ब्रिंग टू बैकवर्ड कर दे सेंड टू बैकवर्ड उसके बाद इसमें एनिमेशन कर देना ओके ये थोड़ी देखो मुझे सही लग रही है ये थोड़ी सी एडजस्ट करते हैं अभी थोड़ा सही है इसके डुप्लीकेट करते हैं और इसे आगे लेकर चलते हैं इसे भी कर देते हैं सेंड टू बैकवर्ड ओके आप देखो एनिमेशन देखो आप लोग इसकी ये काफी ज्यादा बेटर लग रही है ठीक है मुझे तो ये बढ़िया लग रही है पिछली वाली भी एक बार देख लेते हैं वो कैसा था जस्ट मैंने इसे ओपन किया ये देखो ये भी ठीक है यार उतना खराब नहीं लग रहा है मुझे तो सही लग रहा है आप लोग कमेंट में बताना आपको कैसा लग रहा है अब जो हमने बनाया था ना ये रहे अपने साहब जी इनको ले लेते हैं अब इनका हमें क्या करना है थोड़ा कटिंग वगैरह करनी होगी बाबा क्योंकि सब जगह से देख रहे हो कुछ ना कुछ है इसके लोगो वगैरह भी आ गए थे जस्ट मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ उसके बाद इसकी ग्रीन स्क्रीन को हमने इनेबल करना है कट कर चुके हैं ये देखो आपको देखो यार मैं बताया नहीं क्रोमा की पे जाना है ठीक है उसके बाद इसे इनेबल कर देना है उसके बाद देखो एडजस्ट वगैरह कर लेना अगर थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि भाई गड़बड़ है ठीक है तो उस हिसाब से आप लोग एडजस्ट कर लेना तो हो जाएगा सेट अब मैं इसे थोड़ा सा इधर क्या करूँगा थोड़ी साइज़ की इनक्रीज़ करूँगा अब ठीक है तो पैर काफ़ी ज़्यादा आगे चला गया मुझे वापस से इसे थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा और इसकी गाड़ी को भी मुझे सेट करनी होगी महाराज जी छोटे हो जाओ और हाँ ये यार हाथ को अगर करेंगे तो हाथ कैसे पहुँचाएंगे ये देखो हाथ नहीं जाएगी यार मैं हाथ का भी एक बार दिखा देता हूँ क्योंकि इस गाड़ी पे भाई यमराज जी नहीं चल पाएंगे मुझे पता है यमराज जी का सिस्टम इधर नहीं बैठने वाला है मैं इसकी भी क्रॉप कर लेता हूँ जो क्रॉप वाला दिख रहा है ना आपको जैसे देखो ये क्रॉप वाला आपको दिखेगा टूल तो इस पर जाके क्रॉप कर लेना है फिर इसके क्रोमा टूल्स को आपको इनेबल कर लेना है जो क्रोमा की है इनेबल करने के बाद आपके इसकी साइज को इनक्रीज करनी होगी तो को हाथ नहीं पहुंच रहा इनका भाई हाथ ऐसे कि आप बाउंसर वाला लगाओगे ये 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 लगाओगे किस तरह लगेंगे <laughs> किस तरह लगेंगे भाई <laughs>

चलो यमराज जी अब आपके हाथ में तो आया नहीं आप ही फनी फनी रोल आप ही प्ले कर दो देखो ठीक है इसका सब कुछ मूव कर रहा है इसे मैं एक्सपोर्ट करता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ भाई अपना एक्सपोर्ट तो हो गया था आप बैकग्राउंड कहाँ से लाएं यार क्योंकि बैकग्राउंड भी चाहिए होगा ना अब बैकग्राउंड करने के लिए आपको वापस अपने क्रोम पे जाना है इधर आपको होम पे जाना है इधर सर्च करना है जैसा बैकग्राउंड चाहिए जैसे मैं इधर लिख देता हूँ होरर कार्टून बैकग्राउंड जस्ट इमेज पे जाता हूँ अभी तो देखो काफी सारे आपको बैकग्राउंड्स देखने को मिल जाएंगे जिनका आप यूज कर सकते हो लाइक like मैं कौन सा यूज करूं काफी सारे आ जाते सो कंफ्यूज हो जाते तो यहां से आपको जो भी अच्छा लगे आप डाउनलोड कर लेना वैसे मेरे पास पहले से है सो मैं उसी का यूज करने वाला हूँ सो मैं इधर जाता हूँ उसके बाद मैं चलूंगा अपने बैकग्राउंड वाले में ये रहे अपने बैकग्राउंड इसमें से मैं किसी एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेने वाला हूँ जस्ट मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है अब मैं इसे थोड़ा एडजस्ट करूंगा अपने हिसाब से देखो एडजस्ट कहाँ से करने वाला हूँ ये जो ऊपर ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है ना एडजस्ट इधर इसे मैं क्या करना एडजस्ट करूंगा तो पीछे से अपनी बाइक चल के आएगी यमराज जी की सो इसकी साइज को मैं थोड़ी और इंक्रीज करता हूँ थोड़ा और पीछे ओके ये हो चुका है इसे मुझे आगे करना होगा यार क्योंकि ये पीछे से आएगा ना जैसे इसे करता हूँ अभी यमराज जी के बाइक को इधर पहले दोनों की इक्वल इक्वल है ठीक है अब मैं दोनों की साइज को इंक्रीज करके इसके बैकग्राउंड को अभी मैं सिखाऊंगा कैसे आपको सेट स्काई वगैरह के जो इफेक्ट होंगे वो कैसे होंगे ये हो चुका है अब मैं इसके पीछे चलता हूं और इसे थोड़ा आगे लेकर आऊंगा जस्ट ये भी कंप्लीट हो चुका है एक बार प्ले करके दिखाता हूँ ना आप लोग को ये मैंने क्यों किया हुआ है ये देखो ये जो मूव कर रहा है क्योंकि इसमें ट्री वगैरह के मूवमेंट भी देना है मैं एक बार इसे थोड़ा लॉन्ग कर देता हूँ देखो मूव कर रहा है ना अब एक काम करो आपने जो अभी वीडियो का एक्सपोर्ट किया लेकर आओ ये रहा काइन मास्टर वाला मैं इसे करता हूं और इसके बैकग्राउंड को इरेज कर दूंगा मैं गया अपना क्रोमा की ये रहा इसे इनेबल करते हैं इसकी थोड़ा एडजस्टमेंट करनी होगी हमें ओके बिल्कुल एडवांस लगने वाला है यार भले मैंने इसमें थोड़ा कार्टून सा बना दिया है बट अभी मजा आएगा आप लोगों को देखो बाइक चढ़ी है इसके ऊपर मूवमेंट हो रही है अच्छे से मूवमेंट हो रही है बात बुत करता तो और भी ज्यादा मूवमेंट होती अभी एकदम हल्का सा यार अभी कुछ भी एडवांस नहीं है अभी रुको वेट करो कुछ भी नहीं हुआ है अभी अब देखो आपको क्या करना है ये होने के बाद अब आपको थोड़ी से अफेक्ट्स वगैरह और भी देने होंगे लाइक ट्री वगैरह ले आओ यार अब ट्री कहां से लाना है वापिस से देखो आपको इसी पे जाना है इधर आपको क्या लिखना है ट्री पियन ठीक है ट्री कार्टून पियान ट्री कार्टून बैकग्राउंड पीएनजी ऐसे लिख दोगे तो देखो आपके सामने काफी सारे ट्री आ जाएंगे इनका आप यूज कर सकते हो डाउनलोड कर लेना उसके बाद यूज कर लेना मेरे पास डाउनलोड है सो मैं वापस से वही यूज करने वाला हूं मेरा मेन मोटिव ये है कि आप लोगों को हर चीज समझ आए मैं वापस से बैकग्राउंड में देखता हूँ मेरे पास काफी सारे ट्री है मैं कौन से यूज करूँ लाइक मैं इस ट्री का यूज करता हूं ऑसम awesome है अच्छा है ठीक है तो इसके साइज को मैं सबसे पहले मैं इंक्रीज़ करना चाहूंगा देखो इसको मैं सबसे पहले अब इसमें की फ्रेमिंग का काम होगा ठीक है तो की फ्रेमिंग के लिए देखो मैं कहां पर ले हूँ सबसे पीछे आ गया हूं उसके बाद ये प्लस वाले पे मैं क्लिक करूंगा ठीक है इसे मैं जस्ट पीछे करूंगा सबसे पहले उसके बाद मैं प्लस वाले पे क्लिक करूंगा अब इसके आगे आने से पहले ना मुझे इसे पूरा इधर भगा देना होगा जस्ट मैं इसे पूरा भगा देता हूँ ठीक है ये कंप्लीट हो चुका है अब इसे आपको आप से कॉपी कर लेना यार क्योंकि कॉपी कर लोगे तो बेटर है मैं इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ डुप्लीकेट करके इसे मैं थोड़ा सा आगे कर दूंगा जस्ट थोड़ा सा और आगे और इसे एक और डुप्लीकेट कर दूंगा मैं और इसको थोड़ा सा और आगे कर दूंगा ठीक है एक बार मैं प्ले करके दिखाता हूँ तो किस तरीके का लग रहा है ये देखो ये गए अब सेकंड वाले में कुछ देर बाद एक और ट्री आ गया हाँ ट्री को आप चेंज कर सकते हो इस पर जाओ रिप्लेस वाले पे जाओ फिर आपको इधर बैकग्राउंड का ऑप्शन देखने को मिलता है मैंने तो बैकग्राउंड में रखा है सो मैं इसलिए कह रहा हूँ बैकग्राउंड का ऑप्शन देखने को मिलता है बट हाँ आपका डिफरेंट हो गया यार आपने क्योंकि सेव किया है तो आपका अलग हो सकता है सो so, उस हिसाब से आप लोग करना ठीक मेरी तो मत चलना जितना हो सके उतना आप अपने हिसाब से जितना बैटर कर सकते हो ना उतना ज्यादा बैटर करना ये देखो दूसरा ट्री है अभी देखो हल्का लग रहा है यार कोई भी आपको लग रहा है कि एडवांस लेवल का है कुछ भी लग रहा है एडवांस लेवल का मुझे तो भैया बिल्कुल नहीं लग रहा है सो so, मैंने उसके लिए एडवांस करने के लिए क्या करना है सिंपल क्या करना है आपको कोई भी एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है लाइक like, मैं बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूंगा इस पे जाने के बाद नीचे आना है थोड़ा सा नीचे आएंगे इधर आपको फिल्टर वाले पे जाना है वापिस से नाइट इफेक्ट यूज करना है लाइक like, मैं इसे सिलेक्ट ऑल कर देता हूं अब देखो मैं एक बार प्ले करके दिखाता हूँ आप लोग को किस तरह लग रहा है ये देखो अभी सही लग रहा है ना अभी मुझे ऑसम लग रहा है बट हाँ इसके करेक्टर में काफी ज्यादा मुझे मतलब लाइटिंग डिफरेंट हो गई बहुत ज्यादा हार्ड हो गया है ठीक है तो इसे मैं पहले सेट करूंगा फिल्टर में जाके इसकी लाइटिंग को मैं थोड़ी कम करने वाला हूँ ओके अब एक बार प्ले करके देखता हूँ मैं ठीक है बट इसका जो बाइक है यार बाइक में भी हमें सेट करना होगा ना तो बाइक का भी कर देता हूँ मैं एक बार इसकी साउंड को थोड़ा कम करता हूँ यार बिकॉज पीछे से इसकी आवाज आ रही है ओके एक बार प्ले करूँ अब हाँ, देखो यार मैं लाइटिंग सेट कर देता हूँ लाइटिंग के लिए हमने स्टिकर्स पे जाना है और जो आपने अभी डाउनलोड किया हुआ है ना ये जो डाउनलोड किया है इनका काम आने वाला है सो so, मैं कौन सा यूज करूँ काफी सारे हैं यार मुझे तो बहुत सारे दिख रहे हैं सो so, मैं इन्हीं में से किसी का यूज करूंगा यूज करते हैं कौन सा बेटर लगेगा मुझे तो ये काफी ज्यादा औसम लग रहा है ओके इसकी लाइटिंग भी एकदम सही है क्योंकि ये देखो बैक में जाके फ्रंट में दे रहा है इसको हम बैक में भेज देंगे रुको आपको समझाता हो किस तरह करना है जस्ट इस पे क्लिक करना है फिर आपको इस वाले ऑप्शन पे जाना है फिर इसको ब्रिंक टू बैकवर्ड कर देना है जस्ट अभी हुआ नहीं है लाइटिंग पे क्लिक किए सेंड टू बैकवर्ड देखो बट ये देखो काफी ज्यादा बैक में चला गया तो फिर भी बेकार लग रहा है इसके लिए हमें क्या करना है इसे एक बार फ्रंट में भेज दो इसे और चेक करो कैसा आ रहा है ओके ठीक है कोई दिक्कत नहीं एक बार हम प्ले करके दिखाता हूँ किस तरह लग रहा है मतलब इधर से लाइटिंग वगैरह अगर आप थोड़ी थोड़ी चीजों पे ध्यान दोगे ना तो आपकी वीडियो और भी ज्यादा बढ़िया लगेगी अब हाँ इसमें आप एक और चीज ऐड कर सकते हो लाइक क्लाउड अब क्लाउड के लिए आपको पता है हमने जो डाउनलोड किया था उसी पे चलते हैं ये रहे अपने काफी सारे क्लाउड अब इनमें से मैं ये वाला यूज करता हूं बट इसमें ना मैं थोड़ा ऐसे करने वाला हूं ठीक है ओके इसे मैं आगे कर देता हूं अब एक बार प्ले करता हूं ठीक लग रहा है मतलब कि इसी तरह छोटी छोटी चीज ठीक लग रहा है ठीक लग रहा है मतलब कितनी छोटी छोटी चीजों को आप ऐड करके अपने वीडियो स्कोर भी ज्यादा इनहेंस कर सकते हो अब ये तो हो गया नाइट का एक काम करते हैं अब डे का एनिमेशन करते हैं नाइट में भी काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा है अब डे दे में देखते हैं किस तरीके का लगता है बट डे के लिए हम दूसरा बैकग्राउंड यूज करेंगे सेम मैथड यार बैकग्राउंड डाउनलोड करने के लिए आपको क्रोम का यूज करना है बट मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है और हाँ ये सब जो भी चीजें मैं करने वाला हूँ एक एप्लीकेशन के थ्रू करने वाला हूँ एप्लीकेशन का नाम है मोशन लीप तो ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार मैं प्ले स्टोर पे जैसे देखो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है जो आपको दिख रहा है ना इसे आपको डाउनलोड कर लेना मैंने तो डाउनलोड किया हुआ है तो मैं इसे डायरेक्ट ओपन करने वाला हूँ ये ही ओपन हो जाएगा इसके जो भी आपको परमिशन वगैरह बोलेगा कि भाई इसे अलो कर दो सो अलो कर देना अब इसके बाद ये देखो आपको क्रिएशन का ऑप्शन देखने को मिलता है इस पर क्लिक करना है और हाँ आप इधर थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि इसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर आपको उसी बैकग्राउंड को यूज़ करना है जिसमें आपने मूवमेंट देनी है कई लोग क्या करते हैं कि कुछ भी यूज़ कर लेते हैं सो कुछ भी नहीं यूज़ करना है जिसका देखना है अगर स्काई इफेक्ट देना है तो उसमें स्काई दिखना चाहिए लाइक like मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट मैं इधर से ये रहा बैकग्राउंड इनमें से काफ़ी सारे हैं सो मैं किसको यूज करूँ आई विल यूज़ दिस वन ओके अब इधर देखो ये जो आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिलता है So, इसमें भी काफी चीजें आते हैं लाइक एडवांस में जाएंगे अभी इसके बाद हम जो फ्लूट वाले सीखेंगे ना तो उसमें देखने वाले क्या सिस्टम होगा सो so, मैं सबसे पहले स्काई वाले पे क्लिक करूंगा सो so, इस पे क्लिक करने के बाद आप स्काई वाले पे क्लिक कर दो फिर एक बार प्ले करके देख लेना तो देखो ये हल्का फुल्का जो है मूवमेंट दे रहा है उतना नहीं दे रहा है अभी अब इसके नेक्स्ट वाले पे चलते हैं देखो इसमें जो पूरी मूवमेंट आ रही है ठीक है अब इसके नेक्स्ट पे चलेंगे तो ये थोड़ा डार्क में हो जाएगा कुछ इस तरीके से हो जाने वाला है इसको और भी ज्यादा रिलैक्सिंग बनाने के लिए ना आपको तो बहुत सारे इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं जिनका आप यूज कर सकते हो लाइक ये देखो और भी हैं ये वाले मतलब नाइट इफेक्ट डे इफेक्ट के लिए सबके लिए अलग अलग चीज इसमें दी गई है लाइक मैं सन वाला करता हूँ तो कुछ इस तरीके का हो जाता है अब देखो ये भी काफी अच्छा लग रहा है बट मुझे ये नहीं चाहिए अब मैं इसके नेक्स्ट वाले पे क्लिक करता हूँ तो ये जो है मुझे ऑसम लग रहा था सो तो मैं इसी को सिलेक्ट करने वाला हूँ बिकॉज ये देखो स्काई की जो मूवमेंट भी है काफी अच्छी लग रही है अब इसके बाद आपको क्या करना है कुछ भी नहीं छेड़ना यार इसके बाद आपको कुछ भी नहीं टच करना है बस ये जो आपको एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन देखने को मिलता है ना इस पर क्लिक कर लेना है इसके बाद भी हम एडवांस में जाने वाले हैं ये तो सिंपल है अभी समझ लो आप बेसिक में काम कर रहे हो अभी जब एडवांस में जाओगे ना तो उसमें जो भी सिस्टम होगा उधर पता लगेगा आप लोग को सो इधर मैं इसकी क्वालिटी को इतना ही रहने देता हूँ बाकी देखो इसको आपको क्या लेना है सिक्सटी बाइन नाइन रेसो सिलेक्ट करके इसे एक्सपोर्ट कर लेना है जैसे जैसे एक्सपोर्ट हो जाएगा आपका सेव हो जाने वाला है इसके बाद आपको कुछ और सेटिंग्स इनेबल करनी होंगी लाइक एडिटिंग करते वक्त कुछ ऐसी सेटिंग्स जो आपको ध्यान देना पड़ता है यार बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जो ध्यान देने के बाद ही आपकी जो वीडियो काफी ज्यादा एक्यूरेट बनती है वैसे नहीं बन पाएगी मैं जस्ट आपको एक बार चल के दिखाता हूँ क्राइन मास्टर में अब आप एक चीज नोटिस करो ये जो नाइट का इफेक्ट इसमें ना इसका इफेक्ट नहीं हो रहा है बट जो मूवमेंट वगैरह बैकग्राउंड की होगी बाइक की होगी अपनी कैरेक्टर की होगी इसकी वजह से थोड़ी रिलैक्स्टिक लग रही है बट अब जो बनेगी ना वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस में होने वाली है उसके लिए हम जितने भी अपनी पिछली बैकग्राउंड है उसे डिलीट करेंगे ठीक है जस्ट मैं इसे डिलीट कर देता हूँ बिकॉज अपने फ्रंट में ये सब नहीं चाहिए जस्ट डिलीट किया ओके अब इधर से मैं इसके बैकग्राउंड को चेंज कर देता हूँ जो अभी हमने डाउनलोड किया हुआ है जस्ट ठीक है ओके सब कुछ हो चुका है सो so, देखो इसको मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट करने वाला हूं ये रहा अपना ऑप्शन जस्ट मैं इसे थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करेंगे ज्यादा नहीं ठीक है उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अब ये देखो आगे से पीछे ऐसे करके जाएगा ना क्योंकि बाइक आगे चल रही है तो कुछ इस तरीके का आने वाला है सो so, मैं इसे थोड़ा सा और जूम कर लूंगा बट इसमें देखो आप एक चीज नोटिस करो स्काई नहीं दिखने वाला है सो so, अब क्या कर सकते हैं इसके लिए स्काई नहीं दिखेगा तो भैया बढ़िया भी नहीं लगने वाला है इसके लिए आप देखो आपकी जो बाइक है ना उसको नीचे कर देना सो वहां से मूव करेगा मैं कोशिश करूंगा कि इसे थोड़ा एक काम करते हैं एडजस्ट करते हैं पहले ओके okay, बैकग्राउंड में जो आपको कलर दिख रहा है तो इसको हटाने के लिए फिल्टर पे जाना है उसको आपको एकदम लो कर देना है ठीक है और अपने करेक्टर पे जाके भी सेम अप्लाई करना है क्योंकि भाई हमने जितने भी ये पीछे से दिया था ना इसके फिल्टर वगैरह दिए थे तो इसको साइड करना पड़ेगा अपने को ये फिल्टर भी लो कर देते हैं अभी देखो इधर जो स्का इफेक्ट है वो भी सही चल रहा है बट इसका बैकग्राउंड नहीं मूव कर रहा है तो अजीब सा लग रहा है यार तो उसको हमें सेट करना पड़ेगा जस्ट मैं इस पर करता हूँ थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इधर करते हैं फिर इसको हम थोड़ा सा पीछे ओके नेक्स्ट वाले पे जाके इसे मैं दोनों इक्वल करता हूं पहले अब इसे हम सेट करेंगे ठीक है पीछे कर देते हैं लाइक अब सही है अब एक बार प्ले करके मैं आप लोगों को दिखाता हूं किस तरीके का लग रहा है अभी मूव एक ही जगह है ठीक है तो इसको मुझे हटाना पड़ेगा जस्ट ये देखो हमने जो ये इक्वल सेलेक्ट किया ना इसके कारण है सो so, मुझे इक्वल को हटा देना होगा इक्वल को जैसे ही मैं हटाता हूँ फ्रंट वाले पे जाके पहले मैं इसे पीछे करूंगा अब मैं एक बार आपको प्ले करके दिखाता हूँ किस तरीके से लग रहा है जस्ट प्ले करते हैं ओके okay. देखो तो अभी मूव हो रहा है और ये हाँ एक चीज है कि ये काफी ज्यादा स्लो मूव हो रहा है जिसके वजह से हमारी जो एनिमेशन है बढ़िया नहीं लग रही है तो आपको इसे भी तेज मूव करना होगा आप जो ये इमेज है ना दूसरे तरीके का यूज करना लाइक like इसमें थोड़ा डिफरेंट होता है चौदह सौ समथिंग का होता है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा सो आप वो वाला यूज कर सकते हो मैं एक काम करता हूँ पहले इसे थोड़ा सा हम देखते हैं इसे फुल करके ठीक है जस्ट वापस मैं जूम इन पर चलता हूं इसे फुल करते हैं एक बार और इसे नीचे कर देते हैं अब दूसरे वाले को इक्वल करके इसे मैं आगे कर दूंगा अब एनिमेशन देखो किस अब अपनी एनिमेशन देखो किस तरीके की लगती है जस्ट मैं प्ले करता हूँ बट ये मूव नहीं हुई हाँ ये देखो ये मेजर मेजर मिस्टेक है जो आपको ध्यान रखना होगा बार बार इसी पे क्लिक हो जा रहा है सो इसको आपको हटाना होगा और इसको सिलेक्ट करके फिर पीछे करना होगा देखो ये चीज अभी मेरे सामने आ जा रही है बेटर है अगर आप लोगों को भी यही फेस करनी पड़ेगी भाई आप किससे पूछोगे अभी अपने को पता चल जा रहा है कि ये मिस्टेक हो रही है मैं प्ले करता हूँ आप देखो अपने कोई भी प्रॉब्लम हो रही है गाड़ी रही है ये सिंपल सा बैकग्राउंड भी अपना जा रहा है पर बैकग्राउंड ये जो बैकग्राउंड के हिसाब से जो बाइक है काफी स्लो चढ़ी है ना तो इसको आप कैसे ठीक कर सकते हो एक काम कर सकते हो इसकी स्पीड को आप कम कर दो ये लो इसकी स्पीड को हम कम कर देते हैं ये थोड़ा स्लो चलेगा देखो अब थोड़ी स्लो वर्क कर रही है अब लग रहा है बैकग्राउंड के हिसाब से सही चल रहा है ठीक है तो इस तरह छोटी छोटी चीजें करके आप अपनी वीडियो को और भी ज्यादा हाई क्वालिटी की बना सकते हो अब इसमें आप और क्या ऐड कर सकते हो लाइक पंछी वगैरह ऐड कर सकते हो इधर से बर्ड वगैरह इस साइड से बर्ड वगैरह निकाल सकते हो तो वो कैसे होगा वो जब हम ट्यूनी बर्ड के एनिमेशन करेंगे ना तो वो उसमें होने वाला है अब मैं आपको फ्लूड एनिमेशन सिखाने वाला हूँ जो अपनी बाढ़ वाला सीन होता है वो कैसे क्रिएट होता है एक वैसे छोटी सी ट्यूटोरियल दिखा देता हूँ फिर आपको आगे पता चलने वाला है सो so, इसमें आपको कुछ इस तरीके के एनिमेशन सिखाने वाला हूं ये देखो तो इसकी स्काई वगैरह भी मूव कर रहा है प्लस ये जो नीचे ये है ये भी मूव कर रहा है कैरेक्टर भी उसी हिसाब से वर्क कर करिए ठीक है और बारिश का सीन भी आ चुका है सो so, ये सब कैसे होगा इसके बारे में डिस्कस करते हैं सबसे पहले आपको क्या करना होगा वापिस अपने क्रोम पे जाना है कुछ इमेजेस को इधर डाउनलोड करना होगा सो so, मैं भी डाउनलोड करने वाला हूं इस बार जस्ट मैं चलता हूं इधर इधर लिख देता हूं वाटर ठीक है कार्टून जस्ट में इतना लिखने के बाद इमेज पे चलते हैं इमेज पे जाने के बाद सिंपल सा वही से वही प्रोसेस है डाउनलोड कर लेना है बाकी बैकग्राउंड तो हमारे पास है अगर आप बैकग्राउंड डाउनलोड करना चाहते हो तो सेम प्रोसेस है डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से देखो आप क्या करना है जब इधर आ जाओगे तो नीचे स्क्रॉल करना आपको काफी सारे वैसे मिल जाएंगे बट कोशिश करना कि जो इस तरीके की इमेज हो लाइक इस तरीके की इससे आपको क्या करना है सिंपल से डाउनलोड कर लेना है या आ जाकर नीचे देख लेना आपको ऐसे बहुत सारे मिल जाने वाले हैं तो आप अगर अलग डाउनलोड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो मैं इसी को डाउनलोड कर लेता हूँ ठीक है जस्ट मैंने डाउनलोड वाले पे क्लिक किया डाउनलोड सो so, देखो ये डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है वो मैं ओपन करके देख लेता हूँ अब इधर आपको मूवमेंट देने के लिए वापस से अपने उसी एप्लीकेशन को यूज करना है मोशन लिप को जस्ट मैं उस पर चलता हूँ तो फिर ये न्यू क्रिएशन पे जाएंगे और जो इमेज अभी हमने डाउनलोड किया है इसमें आप मोशन देना है और हाँ एक चीज नोटिस करना आप लोग कि हम सिर्फ इतने ही पे मूवमेंट देंगे और कहीं भी मूवमेंट नहीं होने वाले ठीक है जस्ट मैं इस पर क्लिक करूंगा ये देखो इधर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं लाइक ये देखो सबसे पहले जो एनिमेशन का ऑप्शन है ना जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है फिर जो पिन वाला है ना इस पर क्लिक करना ठीक है थीके? इसके बाद आपको हल्के हल्के हाथों से थोड़ा जूम कर लेना जस्ट मैं इसे जूम कर लेता हूं अब देखो इसको ऐसे करने का है ये चीज ये आपकी मूवमेंट हो रही है ठीक है इधर से आप एनिमेशन दोगे जस्ट मैं इस पर भी कर देता हूं ऐसे ही जितना आप सही से दोगे उतना ज्यादा बेटर है अगर बिल्कुल भी खराब होता है तो भैया आपका सारा सिस्टम खराब हो जाएगा सो इधर थोड़ा ध्यान से करना है ये चीज क्योंकि इधर हम समझ लो की फ्रेमिंग ही सेट कर रहे हैं Good, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ देखो किस तरह की मूवमेंट हो रही है हल्की हल्की मूवमेंट हो रही है ठीक है बट इसके ऊपर भी वैसी मूवमेंट हो जा रही है सो हमें वो नहीं चाहिए उसके लिए क्या करना है इधर आपको जो लॉक वाला ऑप्शन देखने को मिलता है जस्ट ये जो लॉक वाला है इस पर क्लिक करना है और इधर लॉक कर देना है जहां जहां आपको मूवमेंट नहीं चाहिए जस्ट मैं इस पर क्लिक करता हूँ इसके ऊपर से हमें इसकी मूवमेंट नहीं चाहिए ठीक है ये लॉक वाला है इससे इसके ऊपर मूवमेंट नहीं जाएगी सिर्फ अंदर ही अंदर रहने वाली है जस्ट इधर मैं ओके okay, कंप्लीट हो चुका है देखो मैंने लॉक कर दिया एक बार आपको प्ले करके दिखाता हूँ एक चीज नोटिस करो काफ़ी ज़्यादा स्लोली वर्क कर रहा है सो उसके लिए आप इसकी स्पीड को बढ़ा देंगे आगे थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आपको स्पीड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो आपको स्पीड का दिख रहा है जस्ट आपको इस पर क्लिक करना और इसकी स्पीड को आप बढ़ा दो आप प्ले करके देखो मूव कर रहा है ठीक है इसको आप और भी ज़्यादा बेटर करोगे तो और भी ज़्यादा बेटर हो जाएगा देखो मैं थोड़ी थोड़ी स्पीड करूंगा तोड़ हो जाएगी ये देखो काफ़ी सही है यार इस तरीके से आप अपने वीडियोस को और भी ज़्यादा एनहेंस करके और भी ज़्यादा बेटर कर सकते हो मैं काम करता हूँ ठीक है इधर चलते हैं पहले इसके हम इस वाले ऑप्शन को हटा देते हैं लाइक like, इसे डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसके ऊपर मूवमेंट नहीं आ रही है सो मैं इसे हटा देता हूँ जस्ट इसे हम साइड कर देते हैं मैंने आपको लॉक का बता दिया कैसे आप लॉक कर सकते हो जस्ट ये हटा चुका हूं इसको मैं थोड़ा सा और इधर से कुछ इस तरीके से रेज बना देने वाला हूँ अब प्ले करता हूँ देखो बाहर का लग रहा है कि ऐसा कुछ पानी साइड में मूव कर रहा है आई नो काफी लोगों को नहीं समझ आ रहा होगा आप क्या करना है डायरेक्ट इसे एक्सपोर्ट कर देना और कुछ भी नहीं छेड़ना है जस्ट मैंने इसे एक्सपोर्ट वाले पे क्लिक किया इसकी भी रेंज हम 80 सेकंड पे रख के बस इसके रेशों को भी इतना करके इसे एक्सपोर्ट कर देंगे जैसे ही आपका ये एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगा फिर आपको क्या करना है अब हमें एनिमेशन देने के लिए वापस क्रोमा टून को यूज करना होगा क्रमा टून में मैं आपको आप की फ्रेमिंग समझाने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर वो नहीं समझ आएगा तो आप वीडियोस नहीं बना पाओगे सो देखो आप क्या करने वाला हूँ इधर से मैं एक करेक्टर को चूज कर लूंगा तो मैंने चुड़ैल वाली करेक्टर यूज करना है ठीक है कोई और नहीं यूज करना है इसमें जो करेक्टर अवेलेबल है वही यूज करूंगा लाइक ब्लेजमैन हो गया बट चुड़ैल का ठीक है ठीक है इसी करेक्टर को मैंने यूज करना है और ध्यान दो मैंने इसको इनेबल करके रखा है तो इसको आपको इनेबल करके ही रखना होगा ठीक है अब देखो इस की फ्रेमिंग का काम आप आपका आने वाला है सो इसके बारे में ध्यान से समझना मैंने देखो इधर क्या दिख रहा है ना आपको टू पॉइंट वन सेकेंड सो इसे मैंने कम कर देना है इसे वन सेकेंड तक रखना है ठीक है और इसके हाथ को अब आपको ऊपर उठाना होगा ठीक उसके बाद ये जो आपको ग्रीन वाला दिख रहा है इसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना ताकि ये जो हड्डियाँ हैं ना इसके टूटे ना ठीक तो जस्ट मैं इसे कर देता हूँ ऊपर इसके नेक्स्ट वाले को भी इसके नेक्स्ट वाले को भी ऊपर कर देता हूँ और इधर भी इसे सेट कर देता हूँ ठीक है अब सेट है अब आपको क्या करना है जब जब मूवमेंट दोगे तो इसको आपको करना होगा सेट जैसे कि अभी देखो एक बार क्लिक किया हम इसे एक बार नीचे करता हूँ दूसरे साइड को भी नीचे करता हूँ उसके बाद प्लस पे करता हूँ फिर ऊपर करता हूँ इससे भी ऊपर फिर प्लस फिर थोड़ा सा ऐसे करूँगा जस्ट दूसरे वाले को भी थोड़ा सा तिरछा करूँगा और प्लस फिर थोड़ा सा ऊपर करूँगा प्लस ऐसे कर करके आपको कम से कम 20 से 25 बार करना है और हाँ ध्यान देना कि हर चीज एकट होनी चाहिए एक भी अगर आपका इधर उधर होगा तो आपका काम नहीं करने वाला है जस्ट मैं फिर से इसे ऊपर करूंगा सीधा जस्ट से नीचे करके थोड़ा तोड़ूंगा प्लस फिर ऊपर ये होती है की फ्रेमिंग ठीक है तो इसे आपको ध्यान से करना होगा एक एक चीज ध्यान से करना ठीक क्योंकि देखो टू एनिमेशन यार थोड़ी हो जाती है इसमें क्योंकि हमें काफी चीज ध्यान देना होता है और थ्री एनिमेशन में ये होता है कि माइंड और आपका जो टैलेंट है प्लस जो जो चीज़ें आपने सीखी होती है सबको कंबाइन करके करना होता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा बारीकी से ध्यान देना होता है क्योंकि ये समझ एक ड्राइंग वाली स्किल है यार अगर आपकी ड्राइंग स्किल बढ़िया है तो आप सब कुछ कर सकते हो अगर आपकी वही बढ़िया नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे अब इसमें करेक्टर डिजाइनिंग वगैरह हो गया सो काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगता है काफी लोगों को बट मैं आपको ऐसा मैथड बताने वाला हूँ ना जिसकी मदद मतलब से आप वो भी बहुत आसानी से कर लोगे सो इसमें थोड़ा सा और नीचे कर दूंगा जस्ट अब ऊपर करते हैं देखो अभी ये एकदम साइलेंस है ठीक है तो इसको अभी मूवमेंट इसके फेस की जो मूवमेंट आपने देखी थी कि वो चिल्ला रही थी ये हो चुका है कंप्लीट हो गया अब आपको मैं प्ले करके बाद में दिखाऊंगा सबसे पहले आपके जो प्लस वाला आइकन देखने को मिलता है ना जस्ट आपको इस पे क्लिक करना है उसके बाद इसे टाल्क वाली एनिमेशन दे देनी है जस्ट आपको इधर नीचे स्क्रॉल करो ये देखो ये टाल्क वाली मैंने इसे क्लिक किया और हाँ देखो अभी ये बोल रहा है ठीक बट हाँ आपको कम से कम इसके तीन में जैसे कि इस पे भी जाओ इस इसपे भी टाल्क वाली इनेबल कर दो सेकेंड वाले पे भी जाओ ताकि आपका गलती से अगर कहीं पर अटैच हो जाए तो वो सिर्फ बोले और कुछ ना करे जस्ट मैं क्या करूँगा अभी इधर जो रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन है ना, ना इस पर क्लिक करूँगा और ये जो कैंसिल करके मैं इसे छोड़ दूंगा आप देखो ये मूव कर रहा है इसका हैंड जो है हल्का हल्का मूव कर रहा है देखो बट इसका बोलने वाला नहीं हुआ है ठीक है तो इसे बोलने वाला भी आपको सेट करना होगा जब आप की फ्रेमिंग कर रहे हो अब यही मिस्टेक आपको ध्यान देना कि देखो अभी ये मूव नहीं कर रहा है बिल्कुल भी बोल नहीं रहा है ठीक है तो आप जब एनिमेशन देने जाओगे लाइक फर्स्ट की फ्रेमिंग पर जाओगे तो उधर आपको इसका माउथ का जो एनिमेशन है वो भी देना होगा तो देखो यार इसकी मैं वापस से अभी एनिमेशन कर रहा हूँ क्योंकि उसमें हमने जो इसकी बोलने वाला था ना वो स्टार्टिंग से की फ्रेमिंग नहीं दिया था बट अभी हमने इसकी वापस से की फ्रेमिंग दी हुई है जस्ट मैं इसे सेट कर रहा हूं अब देखो मैंने उस समय कितना बीस तक की फ्रेमिंग दी थी अपनी ये बीस तक थी ठीक है तो इधर अभी मैंने इकतालीस तक दे दिया है इसको एक एक करके मैंने वापस से एनिमेशन इसलिए दिया है ताकि ये बोलता रहे उसके साथ मूवमेंट हो अब मैं इस पर क्लिक करूंगा देखो ये बोलता भी रहेगा जस्ट मैंने इस पर क्लिक करना है इधर देखो मैं कैंसिल क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है अगर मैं इसे इनेबल कर दूंगा मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कट जाने वाली है और हाँ एक चीज आप लोग ध्यान देना कि ये जब मूव करेगा ना तो हमने जो एक एक सेकंड की की फ्रेमिंग दी है अगर आप इसे कम करके करोगे तो ये जल्दी मूव करने वाला है सो तो अभी आप नोटिस करो कि ये माउथ के साथ इसकी एनिमेशन भी हो रही है और हाँ इसके बैकग्राउंड को अब आपने चेंज करना होगा ठीक है तो मैं बैकग्राउंड को चेंज नहीं किया सो उसके लिए सॉरी अभी हम वापस से सेट करने वाले हैं इसके बैकग्राउंड को बट आपको ध्यान रखना है कि इसका देखो माउथ जो है ग्रीन कलर का है सो आपको बैकग्राउंड को ग्रीन नहीं रखना है ठीक है बैकग्राउंड को आपको दूसरा रखना है लाइक मैं ब्लू रख रहा हूँ सो इसको रखने के बाद आपको रिकॉर्डिंग को वापस से स्टार्ट कर लेनी है अपनी जब रिकॉर्डिंग करोगे तो मूवमेंट हो रही है इसकी माउथ की भी एनिमेशन हो रही है साथ में हैंड भी मूव कर रहा है सो so, इसके बाद कुछ चीजें और हैं जो आपको ध्यान देनी होगी अगर वो चीज भी आप ध्यान देकर करोगे तभी आपका जो एनिमेशन है परफेक्ट होने वाला है वरना आपका एनिमेशन बिल्कुल परफेक्ट नहीं होगा आपके यहाँ हड्डियां टूट जाएंगी इसकी या माउथ कहीं और चल जाने वाला है अब इसमें देख सकते हो कोई भी जगह पर कहीं पर भी खराब नहीं हो रहा है सब कुछ एक्यूरेट सेट है अब एक काम करते हैं एनिमेशन को जैसे रिकॉर्ड कंप्लीट करके हम चलते हैं अपने काइन मास्टर के अंदर उधर हम कुछ एडिटिंग करेंगे नाइट का एनिमेशन भी देंगे डे का एनिमेशन भी देंगे कैसे देंगे उधर आपको बताता हूं मैं सो so अभी मैंने अपने एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है बट इधर जाके आपको उस वाले बैकग्राउंड को चूज करना जो अभी हमने एनिमेट किया हुआ था लाइक like मैं दिखाता हूँ कौन सा पिक्सल लूप में नहीं था जस्ट नीचे स्क्रॉल करते हैं ओके okay, इसी में ठीक है इस वाले बैकग्राउंड को मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ क्योंकि देखो ये थोड़ा मुझे सही लग रहा है अब एक बार प्ले करके दिखाता हूँ इसमें मुझे स्काई इस इफेक्ट जो हमने अभी दिया था वो भी देना नहीं पड़ेगा इसमें पहले ही से है इसमें हम उस लेयर में ऐड कर देंगे लाइक like इस लेयर को लेते हैं जस्ट देखो इसे मैंने ऐड कर दिया इसके बैकग्राउंड को आपको रिमूव करना होगा सो so, हमने क्या करना है क्रोमा को वापस यूज़ करना है ये जो क्रोमा की है जस्ट इस पर जाके इसे इनेबल कर देना है पर बैकग्राउंड को मुझे व्हाइट करना है ठीक है जस्ट मैंने व्हाइट किया है विधर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा एडजस्ट करना होगा इसको लाइक like मैं इसे थोड़ी सी एडजस्टमेंट दे देता हूँ ठीक है जस्ट इसकी साइज़ को मैंने इंक्रीज़ करनी है और नीचे के साइड कर देनी है अब देखो आप लोग ओके okay, अभी मूव कर रहा है ठीक है अब दो चार चीज़ें और ध्यान देनी होगी जैसे कि अब मैं जो एनिमेशन को लाया था उसको इधर लेकर आने वाला हूँ जस्ट देखो ये हमने क्लिप को ऐड कर लिया है इसके क्रोमा की को मैं इनेबल करता हूँ और जो ग्रीन है ना इसको मैं ब्लू करना होगा तो ब्लू कर देता हूँ बट पूरा हट गया ठीक है तो काम करते हैं हम तो इस सेट करते हैं इधर इधर जाके इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे अब ओके देखो इनेबल हो गया अब इसको कटिंग करना होगा कटिंग कहाँ से करनी है ये जो बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है ब्लैक ब्लैक उसको आप कटिंग करके हटा दो कटिंग करने का टूल अपना देखते हैं इधर कहीं है ये रहा अपना देखो क्रॉपिंग वाला टूल है जस्ट इधर हो जा अब देखो ये रहा क्रॉप वाला जस्ट इस पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं कट कर लेता हूँ और हाँ ध्यान देना कि यार इसके करेक्टर का हाथ वगैरह मत कट कर देना क्योंकि हाथ इसका सीधा जाने वाला है जस्ट मैं इस पर क्लिक करता हूँ और हाँ दो चीज़ें और ध्यान देनी है अब देखो आपको क्या करना है इसे आपको इनेबल करना होगा और अब इनेबल करने के बाद अब इसके जो ये वाला साइज़ है ना इसको आपको ऊपर लेकर जाओ इसे कम से कम यहाँ तक लेकर जाओ इसे आप छोटा कर लो अब तो क्योंकि कमर तक ये डूबने वाला है ओके डन इतना करने के बाद आप बैक कर दो अब देखो इससे क्या होगा कि मैं आपको एक बार दिखाता हूँ जस्ट नीचे करो अब वापस से आपको कटिंग वाले टूल पे जाना है और इसकी फैदर को इंक्रीज कर देना है जो फैदर है इसे इंक्रीज कर देना है देखो ये लगेगा कि भाई डूब गया है जस्ट आपको एक बार मैं दिखाता हूं ठीक है प्ले करके दिखाता हूं बैक है अब देखो ऐसा लग रहा है ना कि ये डूब चुका है अंदर ये डूब चुका है अब इधर आपको की फ्रेमिंग देना होगा यार की फ्रेमिंग के बिना ये भी सेट नहीं होने वाला है अब इधर भी कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है लेकिन इसको आप पीछे करो ठीक है जस्ट मैंने इधर किया है अब यहां पर हम देखो इसकी फ्रेमिंग को प्रेस करेंगे एक बार जस्ट प्रेस किया थोड़ा सा आगे करूंगा मैं इसे और इसे नीचे ले आऊंगा नीचे लाया फिर इसको थोड़ा सा ऊपर करूँगा ऐसे फिर ऊपर कर दूंगा इसे फिर थोड़ा सा आगे करूँगा मैं जस्ट आगे किया और इसको ऐसे नीचे कर दूंगा ऐसे करके मतलब आपको बस एनिमेशन देना ऊपर नीचे करके और ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये जब आगे आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी ना तब आपको रिजल्ट पता चलने वाला है जस्ट मैं इसको अब नीचे करूंगा और थोड़ा सा इसे आगे करके ऊपर करूंगा अब यहां मैं इसको पूरा हटा देने वाला हूं इस स्क्रीन से बाहर ही कर दूंगा इसे मैं चलो जाओ जी हो चुका है एक बार मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ किस तरीके का लग रहा है अपनी वीडियो जस्ट प्ले करता हूं ठीक है ओके देखो ये मूव कर रहा है इसकी बॉडी भी लग रही कि हाँ अंदर ही की साइड है बाहर की साइड नहीं है अब ऊपर आपका स्काई भी मूव कर रहा है नीचे भी मूव कर रही है अब देखो ये डे का हो गया इसमें अब आप चाहते हो कि भाई थोड़ा सा और बेटर लगे क्योंकि अभी मेरे को उतना ज्यादा रिलैक्सिक नहीं लग रहा है मुझे पता है अब इसको रिलास्टिक देने के लिए वापस मैं इस पर जाऊंगा और फिल्टर में जाके दो चार इफेक्ट को चूज कर लेने वाला हूं लाइक like मैं इस पर चलता हूं जो बारिश वाला इफेक्ट है देखते हैं कौन सा है वेदर ओके okay, बेसिक कलर ये सिलेक्ट करते हैं देखते हैं ठीक लग रहा है बट ये ज्यादा हो जाएगा ठीक है सो so, मुझे ये नहीं करना है नीचे भी है एक बार नाइट वाले में देखते हैं क्या सिस्टम बैठता है फुल करते हैं और अगर हम फुल करें तो कैसा लगेगा और इसके करेक्टर पे आपको जाके इसकी फिल्टर को कम करना होगा बट जस्ट मैं इसे थोड़ा कम कर देता हूं ओके अब एक बार प्ले करके देखते हैं किस तरह लग रहा है जस्ट मैं इसे प्ले करता हूं ओके अब देखिए किस तरह लुका रहा है अभी लग रहा है थोड़ा सही है और हाँ इसका मेन जो काम होगा ना अब जैसे कि ये वीडियो तो बन चुकी है बट आपका मेन काम करने वाला म्यूजिक आपका बैकग्राउंड और आपने जो वॉइस ओवर की है जिस तरीके की वो अब आपका मेन काम करेगा क्योंकि देखो यार सब कुछ हो जाने के बाद भी जब तक अपने इसमें वॉइस ना आए और ए आई बॉयस का कम से कम यूज करना क्योंकि देखो ए आई वाले जितने भी चैनल है आप डिलीट हो रहे हैं दो हजार चौबीस के बाद अगर आप ए आई बॉयस का पूरा का पूरा यूज करोगे ना तो आपका चैनल कभी मोनिटाइज नहीं होगा अपना जरूर यूज करना वॉइस उसमें कम से कम यूज करो पर करो जरूर अगर आप ए आई बॉइस यूज़ करते हो तो लाइव स्ट्रीम कर लेना यार क्योंकि वीडियो को पता तो लगे कि भाई कोई इंसानी काम कर रहा है कोई ए आई बेस्ड चैनल नहीं है जस्ट देखो अभी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है सो इस तरीके से करके आप अपनी वीडियो को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो अब इसमें स्काई इफेक्ट प्लस बारिश वाले जो इफेक्ट्स हैं वो देखता हूँ मेरे पास अवेलेबल हैं सो उनका यूज़ करता हूँ मैं जैसे वीडियो एसेट पर जाते हैं इधर देखो मेरे पास है तो बट बारिश वाले नहीं है ठीक है तो मैं एक बार इस पर सिलेक्ट करता हूँ देखता हूँ इसमें क्या रिस्पॉन्स आता है बारिश वाला नहीं है फिर भी मैं ट्राई करूंगा कुछ ना कुछ यार न्यू करने पर ना थोड़ा बेटर होता है कि नॉलेज मिल जाती है हमें जस्ट मैं थोड़ा सा इसे ज़ूम कर लूंगा और इधर से मैं इसकी क्रोमाटोन्स को इनेबल कर देता हूं और इसे मैंने ब्लैक करना है तो वो वर्क नहीं कर रहा है ये बार देखते हैं किस तरह आ रहा है नहीं इस पर नहीं आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हो इसमें काफी सारी चीजें होते हैं काफी ऑप्शन होते हैं जिनका आप यूज कर सकते हो मैं इसे हटा देता हूं एक बार अब मैंने जो डाउनलोड किया होगा तो इधर देख लेते हैं डाउनलोड वाले ऑप्शन में होगा तो ठीक है वरना इसे डाउनलोड करना पड़ेगा हमें जस्ट इधर शॉप पे चलते हैं इधर से मैं अपने बारिश वाले जो मूवमेंट है उसे डाउनलोड कर लेता हूँ इधर होंगे सो देखो ये रहा इसे मैं सिंपल से डाउनलोड कर लूंगा जैसे ही डाउनलोड हो जाता है तो मैंने इसे अप्लाई कर देना है सो so, अभी अपना डाउनलोडिंग जो है कंप्लीट हो चुका है देखो इंस्टॉल हो चुका है इसी तरह आपका भी आने वाला है जस्ट वो बैक करना है जिसमें इसे कट कर देता हूँ अब एक बार आपको प्ले करके दिखाता हूँ फिर इसमें ऊपर से जो हमने एनिमेशन देनी ना उसे ऐड करेंगे देखो अभी सिंपल लग रहा है ठीक है तो आपने क्या करना है वापस से अफेक्ट वाले इफेक्ट में जाना है सॉरी ये जो स्टीकर वाला है जस्ट इस पे जाना है फिर देखो बारिश वाले आपको तीन चार सीन मिल चुके हैं तो इनमें से आपको जो बढ़िया लगे लाइक मैं ये वाला कर देता हूँ और इसे ऐड कर देते हैं और इसे मैं लॉन्ग कर दूंगा ठीक है जस्ट इसे मैं लॉन्ग कर देने वाला हूं ओके okay, एक बार प्ले करके आप लोगों को दिखाता हूं किस तरीके का लग रहा है जस्ट ये देखो बट हाँ ये काफी ज्यादा मतलब हैवी लग रहा है बारिश इस तो इससे मैं क्या करूंगा इसकी ब्लैंडिंग मोड को मैं थोड़ी कम करने वाला हूं ताकि ये हल्की रहे ठीक है तो अब मैं एक बार प्ले करता हूं ये देखो अभी लग रहा है कि हाँ थोड़ी ठीक है इस तरीके की मतलब आप थोड़ी थोड़ी चीजें ऐड करके अपनी वीडियोस को और भी ज्यादा एडवांस कर सकते हो अब बात करते हैं इसको और भी ज्यादा कैसे इंक्रीज करें या और ज्यादा इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं सो so वो है लाइटिंग लाइटिंग के लिए आपको क्या करना है जस्ट आपको इस पे वापस जाना है और इधर जो है ना इसमें सब कुछ कुछ चीजें जो है ऐड करके काफी बेटर बना सकते हो लाइक like मैं देखता हूँ इसमें से कौन सी बेटर रहेगी इस पर करता हूँ ठीक है जस्ट इधर से करने के बाद कुछ इस तरीके की लाइटिंग दे देता हूँ मतलब साइड साइड में लाइटिंग वगैरह दोगे तो वीडियो सही में बहुत ज़्यादा एडवांस के लगते हो काफ़ी ज़्यादा बेटर लगती है मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ जस्ट ध्यान दो ठीक है मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपकी वीडियो को और भी ज़्यादा एडवांस बना देती है और भी ज़्यादा बेटर बना देती है अब देखो इसमें कितना ज़्यादा बेटर लग रहा है कितना ज़्यादा रिलेस्टिक लग रहा है काफ़ी ज़्यादा औसम लग रहा है और इसकी बात करें कि अगर आप इसको कम कर दोगे लाइक मैं इसकी इफेक्ट को हटा देता हूँ देखो अब एक बार अब मैं प्ले करता हूँ ठीक है आप बताओ ये कैसा लग रहा है और मुझे हाँ इससे पहले देखो पूरे हमें क्या करना होगा इसके जो पूरे साइड को सबको हटाना होगा एडजस्टमेंट में जाके फिल्टर वाले ऑप्शन पे अप्लाई टू ऑल अब देखो अब किस तरीके के लगने वाला है ये जस्ट मैं प्ले करता हूँ देखो और हाँ जो लाइटिंग आपने ऐड की है ना लाइटिंग को आप साइड में ले आओ क्योंकि इसका काम अब इधर होने वाला है जस्ट मैं इधर कर देता हूँ अब प्ले करते हैं इसे देखो कितना ज़्यादा बेसिक सी चीज़ें हम ऐड करके अपनी वीडियोस को और भी ज़्यादा एडवांस बना सकते हैं हर चीज़ों को ध्यान दोगे ना थोड़ी थोड़ी चीज़ों को आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा एडवांस लगेगी अब बारिश की वजह से हमारी जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा रिलेस्टिक लग रही है और नाइट मोड आप जब ऐड कर दोगे तो वो तो भाई चार चांद लगा देती है लाइक फिल्टर पर जाने के बाद मैं इसे एक बार फुल पे कर देता हूँ अप्लाई करता हूँ अभी तो देखो आपका ये भी थोड़ा जो चुड़ैल है इसका थोड़ा मैं ब्लाइडिंग को कम करता हूँ जस्ट फिल्टर पर जाते हैं एडजस्टमेंट पे देखो एडजस्टमेंट पे क्या फायदा होता है इसकी ब्राइटनेस वगैरह को आप इंक्रीज कर दोगे तो अपना जो कैरेक्टर है ना उसका जो थोड़ा रंग रूप है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा अभी दर्श मैं इसके थोड़ा सा इसे कम कर देता तो हूँ लाइटिंग की वजह से देखो कितनी ज्यादा ऑसम लग रही है ऊपर जो लाइटिंग है इसमें सच में चार चांद लगा चुके है यार इस तरीके की वीडियोस मतलब एंड्रॉइड में बनाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और इसके बाद जो एनिमेशन आप लोग को सिखाने वाला हूँ वो तो बहुत ज्यादा एडवांस होगी क्योंकि उसमें आपको दो चीजें देखने को मिलेगी एक तो मूवमेंट देखने को मिलेगी एक जो सेलिंग स्किल होती है लाइक आपने काफी जगहों पर देखोगी जो टू एनिमेशन होती है उसमें सेल्समैन जो होते हैं सेल्स करते हैं मतलब सेलिंग करते हैं दूसरे को चीजें देते हैं बनाते हैं या बेचते हैं तो उस तरीके चीजें अब हम क्रिएट करने वाले हैं तो वो चीज आप ध्यान से समझ जाना उससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है अब चलो उसके लिए हमें कुछ चीजें डाउनलोड करनी होगी कहां से डाउनलोड करनी पहले मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ ये वीडियो तो कंप्लीट हो चुकी है ठीक है अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं उधर सीखते हैं अब कुछ नवा अब देखो अब मैं क्या करता हूं क्रोम को ओपन करता हूं इधर कुछ चीजें हैं यार जो आपको डाउनलोड करना होगा ठीक है तो जस्ट मैं इधर लिख देता हूं टेबल लिखते हैं सबसे पहले टेबल कार्टून टेबल कार्टून ठीक है कार्टून ठीक है इसे मैं सर्च कर दूंगा और हाँ पी करके लिख दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगी वरना आपको रिमूव बैक से जो है रिमूव करना पड़ेगा दो काफी सारे टेबल्स सा आ गए यार अब इनमें से आप कौन सा डाउनलोड करोगे देखो इधर से मैं आपको कुछ नवा सिखाने वाला हूँ एकदम ही नवा तो इधर देखो मेरे मेरे को यह जो टेबल है काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है सो इसे सिंपल से मैं डाउनलोड कर लूंगा उसके बाद कुछ चीजें आपको ध्यान देनी होगी इसे डाउनलोड करने के बाद जस्ट मैं इसे डाउनलोड करता हूँ और हाँ ये मैं डाउनलोड क्यों कर रहा हूँ पहले वो आप लोग को दिखा देता हूँ उसके बाद हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे कि इसके साथ हम क्या क्या क्रिएट करने वाले हैं बहुत कुछ नंबर सिखाने वाला हूँ अब देखो तो पिछली जितनी भी चीज़ें आपने देखी वो बेसिक थी बहुत ज्यादा बेसिक थी बट अब हम एडवांस में चलने वाले हैं धीरे धीरे एक एश, एक स्टेप करके चलेंगे बिकॉज अगर मैं इकट्ठे चल जाऊंगा तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है जस्ट मैं एक बार काइंड को ओपन करता हूं उधर आपको जो वीडियो मैंने पहले क्रिएट की थी ना वो मैं दिखाने वाला हूँ एक बार आप ये एनिमेशन देखो इसमें आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है एक तो आपको ये दिख रहा है कि लड़का दिख रहा है ठीक है वो रेडियो को लेकर जा रहा है प्लस जो बैकग्राउंड में जो मूवमेंट हो रही है तो आपको पता चल गया है कि मोशन लीप से होगा बट इधर जो ये क्रिएट किया गया ये आप डाउनलोड करके करोगे क्या करके करोगे सच में काफी लोगों को नहीं समझ आता यार कि ऐसे सिस्टम कैसे होते मतलब ये होता कैसे है क्योंकि इस तरीके के एनिमेशन ज्यादातर पीसी का यूज करके बनाए जाते हैं बट आपके लिए मैंने ये अब एक काम करता हूँ मैं नाइट मोड में कर देता हूँ फिर आप देखो इसमें कितनी सारी चेंजेस आ जाने वाली है जस्ट अप्लाई टू ऑल करता हूं इधर कर देते हैं अब देखो यहां पर थोड़ी शाम का सीन क्रिएट करता हूँ अब देखो किस तरीके का लग रहा है बस थोड़ा सा क्या किया मैंने इसमें जो कलर एडजस्टमेंट किया उसके बाद वीडियोस को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना दिया और ज़्यादा एडवांस कर दिया है अब हाँ ये जो आप मैं सिखाऊंगा ना इसमें आपको चार पांच चीजें और सिखाने वाला हूँ मतलब कि एक ही सीड में चार से पांच चीजें सिखाने वाला हूँ जैसे इसे मैं कट करता हूँ उसके बाद आप आपको बेसिक से थोड़ा एडवांस में चलते हैं इसमें तो करेक्टर का थोड़ा ज्यादा काम होगा मतलब उसकी कट पेट करना होगा हैंड को अलग करना होगा माउथ को अलग करना होगा काफी चीजें होती हैं, सो so, मैं पिक्सल लैप का कर यूज करने वाला हूँ सबसे पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूं अब इधर जो आपने इमेज को डाउनलोड किए ना जस्ट इधर लेकर आना है सो so, मैं टेबल को लेकर आ चुका हूं इसके बैकग्राउंड को यार आपको हटाना पड़ेगा उसके लिए हमें क्या करना है जस्ट मैं इसे कट करता हूं और से क्रोम पर चलते हैं रिमूव बैक पे जाके इसे आप रिमूव कर लेना जस्ट देखो मैंने इसका रिमूव कर दिया अब मैं इधर क्या करता हूँ अपने इस टेबल को लेकर आता हूँ देखो रिमूव हो चुका है अब देखो इधर आपको काफी चीजें ध्यान रखनी है लाइक इसे थोड़ा थ्री में कन्वर्ट करना होगा इसका जो ये जो फ्रंट का आपको फेस दिख रहा है ये चीजें इस पर भी आपको काफी ज्यादा छेड़छाड़ करनी होगी प्लस इसके लैग के साथ भी काफी छेड़छाड़ करनी होगी और ना ये टेबल एक काम नहीं आने वाला आपको और भी चीजें डाउनलोड करनी है लाइक व्हील और व्हील थोड़ा वुडी टाइप का यूज करना लाइक कार्टून टाइप का टेबल पर जैसे लिखा है अब इधर लिखना है आपको वुड व्हील ठीक है डब्ल्यू एच डब्ल यू एल जस्ट मैं इधर सर्च कर देता हूँ और उसके बाद इधर इमेज वाले पे जाके आपको कोई सा भी डाउनलोड कर लेना है जो आपको बैटर लगे जो आपको लगे कि हाँ ये सही है देखो काफी सारे हैं बट हाँ कोशिश करना कि देखो व्हील वाले बना रहे हो जैसे कि लक्कड़ वाला आप बना रहे हो तो इस तरीके के डाउनलोड करना सिंपल सा वैसे आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे इन्हीं से आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हो डाउनलोड करने का प्रोसेस तो आप लोगों को पता ही है सो सिंपल से मैं क्या करता हूँ अब मैंने तो डाउनलोड कर लिया है सो मैं इधर उसका यूज करने वाला हूं उससे पहले आपको कुछ चीजें ध्यान देनी है लाइक इधर देखो आपको ये चीज़ें क्रॉप करनी होगी ये हटानी होगी इरेज करनी होगी रेस करनी होगी क्योंकि इधर हम जब हम टायर को लगाने वाले ना तो उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इसको कट करके ना सेम टू सेम पहले लेने वाला हूं जस्ट मैं क्या करूंगा लेयर पे जाके देखो कहा गया हूं? लेयर पे गया हूं। उसके बाद मैं ये जो पेंसिल वाला है इस पर क्लिक करूंगा फिर कॉपी कर दूंगा और पहले वाले को लॉक कर देने वाला हूं देखिए मूव हो रहा है इधर आपको कटिंग करने के लिए जो क्रॉप टूल दिख रहा है इसका यूज करना है जस्ट मैं इस पर क्लिक करूंगा और इसे इसे क्रॉप क्रॉप कर कर लेने वाला ओके, जस्ट आपको नीचे नीचे लगाना हो क्यों लगाना होगा। होगा? क्यों क्योंकि देखो, अब इधर नीचे का फेस और ऊपर का फेस जोड़ के ना हम थोड़ा अलग करने वाले हैं अब यहाँ से आपको थोड़ा सेप पता चल गया होगा इधर देखो आप नीचे ऐसे चक्का लगा दोगे तो आपका दूसरा दुकान बन जाने वाला है देखो लग रहा है ना एकदम दुकान सा कुछ है ऊपर इधर फिर आप सामान सामान रख सकते हो बट हाँ इस चीज को आपको डिलीट करके इसे थोड़ा पीछे सेट करना होगा ये पीछे सेट करने के बाद ये चीज जो है आपका हट जाएगा ये है और ये चीजें हट जाने वाला है दिखाता हूं कैसे सबसे पहले इसे थ्रीडी में कर देते हैं हम जस्ट मैं थ्रीडी एक बार रोटेट करके देखता हूं किस तरीके का लगता है नहीं ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा है सो मैं इसे नॉर्मल करूंगा ओके इसकी साइज को मैं थोड़ी सी कम कर देता हूं और इसके मैं अंदर कर दूंगा ठीक है जस्ट ओके है ठीक है अब देखो क्या करना है आपको इसे ही रेस करना होगा जो नीचे वाला बैकग्राउंड है इसे ही रेस करना होगा सो so, मैं रेस कर देता हूँ इधर रेस टूल से जाके जस्ट इस पर क्लिक किया रिजर्व टूर पे गए और इसे इरेज कर देंगे आप जस्ट ठीक है इरेज हो चुका है अब मैं इसे टिक कर देता हूं ओके okay. देखो अभी थोड़ा सही लग रहा है बट ये पीछे जो है ये थोड़ा मुझे खराब लग रहा है सो इसे भी आपको सेट करना होगा अब इधर आपको एक चीज करना होगा वो क्या चीजें देखो इधर आपको अब नाम लिखने के लिए कुछ चाहिए ना तो नाम लिखने के लिए हम एक अलग सा सेप लेने वाला है सेप लेने के लिए जो प्लस वाला आइकन है इस पे जाना है उससे पहले लेयर पे जाके दोनों को लॉक कर दो अब इधर गए मैं सेप पे जाता हूं अब सेब पे जाने के बाद अब इधर आपको देखो चैट वाला इधर सिस्टम बना लेना है जो आप नाम लिखोगे जस्ट मैं इधर इसको सेट कर देता हूँ ये मैं थोड़ा सा इसे ऊपर करूंगा साइज ओके ठीक है ये थोड़ा सही है अब इसमें कलर वगैरह देना होगा कलर देने के लिए हम वापस से कलर वाले पे जाएंगे फुल टू ऑल इधर मैं प्लस वाले पे जाऊँगा थोड़ा सा इसे डार्क ब्राउन थोड़ा इसे आगे कर देते हैं ओके अब ओके कर देते हैं तो कलर थोड़ा मैच नहीं कर रहा है सो मैं वापस से प्लस पर जाके इसको थोड़ा एडजस्ट करूंगा अब ओके करके देखते हैं थोड़ा अभी मुझे सही लग रहा है थोड़ा इधर उधर है तो वो आप एडजस्ट कर लेने मतलब स्टॉक वगैरह दे देने कुछ भी दे सकते हो मैं इधर देने वाला हूँ इसकी सैडो इंक्रीज करने वाला हूँ जस्ट एरा सैडो इसे इंक्रीज करते हैं उसे थोड़ा सा मैं हैवी कर दूंगा और इसके अंदर मैं सेट करने वाला हूँ इसे जस्ट इधर मैं इसको सेट करूंगा इसकी सैडो को हटा दो आप बिकॉज सैडो ना पूरा काम खराब कर रहा है अभी इस पर वर्क नहीं कर रहे हैं सो नाउ इट्स लुकिंग ओके अब ठीक है अब थोड़ा मुझे सही लग रहा है और हाँ दो चीजें और आपको ऐड करनी होगी लाइक इसके टायर को पीछे लेकर जाना होगा इधर आप नाम लिख दो अब कलर को एडजस्ट करना होगा कलर को पहले मैं एडजस्ट कर लेता हूं थोड़ा सा देखो अभी ये मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है इतना एडजस्ट करने के बाद अब नाम लिखने के लिए मैंने क्या करना है इस पे जाके टेक्स्ट पे जाना है इधर लिख देना है कुछ भी लाइक अपना ही ठेला बना देते हैं इसे ठीक है टेक्निकल है ठीक है ओके कर देते हैं अब ये रहा अपना पानी पूरी वाला ठेला सो मैं इसे कलरिंग वगैरह थोड़ा दे देता हूं कलर पे जाके भाई हंसो मत यार ठीक है हंसो मत मेरा ठेला अगर कुछ चाहिए तो बोल दो मैं दे दूंगा बट हंसो मत मैं हंसी बहुत आ रही मुझे पता है ठीक है तो हंसने का नहीं अपना ठेला है कुछ चाहिए तो साफ साफ बोलो कि भैया मुझे इतना दे दो पानी पूरी उड़ी सो जस्ट ये भी कंप्लीट हो गया इसके स्टॉक मेरे को खराब लग रहा है यार स्टॉक देख रहे हो स्टॉक हटा दो पहले आप सुर so, देखो मेरे को ऐसे सही लग रहा है इसमें मुझे ब्लैक कलर या येलो वेलो देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने हिंदी में नहीं लिखा है ठीक है तो इधर मुझे व्हील की जरूरत पड़ेगी सिंपल से मैं जाता हूँ वापस से गैलरी में इधर व्हील को डाउनलोड कर लेता हूँ सो so, ये रहा अपना देखो टहर देखो आ चुका है इसका इसके व्हील को हमने बैक साइड करना है ठीक है सो मैं इधर सेट करता हूँ पहले इसे जस्ट मैं इधर कर देता हूँ देखो तो सबका कलर यार एकदम ही डिफरेंट डिफरेंट हो चुका है मैं ट्राई करता हूँ कि सब सेट हो जाए ठीक जस्ट मैं इसके फिल पे जाता हूँ जस्ट देखो इसे मैं बैक करने के लिए इधर जाऊंगा और इसको नीचे कर देने वाला हूँ सबसे नीचे करने के बाद देखो ये बैक में चल जाएगा बट उससे भी नीचे करना पड़ेगा हमें जस्ट टायर को अब नीचे कर दिया हूँ अब देखो पूरा बैक में जा चुका है ठीक है ये अभी एकदम बैक में चला गया है अब इसको हल्का सा आपको ऊपर करना होगा इधर देखो और जस्ट अपने हिसाब से कर लेना अब हाँ इधर देखो एक चीज अपने को आ रहा है कि भाई इधर ये आ रहा है ठीक बढ़िया नहीं लग रहा है थोड़ा तो इधर आप क्या कर सकते हो इसकी जगह मैं जस्ट इसे देखो इसे मैं वापिस से कॉपी करने वाला हूँ कॉपी करके देखो ये आ चुका है इसको मैं थोड़ा सा यू करूंगा और इधर लगा देने वाला हूँ पर इधर मैं थ्री का यूज करने वाला हूं लाइक थ्री रोटेशन करके इसे मैं थोड़ा और बढ़िया करूंगा जस्ट मैं ऐसे कर दूंगा जिससे थोड़ा मोटा हो जाए ठीक ओके मैं इसे थोड़ा सही करता हूं पर। दूसरे वाले टायर को भी इधर करता हूं कॉपी जस्ट मैं इसे करता हूं कॉपी करने के बाद उसको भी मुझे एकदम नीचे ले आना होगा जस्ट इसके नीचे फुल नीचे ओके तुम भी नीचे आ जाओ अब देखो अब ठीक है इस टायर को मैं दूसरी तरफ सेट कर दूंगा जस्ट इसको करने के बाद ओके इसको अब मैं लॉक कर लूंगा इसको सेट कर देते हैं देखो अभी थोड़ा सही लग रहा है पूरा एकदम लग रहा है कि हाँ पूरी वाला है अपना जो है पानी पूरी वाला बन चुका है अब इसका हम यूज कहाँ करेंगे क्योंकि देखो सब कुछ होने के बाद अब यूज करना सबसे ज्यादा मैटर करता है इसको वॉकिंग कराना प्लस आपके कैरेक्टर की जो वॉकिंग वगैरह थी वो कैसे होगी इससे पहले मैं सेव कर लेता हूँ बिकॉज अगर सेव नहीं करेंगे अगर गलती से उड़ गया तो सारी मेहनत हो जाने वाली खराब मैंने इसे सेव कर दिया है अब वापिस आपको अपने क्रोमाटोन को ओपन करना होगा देखो अभी अपना करेक्टर हवाई में है इसको पहले हटाते हैं हम भाई चलो इसे हम साइड करते हैं इधर चुड़ैल की जगह ना मैं कोई और करेक्टर यूज करने वाला हूं उससे पहले मैं बैकग्राउंड को चेंज करता हूँ अपने चलते करेक्टर को लेते हैं कौन सा करेक्टर लें काफी सारे करेक्टर मेरे पास हैं उन्हीं में से किसी एक को यूज करूंगा मैं लोड करता हूँ चलते हैं इधर करेक्टर्स पे जस्ट मैं उसी लड़के के करेक्टर लेता हूँ या कोई गांव वाला ठीक है गांव वाला रहेगा एक काम करते हैं गांव वाले करेक्टर ले लेते हैं वो भी सही रहेगा जैसे कि ये बंदा है ये मुझे काफी सही लग रहा है सो so, इसके हाथ वगैरह देख लो टूटे फूटे हैं, सो so, इससे मुझे एडजस्ट अभी करना होगा अपने हिसाब से बाद में सो so, इसी करेक्टर का मैं यूज करने वाला हूं देख सकते हो यही थैले को लेकर जाएगा आगे धक्का देते हो बट हमें इसका ये वाला हैंड का अकेला पिक्चर चाहिए और बाकी बॉडी को हटाना होगा समझे नहीं समझे देखो इस हैंड के जो ये जो हैंड है ना ये वाला ये आपको हटाना होगा क्योंकि देखो ये हैंड हम अलग से ऐड करेंगे क्यों करेंगे अभी बताता हूं पहले हम इसे इरेज करते हैं एक भी स्टेप मिस मत करना अगर आप इधर मिस कर दोगे तो भैया आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा बाद में कमेंट मत करना कि भाई ये क्या था ये कैसे होगा अब इधर मैं पहले सब कुछ डिलीट करता हूं क्योंकि इसका काम नहीं है और इमेज साइज को ना आपको वन बाय वन में रख लेना जस्ट स्क्वायर में कर देता हूँ ये एक अब हमने जो करेक्टर यूज करना है उसी करेक्टर को मैं इधर ले आता हूँ जस्ट मैं ब्राउजर पे चलता हूं और करेक्टर वाले पे चल जाते हैं ये रहा अपना टू डी करेक्टर जस्ट इधर जो हमने यूज करना उसे देखते हैं कहां पर है अपना पिंक कलर का ड्रेस पहना था ना तो उसी करेक्टर का यूज करने वाले बाकी देखो यार करेक्टर देखो अपने पास कितने सारे हैं आपको चाहिए नहीं दूंगा भाई नहीं देने वाला हूँ वैसे लास्ट तक रुकेट हो तो आप लोग के लिए एक सरप्राइज वो सरप्राइज क्या है वो आपको लास्ट में पता चलने वाला है बहुत खतरनाक सरप्राइज है अगर आप लोग वो भाई सच बोलो सुनने ही से आपको इतना खुशी होगा ना मैं बता नहीं सकता हूँ कि ये चीज सिर्फ आप लोगों के लिए सच में यार नहीं विश्वास कर पाओगे अपने और वैसे करेक्टर देख रहे हो बाकी सारे करेक्टर्स के साथ वो मिक्स हो चुका है मुझे तो नहीं मिल रहा है सो मैं इस दादाजी को यूज कर लेता हूँ दादाजी मुझे ठीक लग रहे हैं इनका भी बढ़िया ही सिस्टम है जस्ट मैं इन्हीं को लेता हूँ और हाँ यार देखो अब आपको क्या करना है थोड़ा इसे ही रेस वगैरह करना होगा बिकॉज अपने को सिर्फ हैंड चाहिए बाकी नहीं चाहिए अब अपने को कौन सा हैंड गैप करना है देखो ये वाला गैप कर देना ठीक है ये गैप कर देना ये गैप कर देना और नीचे जो ये दिख दिखना है ये गैप कर देना ये भी गैप कर दो कोई बात नहीं गैप कर दो आप बाद में देखेंगे क्या सिस्टम होगा जो लाना होगा उसे वापस ले आएंगे जस्ट पहले आप गैप करो इसे मैं गैप कर देता हूँ ओके ठीक है सब कुछ हटा दियो अब इसे टिक कर देते हैं उसके बाद इसे सेव करके देखो सेव करने के बाद ही आपको पता चलेगा क्या हुआ है अब मैं इसे इधर वापस चलता हूँ अब इधर अपने करैक्टर को लेकर आते हैं इस करेक्टर का तो कोई काम नहीं है क्योंकि भाई हमने दूसरा करैक्टर बना लिया है पिक्सल लैब में गए अपना करैक्टर भी आया नहीं है जस्ट मैं वापिस सेव कर देता हूँ ये कर दिया हमने सेव ओके सेव टू गैलरी हो चुका है जस्ट ओपन करते हैं देखो आ चुका है देखो इसका एक हाथ का ये देखो नीचे का ये जो है ना ये गैप हो चुका है सो ये इसको लाने के लिए आपको क्या करना होगा वापिस अपने इसी करेक्टर पर जाना है बस इसका मुंह देख रहे हो यार किस तरह लग रहा है ये एक्यूरेट नहीं है ठीक है बोल ढंग से नहीं पाएगा मैं टाल करा के दिखाता हूँ आप लोग को जस्ट इसे टाल कराते हैं देखो नहीं यार ये बोल नहीं पाएगा इस करेक्टर को नहीं लेना अगर हम इस करेक्टर इस तरीके के करैक्टर को आपको अवॉइड करना है बिकॉज देखो यार कोई भी चीज बना रहे हो एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए अगर उसमें बिल्कुल मिस्टेक है ना तो भाई साफ मना कर दो को भी मैंने यूज ही नहीं करना है कोई बात नहीं थोड़ा टाइम और लगेगा मैं दूसरा यूज कर लूंगा बट वही यूज नहीं करना है मैं वापस से गैलरी में चलता हूं अब मैं क्यों जा रहा हूं यार क्योंकि मुझे थोड़ा बढ़िया बना रहे ना खराब सा बना के आप लोग क्या देने वाला हूँ कुछ नहीं फायदा होगा ना मेरा फायदा होने वाला है ना आप लोगों का फायदा होने वाला है एक काम करते हैं हम छोटा भीम का लेने ले यार क्योंकि छोटे भीम के भी हैं अपने पास जस्ट मैं छोटे भीम का लेने वाला हूँ अब देखो इसे लेने के बाद मैंने क्या करना है इसमें भी सेम प्रोसेस ब्रो आपको वही चीज़ करना होगा इसका इरेज करना होगा बैकग्राउंड को जस्ट इधर चलता हूँ इरेजर पर जाता हूँ उसके बाद इसके साइज़ को मैं इंक्रीज़ करता हूँ और इधर से मैं कौन कौन से इसके हाथ को छोड़ दूंगा एक काम करते हैं इस हाथ को सबसे पहले मैं हटाता हूँ उसके बाद मैं इस हाथ को हटाऊंगा इस हाथ को हटाऊंगा और बैग वाले को भी हटा दूंगा बस बाकी आपको कुछ भी नहीं हटाना है इतना हटाने के बाद आपको इसे करना है टिक और करना है सेव वाले पे क्लिक और सेव कर देना है जो जो मैं सेव जो जो कट करो आप लोग देख लेना तो काफी बार हो गया यार कि आपसे नहीं होगा बट ये तो नहीं है ना हर बार नहीं होगा आप, आपको दो बार कोशिश करना है तीन बार कोशिश करना है चौथी बार यार कंप्लीट हो ही जाएगा आपको भी वो आई जाने वाला है एक और बार मैं सेव कर देता हूँ एक बार में सेव नहीं हो रहा पता नहीं क्या इशू है सो देख सकते हो इसका दूसरा हाथ भी आ चुका है बट इसकी आंखों में कौन सा भूत सवार हो गया सो so भाई अब देखो इसमें आपको और भी चीजें डिलीट करनी थी अब क्या क्या चीजें थी देखो इस हैंड को तो आपने डिलीट किया नहीं इसलिए वो हैंड आ रहा है मैं आपको दिखाता हूँ एक बार ये देखो हैंड इसका आ रहा है ना तो हैंड तो आपने डिलीट किया नहीं तो भैया हैंड तो रह गई तो हैंड को भी आपको इरेज करना होगा ना तो भाई वो क्यों नहीं इरेज किया चलो उसे भी इरेज कर देते हैं जस्ट मैं इसे इरेज कर देता हूं इतना इरेज होने के बाद देखो आपको क्या करना है इस साइड में एक और बच जाता है सो इसको भी इरेज कर दो उसके बाद आपको टिक करना है सेव करना है फिर आपको चेक करना है कि आपका ये हैंड इरेज हुआ है कि नहीं इसलिए देखो मैं इकट्ठे तो इरेज कर सकता हूं बट करूंगा नहीं क्योंकि जब तक आपको समझ नहीं आएगा सिस्टम क्या क्या है क्योंकि मैंने भी जब स्टार्टिंग की थी भैया मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था कि कैसे क्या सिस्टम होता है एक बार में कभी नहीं सीख पाओगे बड़े भाई आपको कम से कम उसको दो से तीन बार तो देखना पड़ेगा ना अगर आप इस वीडियो को दो से तीन बार देख ले तो, तो आपको समझ आ जा जाएगा सिस्टम क्या है देखो इसका हैंड जो इरेज हो चुका है अभी ये ठीक से वॉल्व कर रहा है अब आपको क्या करना है इसमें जाना है टाल्क एनिमेशन देना है जस्ट में टाल्क वाइल वोल्वकिंग वाला एक एनिमेशन होगा ये देखो है ना टाल अब देखो ये वाला एनिमेशन आपको सिंपल से क्या करना है इसे डाउनलोड कर लेना है ठीक है इसे सेव कर लेना है और सेव करने के बाद आपको एक और चीज काम करना है जस्ट इसका जो हैंड आपने देखो इधर वाला डिलीट किया ये डिलीट किया ये डिलीट किया अब इन सब को छोड़ के बाकी आपको इरेज करना होगा मैं वापस ले आ लेता हूँ जस्ट इसे मैं साइज को थोड़ी हैवी करता हूं अब देखो इधर उन सबको छोड़ के बाकी जितने भी आपको दिख रहे हैं सबको इरेस कर दो जस्ट मैं इसके पूरी बॉडी को कहीं पर भी मत छोड़ना यार देखो आपने इसे छोड़ दिया था ठीक है इसे भी आप इरेस कर दो इसे भी इरेस कर दो अब इस हैंड को इरेस कर दो इसे भी इरेस कर दो नीचे वाले को किया था ठीक है अब देखो ये सभी इरेस कर दिया आपके पास दो पॉइंट बचे हुए ये हैंड का हो गया एक बार इसे आप सेव करो तब आपको पता चलेगा मुझे पता है काफी लोग कन्फ्यूज हो गए होंगे भाई ये क्या चीजें इरेस कर रहा हूँ क्यों इरेस कर रहा हूँ अभी आपको नहीं समझ आएगा जब आपके जो करेक्टर ये पूरा बन जाने वाला है तब आपको समझ आएगा कि भाई ऐसा सिस्टम होता है जस्ट मैं इधर लोड कर लेता हूँ और हाँ एक साथ दोनों चीजों को मैं यूज़ करने वाला हूँ बिकॉज एक चीज को यूज करूंगा ना वो वर्क बिल्कुल नहीं करेगा पिक्सल पे चलते हैं ये रहा इसका हैंड इसका हैंड हैंड वाला जस्ट देखो आ चुका बट यहाँ पर आप ध्यान दो कि इसका ये ये वाला हैंड क्या कर रहा है ये इधर नहीं होना चाहिए था तो इसके लिए आपको वापस से इरेजर टूल को ऑन करना है और आप ध्यान दो ये कौन सा था ठीक है तो इसे आपको क्या करना इरेज कर देना है जस्ट मैं इसे इरेज कर देता हूं इसे थोड़ा बड़ा करता हूं और कहीं पर भी नहीं रहना चाहिए जस्ट ये इरेज हुआ वापिस सेव वाले पे से मैच गैलरी पे ठीक है अब देखो एक साथ इरेस करने का यही फायदा होता है अगर मैं करू ना तो ये इरेजर कुछ समझ नहीं आया अब देखो मैं इरेस करूँ तो आप भी यही बोलोगे भाई बिगनर लेवल का ठीक है बिगनर्स से समझा तो बिगनर्स की तरह ही समझेंगे अब यहाँ पर देखो इरेज हो चुका है अब आपको पता चल गया है ना कि मेरा यही मकसद था बार बार उस पर जाने का कि आप लोगों को समझाने का कि भाई आप एक एक चीज को इरेज करके देखो आपको पता चल जाएगा कि ये जो हैंड है इधर का इरेज होता है इसको इरेज करने से ये वाले साइड का इरेज होता है तो आपको पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से समझ आ गया है अब आपको क्या करना है ये दो एक्सरे इनेबल कर लेना है ये जो वन के दिख रहा है ना इसको इनेबल कर लेना है और इसके हैंड को ऐसे करना है ठीक है थोड़ा सा आप इसे ग्रीन वाले को सेट कर लेना एडजस्ट कर लेना तो आपका हो जाएगा सेट जस्ट मैं इसे थोड़ा सा ऊपर करता हूँ जस्ट इसे थोड़ा सा रोटेशन देकर ओके okay, अब ठीक है अब थोड़ा सही लग रहा है अब आपको क्या करना है इसे ग्रीन स्क्रीन में रिकॉर्ड करना होगा जस्ट क्या करना है जो आपको ऑप्शन देखने को मिला इधर से आप ग्रीन स्क्रीन कर लेना जस्ट मैं इसे ग्रीन स्क्रीन कर लेता हूं देखो इतना होने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है सिंपल से देखो इधर आपको ये जो दिख रहा है ना ऑप्शन इधर आपको जाना है इसके हैंड को मैं सीधा कर लेता हूँ ओके okay, रिकॉर्ड वाले पे क्लिक करना और इसे रिकॉर्ड कर लेना है ये आपका जैसे रिकॉर्ड हो जाता है उसके बाद आपका काम कम्प्लीट अभी देखो आप बोल नहीं रहा है ठीक है तो इसको पहले बुला लो यार वरना फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी फिर आप जब एनिमेशन करोगे ना बोलोगे भाई वो बोल नहीं रहा था देखो आइडल सेट है तो इसे आप टाल कर दो जितने भी एनिमेशन आपको देखने हैं जो आप सेट करना चाहते हो टाल वर्किंग तो मैं इसे कर चुका हूँ अब इसे भी सेम कर देता हूँ जस्ट इसे भी मैंने क्लिक कर दिया है इसके नेक्स्ट वाले को भी ठीक है अब आपको क्या करना है देखो ये होने के बाद देखो मैं रिकॉर्डिंग को ऑन कर चुका हूँ रिकॉर्डिंग अपना जैसे ही कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मैं जितना भी कैरेक्टर आपको दिख रहा है ना उसके साथ एनिमेशन करके दिखाने वाला हूँ अब बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि अब जो एनिमेशन होगी वो थोड़ा अल्ट्रा लेवल की होने वाली वो थोड़ा हाई लेवल की होने वाली है उसमें आपको काफी कुछ बताने वाला हूँ लाइक एनिमेशन जैसे ट्री के देते हैं वो कैसे होता है उसके कैरेक्टर की जो एनिमेशन के साथ वॉकिंग करता है और साथ में बोलता भी है और पीछे से जो उसके साथ तो कुछ रखे होते हैं ना लाइक गोलगप्पे वगैरह वो कैसे रख सकते हो उन सब चीजों के बारे में बताने वाला हूँ सो अब बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आ चुका है अब यहाँ पर जस्ट ठीक है मेरा ये हो चुका है अब मैं एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ उस वाले उससे पहले आपको थोड़ी चीजें और बता देता हूँ लाइक मैंने अपने वापस इसी एप्लीकेशन को ओपन करना है अब पहले बैक चलो आप लोग यहाँ पर मैं बैक कर लेता जस्ट इधर मैं बैक करता हूँ अपने उस पूरी वाले को जो आप लेकर आए थे ना उसके साथ थोड़ा और छेड़छाड़ करना होगा वो क्या छेड़छाड़ करना है मैं आप लोग को अभी बताता हूँ जस्ट पहले अपने काइन मास्टर को ओपन करते हैं अब देखो मैंने काइन मास्टर को ओपन कर लिया है अब सब सबसे पहले आपको बैकग्राउंड लाना होगा बैकग्राउंड आप सेम यूज कर सकते हो यार कोई दिक्कत नहीं है अब मैंने तो बैकग्राउंड को डाउनलोड किया था ठीक है मैं आपको वही बैकग्राउंड में करके दिखाने वाला हूं एक काम करते हैं थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं क्योंकि काफी लोगों को नहीं समझ आएगा सो देखो कट करने के बाद ये आपका ऑप्शन आ जाएगा इधर आप बैकग्राउंड सिलेक्ट करो मैं इधर से चलता हूँ अपना बैकग्राउंड ये रहा इधर से एक बैकग्राउंड को मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ मेरे पास काफ़ी अच्छे अच्छे बैकग्राउंड्स हैं सो so, मैं देखता हूँ कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा अपने उसी करेक्टर के लिए लाइक आई थिंक बहुत सारे हैं यार सो so, देखो मैंने इसे यूज़ किया है इधर से मैं स्काई इफेक्ट दे देता हूँ इसे और चेक करते हैं किस तरीके का होने वाला है लाइक like, अपना स्काई इफेक्ट थोड़ा होना चाहिए बेटर ठीक है सो so, आगे करते हैं ये वाला चेक करते हैं या ये वो प्ले करके देखते हैं ठीक है ओके वर्क कर रहा है सो इसे मैं सिंपल से क्या करूंगा एक्सपोर्ट वाले पे जाके एक्सपोर्ट कर लेने वाला हूं दस में जाता हूं इसे सिक्सटी फाइव नाइन रेसो पे मैंने इसे एक्सपोर्ट कर लिया बस ये जैसे कंप्लीट होता है उसके बाद उधर लेकर चलते हैं और इसको क्या करना है बैकग्राउंड को आपको सिलेक्ट करके एनिमेशन देना है अब बिल्कुल भी आपका ज्यादा हार्ड नहीं होने वाला है क्योंकि सारा जो भी हैवी काम था वो तो आपका कंप्लीट हो चुका है बाकी आप लोगों को पता ही है क्या करना है सो मैं ओपन करता हूं अपने इस एप्लीकेशन को इधर क्या करना है अब देखो बैकग्राउंड ये रहा अपना जस्ट मैंने इसे लिया हुआ है एटीन सेकंड का देखो यहाँ पर ऊपर मूव कर करे ना आपका इसका है अब ये हो चुका है अब इधर आप देखो अपने करेक्टर का जो भी चीजें अभी डाउनलोड की हो ना सो so, पिक्सल ऐप से हमने क्या क्या किया था एक ये रेडा डाउनलोड किया था जस्ट ये रहा ठीक है देखो अब ये मूव नहीं कर रहा है इसका रेड़ा जो था इसका टायर देखो एक जगह स्टेबल है सो so, इसको आपको कैसे मूव कराना है वो मैं पहले बताता हूँ सबसे पहले आपको वो टायर लेकर आना है जो आपने अभी डाउनलोड किया था ये रहा इसको लाने के बाद इसकी साइज को आपको इसमें सेट करनी होगी इसे मैं सेट कर लेता हूं अच्छे तरीके से ओके अब इसके साथ आपको इसको एडजस्ट करना होगा बिल्कुल बराबर करना बिल्कुल भी इधर उधर मत करना नहीं तो भाई आपका सारा खराब हो जाने वाला है देखो सेट हो चुका है अब सेम ओबल ले पर जाके इधर आपको ये वाला इनेबल कर देना है सो देखो आपको किस तरह लगेगा ये देखो घूम रहा है बट इसके पीछे के साथ मैच नहीं कर रहा है थोड़ा अजीब लग रहा है सो मैं इसे थोड़ा छोटा कर दूंगा अब एक बार प्ले करते हैं ठीक है इसे थोड़ा और हार्ड कर दो आप अब एक बार प्ले करो सो ठीक है ओके ठीक है अब आपको क्या करना है? इसे आपको आगे कर देना इस तरीके से जस्ट मैं इसे आगे करता हूं मुझे पता है अभी काफी लोगों के बिल्कुल भी मतलब बढ़िया नहीं लग रहा होगा ना बट अब लगेगा क्योंकि जो चीजें मैं आप करने वाला हूँ उससे आपको पता चलेगा भाई किस लेवल की होने वाली एनिमेशन जस्ट मैं इधर करता हूँ आपको भी पता है शुरू से देखते आ रहे थे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था बट जब एंड में पहुंचते हैं तो सब कुछ एकदम सेट हो जाता है एकदम बढ़िया लगता है देखो आप सही है अब इसको क्या करना आपको की फ्रेमिंग देनी होगी की फ्रेमिंग हम पहले दे देते हैं उसके बाद आगे चलेंगे ठीक है सबसे पहले इधर क्लिक करो इसको आप पीछे करो ठीक जस्ट मैं इसे पीछे करता हूँ एक की फ्रेमिंग आप इधर दो और इसे आगे करके यहाँ तक इसे लाओ वेट क्या करना है आपको सबसे पहले इसे पीछे करना है अब की फ्रेमिंग के हिसाब से इसे आगे करना है यहाँ पर लाए और इसे आगे की ओर सेट करना होगा जस्ट मैं इसे आगे की ओर सेट कर देता हूँ देखो ये बाहर चला गया है अब देखो ये आराम आराम से जा रहा होगा देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक की फ्रेमिंग दूंगा उसके बाद आगे जाने पर ये यह देखो यहाँ पर गया अब इसे शांति से मैं आगे लेकर जाऊँगा ऐसे और इसे आगे करके यहाँ पर छोड़ के प्लस वाले पे कर दूंगा देखो आपका ये आ रहा है अब यहाँ पर आपको टायर को भी इसके हिसाब से एनिमेशन देना होगा जस्ट मैं इसके टायर पे क्लिक करता हूँ और इसके यहां पर सेट करता हूँ एक की फ्रेमिंग एक पहले हम इधर देंगे फिर वापस से इसके आगे जाने पर हम इसे वहां पर कर देने वाले हैं लाइक जहां तक ये दिखता है देखो यहां पर दिख रहा है जस्ट मैं इसे आगे लेकर आऊंगा और इसके हिसाब से इसे सेट कर दूंगा एक बार देख लेते हैं सही वर्क कर रहा है कि नहीं ठीक है एकदम सही जगह चल रहा है तो अब इधर क्या करना है वो देखो चला गया तो इसको भी आपको आगे करना होगा जस्ट इधर ध्यान दे देना ये गया ओके आगे चला गया है सो उसका काम खत्म अब सेकंड टायर को भी आपको इसी तरह करना होगा जस्ट मेरे को ये पीछे करना है अभी अभी नहीं छेड़ना है जस्ट पीछे किया अब देखो यहां से निकल रहा है ना सो so मुझे इसको भी बाहर निकालना होगा जस्ट यहां पर हम क्या करते हैं इसको भी सेट करेंगे उससे पहले देखो ये बाहर आया ठीक है यहां पर आप एक की फ्रेमिंग सेट करो सबसे पहले ये हमने किया अब एक पहले आपको पीछे करो इसे पीछे किया एक की फ्रेमिंग लगाओ इधर ये माइनस में ले गया इसको की फ्रेमिंग को आपको पीछे करना होगा जस्ट वेट आपका देखो ये ये की फ्रेमिंग हट जाता है बट आपको नीचे स्क्रॉल करना है और इसे सेट करना होगा जस्ट मैं इसे पीछे लेकर जाता हूं आग, की फ्रेमिंग एक लगाऊंगा इधर थोड़ा आगे लाऊंगा इसे अब इधर एक की फ्रेमिंग दूंगा इसे और अब देखो अब ये आगे जाने के बाद इधर आपको की फ्रेमिंग सेट करनी होगी जस्ट मैं इसे आगे लेकर चलता हूं और एक की फ्रेमिंग यहां पर दूंगा अब थोड़ा सा इसे आगे को और मूव करना है फिर थोड़ा सा और आगे करना है फिलैक थोड़ा सा और इसे पूरा कंप्लीट कर देना एक बार प्ले करके दिखाता हूँ किस तरीके से लग रहा है अभी एक चीज ध्यान दो आप लोग यहाँ पर ये यह जो टायर है ना थोड़ा अजीब सा हो रहा था ये क्यों हो रहा था यहाँ पर हमने जो की फ्रेमिंग ना सही से सेट नहीं की थी लाइक जो पहली की फ्रेमिंग है इसे हमें पीछे करना था जस्ट मैंने पीछे कर दिया अब प्ले करता हूँ एक बार अभी भी सेम प्रॉब्लम ठीक है जस्ट मैं इसे डिलीट करूंगा अब? अब मैं इसे पीछे कर चुका हूँ देखो अभी यहां पर ये टायर आ रहा है अब यहां पर थोड़ा दो अपनी की फ्रेमिंग है इसे अब सेट करना होगा जस्ट मैं इधर करता हूं माइनस में यहां पर है इसे पीछे लेकर जाओ थोड़ा सा निकला इसे और पीछे करो ओके अभी देखो अभी सही कर रहा है अब इसमें क्या करना है व्हील में आपको एनिमेशन देना होगा जस्ट इसे देखकर अभी एक बार प्ले करके कर देखो आपका सही वर्क कर रहा है कि नहीं जस्ट देखो अभी थोड़ा मुझे सही लग रहा है और हाँ ये जो नीचे से जो टूटा फूटा लग रहा है ना इसको आप कैसे सही कर सकते हो उसके बारे में बताऊंगा जो आपने इधर जो लेयर ऐड किया था ना सेम लेयर आप इधर भी ऐड कर दोगे तो आपका सेट हो जाने वाला है ओके okay, अभी मुझे पता है नहीं अच्छा लग रहा है बट अभी जो एनिमेशन के साथ इफेक्ट्स देंगे उसकी वजह से अच्छा लगने वाला है अब आप अपने कैरेक्टर को लेकर आओ अब देखो मैं अपना वो वाला एनिमेशन ले आता हूँ जो अभी रिकॉर्ड किया हुआ है जस्ट मैं इसको करता हूँ क्लिक इधर मैं इसकी स्क्रीन को पहले कट करना होगा मैं जस्ट इसे कट करते हैं हैंड को भी हटा देना बिकॉज हैंड को हम अलग करने वाले हैं ठीक है ओके अब इसकी हम क्रोमा की इनेबल कर देते हैं इसके कलर को थोड़ा एडजस्ट कर देंगे ठीक है अब देखो आपको क्या करना है इससे आपको सेट करना है अब इधर तो इसकी स्क्रीन थोड़ी ग्रीन ग्रीन लग रही है ना तो क्रोमा की, की वजह से मैं इधर सेट करता हूं पहले इसे ओके अभी थोड़ा ठीक लग रहा है अब देखो एक बार ये वॉल कर रहा है ठीक है वॉल कर रहा है अब आपको क्या करना है ये मैं लाया इधर इसके स्क्रीन को मैं और ज्यादा सही कर देता हूँ ये मैं गया और थोड़ा सा इसे मैं पीछे खड़ूंगा स्क्रीन को इधर एडजस्ट कर देता हूँ देखो अब भी थोड़ा इफेक्ट इसका सही है अब यहाँ पर क्या करना आपको इसको पीछे कर देना पूरा ठीक है जस्ट मैं इसे ऐड करता हूँ और अब जैसे पानी पूरी वाला कहाँ से आ रहा था यहाँ से आ रहा था ठीक तो मैं इसे आगे करता हूँ थोड़ा और थोड़ा शॉर इसे आगे करेंगे यहाँ करेंगे और थोड़ा शोर आगे करेंगे यहाँ करेंगे थोड़ा शोर आगे करेंगे इसे और इसे लेकर चले जाएंगे जस्ट में लेकर चला गया अब एक बार प्ले करके देखते हैं ठीक है अब इसे आपको पीछे की साइड भेजना पड़ेगा वो जो हैंड हमने निकाला था ना वो अपना इसी वजह से लिया था देखो ये आपको आगे की ओर आ रहा है सो इसे मैं ब्रिंग टू बैकवर्ड कर देता हूँ जस्ट देखो ये पीछे हो गया है अब एक बार प्ले करता हूँ मैं देखो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि जैसे वॉल्क कर रहा है तो यहाँ पर आपको पीछे की साइड दिख रहा है ना इसका हैंड नहीं दिख रहा है हैंड हमने इसीलिए अलग से ऐड किया था ताकि बाद में हम इसे यूज कर सकें इसे मैं डुप्लीकेट करता हूँ देखो डुप्लीकेट हो चुका है ना अभी इसको जो आपने कट किया था कट टूल पे वापस जाना है और इससे थोड़ा सा आगे ले आना है जस्ट मैं इसे हैंड को ले आता हूं अब यहां पर आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होगा ठीक है रोटेशन वगैरह देकर लाइक ये जो है थोड़े से मैं इसे पीछे करूंगा इसके हैंड के पास अब इसे आपको सेट कर देना इधर अब देखो यहां पर हैंड को आपको रोटेट करना होगा अब सारी की फ्रेमिंग आपकी वापस सेट होने वाली है ठीक है सो उसे आप देख लेना किस तरह मैं करने वाला हूँ सो मैं इसे माइनस करता हूँ पहले यहां पर हम गए एक माइनस दूसरा माइनस तीसरा माइनस चौथा और यहां पर इसके हाथ को आपको रोटेट करना होगा अब जस्ट में इसे माइनस करता हूं इसे आप यहां ले आओ और इधर से आप क्या करो इसे थोड़ा सा एडजस्ट करो आप ठीक है इसकी साइज वगैरह देख लेना साइज वगैरह अगर आपको थोड़ी सी बड़ी करनी हो तो बड़ी कर लेना और हैंड को पूरा रोटेट करना है ठीक है थोड़ा सा भी इधर उधर मत करना और साइड में लेकर चल जाओ आप जैसे ही वो आपका करेक्टर आएगा आगे आपको उधर फिर इसके हैंड को सेट करना होगा लाइक देखो करेक्टर आ रहा है थोड़ा शोर आगे करो अब इधर आपको इसके हैंड को सेट करना होगा जस्ट आपको थोड़ा सा इधर कर दो और जब आपका करेक्टर पूरा आ जाए तो इसके हैंड को देख लेना मैच करना है ठीक है जस्ट मैं इसे मैच कर लेता हूं अभी थोड़ा ठीक लग रहा है ठीक है अब थोड़ा शोर आगे करते हैं इसे हम अब इधर से देखो आपको इसे अब ढंग से करना होगा थोड़ा यहां पर ध्यान देना ठीक है ओके okay, यहां पर अब देखो ये काफी ज्यादा आगे आ गया तो रेड़े को हम इधर उधर कर देंगे सो so, मैं इसे थोड़ा माइनस करूंगा थोड़ा पीछे करते हैं और इसे यू करके एडजस्ट कर देते हैं इसे हम पूरा हटा देंगे अब एक बार मैं प्ले करके देखता हूँ क्या सिस्टम बेटर है अगर बढ़िया लग रहा है तो ठीक है वरना इसमें थोड़ी और एडिटिंग करनी होगी देखो तो जब आप एनिमेशन वीडियो बनाते हो तो आप थोड़ी थोड़ी चीजें ध्यान रखोगे तो आपकी वीडियो काफी ज़्यादा अमेजिंग लगेगी यहाँ पर मूव कर रहा है ठीक है अभी देखो डेरा को थोड़ा ही आगे चला गया है सो ये होगा कि भैया आप थोड़ा स्लो कर देना या धक्का देकर डायरेक्ट चला गया अब देखो ये डेरा के पास वापस आ गया और इसे अंदर कर दिया है सब जितना बैटरा बनाओगे ना उतना बढ़िया जितना की फ्रेमिंग ढंग से करोगे उतना सही है वरना एक बार मैं नाइट इफेक्ट वापस देता हूँ क्योंकि नाइट इफेक्ट में इसका थोड़ा रंग रूप जो है अलग हो जाता है जस्ट मैं इस पर करता हूँ अप्लाई टू और करता हूँ थोड़ा सा इसे मैं ये कर देता हूँ और बार प्ले करके देखना किस तरह लग रहा है अभी तो नाइट इफेक्ट है मुझे थोड़ा बढ़िया लग रहा है क्योंकि देखो शेडो वगैरह भी दिख रही है साथ में ये जो करेक्टर करेक्टर को मैं थोड़ा सफा करूँ यार क्योंकि बिना इसकी स्किन को सही करे ना अपना बिल्कुल भी काम नहीं होने वाला है फिल्टर पे जाते हैं इसको थोड़ा कम करते हैं सेवेंटी सेवेंटी कर देते हैं ठीक है इसके हैंड को भी हमें वही करना होगा ठीक है अब जस्ट मैं इधर गया इसके फिल्टर पे चलते हैं अब फिल्टर डेरा इसको भी हमें सेवनटी कर देना है ओके okay, सेवेंटी कर चुके हैं अब इसका जो रेडा है थोड़ा एकदम ज्यादा ब्लैक नहीं हो गया सो so, इसे भी आप सही कर सकते हो कर देना मैं इसे भी कर ही देता हूं नहीं छोड़ो ये थोड़ा लाइट है ना तो उसको लाइट ही रहने दो देखो फिर इसे भी हम थोड़ा सा कम कर देते हैं यार क्योंकि सही बात है बेटर नहीं लगेगा तो मैं काम करता हूँ इसके करेक्टर वाले पे जो हमने किया था ना इसे अप्लाई टू ऑल करते हैं पहले जस्ट इधर गए हम फिल्टर वाले पे अप्लाई टू ऑल किए अब एक बार देखते हैं प्ले करके किस तरह लग रहा है जस्ट देखो प्ले किया तो अभी किस तरीके का लग रहा है बेटर लग रहा है यार मतलब थोड़ी थोड़ी चीजों का आप ध्यान देकर अपने वीडियो को और भी ज्यादा इनहेंस कर सकते हो अब यहाँ पर ना आप लोग क्या करना गुलगप्पे की पी लगा देना मतलब कि जो रेड़े पे रखा रहता है वो सब इधर रख सकते हो अब मैं एक बार और प्ले करता हूं इसको स्टार्टिंग से अब इधर लाइटिंग वगैरह आप दे दो उस साइड में लाइटिंग कर दो या कहीं और लाइटिंग कर दो इन नाइट सीन जब क्रिएट करोगे तो ज्यादा बेटर लगता है अब यहाँ पर आपको काफी चीज समझ तो आ चुकी होगी कि एनिमेशन कैसे करनी है बट ये बेसिक था ये जो अपना फर्स्ट पार्ट था ना इसमें मेरी कोशिश यही थी कि आप लोगों को बिगनर्स की तरह समझाया जाए जिस तरह एक, एक एनिमेशन करता है उसी तरीके से मेरी समझाने की कोशिश थी बट इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो काफी ज्यादा एडवांस होगा इसमें अभी मैं आपको और भी चीजें सिखाने वाला हूँ like, तो बाकी है तो बेसिक -बेसिक समझा रहा हूँ अभी आपको जो अपनी एनिमल्स की मूवमेंट थी वो बताऊंगा वो कैसे करनी है उसके साथ और भी चीजें चलो अब वो सीखते हैं कि वो कैसे किया जाता है अब जो सीखने वाले हैं वो बाकी सारे एनिमेशन से डिफरेंट होने वाला है क्योंकि इस एनिमेशन में पहले आप स्क्रीन पे देखो आपको ये वाला मैं बाद में सिखाऊंगा इससे पहले एनिमल के कुछ एनिमेशन सिखा देता हूँ कि एनिमल वगैरह आप कैसे ले आ सकते हो उनको मूवमेंट कैसे करा सकते हो और भी बहुत सारी चीजें हैं और हाँ उसके लिए भी आपको कुछ बैकग्राउंड की जरूरत पड़ने वाली है मैं आपको दिखाता हूं मैंने डाउनलोड किए हुए हैं ठीक है तो मैं उन्हीं का यूज करूंगा जस्ट मैं पहले बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद आगे चलते हैं ओके तो अपने पास सेरा टू डी पिक्सल एब ऑब्जेक्ट एरा टू डी बैकग्राउंड ओके okay, पहले मुझे इधर ब्लैक ये ले लेते हैं इसका बैकग्राउंड इसकी साइज को इंक्रीज कर देते हैं ये हो चुका है अब इधर जाते हैं और हमने बैकग्राउंड जाना है एक सीन क्रिएट कर रहे हैं अभी हम देखो अभी आप एक काम करो पहले ये ले लो ठीक है इसकी साइज को आप पहले इधर सेट कर दो ये हो चुका है वेट इसके बैकग्राउंड का हटा नहीं है ना तो इधर से रिमूव बैग वाला आप उठाना जो डाउनलोड वाला है जस्ट इधर जाओ और आपने जो डाउनलोड किया था उसे ले लो इसे ले लो ओके अब सेकंड रहेगा कि आपने एक और लेना है अपने हिसाब से देखो जिस हिसाब से आपने डिजाइन करना है उसी हिसाब से लेना है अब मेरा बैकग्राउंड में एक और था ये वाला ठीक है जस्ट मैं इसको भी ले लेता हूं मैं थोड़ा अलग डिजाइन कर रहा हूँ ठीक है तो आप लोग देख लेना जिस तरह आप लोग को चाहिए नीचे कर देता हूँ अब ये थोड़ा पीछे अभी आपको पता चलेगा क्या करने वाला हूँ मैं जस्ट इसे थोड़ा सा और पीछे अब एक काम करो इधर से जाओ जस्ट उसके बाद वीडियो एसेट और पीछे तारे वाला कर दो ये वाला कर देते हैं तो से सेंड टू बैकवर्ड ये हो चुका है अब इसकी साइज को इंक्रीज कर दो आप डुप्लीकेट कर दो सिंपल सा डुप्लीकेट ऊपर तो आ चुका है इसको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं अब इधर हमने स्काय वाला लेना है जो शॉप चलते वीडियो एसेट इसका है बट ये देखो इसका ये जो है बैकग्राउंड में नहीं है तो उसको नहीं करेंगे ठीक है स्काई की जगह आप एक काम कर सकते हो आप चंद्रमा को ले लो जो हमने डाउनलोड किया था ना जस्ट वही वाला यूज़ करेंगे टू डी ऑब्जेक्ट ये रहा ओके इधर से हम लेंगे इसको इधर से की फ्रेमिंग करते हैं इसकी इसको पहले नीचे ले आओ आप इसको ऊपर कर दो ठीक है ये साथ में हो चुका है इसको मैं एक बार टच करा देता हूँ ओके ठीक है अभी देखो ये नीचे के साइड है तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा इसकी की फ्रेमिंग करूँगा जस्ट एक की फ्रेम लगाया लास्ट की फ्रेमिंग में ऊपर जस्ट इधर कर दिया है। ठीक है और हमने एनिमेशन भी यहीं तक देना है जस्ट मैं इसे कट कर देता हूँ ओके एक बार मैं इसे बैकवर्ड कर देता हूँ अभी देखो ये फ्रंट में है तो इसको, तो इसको मैं सेंट टू बैकवर्ड कर देता हूँ सेंट टू बैक और हाँ फिर उसके बाद इसको फ्रंट में भी करना होगा जस्ट मैं सेंट टू फ्रंट कर देता हूँ अभी इसको मैं ब्रिंग टू फॉरवर्ड ब्रिंग टू फॉरवर्ड ब्रिंग टू फॉरवर्ड बैकवर्ड है फॉरवर्ड करना है जस्ट एक और बार अभी ठीक है अभी देखो तो बाकी सारी चीज़ें पीछे हो गई सो मैं वापस से बैक करता हूँ क्योंकि यार सब पीछे चला गया है अभी देखो ये भी चला गया था ये है ना तो इसको मुझे आगे करना पड़ेगा ब्रिंग टू तो फॉरवर्ड और इसको इसके आगे ब्रिंग टू तो फॉरवर्ड ओके अभी देखो एनिमेशन आप लोग प्ले करते हैं एक बार देखो आपकी वो एनिमेशन जा रही है ऊपर की साइड बट ये जो तारों वाला है ये मुझे सही नहीं लग रहा है सो मैं इसको चेंज करना चाहूँगा क्योंकि ये थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे जस्ट इसको भी चेंज कर देते हैं इधर से जाके वीडियो सेट और इधर हमने ये वाला सेलेक्ट कर लेना है ये देखते हैं कैसा लगता है नहीं ये भी सही नहीं है जस्ट फिर नॉर्मल वाले जो है ना उन्हीं को देखेंगे हम ये वाले नहीं ये भी सही नहीं है काम करो इधर से स्टिकर्स में आपने डाउनलोड किया था ना जस्ट इधर देखो आप लोग फिर इधर से हम ले लेते हैं काफी सारे हैं ये ये टिमटिम वाले, वाले बढ़िया नहीं है सिंपल लेने मैंने इसे डिलीट करो ये सिंपल वाले एक काम करो इधर रखो थोड़ा सा इसे का डुप्लिकेट करो इसे बड़े कर लो आप साइज़ में इसकी साइज़ को हम पूरा ऐसे कर देंगे इसे बैकवर्ड में कर दो सेंट टू बैकवर्ड अब देखो एक बार प्ले करके सो मुझे तो काफ़ी बकवास लग रहे थे सो मैं इसे डुप्लीकेट करता हूँ थोड़ा सा इधर लेता हूँ और इसे सेंट टू बैकवर्ड एक और डुप्लीकेट थोड़ा सा इधर कर देता हूं इसकी साइज को इंक्रीज करके सेंट टू बैकवर्ड एक और डुप्लीकेट इसको मैं उठा के इस तरफ कर दूंगा थोड़ा सा इसे भी सेंट टू बैकवर्ड एक और डुप्लीकेट लेंगे हम इसके फ्रंट में कर देंगे सेंट टू बैकवर्ड अब देखो प्ले करते हैं ठीक है थीके? देखो किस तरीके का लग रहा है आपके एनिमेशन हो रही है इधर हम क्या करने वाले हैं मैं एक बार सबको जो है वापस हम चलेंगे अपने इधर सबसे फ्रंट वाले पे इधर फिल्टर में जाके सबका चेंज कर देंगे लाइट फिल्टर में गए इधर गए फिर आपको नाइट अफेक्ट लेना है अप्लाई टू ऑल हल्का से से काम करना है फिर वो प्ले करना है ठीक है प्ले करके देखो और चांद तो ना जो आपने ये रखा हुआ है इसकी पहले सही कर लो इसको हटा दो आप नॉर्मल कर दो इसे क्योंकि चांद नॉर्मल में ही साइड रहेगा आप देखो एनिमेशन आपकी किस तरीके की लग रही है ओके सिंपल से मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें अब एनिमल पोजिंग ऐप आप आपको डाउनलोड करना है जस्ट आपको प्ले स्टोर पर जाना है इधर लिखना है एनिमल पोजिंग ऐप देखो ये जैसी लिखोगे तो आपका बहुत सारे आ जाने वाले बट ये जो फ्रंट में है ना सबसे ऊपर है इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना और किसी को मत डाउनलोड करना इसको डाउनलोड करने के बाद जस्ट ओपन करना मैं ओपन कर लेता हूँ एक बार कुछ इस तरीके का आपका दिखने वाला है इधर देखो आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं तो सबको नहीं छेड़ना है इधर से आप देखो इसकी जो साइज़ वगैरह इधर को इंक्रीज कर सकते हो या छोटी कर सकते हो और जो उसका नेक्स्ट वाला है ये कैमरा एंगल है ये जो है कैमरा एंगल है ठीक है तो मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ ओके इसको आप हाथ से ऐसे रोटेट भी कर सकते हो और हाँ ऊपर आपको पोजिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है अगर मुझे कोई और एलियन चाहिए या कोई और करेक्टर चाहिए सिंपल जो है चेंज वाला ऑप्शन है मैं इस पर क्लिक करूँगा उसके बाद मैंने देखना है कौन सा लेता हूँ एक काम करते हैं वॉल्फ वाला ले लेते हैं इसमें काफी सारे वैसे हैं तो वॉल्फ वाला कोई अलग वोल्फ देखेंगे अगर वो बढ़िया लगेगा तो ये रहा अपना वोल्फ पर दूसरा वाला लेंगे ये ब्लैक वाला लिया हूँ जस्ट ठीक है अभी ओके okay. अब देखो इसमें आपको जैसे मूवमेंट है रहा है तो आपको कुछ और कराना है मूवमेंट जैसे कि अभी रहा है ना तो इसको दूसरा मूवमेंट देने के लिए जो सिलेक्ट पोज है इस पर जाना है उसके बाद देखो रनिंग है अटैक है देखो अटैक है वॉल्क है आइडियल है डेट है हॉक अब देखो ये करने के बाद एक किस तरह चिल्ला रहा है सबको इसी को रिकॉर्ड करना है जस्ट मैं इसको करता हूँ उसके बाद ग्रीन स्क्रीन कर लेना बैकग्राउंड देखो आपको यहां से मिलता है ना ऑप्शन नीचे जो बैकग्राउंड का लिखा हुआ है जस्ट ये जो बैकग्राउंड लिखा है इस पर क्लिक करना है इसको ग्रीन स्क्रीन करना है ठीक है ग्रीन स्क्रीन करने के बाद देखो ट्रांसपेरेंट करके मत करना क्योंकि वो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने वाले हैं अब सिंपल से आपको ये नीचे करना है और इसको इतना सा रिकॉर्ड कर लेना है जैसे ही आपका रिकॉर्ड हो जाता है इसको क्या करना है आपको आपके काइन मास्टर के अंदर लेकर जाना है उसके बाद उसे थोड़ी सी एडिटिंग करनी होगी कैसे करनी मैं बताता हूँ और भी इफेक्ट्स होते हैं जिनका यूज करके आप अपनी वीडियो को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो इसके बाद हम सीखेंगे भूत वाला एनिमेशन या फिर सैडो एनिमेशन सीखते हैं कि सैडो एनिमेशन आप लोग कैसे कर सकते हो जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है काफ़ी लोगों को नहीं पता चलता देखो इधर से पहले मैं इसका शेडो हटा देता हूं ओके देखो सैडो जो है मैंने इधर से हटाया हुआ है ये जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है ना जस्ट मैंने इधर से हटाया इसके बाद जैसे ही कंप्लीट होता है हमें क्या करना है अपने एप्लीकेशन को ओपन करना है कैन मैस्टोर को उसमें थोड़ी एडिटिंग करनी होगी और हाँ आप जो बता रहे हो ना ये थोड़ा एडवांस लेवल का और ज्यादा हो जाएगा क्योंकि अब मैं आपको आपके करेक्टर के नीचे जो शेडो लेकर आते हैं वो कैसे ले आ सकते हो वो बताने वाला हूँ वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है नहीं समझ आता है सो उसे ध्यान से समझना देखो इतनी एनिमेशन हो चुकी है मैं चलो अब सिंपल सा ऑन करता हूँ अपने एप्लीकेशन को उसमें आपको दिखाता हूँ कैसे क्या सिस्टम होगा इधर जो है बैकग्राउंड में ये सब मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे मैं एक काम करता हूँ इसे हटा ही देता हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल सही बोलो बकवास लग रहा है सो मैं इसे हटा देता हूँ क्योंकि सिंपल सा भी सही है यार देखो इधर से आइए सूरज निकल रहा है अब आप अपने एनिमल को जो रिकॉर्ड किया था ना वो इधर लेकर आना होगा सो मैं लेकर आ जाता हूँ सबसे पहले सो मैं अपना इधर पहले ले लेता हूँ कौन सा है येरा जैसे इसको देखो आपको कटिंग वगैरह करके अरेंज भी करना होगा क्योंकि इसकी ग्रीन स्क्रीन को हमने हटाना है ठीक है जस्ट मैं इसको ऐसे सेट कर देता हूँ जिस हिसाब से ये थोड़ा सही लगे ओके इसको मैं इनेबल कर देता हूँ अब इसका क्रोमा की जो है मैं इनेबल करूंगा और हाँ इसके कलर को थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ अब हमें इसको इधर लेकर आना है सही से सेट करना है देखो ये हो गया यहाँ पर हम इसे कट कर देंगे ठीक है बिकॉज यहाँ पर इसकी एनिमेशन थोड़ी खत्म होती है अब देखो ये साइड में इसके कुछ है ठीक है इसके ऊपर के साइड कुछ है यार ये पता नहीं लग रहा है ये देखो ये कुछ है ना स्क्रीन पे जो कि ग्लिच करके हो गया सो इसे इग्नोर करना हम एक काम करता हूँ ये देखो ये हो चुका है वो पता नहीं क्या आ चुका है तो एक काम करता हूँ इधर मैं स्काई इफेक्ट भी ले आता हूँ क्योंकि स्काई इफेक्ट से थोड़ी अपनी वीडियो अच्छी लगेगी जस्ट हम देखते हैं ये काम करते हैं ये वाला स्काई इफेक्ट देखते हैं कैसा लग रहा है मुझे सही लग रहा है बट अब पता नहीं कैसा लगने वाला है इधर से मैं इसके क्रोमा की को इनेबल करता हूँ ठीक है इधर जस्ट मैं क्रोमा की को इनेबल किया हूं इसको मैं डार्क ब्लैक करते ना डार्क ब्लैक किए हैं इधर से थोड़ा सा मैं इसको सही करना पड़ेगा क्योंकि अपने पास स्काई वाले कुछ भी नहीं है ठीक है जस्ट मैं इसे सही कर लेता हूँ एक काम करो यार स्काई इफेक्ट आप देना ही चाहते हो ना आपने जो पहले बैकग्राउंड यूज किए हुए उनको ले लो आप कहा है मैं दिखाता हूँ कौन से बैकग्राउंड से जस्ट ये देखो मैं पिक्सल रूप वाले बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज हमारे पास दूसरे बैकग्राउंड अभी अवेलेबल नहीं है सो मैं इसी का यूज करने वाला हूँ ओके इसका मैं सेंड टू बैकवर्ड कर देता हूँ ये जो है सेंड टू बैकवर्ड ओके अब इसको भी मैं क्या करूँगा सब मैं जो है फिल्टर दे देने वाला हूँ जस्ट इधर मैं चलता हूँ इसमें फिल्टर एडजस्ट कर देता हूँ ये रहा अपना फिल्टर वाला ऑप्शन नीचे आते हैं और सबसे नीचे पहुंच के इसमें फिल्टर दे देते हैं अब देखो अब आपकी एनिमेशन कैसे लगेगी बट जो इसका सूरज है ये भी साथ में आ रहा है सो ये थोड़ा खराब लग रहा है ठीक है तो इसको मैं हटा ही देता हूँ क्योंकि यार ये एक ही जगह रहेगा तो बेटर है क्योंकि दस जगह पे निकलेगा तो बेटर नहीं लगने वाला है इसको सिंपल से माइनस करता हूं मैं सेकंड वाला भी माइनस कर देता हूं ओके ठीक है तो मैं इधर एडजस्ट ही कर देता हूं इसको इस साइड में इसे एडजस्ट कर देता हूं थोड़ा जस्ट एडजस्ट कर चुके हैं अब मैं इसे एक बार प्ले करता हूँ देखो किस तरीके का लग रहा है भाई इस तरीके की वीडियोस आप बना सकते हो मतलब एनिमल वगैरह को ले आके आप अलग अलग सीन से अलग अलग तरीके से शूट कर दोगे तो आपकी वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग लगेगी अब देखो तो कि कितनी बढ़िया लग रही है मैंने सिंपल से इसे सेट किया हुआ है और कुछ भी नहीं किया है अब हम दूसरे एनिमेशन सीखने वाले हैं वो है सैडो कि इसके सेडो वगैरह कैसे दे सकते हो अगर आप सैडो देना चाहते हो तो मैं सिंपल से इसी में बता देता हूँ उसके बाद हम एडवांस वाला भी सीखेंगे जस्ट पहले मुझे इसे क्लिक कट करना पड़ेगा जस्ट इधर से मैं थोड़ा कट कर देता हूँ ओके इसे डुप्लीकेट करो अब जस्ट डुप्लीकेट करने के बाद देखो डुप्लीकेट हो चुका है अब आपको क्या करना है इधर मैं पहले इसको वापस से वहीं पर कर देता हूँ सेट जहां पर था देखो ये आ चुका है अब इधर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको ढूंढना है एक ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला ठीक है इधर से देखो ये मूव वगैरह होता है तो आपको इधर से 90 डिग्री जो 30 डिग्री इन सबको देखना है ठीक है इन सबको समझना होगा आपको ये किस तरह वर्क करता है अब इधर से एंगल वगैरह आता है इसके एंगल को आपको क्या करना है वन कर लेना है जस्ट इसे मैं वन कर लेता हूँ उसके बाद इसे फुल टू फुल ब्लैक कर देना है जस्ट मैं इधर करता हूं ठीक है और इसको मैं थोड़ा सा पीछे करूंगा जस्ट मैं इसको अपने हिसाब से सेट करता हूं पहले इधर गए थोड़ा सा ऐसे अब ये जो है इसकी साइज है साइज को मैं थोड़ी और छोटी करने वाला हूँ अब इसको देखो आपको अपने हिसाब से देखो ढंग से सेट करोगे तभी काम बनने वाला है नहीं तो बिल्कुल काम खराब हो जाएगा ठीक है अब देखो इतना होने के बाद इसे आपको पूरा ब्लैक कर देना होगा कलर फिल कर देना होगा कलर फिल कहाँ से होगा मैं आपको दिखाता हूँ कलर करने के लिए आपको एडजस्टमेंट में जाना फिर नीचे जो है ना ये सबको आपको पहले सबको कम कर देना जस्ट ये देखो जैसी कम करोगे तो इधर जो गेन वाला है इसको जैसे कम करोगे तो देखो ब्लैक सा हो जाएगा इसको बस आपको कम करना तो ये ब्लैक हो जाएगा ठीक है तो आपका एक साइड का वैसे हो जाएगा बट अभी पूरी तरीके से वर्क नहीं किया क्योंकि हमें इसे पीछे की तरफ लेकर जाना है जस्ट मैं इसे थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ बिकॉज ये पीछे की ओर जाएगा ठीक है इसके पैर के नीचे आपको पहुँचा देना इसे कर देना है ब्रिंक टू बैकवर्ड एक और बार इसके पीछे चल जाए बस काफी पीछे चला गया है फॉरवर्ड करते हैं वापस, अब एक बार बैकवर्ड करो इसे आप देखो अभी इसकी सैडो जो सेट हो चुकी है अब जिस तरह ये मूव करेगा ना उस तरह इसका देखो नीचे भी ये मूव कर रहा है देखो ये छोटी छोटी चीजें जो आपकी वीडियोस को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है काफी ज्यादा एडवांस लेवल की इस तरह बनती है ठीक है तो ये वाली एनिमेशन भी अपनी कंप्लीट हो चुकी है बट काफी चीजें अभी आपको बतानी है लाइक अभी शेडो की कंप्लीट नहीं हुई प्रॉपर तरीके से फिर भी आपको समझ आ चुका है हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी शेडो ट्यूटोरियल तो सिंपल सा था यार क्या हमें इधर थोड़ा ट्रांसफॉर्म वगैरह कर देना जिससे आपकी एनिमेशन थोड़ी स्मूथ हो जाती है और बेटर हो जाती है अब हम बात करते हैं कि जो भूत वाला सीन होता है वो कैसे क्रिएट होता है लाइक हॉरर सीन कैसे क्रिएट करना है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं सो so, वो भी जो है सिंपल से होने वाला है उसके लिए भी आपको ज्यादा मत्था नहीं मारना है एकदम ईजी मैथड बताने वाला हूँ जिससे आपका थोड़ा भूत वाला जो सीन है ना वो क्रिएट हो जाएगा जो आपने स्टार्टिंग में देखा था सिंपल से इसे कट करते हैं अब आपको अपने क्रोमा टून को ओपन कर लेना है इधर आपको करेक्टर को ना थोड़ा अलग अलग प्रोसेस में रखना होगा और स्क्रीन शॉर्ट लेना है जस्ट मैं इधर स्टार्ट करता हूँ और इसको एक काम करता हूँ पहले मैं सारे करेक्टर्स को हटा देता हूँ ठीक है इधर से मैं सारे करेक्टर्स को नन कर देता हूँ ठीक है उसके बाद मैंने एक खुद का करेक्टर देखते हैं अगर वो वर्क करता है तो ठीक है वरना वर्णा इनको एक करेक्टर यूज करेंगे लाइक like, मेरे पास वैसे काफी सारे करेक्टर्स हैं मैंने इधर टिक नहीं किया सो so, देखो आपको जब तक ये टिक नहीं करोगे आपके गैलरी में नहीं भेजने वाला है सो so, देखो सरप्राइज की बात करें तो सरप्राइज ये कि मैं आप लोगों को हैंड्रेड प्लस करेक्टर्स प्रोवाइड करने वाला हूँ जी हाँ हैंड्रेड प्लस करेक्टर्स आप लोगों को मैं फ्री में देने वाला हूँ आपको बनाना नहीं पड़ेगा जितने भी करेक्टर्स आप लोगों को फ्री में मिलेगा कैसे मिलेगा आप वीडियो को देखते रहो आप लोगों को पता चलेगा जस्ट मैं इसमें से एक करेक्टर को पहले सेलेक्ट करता हूँ कौन सा सिलेक्ट करूँ काफी सारे हैं आई थिंक ये वाला थोड़ा सही है जस्ट मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ नहीं ये थोड़ा खराब लग रहा है यार इसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है जस्ट फिर से नीचे चलते हैं और हम फिर से टू डी करेक्टर्स एक को हम सेलेक्ट कर लेंगे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं ठीक है उसके बाद इसका जो हम ये है ना इसको हम चेंज करके कौन सा डालेंगे नीचे कलो उसको ठीक है ये जो आपको दिख रहा है स्लीपिंग ऑन बैक साइड व्यू जस्ट आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद आपको थोड़ा सा मूव करना है इसे जस्ट मूव करो वापस से मुझे इसे सिलेक्ट करना होगा बिकॉज बिकॉस खड़ा हो चुका है जस्ट वापिस मैं इसे कर देता हूं ओके तुम ठीक है हो चुका है ये अब क्या करना है आपको टिक वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है जो टिक वाला है इस पर जस्ट क्लिक करना है और हाँ ये क्लिक करने के बाद आपको इसे रोटेशन भी करना होगा तभी आपका काम होने वाला है जस्ट मैं इसे रोटेट कर देता हूं पहले जस्ट इसे आप ऐसे रोटेट कर दो इसके हैंड को ऐसे नीचे ले आओ दोनों हैंड को जस्ट नीचे कर दो पैर को भी ऐसे नीचे कर दो ठीक है और इसको थोड़ा सा आप ये घुमाओ और घुमाओ जस्ट इसे ऊपर करो अब इसको थोड़ा सा आप सही कर दोगे तो सही हो जाएगा इसका जो सिर है जस्ट इसको मैं थोड़ा और कर देता हूं इसके सिर को ओके ठीक है इसके पैर को आप थोड़ा अच्छे से एडजस्ट करना जैसे कि एकदम तो नीचे जैसे गिरता नहीं ऊपर से गिर रहा हो तो कभी ऐसे कर दो फिर आपको क्या करना है इसे ग्रीन स्क्रीन में करना है ग्रीन स्क्रीन करने के बाद रिकॉर्डिंग वाले पे जाना है और इसे कैंसिल करना है और इतने से सी, सीन को आपको स्क्रीन लेना होगा जस्ट क्या करते हैं इस स्क्रीन इसे कर देते हैं ठीक है पहला स्क्रीन शॉट हो चुका है बट इसका आँख जो है खुला हुआ है ठीक है सो एकदम खराब सा लग रहा है सो मुझे इसे एडजस्ट करना होगा ओके इसके में थोपड़े पे थोड़ा क्लिक किया अब देखो इसके दोनों पैर को ऊपर करना है अब आपको ये डर रहा हुआ तो बिल्कुल मुझे नहीं लग रहा है इसके हैंड को थोड़ा मैं नीचे करता हूँ इसके जो दूसरे साइड को हैंड को भी अपने करना होगा उससे पहले बैकग्राउंड में चेंज करता हूं यहां से मैं इसके हैंड को भी ऊपर कर देता हूं पैर को और ऊपर इसको भी आपको और ऊपर करना है क्योंकि तो इसका फेस का जो इंप्रेशन है नहीं बन रहा है तो उसे हमें सेट करना होगा अपने हिसाब से जस्ट इसको भी कर देता हूं अभी डरा हुआ बिल्कुल नहीं लग रहा है सो मुझे इसे डरा हुआ करना होगा स्लिपिंग ऑन फ्रंट साइड है ओके okay, ठीक है ये हो चुका है अब क्या करना है आपको इसे भी स्क्रीन शॉट कर लेना है जस्ट मैं ग्रीन स्क्रीन पे गया रिकॉर्डिंग वाले पे गया और इसे कैंसिल करके इसकी जो है स्क्रीन शॉट ले लूंगा जस्ट ये भी स्क्रीन शॉट कम्प्लीट हो गया फिर से बैक चलते हैं अब एक ना सिंपल साइज इसे सोया हुआ कर देना है जस्ट मैं इस पर हटा देता हूँ और इसकी जो स्लिपिंग साइज इसे इनेबल करता हूँ पहले स्लिप ऑन फ्रंट साइड ओके ये होने के बाद हमें इसे खड़े हो जा भाई तुम्हारा काम नहीं है तुम खड़े हो पहले इधर से हम वापस इसकी स्लिपिंग साइड को इनेबल करते हैं रन एंड टॉप इसे इनेबल करो इसको अब आप सीधा सेट कर दो अच्छे से अपने हिसाब से ग्रीन स्क्रीन को हटाओ इसके बैकग्राउंड में ले जाके इसे सही कर दो थोड़ा सोड ठीक है ये हो चुका है कंप्लीट अब देखो आपको क्या करना है होने के बाद वापस आपको ग्रीन स्क्रीन करना है और एक और स्क्रीन शॉट ले लेनी है इसकी जस्ट मैं ले ले लेता हूं। देखो ये वाला मैंने किया और इसे ले लिया है अब देखो इसे आपको सबको कट करना होगा उसके बाद देखो एक एक करके आपको अब एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा उस एप्लीकेशन का नाम मैं आपको दिखा देता हूँ इधर जस्ट आपको प्ले स्टोर पर जाना है उसके बाद देखो इधर क्या लिखना है ई जेड जीव ठीक है जेड आई एफ जीव मेकर जस्ट देखो नीचे स्क्रॉल करोगे ये वाला एप्लीकेशन मिलेगा इसे जस्ट इंस्टॉल कर लो मैं अभी इंस्टॉल कर लेता हूं मेरा इंस्टॉल नहीं था अब इसमें क्या है ना हमने एक एनिमेशन क्रिएट करना जी हाँ इससे भी एनिमेशन क्रिएट होता है बट जीप फाइल में ठीक है उससे क्या होगा कि आप अपना कोई भी एनिमेशन को ना बहुत ज्यादा लॉन्ग कर सकते हो एक इमेज के फॉर्मेट में कैसे समझाता हूँ जस्ट मैं इसे ओपन करता हूँ इसके जो भी पॉलिसीज वगैरह उसे अलो कर देता हूं सोलो करने के बाद आपको क्या करना है इधर आपको जो जीफ वाला मेकर दिख रहा है ना पिक्चर जीफ मेकर तो इस पर आपको क्लिक करना है और हाँ जब भी कोई कैरेक्टर ऊपर से नीचे गिरता है तो सबसे पहले उसका हाथ कहाँ रहता है ऊपर के साइड रहता है पहले हम कैरेक्टर को ऊपर से नीचे गिराएंगे ठीक है नेक्स्ट करते हैं देखो ये जैसी आपका आ जाता है ना ओपन आप कर लेना तो ये आ जाएगा सबसे पहले आपको देखो कौन सी इमेज लेनी है सबसे पहले ये वाली इमेज लेनी है फिर ये वाली लेनी है फिर ये वाली लेनी है ठीक है तो देखो क्योंकि ऊपर से करेक्टर गिड़ है पहले ये लिए फिर ये लिए फिर ये लिए अब इसको आपको नेक्स्ट कर लेना है अब देखो एक बार प्ले करके देख लो आपको ये देखो इस तरह गिर है ना इसकी आप स्पीड को इधर देखो मैनेज कर सकते हो स्पीड आप इधर से इसकी स्पीड को एक सेकेंड या देखो जितनी सेकंड करोगे उतनी तेजी से गिरेगा देखो आप इसकी वन सेकेंड रखोगे तो देखो वन सेकेंड कर लेते हैं एक बार एक बार प्ले करो देखो कितनी तेजी से गिर रहा है सो हमें ये नहीं करना है सबसे पहले मैं बैक करता हूँ और थ्रो अवे कर देते हैं नेक्स्ट करो अब इसकी स्पीड चेक कर लो वन सेकेंड है इसको आप छोड़ देख प्ले करो इतना होने के बाद आपको क्या करना है जस्ट आपको इस पे क्लिक करना है सेव वाले ऑप्शन पे इसे सेव कर लेना है और हाँ इसको ये चीज़ मीडियम कर लेना क्योंकि देखो ये चीज़ है ना आपका बीच को बीच में आने वाला है तो इसे आपको एडजस्ट करना होगा एक प्ले करते हैं सेव करते हैं इसे देखो एक बार मैं वापस प्ले करता हूँ एकदम सही जगह जा रहा है ठीक है तो मुझे इसमें कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है सो so, मैं इसे मीडियम नहीं हाई पे करके सेव कर देता हूँ जस्ट सेव विथ माटर बार्क कंटिन्यू बस देखो कंप्लीट हो चुका है मैं इसे कट करता हूँ अब काइन मास्टर को मैं ओपन करता हूं अब काइन मास्टर में देखो आप इधर दो दो चीजें कर सकते हो पता है आप लोगों को मैं इधर एक काम करता हूँ सबसे पहले इधर से मैं इसकी साइज को मैंने सेलेक्ट कर लिया देखो मैंने अपने इधर लिया है अब जो जीव बनाया था ना उसको मैं इधर लेकर आता हूँ जीव फॉर्मेट जो बनाया था एक बार चेक करता हूँ सही से वर्क कर रहा है कि नहीं देखो इसको मैं बड़ा करता हूं पहले सबसे सब पहले अब देखो ये बिल्कुल सही ग्रेड है ठीक है तो अपना ये जो काम थे कंप्लीट हो चुका है मैंने क्या करना है इधर से मैं कुछ भी कट नहीं करने वाला हूँ क्योंकि देखो जो लॉन्ग होने वाला था मैंने आपको इजी वे में बता दिया अब मैं इधर से बैक चलता हूं इधर से कट करते हैं वापस इसी को ओपन कर लेते हैं ठीक है इसे मैं डिलीट करता हूं अब इधर आपको एक बैकग्राउंड सिलेक्ट करना होगा और बैकग्राउंड तो आप कहा से डाउनलोड करो क्रोम पे आपको बहुत सारे मिल जाने वाले हैं वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो वैसे मेरे पास काफी सारे हैं सो मैं डाउनलोड नहीं करने वाला हूँ क्योंकि यहीं से मैं यूज कर सकता हूँ यार सो मैं डाउनलोड करने का बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहा मेरा मन भी नहीं कर रहा है क्योंकि इतने सारे बैकग्राउंड्स हैं इनको मैं यूज करूँ किस लिए मैंने डाउनलोड किया हुआ देखो ये आ आगे हम इधर क्या करता हूं अब आपको एक चुड़ैल वाला भी एनिमेशन चाहिए होगा सो आप वहीं से ले लेना ठीक है तो मैं इधर से इसके जीप फॉर्मेट को लेता हूं उसके बाद इसकी साइज को मैं इंक्रीज करूंगा यहां तक और इधर से मैं इसको पहले क्रॉप करूंगा ठीक है जस्ट इसे क्रॉप करता हूँ जो क्रॉप वाला टूल है इससे मैं क्रॉप कर लेता हूँ इसको हो गया अब इसे बैक करके क्रोमा की इनेबल कर देता हूँ इसको मैं थोड़ा सा कट करता हूँ इसकी कलर एडजस्टमेंट आप लोग कर लेना इधर से कु वगैरह हाई कर लेना जो भी करना चाहो इसके फेस पे देखो ये जो दाने दाने ये किस तरह आ रहा है अब देखो ये चीज पटक रहा है ना अब यहाँ पर दो चीज़ आप देखो इसका जो करैक्टर कभी आगे जा रहा है कभी पीछे आ रहा है कभी आगे जा रहा है पीछे आ रहा है सो इसको कैसे सही करोगे क्योंकि देखो ये चीज भी मेन होता है इन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है इसके लिए आपको क्या करना होगा वापस अपने इसी एप्लीकेशन को ओपन करना है उसके बाद जो जो स्क्रीन शॉट आपने लिए ना लाइक ये देखो सबसे फ्रंट स्क्रीन शॉट डेली हुई है सो इसको आपको क्या करना है एडजस्ट करना होगा बैकग्राउंड ग्रीन लेना है फिर जाके करना है जस्ट पहले मैं बैकग्राउंड को ग्रीन कर देता हूँ ओके पहले ब्लैक लिया अब इसको मैं नीचे कर दूंगा इसको कट करते हैं अब स्क्रीनशॉट ले लो आप जस्ट मैं ये वाली स्क्रीन शॉट लिया हूं अब इसी के हिसाब से आपको अपने करेक्टर को भी सेट करना होगा लाइक like मैं बताता हूं किस तरह जस्ट पहले इधर आओ इसको क्रॉप कर लो ठीक है इसको आप क्रोमा की से करो आप लोग ये निवल कर दिए सब कुछ सेट है अब यहां पर देखो आपको इसको ऐसे रखना है अब दूसरा वाला जो स्क्रीन शॉट है इसी के ऊपर आपको सेट करना होगा लाइक like ये जो स्क्रीन शॉट है इसी के ऊपर मैं इसे भी क्रॉप कर लेता हूँ इसकी साइज़ को भी हमने उतनी रखनी जितनी पहले वाले की है इसमें मैं क्या करता हूँ कट करने वाला हूँ ठीक है क्रोमा की निवल करके इसे हटा देता हूँ जस्ट हटा दिया अब इसकी साइज़ भी हमें इतनी रखनी होगी इसके फेस के हिसाब से आप लोग रख लेना ठीक है देख लेना किस तरीके का होगा और हाँ ये चीज़ें काफ़ी लोगों को नहीं समझ आती तो आप क्या कर सको ब्लैंडिंग में जाके जस्ट ये देखो ब्लैंडिंग वाला ऑप्शन है इसमें थोड़ा सा कम कर लो फिर आप लोग इसके फेस के साथ फेस मैच कर लेना तो हो जाएगा जस्ट मैं मैच कर लेता हूँ ओके ये कंप्लीट हो चुका है देखो अब आपको क्या करना है दो चीजें करनी होगी सबसे पहले आप इसे हटा दो इसे आप हटा दो ओके डिलीट किया अब आपका जो पहला वाला है इसको बैकग्राउंड में जाओ और इसके स्क्रीन को ग्रीन करो सबसे पहला काम इसे ग्रीन करो ओके ग्रीन हो चुका है अब इधर से आप कैप्चर एंड सेव पे कर दो क्या किया है इधर देखो मैंने इधर गया फिर कैप्चर एंड सेव ये जो ऑप्शन दिख रहा है कैप्चर एंड सेव कर चुका है अब देखो मैं रिवर्स करता हूँ उसे जो आगे सबसे आगे लेकर आया था ना उसे मैं लेकर आ जाता हूँ देखो ये आ चुका है अब ये चीज हो चुका है सेट मेरे को थोड़ा सा सेट और करना है मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं इसके फेस के साथ फिर हम इसे सेट करेंगे ठीक है ओके सेट इसे आप सीधा रखो अब इसके करेक्टर के हिसाब से जहां पर इसका करेक्टर वहीं रखना कहीं और स्क्रीन शॉट नहीं वरना आपका करेक्टर इधर उधर जाने लग जाएगा तो सही अब आपको पहला वाला जो डिलीट कर देना है जो आपका सबसे पहला फ्रंट में जो था ये कौन सा है ये आपका फ्रंट वाला है इसके बैक वाले को डिलीट करते हैं जस्ट मैं इसके बैक वाले को डिलीट करूंगा जस्ट इसे मैं डिलीट कर देता हूं ठीक है और इसकी ब्लेंडिंग को मैं ऑन कर देता हूं ये ब्लेंडिंग में इनेबल कर देता हूँ ठीक है अब इधर से भी क्रैप एंड सेव अब मैं क्यों कर रहा हूँ आपको बताता हूँ और हाँ इसके बैकग्राउंड को ग्रीन कर लेना यार क्योंकि ग्रीन नहीं करोगे तब तक आपका काम नहीं होने वाला है सो मैं इसे ग्रीन कर लेता हूँ अब मैं क्रैप एंड सेव कर देता हूँ क्रैप एंड सेव ओके क्रैप एंड सेव से ये होगा कि आपका जो अभी स्क्रीन शॉट लिया है वो सेव हो जाने वाला है जस्ट अब तीसरा वाला ये है तो मैं इसे भी सेम वही करने वाला हूँ जिस तरीके से अभी मैंने बाकी किया हुआ है जस्ट मैंने इस पे क्लिक करना है इनेबल करना है और इसे भी इसकी क्रोमा की से इनेबल कर देना है अब देखो यहां पर भी मुझे इसके फेस को थोड़ा सेम रखना होगा सेम साइज का क्योंकि इधर उधर साइज होगा तो भैया प्रॉब्लम हो सकती है ठीक है सो मैं इसे भी सेव कर लेता हूं ओके okay, ये भी हो चुका है अब पहले वाले को आपको डिलीट कर देना है और सेकंड वाले को भी क्रैक्चर एंड सेव कर लेना है सो so, देखो इसको आप अपने हिसाब से बॉडी को एकदम बढ़िया तरीके से सेट करना अब अपने जीप जो अभी डाउनलोड करना है अप्लीकेशन उसको ओपन करना है सो इसे मैं पीछे करता हूँ इधर से आपको थोड़ा सा ऑड करना होगा जस्ट इसे मैं माइनस कर देता हूं ओके okay? अब आपने जो किया हुआ है ना जो अभी डाउनलोड किया हुआ है आप वापस से जाओ इधर देखो तीन चार आ चुके हैं अब सबसे पहले ऊपर से नीचे गिरेगा ठीक है फिर ये फिर नीचे से ऊपर जाएगा अब इसे देखो अब आपका बिल्कुल भी खराब नहीं होगा देखो एक ही जगह मूव कर रहा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही जस्ट इसे क्या करो सेव कर दो और हां नीचे गिरे तो कोशिश करना कि आप इसमें और भी ज्यादा कर लो सेव विद मार्टर मार्क मैं सीनेवल कर देता हूं ओके ये भी हो चुका है अब देखो यहां तक होने के बाद आप पहले वाली एनिमेशन और अभी वाली एनिमेशन को दोनों को साथ में लेकर देखना मैं आपको दिखाता हूं देखो ये पहले वाली है ठीक है अब मैं अभी की जो डाउनलोड किया हुआ जीफ में वो लेकर आता हूं जस्ट ये वाली है इसे भी मैं बड़ा कर देता हूं उसके बाद इसको भी थोड़ा कट करते हैं इसकी क्रोमा की को आपने इनेबल कर लेना है देखना यार ग्रीन स्क्रीन हम लोग इसीलिए ले लेते हैं ताकि अपना क्रोमा की वगैरह आ जाए और अपने कोई भी प्रॉब्लम ना हो अब देखो आप लोग देखो दोनों में कितना फर्क है पहला वाला देखो डायरेक्ट आ रहा है सेकंड वाला जो है देखो किस तरीके का मूवमेंट हो रहा है ठीक है पहले वाला डायरेक्ट ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है सो वो एकदम खराब है ठीक है मैं आपको बताता हूं वो कैसे सेट करना है क्योंकि अपने आप होगा तभी अब बिल्कुल खराब है आपका बिल्कुल काम नहीं करने वाला है और ना इसका फेस इंप्रेशन वगैरह चेंज करना होगा सो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट वार्ट जो आएगा ये बेसिक था एकदम बेसिक था जिसमें आप लोगों को समझ आएगी कि किस तरह सिस्टम होता है अब आप सबसे पहले काम करो इसको मैं कट करता हूं देखो पहले ऊपर था यहाँ एक की फ्रेमिंग दो इसको थोड़ा जूम कर लो आप चश्मे जूम कर लियो पहले ऊपर है जस्ट जैसे हाथ नीचे करेगा ये नीचे ले आओ आप ये है ये नीचे आ गया ठीक है ये की फ्रेमिंग दो यहां से थोड़ा सा पीछे इसको आप एडजस्ट करना होगा जस्ट ये की फ्रेमिंग दिए अभी ऊपर जा रहे हैं देखो यहां से ऊपर गया जस्ट फिर थोड़ा से नीचे होगा ये ऊपर देखो ये आ गया नीचे जस्ट ये एक पर क्लिक करो फिर इसको नीचे ले आओ जस्ट में इधर ले से आप लोग इसे पूरा नीचे ले आओ देखो जस्ट मैं इसे करता हूं फिर थोड़ा सा से इसे सेट करना होगा अपने हिसाब से जस्ट मैं इसे नीचे कर देता हूं उसके बाद देखो फिर से ऊपर जा रहा है अभी ऊपर ही जा रहा है देखो ये ऊपर गया फिर क्या करना है नीचे आएगा फिर आपको नीचे कर देना है फिर ये ऊपर जाएगा जस्ट ऊपर कर दो इसे यहां से ऊपर कर दो अब फिर से नीचे आएगा और ये सो जाएगा जस्ट मैं नीचे कर दे रहा हूं फिर से ऊपर करना आपको ये ऊपर गया फिर से नीचे आएगा और ये सो जाएगा जस्ट इतनी सी एनिमेशन को मैं अभी करने वाला हूं बाकी को मैं हटा देता हूं क्योंकि इसी को मैं कॉपी एंड पेस्ट कर दूंगा ठीक है जस्ट मैं इसे एक काम करता हूं इसे रखता हूं इसे डुप्लीकेट कर देता हूं क्योंकि दोनों का सेम ही होने वाला दोनों का अलग तो होगा नहीं सो so एक काम करो आप लोग एक बार प्ले करके कर देखो ये देखो ये जो गया इधर से पहले मैं इसे कट करता हूं ठीक है कट किया अब इसी को मैं डुप्लीकेट में देखते हैं डुप्लीकेट में हाँ ओके डन है अब इसे भी डुप्लीकेट कर देते हैं इसे भी आगे कर देते हैं क्योंकि यार मैं की फ्रेमिंग बार बार नहीं करना चाहता हूं मैं इसीलिए थोड़ा इजी वे यूज कर रहा हूं ताकि अपना काम बस इजीली हो जाए ठीक है जस्ट मैं इसे थोड़ा सा पीछे करूंगा और अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर लेता हूं ओके okay, प्ले करते हैं देखो दो सेकंड का बनाया सिंपल सा देखो आप लोग ये ऊपर गया नीचे है ऊपर गया नीचे है मतलब इसी तरह आपको की फ्रेमिंग सेट करना होगा जिससे आपका पता चलेगा कि किस तरह मूव कर रहा है मैं इसको अभी एडवांस में नहीं किया हूं इसका की फ्रेमिंग में देखो पहला वाला ये देखो डायरेक्ट ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा इस तरीके से आपको इसको मतलब अच्छे से एडजस्ट करना होगा जितनी बढ़िया से ये जो टूल है ये बेसिक था यार सिर्फ बेसिक मैंने आपको समझाने के लिए समझाया क्योंकि देखो अभी तक जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बताई उस चीज़ को समझ के ये चीज़ें बनाई गई है अब आप और भी चीज़ें एडवांस में कर सकते हो अभी और भी चीज़ें जैसे समझा देता हूँ अब करेक्टर एनिमेशन के ऊपर चलते हैं उससे पहले हम थोड़े बस वगैरह की जो एनिमेशन होती है वो कैसे क्रिएट की जाती है उसके बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है ये बेसिक बेसिक चीज़ें तो क्लियर हो चुकी है एडवांस भी काफ़ी चीज़ें हमने इसमें सीखी है लाइक मूवमेंट वगैरह के बारे में और भी बहुत सारी चीजें थी अभी वोल्फ एनिमेशन सीख लिया हाँ टूनी बर्ड एनिमेशन जो होती है वो कैसे क्रिएट होती है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं जस्ट आपको अपने इस एप्लीकेशन को ओपन करना है उसके बाद इसे कैंसिल कर दो जितने भी करेक्टर्स अभी आपने लिया उसे नन कर दो इसके बैकग्राउंड को आप लोग चेंज कर दो ठीक है बैक आप इधर ही लेकर आना उस करेक्टर को जो अभी यूज करने वाले आपको हो तो आपको इधर ही लेकर आना होगा स्क्रॉल करोगे तो देखो आपको बर्ड वाला करेक्टर दिख जाएगा ठीक है जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है बाकी आप लोग को पता ही क्या सिस्टम करना है कैसे क्या क्या सिस्टम होगा इसका यहां पर देखो ये आ चुका है अब देखो इसमें मूवमेंट कराने के लिए प्लस वाले पे जाना है फिर नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे जैसे कि बर्ड टैलकिंग अब आपस में बात कर रहे हैं ठीक है तो इसको भी ग्रीन स्क्रीन में आप लोग रिकॉर्ड कर लोगे उसका रिकॉर्ड करने के बाद आप उधर लेकर जाओ उधर इसको एनिमेशन दे दो सिंपल सा था ठीक है और कुछ भी नहीं करना है इसको लेकर जाना और एनिमेशन दे देना है जैसे हमने बाकियों को दिया हुआ है एक एनिमेशन हम फुल लेकर आएंगे उसमें आपको बताएंगे कैसे कैसे क्या क्या सिस्टम होगा तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे अभी चलो वैसे एक छोटी सी क्रिएट करके दिखा देता हूँ कैसे क्या होगा मैं क्या करता हूं इसे फ्लाई करता हूं ठीक है एक बार इसे मैं फ्लाई करता हूं इधर आपको देखो बर्ड फ्लाइंग देखो ये आपको देखने को मिल रहा है जस्ट आपको क्या करना है इसको ऐसे रिकॉर्ड कर लेना है मैं इसको रिकॉर्ड कर लेता हूं जस्ट इधर मैं क्या करता हूं रिकॉर्ड करता हूं आपको एक छोटी सी एनिमेशन क्रिएट करके मैं दिखाता हूँ तो कभी ये मूव कर रहा है इसी तरह मूवमेंट होती होती है ना आपको एक सीन रिकॉर्ड करना है उसके बाद इसको लेकर जाना है और एक जगह बैठा के फिर दूसरी टूनी वर्ड को ले आना है कोई और कैरेक्टर को ले आना है उसको बस खड़ा करके आपस में बात कराना है देखो ये जैसे कंप्लीट हो जाता है फिर देखो ये कंप्लीट हो चुका है इसे मैं कैंसिल करता हूँ अब हम इसी तरह दूसरे करेक्टर को भी बात करा लेते हैं लाइक ये जो पहला करेक्टर हो चुका है और मैं इधर दूसरे करेक्टर को ले लेता हूँ लाइक सासूमा को ले लेता हूँ ये भी उड़ है सो मुझे इनको उड़ने वाला नहीं चाहिए इनको बात करने वाला चाहिए ये टालकिंग ले, ले, ले लेते हैं देखो बोर्ड है ना सो मैं क्या करता हूँ ये इनके जो फ्लिप कर देता हूँ दूसरी साइड क्योंकि ट्यूनी बर्ड उस तरफ थी जस्ट इधर होगी अब वापस से मैं इधर क्या करूंगा रिकॉर्डिंग ऑन करके इसे भी रिकॉर्ड कर लेने वाला हूं देखो इसको भी मतलब तीन चार सेकंड की वीडियो क्लिप बनानी उससे ज्यादा नहीं बनानी अगर आप लोग देखो एनिमेशन जिस तरीके से बनाना चाहो अभी तक सबको मैं जोड़ू जितनी भी अभी तक आप लोगों को सिखाया तो उसको जोड़ के कम से कम पांच से छह मिनट की आराम से बन जाने वाली है इसको भी कंप्लीट कर चुके हैं अब ये हो गया अब ट्यूनी बर्ड को ना आप लोग इधर बैठा हो अब ट्यूनी बर्ड को ले लो इधर आप मैं देखो अभी क्या करता हूं ये दूसरी वाली है सो मुझे ये वाली नहीं चाहिए जस्ट पहले वाले क्लिक करते हैं देखो ये रही अभी बैठ के बातें कर ली ठीक है तो इसको मुझे फ्लिप कराना होगा जस्ट मैं इस पर जाता हूँ फ्लिप करा देता हूँ ओके अब इधर जाने के बाद वापस मैं रिकॉर्डिंग वाले पे जाऊंगा और इसे कैंसिल करके देखो इतनी सीन को मैं वापस से रिकॉर्ड कर लूंगा देखो आपस में बात करी है अब इधर क्या करूंगा नेक्स्ट वाले में जाके मैं सासू माँ को रिकॉर्ड करूंगा उनको आइडल में खड़ा कर दूंगा फिर ये बातें करेगी और सासू माँ बोलेगी इस तरह कम से कम तीन चार सीन को मैंने रिकॉर्ड करना है फिर जाके मैंने उधर लेकर जाना है काइन मास्टर में उधर थोड़ी सी एडिटिंग करनी है और अपनी वीडियो बनकर तैयार हो जाएगी देखो बस ये भी कंप्लीट हो ही चुका है अब एक काम करता हूँ सासू मा का लेता हूं और उसको आइडल करके मैं बात कराता हूँ फ्लिप करा देता हूँ माँ को लिया मैं जस्ट इनको इधर करता हूँ और रिकॉर्डिंग वाले को इनेबल करता हूँ सो अभी देखो वापस मैंने अपने एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है इधर पहले मैं बैकग्राउंड को जो है ब्लैक ले लेता हूँ है ना सो मैंने ब्लैक ले लिया है अब देखो क्या करना है सबसे पहले आपको उस बैकग्राउंड्स को पहले से डाउनलोड करके रख लेना है So, मैं इधर लेयर पे जाके पहले एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता हूँ लाइक like मैंने डे का कोई बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है एक काम करते हैं यार हमने तो बनाया था ना बैकग्राउंड जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहे थे पिक्सल लूप से so, उसी बैकग्राउंड को मैं यूज करने वाला हूँ जस्ट इधर से मैं इसको सेट कर देता हूं ओके okay, ठीक है तो ये हो चुका है यहां पर देखो तो ये है कि भाई ये मूव कर रहा है इसका जो स्काई है ये मूव है इसलिए अपनी जो वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग लगेगी सिंपल सा जो ट्यूनी बर्ड थी वो जो बोलते हुए क्रोमा से। से की है कर देना है और इसका जो ग्रीन बैकग्राउंड है इरेज कर देना है ये लो ये थोड़ा इरेज होगी अब देखो आपको इसमें थोड़ा सा ना अपना दिमाग लगाना होगा तो बताता हूँ क्या करना है देखो ये करना है बस इसको थोड़ा सा ऐसे करना है ठीक ऊपर लेकर आना है जस्ट आपको ऊपर लेकर आए अब थोड़ा सा आगे करो इसको एक की फ्रेमिंग दिए और यहां से इसको ले जाते हुए नीचे साइड ले आओ यहाँ पर ले आओ एक बार प्ले करके आपको दिखाता हूँ किस तरीके का लगेगा देखो अभी जस्ट पहले मैं इसकी वॉइस को जो है कम कर देता हूँ जस्ट मैंने कम कर दिया अब देखो देखो उड़ते हुए आ रही है देखो इस तरीके से अब ये नीचे ना आपको इसके जो सासुमा का हमने जो कैरेक्टर डाउनलोड किया था ना वो आपको इधर लेकर आना होगा उसको भी मैं लेकर आ जाता हूँ ग्लिप पे जाते हैं जस्ट अपने जो सासू माँ को है उनको ले लेते हैं इसको हटा देते हैं क्योंकि हमें बस सासू मां का चाहिए जस्ट इसको मैं कट करता हूं और इसे आगे कर दूंगा इसे हम आगे कर देते हैं आइडल सासू मां चाहिए ठीक है जो शांति से खड़ी थी वाले सीन को हमें चाहिए होगा तो इसके लिए वापिस मैं इसे कट करूंगा उसको एडजस्ट कर दूंगा अब यहां पर जो है आइडल वाला दिख रहा है ना तो मेरे को यही वाला बस चाहिए थोड़ा से इसे आगे करते हैं इसे कट करते हैं अब यहां पर ये यह जो सीन है इधर थोड़ा अलग होने वाला है मैं इसको दो तरीके से आपको समझाने वाला हूं एक नहीं दो तरीके समझाएंगे दो मैथड हम समझने वाले हैं इसे पहले डुप्लीकेट कर लो बटे इधर से हट जाएगा सो इसे रहन दो आप लोग जैसा इसे रहन दो ठीक है तो यहां पर हमने क्या करना है बस छोटे सीन क्रिएट करनी इसे मैं कट करता हूँ उसके बाद दूसरे सीन में हमने अलग सा सीन कुछ बनाना है जैस सासू माँ को इधर करता हूं मैं ओके okay, ये हो चुका है अब देखो आपको इधर भी थोड़ी कटिंग वगैरह करनी होगी क्योंकि देखो बैकग्राउंड को हमने इरेज करना है तो लाइनिंग वगैरह आएगी सो so, इधर से मैं पहले इरेज कर देता हूं कट कर देता हूं और हां ये बेसिक है एकदम बेसिक समझा रहा हूं एडवांस अभी नहीं बता रहा हूं एडवांस आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें बताया जाएगा इसमें सिर्फ बेसिक आप लोगों की क्लियर की जा रही है कि, कि किस किस तरीके से एनिमेशन होती है जस्ट मैं देखो ट्यूनी बर्ड के साथ इधर मैं सासुमा का जो करेक्टर है कैरेक्टर को ऐड कर चुका हूं अब इधर से मैं इसके जो बैकग्राउंड है इसे भी कट कर देता हूं अब देखो एक सीन आपको ये हो गया है प्ले कर देता हूं किस तरीके का लग रहा है इसमें मतलब ऊपर से उड़ते हुए आ रही है और ये देख रही है ठीक है अब ये बोलना चालू करेंगी तो वो सुनेगी और नीचे बैठ जाएगी अब सिंपल से क्या करना है इस सीन को मैंने इधर से एक्सपोर्ट कर लेना है इसको पहले मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ उसके बाद मैंने जो कैरेक्टर वहां पर रुका है उसको नीचे लेकर आना है फिर उसको बैठाना है, है मतलब इधर ही से उठाने वाला हूँ सो दूसरी साइड भी मैं क्लिक करके इसे नीचे की साइड कर देता हूँ जस्ट मैं इसे इधर ले आता हूं और इधर से एक की फ्रेम लगा देता हूं इसको और यहां से इसको नीचे एक साइड लेकर जाऊंगा ठीक है अब देखो इसको मैंने थोड़ा सा जो की फ्रेमिंग उसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर दिया अब यहाँ से देखो ये उड़ते हुए आ रही है अभी सासू माग के पास जाके बैठेगी यहाँ से हमने थोड़ी स्क्रीन को ना जूम करना है किस तरह करना है समझाता हूं मैं देखो ये बैठ चुकी है अब इससे भी आपको एक्सपोर्ट कर लेना है फिर सारे सीन को इकट्ठे करके थोड़ा जूम करके मतलब थोड़ी इफेक्ट वगैरह देकर हम उसको रिलास्टिक बनाने वाले हैं अभी आप लोग को सिर्फ समझ आएगा रुको मैं इसे कट करता हूँ अब देखो ये हो चुका है उसके बाद देखो मैं इसके बैकग्राउंड को थोड़ा जूम करता हूं ठीक है क्योंकि अब यहाँ से मैं थोड़ा कुछ अलग सीन क्रिएट करने वाला हूँ जस्ट थोड़ा और जूम कर लेते हैं ये रहे अपने दोनों करेक्टर अब यहां से मैं सासू माँ को बुलाने वाला हूँ और इनको हटा देता हूँ पहले ट्यूनी को अब चलो फिर यहां से मैं दोनों करैक्टर को जो हमने काइन मास्टर में किया हुआ है अब लेकर आते हैं ट्यूनी को शांति से बैठा देते हैं इधर देखते हैं इनका माउथ का एनिमेशन हो रहा है और देखो अभी बोल रही है ठीक है तो मेरे को इनको अभी बुलाना नहीं है मेरे को सिंपल सा दूसरे वाले करेक्टर को एनिमेशन देना है सो तो आप इस मैं इधर जाता हूँ एक काम करते हैं यार ये मैंने किया हुआ है ना मैं इसको लेकर आता हूँ पहले इसे लॉन्ग करता हूँ क्योंकि तो जब तक वो आएगा नहीं तब तक अपना काम नहीं होगा ग्लिप में चलते हैं इस करेक्टर को लेते हैं उसके बाद मैं इसकी जो एनिमेशन है वो लेने वाला हूँ ट्यूनी बर्ल्ड की ठीक है जो शांति से बैठी हुई थी जस्ट मैं इसको पीछे कर देता हूँ अब थोड़ा शॉर्ट पीछे करते हैं ये रे ट्यूनी बर्ड अब यहां से देखो ये शांति से बैठी हुई है इसको मैं कट करता हूँ थोड़ा थोड़ा आगे चलते कट करते हैं अभी ये बोलेगी नहीं क्योंकि देखो हमने साइलेंस वाला आइडल वाला सिलेक्ट किया हुआ था ना इसलिए बोलेगी नहीं इसे मैं कट कर देता हूँ ओके यहां पर जाने के बाद अब यहां पर इसको क्रोपिंग वगैरह करके इसका जो क्रोमा टून वगैरह इनेबल कर देना क्रोमा की है क्रोमा टून कह रहा हूं ठीक है सो इसे मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ और अब इसके क्रोमा की को मैं इनेबल कर दूंगा यहां से तो क्या हो चुकी है अब इसके साइज को आपको बड़ी करनी होगी क्योंकि देखो सब कुछ बड़ा हो चुका है पूरा बैकग्राउंड जो हमने बड़ी कर दी है ना तो इसकी भी साइज अब बड़ी हो चुकी है यहां से मैं इसको कट कर देता हूं अब नेक्स्ट कैरेक्टर को यहां से लेते हैं सोकाइन मास्टर में अपना है ठीक है बोल रही है इनको हम ले लेते हैं अब यहां से भी हमें सेम है इससे पहले कटिंग करनी होगी ये छोटी छोटी चीजें यार करने के बाद ही आपकी वीडियो थोड़ी अट्रैक्टिव लगती है वरना फिर एकदम बेकार से लगती है यार सो so, सिंपल से मैं इसे भी वापस इनेबल कर देता हूं ओके okay, ये भी हो चुकी है अब देखो आपका करेक्टर भी आ चुका है अब देखो यहाँ पर किस तरीके का सीन लगेगा आप भी बोलोगे हाँ ये कुछ सीन बना हुआ है अब मैं इस करेक्टर को थोड़ा सा आगे कर देता हूँ बिकॉज यार थोड़ा रिलैक्सटिक लगना चाहिए ना इधर कर देता हूँ अब देखो किस तरीके का सीन बना अपना देखो अभी ये बात कर रही है ना जस्ट मैं इसे प्ले करता हूँ अब देखो अभी आपस में बात कर रहे हैं सो so, इस तरीके से मतलब एक टॉल इधर कर रहा है दूसरा इधर बोल बोरा तो इस तरीके से बना सकता हूं आप लोग मैं इसे भी एक्सपोर्ट कर लेता हूं उसके बाद तीनों को मैं जोड़ने वाला हूँ ठीक है तीनों को जोड़ने के बाद एक सीन क्रिएट हो जाएगा फिर जो जो अभी हमने बनाया हुआ है एनिमेशन को उन सबको ज्वाइन करके देखते हैं किस तरीके की एनिमेशन बनती है क्योंकि सिंपल से मैंने कोशिश की थी भैया कुछ अलग किया जाए ठीक है तो मैं एक बार सबको हटा देता हूँ जिस आने के बाद इधर काइन मास्टर में चलते हैं पहला ये है सेकंड ये है थर्ड ये है ठीक है तो मैंने तीनों को ऐड कर लिया है so, सो तुम इधर कहां से आ गए तुम्हें अभी ऊपर होना चाहिए था जस्ट मैं इसे भी हटा देता हूं क्योंकि भाई पहला ये है सेकंड भी हमें इधर ही चाहिए था जस्ट सेकंड ये है ओके फ्लिप फ्लिप में देखते हैं इधर कोई एनिमेशन है नहीं है यार सिंपल से देखते हैं इधर इफेक्ट वगैरह देने की जरूरत है अब देखो ट्यूनी बर्ड आ रही है और अब ध्यान दो इधर की जो ऊपर की मूवमेंट है वो भी हो रही है प्लस जो इसका मूवमेंट है ये भी कंप्लीट हो रहा है ठीक है अब यहाँ पर आपको थोड़ा इफेक्ट वगैरह देना होगा इस तरफ क्योंकि इधर देखो बर्ड का हमने चेंज किया था ना सीन अब यहां पर भी आपको दूसरे इफेक्ट का यूज करना होगा अब यहां पर ये यह इससे बातें करी है और तो हाँ अब एक सीन क्रिएट कर सकते हो कि ये देखो यहां पर जाके आप वापस से फिल्टर वाला मतलब नाइट सीन क्रिएट करके ना थोड़ा अलग ही सिस्टम बन जाता है अब यहां पर देखो मैं करता हूँ थोड़ा सा मतलब नाइट एकदम कर दूंगा तो किस तरह लगेगा एक बार अप्लाई टू करते हैं देखते हैं किस किस पे होगा तो सब पे हो चुका है अब प्ले करते हैं देखो किस तरह लग रहा है ट्यूनी बर्ड अभी ऊपर से आ रही है इधर से आप चांद वगैरह निकाल दोगे तो भैया अलग आने वाला है सिस्टम एक बार वो भी करके देखते हैं जस्ट मैं चलता हूँ इधर टू ऑब्जेक्ट पर जाके अपने इस चांद वाले को ले, ले लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा अलग करें तब बढ़िया रहेगा ना यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसे इधर से मैं इसे कर देता हूँ पीछे आगे ठीक है इसे ब्लेंडिंग कर देंगे एक काम करेंगे ब्लेंडिंग कर देंगे मतलब इसकी जो एक्यूरेसी थोड़ी कम हो जाएगी बताता हूँ किस तरह जस्ट इस पर जाना है इधर ब्लेंडिंग का ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है इसको ब्लेंडिंग को मल्टीपल स्क्रीन कुछ ऐसे कर दोगे तो हो जाएगा सेट मल्टीपल नॉर्मल इधर से मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ हाई सही है यार अब सेकंड वाले पे आने के बाद इसे आप कट कर देना क्योंकि वहाँ से सीन चेंज हो जाता है ना अब देखो यहाँ पर देखो किस तरह लगेगा शांति से ट्यूनिबर्ड आ रही है ऊपर से उड़ते हुए इसमें नाइट का सीन एकदम क्रिएट हो गया तो देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है तो यहाँ पर देखो एकदम नीचे आ रही है ठीक है यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है अपने को एक और बार प्ले कर देता हूँ देखो सिंपल से उड़ते हुए आ रही है नीचे की साइड आएगी और वहीं से चेंज हो जाएगा सीन अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा इफेक्ट इस तरफ थोड़ा सा इफेक्ट दे देना ये नीचे आई अब यहाँ पर ही जैसे सीन क्रिएट होगा नीचे बैठेगी आपस में बात करेगी फिर दूसरा जो करेक्टर वो बात करने लग जाएगा देखिए बात ली ना यहाँ से काम करते हैं एक और सीन को हम क्रिएट किए जो किए थे उसको लेकर आते हैं अब देखिए काइन मास्टर का सीन है सब अलग अलग चीजों में क्रिएट होता है बोला जाए तो सब कुछ अलग अलग जगहों पे क्रिएट हो रही है मेरे पास जैसे कुछ मूवीज पड़ी हुई जो मैंने इसमें क्रिएट की है उसको ना, नाइट इफेक्ट में करके देखो तो बेटर रहेगा जैसे कि ये वाला सीन ले लिया उसके बाद ये सीन ले लिया फिर ये वाला सीन ले लिया फिर बाढ़ वाला सीन ले लिया सबको मतलब करके एक साथ किया जाए ना तो काफी अच्छा सा मूवमेंट बनता है काफी अच्छा एक्यूरेसी मतलब देखने में अच्छा लगता है यार जैसे कि इसे मैं अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ जस्ट ये वाले को लिया मैं अप्लाई टू ऑल किया अपने देखो एक मिनट की क्लिप तो वैसी क्रिएट हो चुकी है जस्ट ये देखो अभी ये करेक्टर आ रहा है ये आपस में बात कर रहे हैं फिर इसके बाद ये ही नीचे आएगा फिर दूसरा करेक्टर बोलना चालू करेगा फिर वो करेक्टर जैसे ही रुकेगा फिर दूसरा सीन अपना क्रिएट हो जाने वाला है देखो ये करेक्टर अब ये वाले सीन में देखो ये आपस में बात करें इसमें नाइट का सीन क्रिएट हुआ है अब जो इसका नेक्स्ट सीन आएगा तो और भी ज्यादा अमेजिंग लगने वाला है क्योंकि देखो इसमें जो मूवमेंट है वो नाइट का हो चुका है इसमें मैंने थोड़ा ज्यादा डार्क कर दिया है अब थोड़ा कम करना अब यहाँ पर देखो ये है कि ये थोड़ा ज्यादा डार्क हो चुका है जिसकी वजह से अपनी वीडियो जो थोड़ा अच्छी नहीं लग रही है ना तो इसे मैं क्या करूंगा वापिस से इधर जाता हूँ फिल्टर पे और उसके बाद इसकी जो ये वाली एक्यूरेसी इसे, इसे मैं थोड़ी कम कर देता हूँ और इसके जो नेक्स्ट वाले इसको भी मुझे कम करना होगा क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी वाली चीज़ अच्छी नहीं लगती है सो फिल्टर पर जाके मैं भी इसे थोड़ा सा कम कर दूंगा और इसका नेक्स्ट वाला देख लेते हैं कि वो कैसा लग रहा है तो ये भी एकदम बेकार सा लग रहा है सो इसे भी मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा ज़्यादा नहीं ठीक है फिल्टर पर जाने के बाद थोड़ा सा इसे भी कम और इसका नेक्स्ट वाला ये देखो चुड़ैल वाला भैया इसको भी थोड़ा कम कर देते हैं तो मैं इसे थोड़ा सा इसे डार्की रखने वाला हूं ओके अब एक बार यहां पर थे ना तो यहां से मैं वापस प्ले करता हूँ अब देखो ये आपस में बात कर रहे हैं अब ये बात कर रहे हैं अब यहां से यह इसको पट्टा करिए कुछ ऐसा सिस्टम हमने क्रिएट किया था ठीक है फिर उसके बाद ये देखो बाइक वाला एनिमेशन जो आपको सिखाया था बट वो डिफरेंट है और उसमें काफी चीजें हमने एडवांस कर दी थी स्काई में भी इफेक्ट लिया था सो so, इसमें देखो सिंपल्स में बनाया था आपको धीरे धीरे एडवांस लेकर गया हूं अब यहाँ पर देखो आपको लाइटिंग वगैरह के बारे में बताया था अब ये जो पेड़ पे चढ़ा है ना तो उसी तरीके से चढ़ाया तो इसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ अभी देखो ये इधर क्या है कि बाढ़ वाला सीन हमने क्रिएट किया था पर उसमें थोड़ा डिफरेंट था वो थोड़ा हाई लेवल का हो गया था सो so इसी तरीके से आप अपने सीन को अलग अलग तरीके से क्रिएट करके काफी अच्छे से बना सकते हो अब चलो हम करेक्टर एनिमेशन पे चलते हैं और समझते हैं कि करेक्टर एनिमेशन कैसे किया जाता है बाकी की वीडियो हम आगे डिस्कस करेंगे आगे अगर और भी कुछ सिखाना हो तो करेक्टर एनिमेशन के बाद सीखेंगे और उसमें थोड़ा एडवांस लेवल के सीखेंगे ठीक है तो चलो करेक्टर एनिमेशन को स्टार्ट करते हैं उसको समझते हैं कि उसमें क्या क्या और कैसे होता है सो so, ये देखो ये रहा अपना एप्लीकेशन इसको मैं ओपन कर लेता हूँ जैसे इसको ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं आपको इसके कुछ टूल्स के बारे में बताना चाहूंगा ठीक है देखो सबसे पहले क्या करना है आपको जो गैलरी वाला ऑप्शन देखने को मिलता है ना जस्ट इस पे क्लिक करना है जस्ट इस पे आप जैसे क्लिक करते हो तो आपके देखो कुछ इस तरीके के ऑप्शन आ जाएंगे जिसमें आप अपने फाइल के कुछ भी ले आ सकते हो बट हमें उधर नहीं जाना है हमें जो प्लस वाला आइकन है ना इस पे क्लिक करना है ये देखो आपको नीचे जो प्लस वाला दिख रहा है इस इसपे क्लिक कर देता हूँ उसके बाद देखो आपका कुछ ये वाले सीस खुल जाएगा देखो यहाँ पर हमने पिक्चर ऐड करनी है नीचे और भी ऑप्शंस देखने को मिलते हैं जिसमें आप अलग अलग साइज के मतलब वीडियोस वगैरह क्रिएट कर सकते हो जो फोटोज वगैरह एडिट कर सकते हो गिफ्ट वगैरह एडिट कर सकते हो हमें पर उधर नहीं जाना हमें देखो किस ऑप्शन पे क्लिक करना है सिंपल से आपको ये वाला जो ऑप्शन देखने को मिलता है ना वन बाय वन रेस इस पे क्लिक करना है इस पे जाने के बाद देखो ये फोर के ऑप्शन देखने को मिल जाता है जस्ट इस पे क्लिक कर देना ये प्रीमियम वर्जन में यूज करो इसलिए मेरा फोर जो है अवेलेबल हो चुका है अब ये जैसे ही आ जाता है इसके कुछ बेसिक से आपको नॉलेज दे देता हूँ नीचे आपको देखो टूल्स के बारे में दिखाता है जब आप कोई टूल यूज करते हो तो उसको जैसे कि आपके जो नेक्स्ट साइड ऑप्शन देखने को मिल रहा है जस्ट मैं इस पर क्लिक करता हूँ उसके बाद काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे जैसे कि ट्रांसफॉर्म का आ जाएगा मैसिक मैजिक वैंड आ जाएगा फिर लेसो आ जाएगा फिर फिल्टर आ जाएगा पर देखो तो हमें इधर एक ब्रश का, का काम पड़ने वाला है एक इरेजर का, का काम पड़ने वाला है उसके बाद एक बकेट का, का काम पड़ने वाला है बाकी किसी चीज का यूज नहीं करना है सिंपल से मैं इसे कट करता हूं अब देखो मैं इधर क्या करता हूं ब्रश को सिलेक्ट कर लेता हूं ब्रश पे आप जैसे क्लिक करते हो आपके सामने बहुत सारे देखो ऑप्शन आ जाएंगे आप कौन सा ब्रश यूज करना चाहते हो इनमें से आप किसी को भी यूज कर सकते हो नीचे स्क्रोल करोगे तो लिटरली काफी सारे आ जाते हैं लाइक ये देखो जस्ट मैं आपको किसी एक पे क्लिक करके दिखा देता हूँ लाइक ऊपर चलता हूं एयर ब्रश को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जस्ट मैंने इस पे सिलेक्ट किया उसके बाद नीचे कर दिया देखो एयर ब्रश में कुछ इस तरीके की आती है ठीक है देखो इसे आपको इरेज करना है तो आपको दो ऑप्शन से आप इसे इरेजर से मिटा सकते हो या ऊपर आपको अंडोड इडो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जस्ट इस पर क्लिक कर दो लाइक मैं इसे अंडोड उडो करके पीछे कर देता हूं अब मैं फिर से कुछ भी बना देता हूँ लाइक ये देखो बनाया अब क्या करना है मुझे इसे इरेज करना तो सिंपल से वापस मैं इस वाले ऑप्शन पे जाऊंगा उसके बाद देखो इरेजर टूल आपको देखने को मिल जाएगा इस पर क्लिक करना है इस पर जैसे क्लिक करोगे तो इरेजर वाला अवेलेबल हो जाएगा बट ये देखो इसकी साइज काफी ज्यादा छोटी है सो वो कैसे आप चेंज कर सकते हो सिंपल देखो आपको ये जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है ना इस इसपे क्लिक करना है इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो साइज वाला ऑप्शन आ जाएगा सिंपल से वाला जो ऑप्शन देख लू मेरा इसे ड्रैक करके आगे कर देना आपकी साइज बड़ी हो जाएगी ये देखो मैं इसे ईजिली जो है इरेज कर पा रहा हूँ सिंपल देखो कितना पूरी एकदम इजिली तरीके से इरेज हो चुका है मैं इसे वापस से छोटा कर देता हूँ बिकॉज मुझे इसे अभी नहीं छेड़ना है उसके बाद देखो क्या करना है आपको दो ऑप्शन समझ आ गए आप क्या करना है आपको ये देखो पहला ऑप्शन आपको ये बताया कि इसमें आपको टूल्स वगैरह मिलते हैं उसके बाद देखो ये जो बताया था स्टार्टिंग में चेंजिंग के लिए होता है लाइक मैं इस पर जैसे क्लिक करता हूँ जस्ट मैं स्विच करता हूँ उसके बाद देखो कुछ भी बना सकता हूँ वापस मैं स्विच पे क्लिक करता हूँ उसके बाद देखो कुछ भी मिटा सकता हूँ मतलब स्विच टूल है जिधर से आप मिटा सकते हो वापस ले आ सकते हो मैं बैक कर लेता हूँ उसके बाद देखो ये ऑप्शन देखने को मिलता है आपको उससे पहले ये भी देखने को मिलता है इस पर आप जैसे क्लिक करते हो तो आपको सारे जो टूल्स आपने सेलेक्ट किए होंगे उनके दिख जाते हैं और नेक्स्ट में आपको देखने को मिलता है कि आप कौन सा जैसे कलर सेलेक्ट करना चाहते हो लाइक मैं इधर थोड़ा येलो कर लेता हूँ जस्ट मैंने क्लिक किया उसके बाद इसे नीचे कर देते हैं अब देखो जैसे ही मैं इधर पहले ओके ले लेते हैं ठीक है अब देखो इस पे देखो किस तरीके का आ रहा है बट मुझे ये नहीं करना है फिर क्या करना है इस पे आना है थोड़ा सा मैं इसे डार्क कर देता हूँ ओके डन देखो सारे में इधर डार्क साइड ले आया हूं अब मैंने इधर सिंपल से क्या करना है ये वाला जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है ना नीचे इसको नीचे कर देना है फिर इधर देखो कलर चेंज हो गया है अब मैं इसे क्या करता हूँ इरेज कर देता हूँ वापिस इसपे क्लिक करता हूँ और इधर जाके इसकी साइज को हल्के से इंक्रीज कर लेता हूँ ओके अब मैं इसे इरेज कर दूंगा लाइक देखो कुछ इस तरीके से मैंने इसे इरेज कर चुका है साइज और बिक करता हूं एक बार में सारा इेज हो जाए ओके ठीक है अब क्या करना है जैसे कुछ मुझे बनाना है अब लाइक में कोई कार्टून एक सिंपल सा बना देता हूं उसके बाद करेक्टर बनाएंगे ठीक है अब लाइक में इधर बना देता हूं एक सिंपल सा गोलू मोलू ओके देखो कुछ इस तरीके से बना दिए अभी एडवांस पे चलते हैं एडवांस के बारे में आपको बताऊंगा देखो कुछ इस तरीके कैरेक्टर वैसे ही मैंने सिंपल सा डिजाइन कर दिया है मस्ती के लिए अब देखो इधर मैं आपको कैरेक्टर डिजाइनिंग के बारे में बताने वाला हूँ और कुछ ऑप्शन के बारे में आपको पता होना जरूरी है बेसिक से नॉलेज पहले दे देता हूँ उसके बाद देखो ये ऊपर नीचे करने के लिए होता है जैसे जैसे क्लिक करोगे तो ये कुछ ऑप्शन आ जाते हैं उसके बाद आता है अपना ये देखो इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो, तो ये लेयर वाला ऑप्शन है जस्ट मैंने इस पर क्लिक किया अब देखो ये लेयर आ जाते हैं अब लेयर का मतलब क्या होता है अब ये मत पूछना क्योंकि आपको ये सब तो पता होगा जिसको नहीं पता उसके बारे में बता देता हूँ लाइक like मैं इसे ओके okay कर देता हूँ ओके जस्ट मैंने इसे ओके okay किया अब देखो जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं तो पहले लेयर पे क्लिक नहीं करना है हमें सेकंड लेयर पे हमेशा क्लिक करना है जैसे मैं सेकंड लेयर पे क्लिक करता हूँ ठीक है उसके बाद देखो मैं इधर कुछ भी डिजाइन कर देता हूँ लाइक ये देखो कुछ मैंने सर्कल सा डिजाइन कर दिया है अब मुझे इसमें जैसे कलर फिल करना है ठीक है कलर फिल करने के लिए क्या करना होगा मुझे इस वाले ऑप्शन पे जाना है इस इसपे जैसे क्लिक कर दूंगा इसे कट करता हूं ओके देखो बकेट फिर ये जो बकेट वाला ऑप्शन देख लू मेरा इस पर क्लिक करूंगा उसके बाद जस्ट इस सर में क्लिक करूंगा ये फिल हो जाएगा आपको क्या करना है इस पर क्लिक कर देना है और ये फिल हो जाएगा देखो फिल हो चुका है इसी तरह आपको फिल करना अब इसके कलर को चेंज करना है नीचे आपको कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है उसके बाद जो भी कलर आपको लेना है उस पर क्लिक कर सकते हो लाइक ये देखो देन मैंने सेलेक्ट किया देखो क्या करना होगा हमें कोई भी कलर सेलेक्ट करने से पहले इधर पहले मैं चेंज कर लेता हूँ लाइक मैं पेंटूल ले लेता हूँ उसके बाद इधर मैं कलर को सिलेक्ट करूंगा उससे पहले इधर मैं लेयर को चेंज करता हूं एक बार प्लस वाले आइकन पे देखो लेयर पे आपको नेक्स्ट लेयर ऐड करने के लिए प्लस वाले पे क्लिक करना है जस्ट मैंने प्लस वाले पे क्लिक किया उसके बाद मैं देखो क्या करूंगा लेयर वाले पे जाऊंगा इधर और कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लूंगा लाइक मैंने इस बार थोड़ा डार्क रेड रखना है ठीक है ओके रेड रख लिया अब मैं इसे नीचे कर देता हूँ अब देखो फिर से मैं वापस क्या करूंगा इधर मैं सेलेक्ट करके इसमें कलर दे देने वाला हूँ जस्ट मैंने क्या किया इधर जो लेयर वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और बैक दूसरे वाले लेयर में चले जाना है अब देखो कुछ इस तरीके का अपना कलर इधर बन के आया हुआ सिंपल है सिंपल सा सतर कोई मतलब ज्यादा एडवांस भी नहीं किया अब देखो पहले लेयर में अपना ये था सेकंड लेयर में ए, एक और लेयर ऐड करते हैं उसके बाद देखो किस तरीके का होने वाला है जस्ट मैंने इस पर क्लिक किया अब देखो थर्ड लेयर भी ऐड हो चुका है अब थर्ड लेयर में देखो इधर आपको काफी सारे ऑप्शंस नीचे देखने को मिलते हैं लाइक ये है, अल्फा लोक हो गया ये क्लीनिंग हो गया ये सब क्या होता है साइड में ये जो ऑप्शंस आपको देखने को मिले ये सब क्या होता है इसके बारे में आप बता देता हूँ एक एक करके देखो बेसिक तो अपनी क्लियर होगी कि भाई ऐसा ऐसा सिस्टम होता है पहले इसे इरेज कर देता हूं जस्ट देखो अभी ये इरेज नहीं हो रहा है ठीक है क्यों नहीं इरेज हो रहा है क्योंकि हमने कोई और लेयर सेलेक्ट करके रखा है देखो इस लेयर में कुछ भी नहीं बना है इस लेयर में बना है इस लेयर में बना है एक काम कर सकते हो आप इस लेयर को सिलेक्ट करो जस्ट ये सेलेक्ट किया ये डिलीट हो चुका है इसको मैं सिलेक्ट करके नीचे ले आता हूं देखो तो अभी मैंने उसे हटा चुका है सारे के सारे लेयर्स को डिलीट कर दिया है जो लेयर बचे हो पहले मैं बाकी के लेयर्स को भी हटा देता हूं बिकॉज मुझे उसकी जरूरत नहीं है अभी जस्ट मैंने सबको हटा दिया है अब क्या करना है इधर देखो मैं क्लिक करता हूं सिलेक्शन वाले पर हो चुका है ठीक है तो देखो आपको क्या करना है सबसे पहले प्लस वाले पे क्लिक करके आपको एक लेयर को ऐड कर लेना है लाइक like मैं इस लेर पे ऐड कर चुका हूँ इधर मैंने क्या करना है सिंपल से कोई भी एक कार्टून सा बना देता हूं उसके बाद उसको फ्लिप करवाएंगे लाइक मैं इधर क्या करता हूं एक सिंपल सा ओके okay. ये कुछ बना दिया अब ये इसकी लाइटिंग वगैरह जो भी है ठीक है इस तरह बनाया अब देखो आपको वापस लेयर वाले पे जाना है जस्ट मैं लेयर वाले पे चलता हूं अब इसमें कलर देने के लिए आपको प्लस वाले पे क्लिक करना है आपको कभी भी सेम पे कलरिंग वगैरह नहीं देनी है जस्ट मैं इस पे गया उसके बाद इसके कलर को थोड़ा कर देता हूं येलो कर देते हैं ओके अब बकेट वाले पे जाके इसको हम फिल कर देंगे लाइक हम बकेट वाले पे चलते हैं तो फिल करने के भी दो तरीके होते हैं ये देखो आपको क्या करना है ये जो ब्रश वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है ब्रश वाले पे क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे ब्रश आ जाने वाले हैं जस्ट मैंने इस पर क्लिक करना है और इधर ब्रश वाले पे जाके कोई भी ब्रश को, को सिलेक्ट कर लेता हूं जस्ट मैंने इस पर सिलेक्ट किया ठीक है अब क्या करना है आपको इससे थोड़ा सा जूम करना है अब देखो आप ऐसे ऐसे भरने जाओगे तो आपका बाहर कलर जाता है ठीक है तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो देखो ये कुछ कार मैंने ड्रो किया वापस मैं इस पर जाता हूँ इस पर जैसे ही जाऊंगा तो देखो कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं साइड में ये ऊपर नीचे करने वाला है जस्ट मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ऊपर नीचे जाएगा सबसे ऊपर ट्रांसपेरेंट वाला है फिर उसके नीचे देखो इस पे जैसे क्लिक करते हैं तो ये कलर जो है अपना बैकग्राउंड का चेंज हो जाएगा और देखो ये ऊपर नीचे वाला है इस पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो अपने इस जो है ना मॉडल इसको मैं कहीं पर भी मूव करा सकता हूँ और हाँ ये आपको नीचे कुछ और ऑप्शन देखने को मिलते हैं ये दोनों देखो इन दोनों के बारे में डिटेल्स बताऊंगा उससे पहले आपको इस पे देखो क्लिक करना है जस्ट इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो उसके बाद इस पर क्लिक कर देना अब देखो यहां से आप अपने करेक्टर को जिस हिसाब से भी डिजाइन करना चाहो लाइक like मैं थोड़ा सा बढ़िया इसे डिजाइन कर लेता हूं इसे हम कर चुके हैं तो ओके इसे मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं जस्ट इसे ऐसे करते हैं थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे साइड थोड़ा सा ऊपर ओके ठीक है देखो कुछ इस तरीके से हमारा जो करेक्टर हमने इसको

ओके okay, देखो ये अभी इस तरफ हो चुका है ठीक है उसके नीचे वाला भी सेम ऑप्शन है जैसे कि अप डाउन होता है ये देखो अभी डाउन हो चुका है वापस मैं चलता हूँ इसे क्लिक कर दूंगा देखो ये अप हो चुका है उसके नीचे वाला ऑप्शन होता है जैसे कि ये आपको मैं बाद में बताने वाला हूँ ये डिलीट वाला ये वालाफेक्ट है इसके बारे में डिटेल से हम बात करेंगे अब देखो उसके नीचे वाले लेयर पर क्लिक करता हूँ अब फर्स्ट वाले लेयर को मैं क्या करता हूँ सिंपल से इेस कर देता हूँ इसे क्योंकि मुझे नहीं चाहिए ये तो जस्ट मैंने इस पर क्लिक करना है और इसे इरेज कर देना है लाइक मैं इसे चेंज कर देता हूँ ओके okay, डिलीट हो जाओ क्योंकि तुम मुझे नहीं चाहिए जस्ट ये डिलीट हो चुका है उसके बाद मैं नेक्स्ट वाले लेयर पे चलूंगा अब देखो क्या करना है इस लेयर पे जाने के बाद मैंने अब कुछ ड्रॉ करना है लाइक like मैं पेंसिल टूल लेता हूँ वेट पेंसिल टूल में लाने के बाद हमें थोड़ा ब्रश को पतला लेना है ठीक है डिजिटल पेन ले लेते हैं अब इसमें थोड़ा हम डिज़ाइन कर लेते हैं वैसे ही सिंपल सा लाइक ओके ठीक है ये हो चुका है अब क्या करना है मुझे इसे कलर देना है तो सिंपल्स में जाके इधर बकेट वाले पे जाऊंगा लेयर को चेंज करूंगा और इधर मैं कलर दे दूंगा तो कलर आप एक में दे सकते हो ठीक है लाइक मैं इसे अल्फ़ा लोक कर देता हूँ पहले इसे मैं अल्फ़ा लोक कर चुका हूँ ओके अब मैं इधर पेन को सिलेक्ट कर लेता हूँ अब इसमें जो है कलर चेंज कर देता हूँ जस्ट मैं इस पर जाके कलर को रेड करता हूँ डाउन करके इसके साइज़ को इंक्रीज करेंगे इसके बैकग्राउंड में अल्फा लोग क्यों क्यों इस पे वर्क नहीं कर रहा है आपको ये बताता। देखो अब काफी लोग बोलेंगे तो अल्फा लोक में जो रहेगा अंदर की साइड होगा बट अभी देखो सिलेक्शन नहीं हुआ है ठीक है अभी सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमें इसमें कैसे कलर देना होगा हमें सिंपल सा बकेट वाले पे जाके इधर क्लिक कर दूंगा तो ये कलर हो जाने वाला है जस्ट मैं इस पर क्लिक करता हूं देखो कलर हो चुका है नेक्स्ट वाले पे भी क्लिक करूंगा ये भी कलर हो चुका है तो देखो ये कलर कंप्लीट हो चुका है इसे हमने इस तरीके के कलर दे चुका है अब देखो बैकग्राउंड में कलर हो रहा है ठीक है ये कैसे हो रहा है देखो सबसे नीचे वाला अभी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है इसके ऊपर वाला सेलेक्ट करूंगा तो कलर नहीं होने वाला है जस्ट मैंने ऊपर वाले सेलेक्ट किया कहीं पर भी कलर नहीं होने वाला है क्योंकि देखो बीच में हमने जो कलरिंग था चेंज कर दिया था लाइक के मैं इस पर क्लिक करता हूँ जस्ट इसके क्लियर को मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ ओके ठीक है अब अब देखो कहीं पर भी कुछ भी हो रहा है कुछ भी नहीं हो रहा है अब मैं आपको दूसरे कुछ टूस के बारे में बता देता हूं मैं पहले इसे इरेज करता हूं ठीक है क्योंकि इसका अभी अपने कोई काम नहीं है मैं इसे डिलीट ही कर देता हूं इस क्या गए डिलीट नेक्स्ट वाला भी डिलीट फर्स्ट वाला भी डिलीट जस्ट पहले लेयर एड करते हैं इसे हम डिलीट कर देते हैं ओके डिलीट हो चुका है अब मैं एक और लेयर ले, ले लेता हूं इस पर चलता हूं अब आपको ऊपर कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं लाइक ये वाले ऑप्शंस किस काम के इसके बारे में बता देता हूँ लाइक ये जो आपको ऊपर ऑप्शन देखने मिले ना ये किस काम के लाइक मैं इस पर क्लिक करता हूँ इधर आपको कुछ ऑप्शन देखने मिलते हैं लाइक ये लाइन वाला है लाइन वाले पे आप जैसे क्लिक करते हो तो इस तरीके कुछ लाइन खींच सकते हो लाइक मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इस पर लाइन खींचता हूँ ठीक है पहले मैं इसके कलर को चेंज कर लेता हूँ डिफरेंट कर लेता हूँ रेड करता हूँ अब मैं इस पर सेलेक्ट करके एक लाइन खींचता हूँ उससे पहले मुझे इधर ये टूल सेलेक्ट करना होगा जस्ट मैं इस पर चलता हूँ लाइन टूल को सिलेक्ट करता हूँ हमें क्या करना है इस तरह सेलेक्ट करके इसे नीचे कर देना देखो ये हो गया ठीक है रेड आ चुका है अब इधर में कर देता हूं नीचे अब यहाँ पर देखो मैंने क्या करना है इस वाले सिलेक्शन को लेकर सेलेक्ट कर लिया आपको मैं एक और बार दिखाता हूँ मैंने क्या किया जस्ट मैंने इधर गया फिर लाइन वाले पे सिलेक्ट किया अब देखो उससे पेन वाले पे जाके हमने पेन टू सेलेक्ट कर लेना है ये जो आपको ब्रश वाला दिख रहा है ये सिलेक्ट करना है उसके बाद आपको ये वाले ऑप्शन पे जाना है ये जो नीचे है इधर आपको कोई भी एक ब्रश सेलेक्ट कर लेना है लाइक मैं इस वाले ब्रश को सिलेक्ट कर लेता हूँ अब उसके बाद क्या करना है इसे नीचे करके आपको सिंपल से एक बार चेक कर लेना आपका पेन टू सेलेक्ट है सेलेक्ट है ठीक है उसके बाद आपको ऐसे नीचे स्क्रॉल करके बस सिंपल से एक लाइन खींच देनी है लाइक ये देखो ये हो गया इस पर भी कर दिया अब इसमें कलर दे देना है कलर देने के लिए हम बकेट का यूज करेंगे और इधर हम कलर दे देने वाले हैं लाइक मैं इधर दे, दे देता हूँ ग्रीन दे, दे देता हूँ ओके जस्ट मैं इस पर क्लिक कर दूंगा देखो ये हो चुका है डन ठीक है अब आपको क्या करना है इधर ब्रश टूल को वापस सेलेक्ट करना है जैसे कि इसमें कुछ डिजाइनिंग वगैरह देनी है तो आपको क्या करना होगा इस पर वापस से चल जाना है ये जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है इस पर जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे जो डिजाइन है लाइक मैं आपको दिखाता हूं नीचे स्क्रॉल करते हैं थोड़ा देखो ये काफी सारे डिजाइन आपको देखने को मिल जाएंगे जिसको आप दे सकते हो इसमें लाइक मैं दे देता हूं एक काम करता हूँ ये हार्ड वाले दे देते हैं ये भी सही लग रहा है ठीक है इसको मैंने सेलेक्ट किया अब मैंने इसी पे देखो बस क्या करना है दो मिनट ये देखो ऐसे भी कर सकते हो ये जो सिलेक्ट है बट मैंने इसे ऑफ कर देना है जस्ट मैंने इसे ऑफ किया मैंने बस इधर देखो ये ऐसे करके कुछ ऐसे डिजाइन सा दे दिया है ये देखो डिजाइन हो गया ना इस तरीके से अब इसका नेक्स्ट टूल आता है देखो आपको ये जो नेक्स्ट टूल ये इस ये वाला देखने को मिल जाता है इससे क्या होता है देखो आप सर्कल में जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया अब इस पर जैसे सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखो साइड साइड करके आ चुका है ठीक है ये मतलब सर्कल का होता है, रिक्टेंगल का होता है ठीक है और ये सर्कल वाला है सर्कल करके जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा लाइक ये देखो सर्कल करके जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो सर्कल में रोटेशन आ गया है मैं इस ब्रश को चेंज कर लेता हूं सबसे पहले कि हमने लेना है एयर ब्रश ले, ले लेंगे हम एक काम करते हैं इसे ले लेते हैं थोड़ा मोटर है ठीक है ओके डन अब देखो इसका जो नेक्स्ट टूल आता है ये किस काम का आता है लाइक ये भी सेम ही है जितने भी आपको दिख रहे हैं सेप बनाने के लिए होते हैं लाइक ये देखो इस पे जैसे क्लिक करूंगा तो थोड़ा अलग सेप बन जाएगा सो इसके बारे में सेम है कि ये सेप के लिए काम आता है इसे आप जैसे ही ऑफ कर दोगे तो आपका नॉर्मल हो जाने वाला है फिर आप अपने हाथ से कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हो एश टूल तब काम आता है लाइक मैं इस पर जैसी क्लिक करता हूँ ओके इसे क्लिक करता हूँ अब देखो मैंने क्या करना है जैसे मैं एक काम करता हूँ इस लेयर को प्लस करके इसे डिलीट करता हूँ ओके okay, इसे डिलीट किया अब देखो यहां पर क्या जैसे कोई कैरेक्टर वगैरह आप डिजाइन करते हो ना तब उसके काम आता है इस पर क्लिक किया फिर आगे फिर आगे फिर आगे ऐसे करके रुको मैं आपको छोटा सा एक वैसे करेक्टर डिजाइन करके दिखाता हूँ मॉडल करेक्टर नहीं ठीक है देखो सिंपल मैंने क्या किया इधर तक ले आके इसको मैंने इस पर जोड़ देना है अब ओके देखो ये हो चुका है ये जुड़ चुका है अब मैंने क्या करना है सिंपल सा स्क्रीन पर ऐसे क्लिक कर दूंगा और ये ये जो आपको देखो जस्ट एक और बार बैक देखो यहां पर जो ग्रीन वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है जस्ट मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये जो अपना मॉडल है इधर देखो ये कुछ इससे ही क्रेज हो गया है हम इसमें वैसे जैसे कलर देते हैं हम वैसे कलर दे देंगे लाइक बकेट वाले पे गए बकेट वाले पे जाने के बाद हमने क्या करना है सिंपल कोई भी एक कलर को सिलेक्ट कर लेना है उसके बाद इसमें फिल कर देना है ठीक है जैसे मैं इस इसपे क्लिक कर दूंगा तो देखो फिल हो चुका है ठीक है अब उसके नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा है वो कैसे वर्क करता है जस्ट मैं इसे वापस से सिलेक्ट कर लेता हूँ अपने पेन टूल को जस्ट मैं इधर चलता हूँ अपने ब्रश को सिलेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद देखो ये तो आपको पता चल गया कि भाई इसमें इस तरीके से होता है करेक्टर डिजाइनिंग के लिए हम इसी का यूज करने वाले हैं अब इसका क्या काम होता है देखो आप जैसे ड्रॉ किए ये किए इधर थोड़ा आगे लेकर गए फिर आपने नेक्स्ट सेलेक्ट किया फिर ऐसे किया ये भी सेम ही है ठीक है कि एकदम सीधी लाइनिंग जो होती है उसके लिए यूज आता है जस्ट मैं इस पर करके जैसे ओके कर दूंगा तो देखो हो चुका है कुछ इस तरीके का सेब बन चुका है मतलब सेब के लिए यूज होता है इसका वैसे अभी हम जब यूज करेंगे तब तो आप लोग को समझ आने वाला है इधर से आप कलर वगैरह देख लेना कलर वगैरह आप चेंज वगैरह करना चाहो तो उसलिए होता है फिल करना चाहो तो जैसे क्लिक करोगे तो फिल हो जाएगा बट मुझे फिल नहीं करना है ठीक है अब देखो इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है ये क्या काम है इसके बारे में आपको आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं सिंपल्स मैं आपको कुछ बेसिक सी नॉलेज दे देता हूँ जस्ट मैंने इस पे जैसे क्लिक किया तो देखो कुछ इस तरीके का आ गया अब देखो ये क्या चीज होता है जब वो कुछ डिजाइन करोगे ना तब आपके काम आने वाला है लाइक like मैंने टूल लिया हुआ है जस्ट मैंने इधर क्या करना है इसे हटा देता हूँ ठीक है क्योंकि इसमें अभी अपने को कुछ भी काम नहीं करना है इसके थोड़ा हाई लेवल की हो जाएगी अब ये जो नेक्स्ट वाल आता है ना इसमें जैसे कि आप कोई सर्कल वगैरह बनाना चाहते हो लाइक like मैं इस पर जैसे क्लिक करके गोल सा राउंड करता हूं देखो सर्कल बन गया मैं वापस से वापिस इधर लेकर आता हूं जैसे मैं इसको क्लिक करके राउंड का क्लिक करूंगा सर्कल बन गया है इधर क्लिक करूंगा जैसे मैं इस पर राउंड क्लिक करूंगा ये देखो सर्कल बन गया है वैसे सर्कल बनाने जाएंगे तो अपने को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी लाइक ये देखो सर्कल बन बन गया ठीक है नेक्स्ट टूल के बारे में बात करते हैं जो नेक्स्ट टूल देखने को मिलता है ये मतलब कि ये किस काम का है अब देखो पहले मैं इससे थोड़ा हटा देता हूँ तुम भी हट जाओ ओके okay, मैं वापस इसी पे चलता हूं अब देखो ये चीज आ चुका है इसे मैं इसे भी ऑफ कर चुके हैं ठीक है देखो ये सारी चीजों को आपको ऑफ कर देना तो आपको जो भी लाइनिंग वगैरह रहेगी हट जाएगी जस्ट मैंने इस पर क्लिक कर दिया अब देखो मैंने क्या करना है ओके okay, इधर हट जाओ अब देखो इधर मैं करेक्टर लेकर आने वाला जो करेक्टर हमने डिजाइन करना है जिस तरीके के उसको क्या करना है मैं जैसे कट करता हूं अब आपको फेस डाउनलोड करना पड़ेगा जिस तरीके के करेक्टर आपने बनाना ना उस तरीके की फेस आपको सबसे पहले डाउनलोड करना होगा मैं इधर सबसे पहले होम पे चलता हूं ओके okay, सर्च वाले ऑप्शन पे जाते हैं इधर आपको कुछ भी लिखना है जिस टाइप के आपको करेक्टर्स चाहिए लाइक like मैं लिख देता हूं विलेज मैन टू डी करेक्टर जस्ट मैं इस पर लिख के सर्च करूंगा ठीक है विधर बहुत सारे करेक्टर्स आ जाएंगे मैं इमेज पे जाता हूं अब देखो काफी सारे करेक्टर्स आ चुके हैं आप इसी को देख के सेम टू सेम भी बना सकते हो लेकिन देखो लाइसेंस वाला है जस्ट मैं इसे डाउनलोड कर लूंगा मैं इस पर क्लिक करता हूँ ठीक है इस पर जैसे क्लिक करूंगा इसे मैं डाउनलोड वाला ऑप्शन आ जाएगा इसे डाउनलोड कर लेना है बिल्कुल सेम टू सेम करेक्टर जो फेस है हमने डिजाइन करना है सबसे पहले हमने क्या करना है इसके फेस को डिजाइन करना है तो देख लेना पिक्चर क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए जस्ट मैं इसे करता हूं डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक किया और ये डाउनलोड कंप्लीट जैसी हो जाता है देखो ये हो चुका है ओके ये डाउनलोड हो चुका है मैंने क्या करना है इस वाले जो अभी हमने डाउनलोड किया है इसे लेकर जाना है कहाँ पर इस ऐप के अंदर ये जो ऐप है इसके अंदर लेकर जाएंगे उसके लिए क्या करना है आपको वापस वापिस नहीं कर देता हूँ जस्ट मैंने ओके किया जस्ट ये जो नीचे आपको ऑप्शन रहा है इस इस पे पे जाना है 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 उसके बाद एक कैमरे वाला ऑप्शन देखने को मिलता जस्ट क्लिक करना इससे पहले जो मैं आपको कैरेक्टर्स प्रोवाइड करने वाला हूं जो फाइल का मैं यूज करने वाला हूँ उसको आपको यूज करना होगा कैसे यूज करना बताता हूं देखो एक करेक्टर आ चुका है जस्ट मैं इस पर क्लिक कर देता हूं इसपे जैसे क्लिक करूंगा तो अपना ही आ जाने वाला है हैलो ओके अपना देखो आ चुका है इसे मैं थोड़ा जूम कर लूंगा इसका सिर्फ फेस को आपको रखना है बाकी को जितने भी पार्ट्स हैं इसे हटा देना क्योंकि बाकी पार्ट्स अपने को अपने आप बने बनाए मिल जाने वाले हैं अगर आप बनाना चाहो तो इस लेवल के बना भी सकते हो वो भी सिखाऊंगा आप लोग को कैसे बनेगा जस्ट मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लूंगा इसके को मैंने इस हिसाब से सेट कर देना है ओके क्योंकि सेट हो चुका है इधर टिक वाला ऑप्शन मैंने इस पर क्लिक कर देना इसका जो फेस है वो सेव हो जाने वाला है अब आपको इसी पे ड्राइंग करनी होगी जी हाँ देखो खुद से बनाने बैठोगे बहुत ज्यादा टाइम लग जाने वाला है तो उस लेवल का हमने नहीं करना है भाई हमने थोड़ा इजी मेथड यूज करना है जितना इजी हो सके अब देखो इधर आपको क्या करना है ये देखो ये बैकग्राउंड सबसे ऊपर है ठीक है ये जो बैकग्राउंड है सबसे ऊपर है इसको आपको स्लाइड करके नीचे ले आना है स्लाइड कैसे करोगे ये जो आपको साइड में ऑप्शन देखने मिल रहा है इधर से उसके बाद देखो ये सबसे नीचे आ चुका है अब क्या करना है आपको इस इसपे क्लिक करना है ठीक है इस इसपे क्लिक करना है इस इसपे क्लिक करने के बाद आपको नीचे से करना है फिर आपको इधर पेंटोल का ऑप्शन देखने मिल रहा है जस्ट इस इसपे क्लिक करना है फिर अपने ये जो ब्रश वाला ऑप्शन है ना ब्रश वाले पे क्लिक कर देना है फिर इधर से देखो आप जो भी ब्रश यूज करना चाहो वो यूज कर सकते हो लाइक like मैं एयर ब्रश यूज करने वाला हूं मैं कर लेता हूं एयर ब्रश वाला ये वाला यूज कर लेता हूँ ओके okay? क्योंकि ये हल्का हल्का सा सैडो टाइप का ही रहेगा मैंने क्या करना है इसे थोड़ा सा जूम करना है ठीक है जूम करने के बाद आपको क्या करना है इधर ऑप्शन देखने को मिलता है ये वाला ना जस्ट इस पे क्लिक करना है उसके बाद देखो आपको ये जो एस वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है इस पे क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है सिंपल से बैक आ जाना है जस्ट मैं इधर क्लिक कर देता हूं अब इसे थोड़ा सा रोटेट करो और जहाँ जहाँ पर इसका पॉइंट देखने को मिल रहा है ना वहाँ वहाँ इस पर आप क्लिक करो सिंपल सा मैं इसे क्लिक कर देता हूँ जस्ट मैं जिस तरीके से भी है उसी तरीके से हमने भी डिज़ाइन करना अगर कुछ गलती हो जाए तो अंडो डूडो का ऊपर ऑप्शन देखने को मिलता है सो आप इसका यूज़ कर सकते हो लाइक like मैं इसे बैक करता हूँ ओके okay. इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ बिकॉज मुझे पता नहीं चल रहा है ठीक है इसे मैं ब्लैक कर दिया हूँ हम नीचे आ जाते हैं इसे डिलीट करते हैं ब्लैक कर चुके हैं नीचे आओ देखो हल्का हल्का दिख रहा है ना जस्ट मैं इस पे जिस तरीके से सेम टू सेम हमें करना है ठीक है मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बना रहा हूं पर आप इसे आराम से, से बैठ के आराम से बनाना है ठीक है जस्ट मैं इधर जल्दी से इसे बना देता हूँ तो आप कोई भी ब्रश का यूज कर सकते हो वैसे मेरा ये पता नहीं लग रहा है सो so, मैं आपको सेकंड टाइम जब बनाऊंगा ना तो वो दिखाऊंगा ठीक है किस तरीके वो होगा अभी सिंपल सा आपको बना के दिखा रहा हूं जस्ट मैं इस पर क्लिक करता हूं ओके okay. तो कहीं पर भी मिस्टेक हो गया तो उसे आप दोबारा से सही कर लेना क्योंकि एक बार मिस्टेक हो जाएगा तो भाई वो वापिस से सही नहीं होने वाला है जस्ट मैं इधर करता हूं क्लिक अपना करेक्टर का लगभग काम खत्म ही होने वाला है ठीक है एक बार देख लेते हैं सब कुछ सेट है ओके एवरीथिंग इज़ फाइन सो हमने ये मैं इसे थोड़ा सा इधर कर देता हूँ इसे ले जाके इसके साथ ज्वाइन कर दूंगा थोड़ा ख़राब लग रहा है सो so, मैं इसे थोड़ा सा पीछे करता हूँ अब देखो अभी ये बिल्कुल सही लग रहा है अब क्या करना है आपको ये जो टिक वाला ऑप्शन देखने को है ना ग्रीन वाला जस्ट इस पे क्लिक कर देना है मैं इस पर जैसे क्लिक कर देता हूँ सो अपना जो फेस का आ जाएगा अभी देखो नहीं दिख रहा है ठीक है आपको क्या करना है वापस से लेयर वाले ऑप्शन पे चलना है लेयर वाले पे जाने के बाद जो हाइड वाला ऑप्शन आंख वाला दिख रहा है ना इस पे क्लिक कर देना है सो देखो आपका जो फेस का सिंपल सा डिजाइन है रेडी हो चुका है वापस से आपको क्या करना है इसे वापस से इनेबल वाले पे क्लिक करके इनेबल कर लेना है अब इसके बाकी के पार्ट्स को भी आपको सिंपल जैसे आपने अभी डिजाइन किया ऐसी डिजाइन कर लेना है मैं बाकी के पार्ट्स को भी डिजाइन कर लेता हूं लाइक इसे सिलेक्ट करके इधर कर देता हूं क्लिक कर देते हैं चेक ओके इसके भी हम कर देते हैं लाइनिंग सा फिर से टिक वाले पे क्लिक कर देंगे जस्ट मैंने इधर क्लिक किया फिर क्लिक किया, फिटिक वाले पे क्लिक कर दिया ये भी हो चुका है और यहां के थोड़ा सा आगे करके इसे भी टिक कर दूंगा देखो ये भी हो चुका है अब देखो ये हो चुका है अब आईप्रो की बारी तो आईप्रो को भी आपको बिल्कुल डिटेलिंग से करना है ठीक है ध्यान से करना है सब जस्ट मैं इस पर क्लिक करता हूँ जस्ट इससे भी कर देता हूं ओके भी हो चुका है नेक्स्ट वाले पे चलते हैं आपको देखो अभी पता नहीं लग रहा है मैं एक काम करता हूं इसकी साइज को अभी आपको बढ़ा के दिखाऊंगा ओके ये भी कंप्लीट हो चुका है एक और मैं आपको हटा के वापस से दिखा देता हूं इसे हाइड करके किस तरीके का लग रहा है ये देखो कुछ इस तरीके का हो चुका है ठीक है वापस मैं इसे अनहाइड कर देता हूं ओके okay, अनहाइड कर चुके हैं अब देखो इसके आंखों को भी हमने सेम इसी तरीके से ड्रॉ कर लेना है जिस तरीके से है इसमें क्लिक कर देते हैं नेक्स्ट वाले पे भी, भी सेम अब देखो मुझे तो एक्सपीरियंस है इसलिए मैं इस ब्रश का यूज कर रहा हूँ आप दूसरे ब्रश का भी यूज कर सकते हो लाइक like इधर काफी सारे ब्रश देखने को मिल जाते हैं ये जो आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है इधर काफी सारे ब्रश मिल जाते हैं जिनका आप यूज कर सकते हो मैं इसलिए इस ब्रश का यूज कर रहा हूँ क्योंकि भैया मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है किस तरह की डिजाइन करना है मुझे पता चल जाता है ठीक है सिंपल से देखो मैं इधर करके इधर कर देता हूँ उसके बाद वापस से टिक करूँगा जिस तरीके का दिख रहा है आपको सेम टू सेम डिजाइन करना है बिल्कुल भी इधर उधर मत करना वरना आपका जो करेक्टर खराब हो जाएगा जस्ट मैं इस पर क्लिक करके बैक करते हैं ओके क्लिक कर दिए अब इसके हम जो मूछ है उसको भी डिजाइन कर लेते हैं जस्ट में इसपे क्लिक करके यहाँ पर लेकर जाता हूँ करेक्टर डिजाइनिंग वैसे ज्यादा मुश्किल नहीं है अगर आप करना चाहो तो बहुत ही इजिली कर सकते हो इसमें कोई भी ज्यादा मुश्किल काम नहीं है यार अब देखो आप रेगुलर करोगे रेगुलर करेक्टर वगैरह डिजाइन करोगे तो आपका हाथ वैसे भी बैठ जाने वाला है जिसे आप बहुत ही ज्यादा आसानी से क्रिएट कर लोगे मैं इधर थोड़ा सा इसे करके सेट कर दूंगा उसके बाद इसे ओके कर दूंगा अब देखो इसकी लिप्स को आपको ड्रो नहीं करना है लिप्स को आपको ड्रो नहीं करना है ठीक है लिप्स क्योंकि ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा अभी जस्ट मैं इधर थोड़ा ऐसे कर देता हूँ ओके okay. ये भी हो चुका है अब क्या करना है आपको सिंपल से जो वापस से इसे क्लिक करके हटा देना है अब चेक करना है आपका सब कुछ बन चुका है अब इसके आइस आपको बनाने आइस कैसे बनाओगे उसके बारे में बता देता हूँ देखिए तो इसके जो नोज हैं थोड़े अजीब से बन चुके हैं तो इसको आपको वापस से अपने हाथ से जैसे ड्रॉ करना है तो कर सकते हो मैं इसे इरेज कर देता हूँ एक बार फिर इसे बैग चलते हैं मैं इसकी साइज को कम करता हूँ ओके मैं सबसे पहले इसके टूल को हटा देता हूँ ऑफ कर देते हैं ओके अब देखो मैं इसे हटा देता हूँ जस्ट मैंने इसे साइड कर देना है ओके okay. मैं इधर अपने हाथ से इसको ड्रॉ कर लूंगा वापिस एक काम करूँगा मैं इसी को ले लेते हैं ओके ठीक है अब मैंने इसे ये रखा ये रखा ये रखा ये रखा ये रखा ये रखा ये, ये, ये इधर कर दिया इधर से मैं इसे बैक करता हूँ एक बार बैक कर लेते हैं Okay, हमें ऊपर से लाना जस्ट मैं इधर से ये 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 क्लिक कर देते हैं उसके बाद इसे हाइड करते हैं ओके okay, कुछ इस तरीके का है अब देखो इधर थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा आ गया सो so, इसको आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना होगा वो कैसे करना है अभी बताता हूं मैं उससे पहले हम देखो ड्रॉ करने वाले ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होगा देखो करेक्टर जब भी आप डिजाइन करोगे उसका फेस वाला एकदम एक्यूरेट डिजाइन करना कुछ ज्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है अब देखो इतना अपना कंप्लीट हो चुका है इसकी आंखें बनाते हैं आंखें बनाने के लिए हमने क्या करना आपको है आपको ऊपर जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है ना ये वाला जस्ट इस पे क्लिक करना है उसके बाद ये सिर्फ सर्कल वाला ऑप्शन देखने को मिलता है जस्ट इस पे क्लिक करना है इसको क्लिक करने के बाद मैं वापस से थोड़ा सा जूम कर लूंगा पहले पिक्चर को मैं जूम करता हूँ ओके इसकी साइज को मैंने छोटी करनी पिक्चर को थोड़ा और जूम करते हैं इसको इधर ले आते हैं इसकी साइज को और छोटी करते हैं इसकी आंखें के पास इसे मैं सेट कर देने वाला हूँ ओके okay. ठीक है आप क्या करना है आपको देखो पहले मैं इधर कलर थोड़ी ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूं ओके okay, ब्लैक सेलेक्ट हो चुका है मैं इससे नीचे करता हूं वेट ये ब्लैक सेलेक्ट हो चुका है अब मैं इधर कलर करके सिंपल से इसे रोटेट कर दूंगा ये देखो इसमें जैसे ही रोटेट करता हूं तो ये कुछ इस तरीके से होने वाला है ठीक है देखो पहले साइड अपने बन चुका है आंखें अब दूसरी साइड चलते हैं हम लाइक मैं इधर आ चुका हूँ इधर भी हमने सेम इसी तरह जो अभी किया हुआ है सेम इसी तरह करना है मतलब तो थोड़ा डार्क कर रहा हूं देखो इधर रोटेट कर दे रहा हूं जिससे थोड़ा डार्क हो जाएगा देखो अभी देखो एकदम हो चुका है क्लियर इसी तरह आपको क्या करना है सेम टू तो सेम ड्रॉ कर लेना है इसे मैं हटा देता हूं अब

इसके फेस वाले पे इधर मैं क्लिक कर दूंगा जस्ट मैंने जिधर भी क्लिक करना है उधर जो कलर हो जाने वाला है उससे पहले आपको देखो जितने भी दिख रहे हैं ना इनको क्या करो आप ब्लैक कलर से या फिल कर दो या किसी और कलर से मैं इसे ब्लैक कलर से करने वाला हूँ क्योंकि हमने इसे ब्लैक कलर का यूज़ नहीं किया था जस्ट मैंने इस पर क्लिक करना है वेट कहीं और क्लिक हो चुका है लाइक ये जो लाइनिंग है आपको ये लाइनिंग पे क्लिक करनी है जो लाइनिंग दिख रही है ना जस्ट इस पर क्लिक करना है जस्ट मैं लाइनिंग पे क्लिक करता हूँ देखो ये हो चुका है ब्लैक सा हो चुका है ठीक है अब जहां जहां आपका ये दिख रहा था उसे मैं हटा देता हूं लाइक like इधर तो अपने फुल फिल करना है सो मैं इसे फुल फिल कर देता हूं क्योंकि आईब्रो है ठीक है ओके मैं इधर थोड़ी फिल कर देता हूं ओके डन डन ओके भी हो चुका है इसकी मूछ को भी मैं सेम टू सेम यही करने वाला हूं जस्ट मैं इस पर क्लिक करता हूं देखो बेसिक था अब इसके बाद हम एडवांस करेक्टर पे जा रहे हैं मेरा बस इसमें ये मकसद था कि आपको पता चल जाए कि भैया करेक्टर कैसे डिजाइन करना रहे करेक्टर का है हम दरअसल फेस डिजाइन कर रहे थे अब इसके फुल बॉडी को डिजाइन करेंगे ठीक है वो भी एकदम प्रोफेशनल लेवल से करने वाले हैं जस्ट मैं इससे थोड़ा फिल कर देता हूँ ओके ये हो चुका है इधर भी कर देता हूँ मैं फिल स्ट ये देखो ये भी कंप्लीट हो चुका है नीचे अपना ये रह चुका है इसको भी कर देता हूँ अब चेक करो अब इसका जो ऊपर का रह चुका है ये इसको मैं पगड़ी कर देने वाला हूँ थोड़ा ये कर देता हूँ ठीक है इसको मैं सिलेक्ट करूंगा ये इधर ठीक है देखो ये कंप्लीट हो चुका है अब आपको क्या करना है इसके सर्कल में हल्का सा देखो डॉट डॉट देना होगा डॉट डॉट देने के लिए वापस मैं पेंटूल का यूज करने वाला हूँ अब मैं इसकी जो स्ट्रेंथ को मैं थोड़ी चेंज कर लेता हूँ स्टाइल को लाइक like अब मैं करने वाला हूं जस्ट मैं इस पर क्लिक करता हूँ ओके okay. अब इसका हम वाइट ले लेंगे पूरी तरीके से वाइट ले चुके हैं अब वापस से नीचे करते हैं अब इधर आपको क्या करना है हल्का सा ऐसे गोल सा देना है ठीक है ओके अब आपकी इसकी साइज को छोटी कर लो आप जस्ट मैं बैक करता हूँ ओके okay, इसकी साइज़ हल्की सी बड़ी करो ओके okay, इसे हल्का सा ऐसे कर दो ठीक है मतलब थोड़ी एलैस्टिक सी लगनी चाहिए ना यार अब इधर भी सेम करने वाला हूँ मैं इसकी साइज़ को हल्के से इंक्रीज जस्ट थोड़ा बैक ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है जस्ट मैं इधर थोड़ा सा इसे यू करूँगा और इसकी साइज को छोटी करके इधर हल्की सी डॉट दे दूंगा बैक करता हूं हल्के से डॉट वो इधर थोड़ी ये डार्क नहीं हुई थी इसे मैं डार्क कर देता हूं जस्ट डार्क कर दिया इसकी साइज को छोटी करके इधर मैं थोड़ी सी बड़ी जस्ट आप देखो तो वो आपका करेक्ट किस तरीके से लग रहा है अब इसके जो सैडो वगैरह होती है साइड में सैडो वगैरह देते हैं देखो ये बेसिक वाला बता रहा हूँ सिंपल सा भी बेसिक सा बताया हूँ अभी आपको एडवांस पे लेकर चलता हूँ ठीक है जस्ट मैं क्या करूँगा अब इसकी मैं एक काम करूँगा वापस से वही स्किन कलर लेने वाले हैं स्किन कलर से आपको थोड़ा सा डार्क ठीक है हल्का सा डार्क लेना है और अब क्या करना है इसमें ऐड करना होगा सैडो की तरह लाइक इसके लिए मैं ऐड करने वाला हूँ एयर ब्रश को ठीक है ये वाला ऐड करूँगा और इधर नीचे आ जाऊँगा अब देखो अब इसके देखो कान वगैरह को हमने अच्छे से ड्रॉ नहीं किया था इधर इसके हेयर वगैरह भी थे क्योंकि देखो मैंने बेसिक सिर्फ आपको बताने का मकसद था कि भाई आप लोगों को बेसिक पता चल जाए फिर हम एडवांस पे चलेंगे इससे मैं एक काम करूंगा सैडो दे रहा हूं ये साइड में तो ये ब्रश आप लोग अलग चूज करना मैं तो सिंपल आप लोगों को समझा रहा हूं ठीक है अभी मैं बताने वाला हूं कैसे क्या क्या सिस्टम होने वाला है जस्ट मैं इसे सिलेक्ट करके देखो कुछ इस तरीके का लग रहा है ठीक है रिलेस्टिक लुक देने के लिए ये सब करना पड़ता है बाकी कोई दिक्कत नहीं है जस्ट मैं वापस से इस पर जाऊँगा और इधर मैं सेलेक्ट करके रखूंगा लॉन्ग प्रेस देखो ये जैसे मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ ये सिलेक्ट हो जाएगा मैंने क्या करना है इधर से जाना है उसी टूल को सिलेक्ट हो चुके देखो अब क्या करना है आपने सिंपल से बैकपीस से बैक करना है अब इधर आपको सेड देनी है और इसके कलर को आपने चेंज कर लेना है पहले थोड़ी सी इसकी लाइट हल्की सी लाइट ठीक है ओके okay, ठीक है हल्की सी लाइट हो गया है अब देखो इसकी साइज़ वगैरह का आप छोटी कर देना मैं तो डायरेक्ट सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ ठीक है एज इट इज़ सो आप लोग इसकी साइज़ को अरेंज करके करना देखो तो ये हो चुका है देखो कुछ इस तरीके का लग रहा है करेक्टर का जो फेस है इस तरीके डिजाइन किया है इसको हम और भी ज्यादा एक्यूरेट करने वाले हैं तो वो सिंपल सा है ठीक है आपको कोई एडवांस नहीं बनाया अब हम एडवांस बनाएंगे उसमें समझाएंगे कैसे क्या क्या सिस्टम होता है सिंपल से मैं बैक करके एक और करेक्टर को हम इसी करेक्टर को और भी अच्छे तरीके से डिजाइन करते हैं उसके बाद आप लोग को अच्छे से समझ आएगा भाई कैसे डिजाइन करना है फिर हम उसको एप्लीकेशन के अंदर लेकर जाने वाले हैं और करेक्टर को वॉल्व कराएंगे बात कराएंगे सब कुछ कराने वाले हैं कि अपना जो करेक्टर है ढंग से वर्क कर रहा है कि नहीं उसके अंदर So, मेरे ख्याल से यार जो जो बेसिक चीजें थी ना हमने वो कवर कर ली है क्योंकि यार बेसिक अभी सिखाया हूं अब चलते हैं एडवांस के ऊपर अब हम कैरेक्टर को डिजाइन करने वाले हैं उसके बाद हम अपने ऐप अप के अंदर लेकर जाएंगे इंस्टॉल करेंगे उसके अंदर जस्ट इंस्टॉल आई डोंट नो वट आई से बट सिंपल से मैं इसे क्लिक करता हूं उसके बाद सेम क्या करना है आपको ये देखो फोर के वाला जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है वन बाय वन रेसो को सिलेक्ट करना है बाकी इधर देख लो आपको कैसा रेसर देखने को मिल रहा है जस्ट इस पर सिलेक्ट करके ओके कर देना है अब हमने वापस अपने करेक्टर को डिजाइन करना है सेम मैथेड है कुछ भी नहीं करना वापस वापिस आपको ये जो लेयर वाला ऑप्शन देखने को मिलता है इस पे जाना है उसके बाद कैमरे वाले पे जाना है और अपना जो पिक्चर है ना उसको लेकर आ जाना है सिंपल सा लेकर आ जाना कुछ ज्यादा मट्ठा नहीं मारना कि भाई अब ये चीजें करनी है बेसिक कवर हो चुकी है ना अब एडवांस पे चलता है एडवांस में समझेंगे कैसे, कैसे कैसे क्या क्या होता है जस्ट इधर यार पहले की तरह हमने करेक्टर के फेस को ही सिंपल सा सिलेक्ट करना है अब पहले फेस काफी ज्यादा ब्लर हो गया था इस बार मैं इसको ज्यादा बड़ा नहीं करने वाला हूँ ठीक है इसको मैं क्लिक करके ओके कर देता हूँ देखो पहला ये हो चुका है अब हमने इसके बाद क्या करना है कोई भी हम चीज ड्रॉ करते हैं तो हमने एक अलग से लेयर लेना होता है जस्ट मैं इसे ओके करता हूँ ओके कैंसल ओके तुम ऊपर हो जाओ अब देखो वापिस ये देखो ये आ चुका है ये लेयर जो है ऊपर है तो मैंने क्या करना है इसे स्लाइड करके नीचे की साइड कर देना है अब मैंने इस लेयर पे क्लिक करना है उसके बाद आपको वाला जो ऑप्शन देखने को मिलता है इसे हमको इसे नीचे कर देना है आप पेंसिल वाले पे सिलेक्ट कर लेना जो ब्रश टूल है उसके बाद इसे आप देख लेना जो भी आपको ठीक लगे कि भाई हाँ इसमें बनाना ठीक रहेगा तो उसे आप सिलेक्ट कर सकते हो लाइक मैं हार्ड जन पेन को यूज करने वाला हूं स्मूथ करेंगे फिर भी सही है बट मैं थोड़ा चाहता हूं कि थोड़ा बढ़िया बने यार थोड़ा हार्ड रहे तो मैंने इसे सिलेक्ट किया हुआ है जस्ट मैं इसे नीचे सेलेक्ट करूंगा उसके बाद देखो वापस आपको क्या करना है जो उंगल वाला ऑप्शन है जस्ट इस पे क्लिक करना है उसके बाद एस टूल को सिलेक्ट करना है एश टूल इसे कहता है ठीक है एस सेफ का इसलिए हम इसे एस टूल कहते हैं अब देखो ये चीज जो आ जाता है ना इसको आप कैसे हटाओगे क्योंकि काफी बार आप जब ऑन करोगे तो नहीं हटता है तो सिंपल क्या करना है आपने जो क्लिक किया होगा जैसे मैंने इसे क्लिक किया तो वापिस से इसे मैं वापिस क्लिक कर दूंगा तो ऊपर चल जाने वाला है अब आप चीज ध्यान दो कि मैंने सेकंड लेयर को क्लिक किया ये देख सकते हो सेकंड लेयर को क्लिक किया हुआ है ठीक है मैं इसे वापस नीचे करता हूं अब हमने वापस अपने करेक्टर को डिजाइन करना है जिस तरीके से हमने किया हुआ था इस बार आराम से करेंगे ठीक है ओके ये देख सकते हो अपना करेक्टर देखो इस समय अपनी जो लकीरें थी ये दिख रही है ठीक है पहले नहीं दिख रही थी ओके मैं इसे थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट करूंगा वेट मैं इसे थोड़ा बैक कर देता हूं ओके नो आई थिंक इज बेटर सो ओके ओके डन जस्ट इसे थोड़ा और ऊपर लेकर जाएंगे देखो जितना हो सके ना उतना बढ़िया बनाना है क्रैक्टर को जब डिजाइन करोगे इससे क्या होगा कि देखने में लुक बढ़िया आता है अब यहाँ पर जो है हम इसे थोड़ा फोल्डिंग देने वाले अंदर के साइड फिर बाहर के साइड अपने तरीके से दे रहा हूँ ठीक है मैं तो इसके ऊपर नहीं कर क्योंकि अंदर बाहर रहेगा तो थोड़ा ज्यादा औसम लगता है जस्ट ये हो चुका है अब मैं इसे वापिस से पीछे करके इधर जाने वाला हूँ थोड़ा थोड़ा नीचे कर देते हैं इसे हम अब देखो यहां पर आपको थोड़ा सा सही से सेट करना होगा ठीक है तो सेट कर लेना आप अपने हिसाब से जिस तरीके से आप सेट करना चाहो मैं इसे थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ इसे थोड़ा सा इधर करके सेट कर देता हूँ इसे ठीक है ओके तो देख सकते हो ये अपना हो चुका है इसे मैं टिक कर देता हूँ तो ये वाला अपना पूरा हो चुका है सेट अब मैंने क्या करना है इसके अंडरलाइनिंग हो चुकी है अब मैंने इसके कान को बनाना है ठीक है तो मैंने इधर सेलेक्ट करके वापस इसे देखो तो मैं बिल्कुल सेम नहीं बना रहा हूं आपको मैं वापस क्या दे रहा हूं मैं बिल्कुल भी सेम नहीं बना रहा हूं मैं थोड़ा यूनिक बना रहा हूं थोड़ा अलग बना रहा हूं देखो तो इसकी मूछ मैंने कहां से निकाली इसके ऊपर से निकाली है जस्ट इस पर क्लिक करता हूं जस्ट मैं इसे के इस इसपे सेट कर दूंगा ये भी हो चुका है वेट यहां पर थोड़ा इसको मेरे को टिक करना होगा ठीक है मैं पहले इसे टिक कर देता हूँ ठीक है अपना यह भी हो चुका है अब क्या करना है इसकी आइस बनानी होगी सो मैं इसे लेने वाला हूँ इसकी साइज को छोटी करूंगा और इसे ले आऊंगा इधर यहां पर ले आके अब नेक्स्ट साइड भी इसे लेकर चलते हैं ओके okay, हो चुका है मैं इसे ऑफ कर देता हूं ठीक है ऑफ हो चुका है अब देखो ये कैरेक्टर अपना जो भी हमने डिजाइन करना था डिजाइन हो चुका है अब मैं इसके बैकग्राउंड को हटा देता हूँ सबसे पहला काम ठीक है इसकी बैकग्राउंड को हमने हटा देना है अब मैंने एक और लेयर लेना है प्लस पे क्लिक करता हूँ ठीक है मैं इस पर चलता हूँ अब देखो ये अपना करेक्टर देखो कितना ज्यादा हमें इस समय औसम मिला है बट इधर हमने एक मिस्टेक की है सो मुझे वापस लाना पड़ेगा उसे आपको बताता हूँ क्या मिस्टेक की हमने देखो इसके पगड़ी के साइड हमने ड्रॉ नहीं किया सो वापस हमने इसी टूल को सिलेक्ट करना है जस्ट एस टूल को सिलेक्ट किया ठीक है फिर अब इधर भी हम वापस से ड्रॉ करेंगे चलो भाइयों तो इसका कलर थोड़ा डिफरेंट है सो मुझे इसके कलर को ब्लैक करना होगा सबसे पहले बिकॉज ब्लैक किए तो ब्लैक ही करेंगे ना ओके ब्लैक हो चुका है वापस नीचे आता हूँ अब मैं करता हूँ ठीक है डन ये भी हो चुका है कंप्लीट अब थोड़ी जो इधर लकीरें हैं इसको भी कर देता हूं मैं ये भी हो चुका है दो मिनट वेट ओके इसे भी कर देते हैं हम डन ठीक है मैंने इस समय देखो हार्ड पेंसिल का यूज किया बट आप डिफरेंट यूज कर सकते हो आप अपने हिसाब से जो भी यूज करना चाहो वो यूज करना मैं इसे कट करता हूँ डिलीट Wait, हमने शायद दूसरे लेयर में ड्रॉ कर दिया था जिसके कारण देखो तो हमने इसी इसी में ड्रॉ कर दिया था जिसके कारण हमारा ये होगा ये मिस्टेक आपका भी हो सकता है सो अपने ध्यान देना कि आपने इस लेयर में ड्रॉ करना है ठीक है जस्ट मैं वापस इस पर क्लिक करता हूं देखो तो हमारा मिस्टेक क्या हुआ था मैं आपको जैसे कि इसे डिलीट करके दिखाता हूँ देखो ये हट चुका है तो हमने मिस्टेक ये की अब क्या करना है आपको जस्ट इस पर थोड़ा जूम करके थोड़े से ऐसे डाल देनी पेंसिल से कर देनी है जहाँ भी आपका थोड़ा सा भी हो लाइक मैं देख लेता हूँ कहाँ कहाँ अपना ओपन है इधर भी ठीक है और जहाँ जहाँ से हल्का फुल्का निकला है ना उससे भी हम ठीक करेंगे मैं इसे थोड़ा सा ऐसे पेंसिल से कर देता हूँ ठीक है बिकॉज तो थोड़ा लुक आ जाएगा तो ज़्यादा बेटर लगेगा यहाँ पर भी सेट है सब जगह ओके है ओके फाइन ठीक है अब देखो इरेजर टूल लेते हैं सबसे पहले हम इरेजर टूल लिए इसकी साइज को हम थोड़ी सी इंक्रीज करेंगे देखो यहाँ पर देखो आप लोग जस्ट मैं पहले इरेजर टूल सेलेक्ट करता हूँ इरेजर टूल इरेजर टूल लिए जस्ट इरेजर टूल लिए ओके इसे मैं वाइट कर देता हूँ ठीक है अब हट जाओ वेट मुझे इसको पेंसिल को पहले हटा के नॉर्मल कर देता हूं जस्ट मैं इसे क्या करता हूं एक बार हार्ड ले लेता हूं ओके okay. देखो ये आ चुका है ठीक है ये भी हो चुका है और देख लो कहां कहाँ आपका इस तरह खराब हुआ है जस्ट ये देखो इसके नोज के पास मैं इसे भी हटा देता हूं वेट मेरे को इधर पेंसिल से अब ड्रॉ करना पड़ेगा ठीक है रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ Wait I will use this. Okay, ये हो चुका है अब दूसरी साइड का भी हम इसी तरह कर देते हैं ठीक है कंप्लीट हो चुका है देखो ये अपना करेक्टर का जो फेस है डिजाइन हो चुका है अब इसमें कलर देते हैं कलर देने के लिए हमने बकेट चूज किया है इसमें कलर में हम वापिस जाएंगे कलर पे आ चुके हैं इधर मैं सेलेक्ट कर लेता हैं उसके बॉडी पार्ट को बेटे पूरी बॉडी में हो गया ठीक है देखो मैं कौन सी लेयर सिलेक्ट किया हुआ अपनी वाली लेयर है ठीक है इसके जहां जहां ये बॉडी पार्ट का हमने देना था उसे मैं सिलेक्ट करके ओके कर देता हूं जस्ट मैंने इस पे क्लिक किया ये हो चुका है नेक्स्ट वाले पे चलते हैं इस पे वेट वेट इसके शायद ये देखो इधर से निकला हुआ है ना ये देखो थोड़ा सा कटा हुआ है सो मुझे इसे सही करना होगा पेंसिल से इसे मैं कलर पहले ब्लैक ले लेता हूँ ओके मैंने ब्लैक ले लिया है अब हमने जो पेंसिल यूज़ किया था वही वाली पेंसिल को हमें वापस यूज़ करना होगा हार्ड जपैनिस ओके करता हूँ इधर साइज को थोड़ी छोटी वेट साइज़ ज़्यादा मोटी है वापस से हल्की छोटी करके ओके हो चुका है तो अब क्या करना है हमें वापस से अपने बकेट को चूज करना है बकेट में जो कलर हमने यूज करना था वाले कलर को सिलेक्ट करना है बैक चलते हैं नीचे आते हैं इस पर क्लिक कर देंगे और ये देखो फिल हो चुका है अब आपको ऐसी व्हाइट कलर को सिलेक्ट करना है जस्ट मैं इधर व्हाइट हल्की सी ओके सेलेक्ट कर चुके हैं अब देखो क्या करना है मुझे इसे नीचे करना है ये जो इसकी आईब्रो है इसमें भर देना है ठीक है आई इससे इधर को हल्का सा निकला हुआ था बट ये बाहर नहीं गया इसलिए हम इसे नहीं छेड़ेंगे अब देखो अब ब्लैक चूज करना है आपको जस्ट मैं नीचे सेलेक्ट कर देता हूँ ओके okay? इसके इधर कर देते हैं फिल ये भी चुका है इसके इधर भी कर देते हैं फिल आईब्रो में इधर भी कर देते हैं फिल इसके इधर भी कर देते हैं अब देखो इसके मूझ पे भी कर देंगे इसके साइड में भी कर देंगे देखो अपने करैक्टर के डिज़ाइन चुका बट इसके मुझे इधर भी करना होगा जस्ट मैं इस पर क्लिक करूंगा जहां जहाँ पे इस फिल होना होगा हो जाएगा ओके okay? देखो ये भी अपना डिज़ाइन हो चुका है बाकी देखो नीचे थोड़ा सा हल्का सा ये क्रॉस सा आ रहा है सो इसको करने के लिए क्या करना होगा आपको इरेजर टूल यूज़ करना होगा इरेजर टूल ले लेना इरेजर टूल लेने के बाद देखो मैं जस्ट इरेजर टूल लिया हूँ उसके बाद क्या करना है मैंने इसे इरेज करना है इरेज स्किन कलर से करना है जस्ट मैंने चूज किया जस्ट मैंने चूज किया उसके बाद इसकी साइज को मैंने हल्के से कम करनी है और इधर से इसे जस्ट इरेज कर देना है ठीक है जस्ट मैं इसे इरेज कर देता हूं ओके okay, अब मैं इसे बकेट टूल लूँगा बकेट टूल में ले जाके इसे फिल कर दूंगा देखो फिल हो चुका है कंप्लीट ये भी हो चुका है अब देखो आई बॉल इसकी आपको फिल करना होगा पर इससे पहले मुझे इसे ब्लैक करना होगा जस्ट मैं वापस से ये लेता हूँ कलर को ब्लैक चूज करता हूँ इसे नीचे करते हैं हो चुका है ये सेट अब नेक्स्ट साइज पे चलते हैं क्योंकि उसकी भी सेम आई बॉल होगी देखो इसे भी मैं कर देता हूँ क्लिक और ये देखो ये भी ब्लैक हो चुका है अब इसके आई बोल में ना हमें गोल सा रोटेशन सा देना होगा सो मैं इस पर क्लिक करता हूं उसके बाद इसके कलर को मैं व्हाइट कर देता हूं समझाता हूं क्या करना चाहता हूं मैं जस्ट मैंने इधर वेट इसके साइज को इंक्रीस करो देखो मैं एक बार बैक करता हूं ठीक है ये देखो साइड में आ चुके हैं ना एक काफी ज्यादा छोटा है ठीक है अब इसके नीचे हम बड़ा सा कर देते हैं एक देखो कुछ ऐसा हो गया ठीक है सेम हमें इधर भी करना होगा इसकी हम पुतली को थोड़ी सब छोटी करेंगे जस्ट मैं बैक करता हूँ ओके देखो किस तरह लग रहा है ये ठीक है अब इसके साइड में सैडो भी करना होगा उससे पहले देखो आपने क्या करना है बकेट टूल देखो इसे बकेट कहते हैं ठीक है थीके? मैं आपको एक बार वापस बता देता हूं ये ब्रूस है ये इरेजर है सिर्फ इन टूल का यूज कर रहे हैं हम एक बार मैं वापस से सिलेक्ट कर देता हूं एक ये टूल एक ये टूल, एक ये टूल और एक अपना बकेट इसके अलावा हम कुछ भी नहीं यूज कर रहे हैं ठीक है ओके अब देखो मैंने क्या करना है वापिस से मैंने क्या करना है बकेट टूल लेना है अब इसमें मैंने कलर देना होगा कलर देने के लिए कलर वाले पे गए जस्ट मैंने थोड़ा येलो सा लेना है येलो करने के बाद थोड़ा सा इसे डार्क कर देना है हल्का सा और लाइट लाइट ले लेते हैं ठीक है लाइट ले लिए अब इसमें फिल करना है मुझे ये मैंने फिल किया ये पूरे में फिल हुआ अब इसकी जो इधर है मैंने ब्लैक सा देना है सो मैंने ब्लैक ले लेना है और इधर फिल कर देना देखो ये ब्लैक सा हो गया अब देखो आपको क्या करना है अब इसमें ना थोड़ी थोड़ी शेडो वगैरह देनी होगी सो मैं वापस से देखो येलो वाला पोर्सन को सिलेक्ट करूँगा ठीक है अब येलो वाले पोर्सन मैंने क्या करना थोड़ी सी डार्कनेस देनी है डार्कनेस जस्ट मैं थोड़ी सी ये लूँगा ठीक है अब इधर देखो मैंने ये ब्रश चूज़ करना है जस्ट उसके बाद इसके मैंने ये चेंज करना है क्योंकि हमने देना है सैडो टाइप का जस्ट मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ अब मुझे चाहिए होगा ठीक है फेड ले लेते हैं इसमें देखते हैं क्या रिजल्ट आता है अगर ये बढ़िया आता है तो ठीक है नो 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 ये सही नहीं है ठीक है ये मत लेना आप लोग एक बार मैं इसे बैक करता हूँ ठीक है अब मेरे को ये नहीं चाहिए होगा क्योंकि इससे करने लग जाएंगे देखो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आई थिंक देखो कितनी ज़्यादा बकवास लग रही है बिल्कुल बकवास लग रहा है मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है सो मैं इस वाले को यूज़ नहीं करने वाला इस ब्रश को मैं दूसरे ब्रश को यूज़ करूंगा देखो सिंपल से इसको आप इसी तरह सेडो दे सकते हो मुझे तो ये बिल्कुल सिंपल ऐसे ही अच्छा लग रहा है सो मैं इसे ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करने वाला हूँ ठीक है बाकी हम इसकी एक वीडियो स्पेशल बना देंगे जिसमें करेक्टर एनिमेशन के ऊपर पूरी डिटेल से समझाने वाले हैं कि कैसे आप करेक्टर को फुली डिजाइन कर सकते हो अब मैं इसे देखो डाउनलोड करने के लिए क्या करूंगा ये जो आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है ना ये जो साइड में है जो साइड में आपको एरो वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है जस्ट इस पे क्लिक करना है उसके बाद सेब ट्रांसपेरेंट करना ठीक है।, है मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ ये सेव हो जाएगा तो इसके बाद क्या करना है आपके पास करेक्टर कुछ पीएनजी होंगे आप जाके क्रोम से डाउनलोड कर लेना मैं तक क्या करता हूँ सिंपल से पहले इसे मैं डिलीट करता हूँ लेयर लेकर जस्ट लेयर लिया और इसे डिलीट करता हूं अब यहां पर मैं अपने उस करेक्टर को लाने वाला हूँ सिंपल से वापिस कैमरे वाले पे जाके उस एक पिक्चर को लेंगे जिसपे हम अपने इस करेक्टर का थोड़ा जो है चिपकाने वाले हैं जी हाँ थोड़ा स्मार्ट वर्क करने वाले हैं बिकॉज देखो सब कुछ अगर हम उसी से डिजाइन करें एक ही साथ करें सो बिल्कुल मजा नहीं आने वाला है जैसे कि मैं इस करेक्टर को ले लेता हूँ बट इसका बैक वाला है सो मुझे ये करेक्टर नहीं चाहिए होगा सो देखो इधर मैंने एक करेक्टर को सिलेक्ट कर लिया है इसकी साइज को हमें बराबर करनी होगी जस्ट मैं इसकी साइज को इसके बराबर कर देता हूं इक्वल ओके okay, ठीक है इक्वल हो चुका है मैं क्लिक कर देता हूं अब देखो आपने जो इधर बनाया हुआ है ना उसको इधर लेकर आना होगा जो अपने कैरेक्टर अभी डाउनलोड किया हुआ है उधर लेकर आना है और जिस तरीके से मैं करने वाला हूं सेम इसी तरीके से आपको करना है पहले इधर थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं जस्ट मैं इसे इरेज कर देता हूं ओके okay? बिकॉज अभी तुम्हारा काम नहीं है ठीक है हो चुका ये डन देखो ये चीज हो चुका है अब जो करेक्टर अभी हमने डाउनलोड किया है उसके लिए क्या करना होगा आपको सिंपल से जो आपको फ्रेम वाला ऑप्शन देखने मिल रहा है लेयर वाला इस पर जाना है जस्ट रिसेंट पे फिर अपने उस फेस को कर लेते हैं देखो मैंने फेस को सिलेक्ट कर लिया जैसे ही आता फिर हमने उस फेस को इधर एडजस्ट करना होगा उसके बाद कुछ कलर ग्रेडिएशन वगैरह करनी होगी कैसे करेंगे बताता हूं मैं देखो ये फेस आ चुका है इसकी साइज को आप छोटा करो आप ठीक है छोटा करने के बाद आप इधर देखो क्या करना है आपको वापस से इसे पहले टिक कर लो जो टिक वाला ऑप्शन है ग्रीन वाला इस पर क्लिक कर दो ताकि ये सेव हो जाए ठीक है क्लिक हो जाएगा फिर सेव हो जाने वाला है फिर आपको लेयर पे जाके ना इसकी ओपिसिटी को कम करना होगा जिससे हम इसके बैक के करेक्टर और आइस को देख सके मैं इसे कैंसिल करता हूँ देखो इसकी जो ओपिसिटी इसको कम करना होगा वो कहाँ से कम होगा जो नीचे ऑप्शन देखने को रहा है इसको आप कम कर दोगे तो इसकी जो ओपिसिटी वो कम हो जाएगी जस्ट मैंने कम कर दी है अब देखो ये साफ साफ पता लग रहा है अब इसकी आइस के साथ ना इसे मिला दो वेट इसके इसके साथ इसे मिला देते हैं मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ फिर इसको देखो इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको ये जो ऑप्शन देखने को मिलता है ना जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो ये आ जाने वाला है अब आपको क्या करना है इसे इसके साथ एडजस्ट करना होगा ठीक है इसकी आइज़ के साथ एडजस्ट करो आप जैसे इसकी आइज़ है तो उसी के हिसाब से एडजस्ट कर लो लाइक ये देखो इसकी आइस के साथ हमने बिल्कुल मैच कर लिया है इसकी साइज को हल्की और छोटा करूंगा जिस तरीके से उसी तरीके से आपको भी करना होगा जितना बड़ा इसका फेस है या कुछ भी है सो उस हिसाब से आपको भी करना पड़ेगा मैं इसके आइस आइस के साथ मैच कर रहा हूं ठीक है जस्ट मैंने वापस इस पर क्लिक किया और ये मैंने इसे कर दिया ठीक है क्योंकि मेरे को देखो इसका फेस जब हम डिजाइन करेंगे ना तब आपको पता चलने वाला है जस्ट मैंने इस पर क्लिक किया है इसके बाद मैंने इसकी ओपिसिटी को हाई करना है और इसे डुप्लीकेट कर देना है डुप्लीकेट कहां से करना है तो अब इसे इस डुप्लीकेट करने के लिए क्या करना होगा आपको सिंपल से देखो ये वाला जो ऑप्शन देखने ना, अपने इस वाले को सिलेक्ट करना है उसके बाद ये जो प्लस वाला आइकन इसपे क्लिक करना है फिर इधर डुप्लीकेट लेयर पे कर देना है फिर जो फोल्डर डुप्लीकेट हो जाएगा फिर देखो ये वाला एरो करके जो आपने किया था एक बार मैं वापस समझा देता हूं मैंने क्या किया है आई नो काफी लोगों को समझ तो नहीं आया होगा जस्ट मैं इसे क्लिक करता हूँ उसके बाद इस फोल्डर को डिलीट कर देता हूं देखो आपको क्या करना है वापस आपको लेयर वाले ऑप्शन में जाना है जो लेयर वाला ऑप्शन है जस्ट इस पे जाना है फिर आपको क्या करना है इसको प्रेस करना है जस्ट मैंने इस पर प्रेस किया उसके बाद देखो जस्ट इस पर प्रेस करने के बाद आपके प्लस वाला जो ऑप्शन देखने को मिलता है ना नीचे वाला जस्ट इस पे क्लिक करना है फिर जो डुप्लीकेट लेयर वाला ऑप्शन आता है इस पर क्लिक कर देना इस पर जैसे क्लिक करोगे तो देखो डुप्लीकेट हो जाएगा अब यहां पर उसके बाद आपको ये जो ऑप्शन देखने को मिला ना जस्ट आपको इस पे क्लिक करना है इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपका डुप्लीकेट हो जाने वाला है मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ इसे सेलेक्ट करता हूं अब इसे मैं नीचे लाने वाला हूँ बट इधर आपको कुछ करना होगा मैं बताता हूँ क्या करना है इसकी ओपी को पहले आप कम करो ओपी को कम कर दो वापस इसे सेलेक्ट करो अब इसे ध्यान दो कैसे सेट करना है इसके आइस के साथ इसे मैच करो आप ओके देखो ये हो चुका है अब क्या करना है इसकी ओपीसीटी को आपने हाई कर देनी है उसके बाद आपको क्या करना है इधर देखो आपको ये पेंसिल वाला ऑप्शन लेना है ठीक है इधर आपको ब्रश कोई भी ले लेना है लाइक मैं थोड़ा हार्ड ब्रश लेने वाला हूं इधर से मैं ले, ले लेता हूं लाइक कौन सा लू एक काम करते हैं हम पेन फेडेट नहीं सॉफ्ट ले लेते हैं ठीक है इसे मैं ले लेता हूं अब इसकी आइस को आपको फिल करना होगा स्किन कलर से ये जो स्किन कलर है इसकी थोड़ी डार्क स्किन कलर ले लो ओके ठीक है ले चुके हैं अब इधर आपको इसको फिल करना होगा जस्ट मैं इसकी साइज को थोड़ी कम करू देखिये थोड़ी दूसरी कलर है सो मैं इसे बैक करता हूं इसके स्किन कलर को सिलेक्ट करने के लिए कुछ देर प्रेस करके कर रखोगे इसका स्किन कलर सिलेक्ट हो जाने वाला है फिर आपको हल्का से इसे नीचे करना है ठीक है जस्ट मैं इसे नीचे करता हूं हल्का सा ओके okay, ये हो चुका है अब मैं वापस नीचे करता हूं अब इसे सिलेक्ट करके इसे ऐसे फिल कर देना है जिस तरह के से मैं कर रहा हूं जस्ट आपको ऐसे करके इसे फिल कर देना है देखो ये आई ब्लिंक के लिए करना होता है ताकि आई जो है ब्लिंक हो आपकी जो आई से वो ब्लिंक हो जस्ट मैं इसे फिल कर चुका हूं अब मैं नेक्स्ट वाले पे भी चलता हूं देखो मैं ढंग से नहीं कर रहा हूँ मैं सिंपल से इसकी आइस को ऐसे कर दूँ पर आपने ढंग से करना है ठीक है इसकी आइस वगैरह को ढंग से करोगे तभी थोड़ा प्रोफेशनल लगेगा करेक्टर डिजाइन करो थोड़ा अच्छे से करना मैं तो देखो सिंपल से कर चुका हूँ अब देखो इसके पीछे जो करेक्टर है ये आ रहा है आप लोग ध्यान दो इसके पीछे जो करेक्टर आ रहा है ठीक है तो उसको हटाने के लिए क्या करना है सिंपल से आपको अपने इस वाले लेयर को सिलेक्ट करना है जस्ट मैं इस पर क्लिक करता हूँ उसके बाद नीचे आ जाते हैं फिर आपको इस वाले टूल पे जाना है इरेजर सिलेक्ट करना है जस्ट मैं इरेजर सेलेक्ट किया हूँ इसकी साइज को आप लोग पहले इंक्रीज कर लेना इंक्रीज़ अब देखो जस्ट मैं और इंक्रीज कर देता हूँ देखो आप जैसे ही इधर से इरेज करोगे तो इरेज होना चालू हो जाएगा जस्ट मैं इसे इरेज कर देता हूँ ओके तो देखो इरेज हो चुका है इसका काम कंप्लीट हो चुका है अब क्या करना है ये देखो इसके जो भी हैंड वगैरह है ना आपको इसके स्किन कलर के साथ मैच करना होगा तो सिंपल से मैं क्या करूंगा ये जो अपना पेंसिल टूल बोल रहा है बकेट वाला है जो अपना बकेट वाला इसे लेना है और इस पर क्लिक कर देना है सिंपल से क्लिक करोगे तो इसकी स्किन कलर के साथ हो जाएगा सेट जस्ट मैं इस पर स्किन कलर पे टच करता हूँ और इसकी स्किन कलर को फिल कर देता हूँ जितने सब पे स्किन कलर क्लिक करना होगा देखो कौन सा स्किन कलर आपको इसे सिलेक्ट करके रखना है लॉन्ग प्रेस करोगे जस्ट इसकी स्किन कलर पे जाओ लॉन्ग प्रेस करोगे तो सिलेक्ट हो जाने वाला है देखो ये हो चुका है सिलेक्ट तो आपको वापस इस पर फिल करते हुए चले जाना है जिधर भी इसका दिख रहा हो जो हैंड है हैंड पे सब जगह ठीक है जस्ट मैं इसे बैक करता हूँ ओके तुम भी हो चुके हो बाकी के पार्ट्स पे भी, भी देखो इसके जो लिप्स वगैरह इस पर मत जाना लिप्स वगैरह जैसे इसे रहन देना इस पर भी क्लिक कर देता हूँ इस पर भी क्लिक कर देता हूँ जस्ट मैं इस पर भी कर देता हूँ इसके इस पार्ट पे भी कर देता हूँ इधर भी कर देता हूँ ठीक है स्किन कलर के साथ मैच हो रहा है इस पर भी कर देता हूँ इधर भी कर देते हैं और इसके देखो थोड़ा सा पैर दिख रहे हैं इस पर भी कर देते हैं बाकी इस इसपे भी कर देते हैं और हाँ इसके ड्रेस को जैसे आप चेंज करना है ये जो कुर्ती इसको वाइट करनी है तो उसके लिए मैं आपको आगे बताने वाला हूँ सिंपल से पहले इसे आप सेव कर लो सेवस ट्रांसपेरेंट पेन्जी वैसे जैसे ही सेव कर तो अब हम चलते हैं क्रोमा टून के अंदर क्रोमा टून के अंदर अब देखते हैं किस तरीके के कैरेक्टर हो क्या आता है किस तरीके से बना है क्या अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है सब अब उधर देखने वाले हैं बाकी वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताना और चैनल पे भाई अभी तक बने हो तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसी वीडियो आपको बहुत सारी मिलने वाली है देखो करेक्टर डिजाइन कर चुके हैं इसके ड्रेस चेंज करने के बारे में आपको बताऊंगा उससे पहले इसकी कुछ बेसिक नॉलेज है ये हम जान लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे ठीक है सो देखो यार अभी मैं अपने ऐप को ओपन कर चुका हूं इसमें जो करेक्टर को अभी हमने डिजाइन किया ना उसको लेकर आते हैं फिर उसमें देखेंगे क्या क्या मिस्टेक होने वाली है और उस मिस्टेक को हम सही करेंगे ठीक है तो सबसे पहले करेक्टर वाले पे जाकर इधर मैं इंपोर्ट कस्टम पे जाता हूँ फिर ड्राइव को सिलेक्ट करके इसे लोड पे क्लिक कर देता हूँ उसके बाद अपने पास आ जाने वाले हैं जस्ट एरा मेरा करेक्टर इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ देखो करैक्टर आ चुका है करैक्टर में बस एक बार देख लो मतलब इसकी जो वॉकिंग वगैरह वगैरह जो है करा के देख लेना कि सब कुछ सही कर रहेगी नी बातें बूते सही कर रहेगी नहीं देखो ये बोल रहा है ठीक है बस इसमें ये मिस्टेक है जिसका मुंह है ना इस तरफ को चला गया है तो मुझे हल्का सा स्लाइड करके इधर करना होगा तो वापस हम अपने एप्लीकेशन को ओपन करते हैं उसमें थोड़ी सी यार एडिटिंग वगैरह और करनी होगी बाकी कुछ भी नहीं करना है सिंपल सा ठीक है मैं अपने एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ इसके बाद इसमें थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह करते हैं देखो अभी मैंने ओपन कर लिया अब ये जो प्लस वाला आइकन है ना आपको इस पर क्लिक करना है और अपने कैरेक्टर को लेकर आना है तो वन बाय वन रेसा हो फोर के पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद देखो अपना आ चुका है इधर सब कुछ सीधा हो चुका है कोई बात नहीं जस्ट मैं इधर जाता हूँ सबसे पहले मैं कैमरे वाले पे जाके अपने उसी इमेज को लेकर आना है ठीक है जो हमने बनाया था उसी इमेज को लेकर आना है फिर उसमें थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह करनी बस सिंपल सा थोड़ा बहुत करेंगे उससे ज्यादा नहीं जस्ट मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है अब सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे कर देता हूँ नीचे के साइड अपना एक बार बस आ जाए वो इधर देखो आपको थोड़ा बहुत जूम वगैरह करना है ठीक है उसके बाद सेट करना होगा इसे मैं कैंसिल करता हूँ तुम्हें नीचे करता हूँ थोड़ा तो से जूम करता हूँ ओके ये अपना थोड़ा सेलेक्ट है इसको पहले मेरे को ढंग से करना होगा बिकॉज थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ ना फिर तो काम खराब हो जाएगा देखो मैं लेयर वाले पे क्लिक करूंगा इधर जो लेयर का ऑप्शन है इस पर क्लिक करूंगा फिर उसके बाद इसको पहले हटाते हैं ओके फिर इस इसपे जाएंगे फिर मैंने क्या करना है इधर जो आपको दिख रहा है ना ये वाला इस इसपे सेलेक्ट करता हूँ ठीक है जस्ट मैंने सेलेक्ट करके रखा है ओके अब इसके फेस को हमने थोड़ा एडजस्ट वगैरह करना होगा देखते हैं क्लिक हो रहा है भाई इधर से नहीं होगा जो हमने पहले फाइल सेव की थी ना वहीं से हमें करना पड़ेगा बिकॉज ये पिक्चर अपना जो है सेव हो चुका है सो इसको हम नहीं हिला सकते हैं ये जैसा ऐसे ही रहेगा सो मैं पीछे चलने वाला हूँ होम पे चलते हैं अब सो देखो मैंने अभी अपने एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है अब देखो हमने ये वाला चेंज किया था ना जस्ट हमें इसी को एडिट वाले पे क्लिक कर देना है ये जो आपका एडिट का ऑप्शन देखने को मिलता है जस्ट इस पर क्लिक कर दोगे फिर ये आपका ओपन हो जाएगा फिर थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी होगी यार देखो फेस जो था हल्का उधर हो गया था इसको साइड करना है ठीक है राइट साइड लेफ्ट साइड वो आपके स्क्रीन पे जैसे आपको लग रहा होगा भाई ऐसे सेट रहेगा सो so, वो अपने हिसाब से आप लोग को करना पड़ेगा जस्ट मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ उसके बाद मैं क्या करता हूँ इसे सिलेक्ट कर लेते हैं ना जो अपना फेस वाला है ये रहा फेस का देखो मैंने इसे सिलेक्ट किया उसके बाद इधर मैं क्लिक करूंगा फेस को हल्का फुल्का एडजस्ट करना पड़ेगा जस्ट इधर क्लिक कर देते हैं ये नीचे वाला है ठीक है तो नीचे वाला भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा बिकॉज सारे के सारे अब देखो ड्रैग करके मैं इधर उधर करने वाला हूँ हल्का सा जूम कर लेते हैं बिकॉज थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ ना तो काम खराब हो जाएगा जस्ट मैं इसे फोर या टू कर देते हैं टू कर देते हैं इसे हम सेवन हल्का सा बिल्कुल हल्के हल्के, हल्के हाथों से इसे एडजस्ट करना होगा देखते हैं फोर पे क्या आता है रिस्पॉन्स बिकॉज देखो यार तो ज्यादा इधर हो जाएगा तो आपको पूरा करेक्टर चल जाने वाला सेवन पे था तो इसे भी हमें उसी तरीके से करना होगा जस्ट मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूं अब इसे टिक करते हैं और वापस से चलते हैं अपने इसी दूसरे वाले पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं इधर जाने के बाद थोड़ा सा मैं इसे ड्रैग करूंगा सेवन पे देखो तो बिल्कुल बराबर पे, जो सेंटर में उसी हिसाब से करना तभी काम होगा वरना भैया काम नहीं होने वाला आपका इसे मैं थोड़ा सा इधर माइनस टू पे करके अब हल्का सा माइनस टू सिक्स ठीक है अभी से टिक कर दो इधर से टिक करने के बाद अब देखो तो यार ये थोड़ा ज्यादा कुछ वाइट लग रहा था मुझे सो मैं क्या करता हूँ इसे थोड़ा पहले नीचे करूं अभी देखो तो काफी ज्यादा वाइट लग रहा है ना इसमें वाइटनेस काफी ज्यादा लग रही है तो हम इसकी कलर वगैरह चेंज करते हैं सबसे पहले देखो इधर हम कलर चेंज करेंगे उसके लिए क्या करेंगे हम इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे जस्ट इस लेयर को मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट उसके बाद इसका अल्फा लोक मैं ऑन कर लेता हूँ मैं कलर करके देखना अगर कलर होता है तो भैया बहुत बढ़िया बात है वो कलर ना थोड़ा डिफरेंट करेंगे देखो ये वाला नहीं यूज़ करने वाला है मैं ब्रश का ही यूज़ करूँगा पर ब्रश में जो है मैं डिफरेंट ले लेता हूँ बिकॉज यार मैं थोड़ा कलरिंग करूंगा तो देखेंगे किस तरीके का सिस्टम होने वाला है जस्ट मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ फिर इसे नीचे की साइड कर देंगे ओके अब मैं कलर थोड़ा डिफरेंट करता हूँ देखता हूँ क्या रिस्पॉस आता है मेरे ख्याल से सही आना चाहिए बिकॉज यार हम थोड़ा ज़्यादा कुछ अलग यूनिक करने का सोच रहा हूँ अगर हो जाता है तो बढ़िया है चलो अब इसके मैं साइज़ को थोड़ी सी इंक्रीज कर लूँगा और इधर जाके ये देखो पूरा कलर हो गया ना मतलब इससे बाहर नहीं फैलता इससे ये फायदा होता है बट ये पूरा हो जाएगा फिर अपना काम खराब हो जाएगा जस्ट मैं इसके इधर देखो पूरा गर्दन वगैरह में हो जाएगा तो काम खराब हो सकता है सो मैं ऐसे नहीं करूँगा ठीक है बकेट का यूज़ करने वाला हूँ बकेट टूल लिया मैं इसको इधर सेलेक्ट करूंगा इसको भी इधर सेलेक्ट करूंगा अब जो जो हल्का हल्का है ठीक है उसको आप बस इधर क्लिक करते रहोगे तो वो भी सेट हो जाएगा जस्ट मैं इधर करता हूँ क्लिक ये देखो जो हल्का हल्का आपका रह गया ना इसमें थोड़ा सा आपको सेट करना होगा सो मैं इससे भी कर लेता हूँ जस्ट टैप करते रहोगे तो हो जाएगा जैसे सेट करना है तो मैं इसको अभी ज्यादा अगर इसमें कलरिंग वगैरह देने लग जाऊंगा तो भाई बहुत ज्यादा टाइम लग जाने वाला है सो so, मैं इसे छोड़ता हूँ क्योंकि देखो आपको पता चल गया ना जिस जिसमें आपको कलरिंग करना है बस उसको सेलेक्ट कर लेना आपका काम हो जाएगा सो so, हैंड पे भी कर देता हूँ मैं जस्ट इसे भी मैंने पिंक कर दिया है और इसके जो सिर वाला क्या कहते सिर वाले को भी चेंज कर दे नहीं रहने दो उसको जैसे वैसा रहने दो सिर और उसको बराबर रहने दो बाकी आप कुछ मत छेड़ो क्योंकि देखो कलर हम इधर से चेंज कर सकते हैं जो उसने कपड़ा पहना था पहले एकदम येलो था तो अभी जो है थोड़ा चेंज हो चुका है सुधर जाकर मैं सेव कर लूंगा जस्ट देखो सेव कहां से करना है इधर जो आपको ऑप्शन देखने को मिलता है इसी पर से सेव होगा ठीक है सेव वाले सेव ट्रांसपेरेंट करना है क्योंकि अगर इसका पिक्चर के साथ या पीछे बैकग्राउंड के साथ करोगे तो भैया उधर एकदम खराब हो जाने वाला है पीएनजी मत सेव करना सेबस ट्रांसपेरेंट में करना जो पीएनजी वाला है इस पे अपने को नहीं करने का है ठीक है तो मैं इसे कट करता हूँ वापस अपने क्रोमाटून को ओपन करते हैं जस्ट मैं अपने क्रोमाटून को इधर से ओपन कर लेता हूं ओके इसके बाद देखो जो करेक्टर अपना वाला था वो तो अभी हट चुका होगा ठीक है दोनों को आपको पता चल जाएगा क्या, क्या क्या सिस्टम है मैं इधर लेकर आता हूँ ठीक जस्ट बाकी सारे करेक्टर्स को मैं इधर नन कर देता हूँ बिकॉज मुझे इन सब की जरूरत नहीं है अभी मैं इधर से जाता हूँ और इम्पोर्ट कस्टम करेक्टर पे जाकर इम्पोर्ट कर लेता हूं मैं दोनों करेक्टर को लाने वाला हूँ और दोनों कैरेक्टर को हम देखेंगे भैया किस में क्या क्या मिस्टेक हुई है कैसे कैसे क्या क्या सिस्टम हुआ है अपना ये आ चुका है ठीक है अभी देखो ये थोड़ा ठीक है इसका फेस वगैरह भी नीचे बस हल्का सा नीचे हो जाएगा ना इसका फेस तो इसका जो माउथ वाला है भी सेट हो जाने वाला है हम दूसरे कैरेक्टर को भी ले आते हैं उसका देखते हैं उसका कैसा लग रहा है वो अपना देखा तो पूरा येलो था सो इसका जो आप मतलब शर्ट वगैरह कहते हो ना कि भैया टी शर्ट कैसे चेंज कर सकते हैं इसका ड्रेस कैसे चेंज कर सकते हैं फेस अपना सेम रहेगा बट देखो कपड़े इसने चेंज कर लिया ठीक है तो इधर देखो ये अलग हो चुका है ये अलग हो चुका है बस कपड़े बस क्या किया हमने कलरिंग वगैरह की है अब इसमें हम एक बार टैल करा के देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका जो एनिमेशन है वर्क कर रहा है कि नहीं जस्ट मैं कर देता हूँ ये देखो अभी एकदम एकट ये बोल रहा है यार अब दूसरे वाले को भी सेम करा देता हूँ मतलब मूवमेंट आप देख कर देख लेना भैया कैसा सिस्टम हो रहा है कैसा कैसे क्या, क्या क्या हो रहा है अब देखो ये दोनों बात कर रहे हैं दोनों सेम टू तो सेम कर रहे हैं अब इसका देखो बिल्कुल सेंटर में आ चुका है ये जो मुंह है और इसका थोड़ा सा तिरछा था ठीक है और इसकी गर्दन भी इधर थोड़ी थी इसकी थोड़ी बैटर लग रही है सो इस तरह आप करा के देख सकते हो भैया आपका क्या, क्या क्या सिस्टम हो रहा है कैसे कैसे हो रहा है बाकी भाई अब वीडियो में और ज्यादा एडवांस करने वाले हैं सो उसमें बने रहना क्योंकि अब बहुत मजा आने वाला है अब थोड़ा हम नाइट एनिमेशन देंगे और स्कूल वाले देखेंगे अगर स्कूल एनिमेशन हो सके तो वो भी सिखा देंगे और बस एनिमेशन भी हम ट्राई करने वाले हैं उसके बाद वॉइस ट्यूटोरियल आएगा ठीक है और हां फेस का इंप्रेशन वगैरह जो कहते हैं ना फेस का इंप्रेशन कैसे चेंज कर सकते हैं सो उसके बारे में जान लेते हैं और वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है सबसे तो पहले आपको क्या करना है अपने क्रोम को ओपन करना है क्रोम को ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है बताता हूं क्या चीज सर्च करोगे जस्ट मैं दस सर्च वाले पे जाता हूं और इधर लिख दूंगा माउथ इंप्रेशन ठीक है इधर फिर पीएनजी लिख देना ऐसे लिख दोगे तो आपके बहुत सारे माउथ के जो एनिमेशन वाले पीएनजी ना देखो कितने सारे आ चुके हैं बट इसमें से आपको जो भी डाउनलोड करना है लाइक मुझे ये वाला करना है ठीक है मैं सिंपल से आप लोगों को समझा रहा हूँ आप एडवांस में कर सकते हो यार देखो आपको समझ आ जाएगा ना तो मेरा काम खत्म हो जाने वाला है क्योंकि भाई मेन मोटिव मेरा ये था कि आप लोगों को पता चले कैसे कैसे क्या क्या सिस्टम होता है जैसे देखो आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो वैसे आपको बहुत सारे देखने को कैस मिलने वाले हैं इनमें से आप यूज कर सकते हो जैसे कि देखो इसमें कौन कौन सा है एक तो चिल्लाने वाला है प्लस और भी बहुत सारे आई डोंट नो कि मैं कौन सा यूज करूं जस्ट मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ डाउनलोड करने के बाद क्या करूंगा हमने इसे ना जो अपना अभी मैं दिखाता हूं आप लोग को प्रैक्टिकल दिखाएंगे तो और ज्यादा समझ आएगा ये देखो ये ना आई बी आई एस पेंट है इसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ डाउनलोड नहीं सच ओपन करते हैं ओपन करने के बाद देखो अपने कैरेक्टर को लेकर आना है थोड़ा बहुत एनिमेशन देंगे ज्यादा एनिमेशन अपने को देने की लोड नहीं है क्योंकि सारा सिस्टम तो अपना कंप्लीट हो ही चुका है बस थोड़ी सी एनिमेशन देंगे और सब कंप्लीट हो जाएगा माउथ हमने लिया हुआ है ना माउथ का थोड़ा इम्प्रेशन वगैरह हम खुद से थोड़ी ना बनाएंगे यार जो चीजें अवेलेबल है उसमें भी अगर खुद से काम करें तो क्या फायदा है अब यहाँ पर आप थोड़ा जूम करोगे तो आप क्या दिखेगा ये देखो आपको तो माउथ का एनिमेशन दिख रहा है तो यहां पर आप चेंज कर सकते हो आपको क्या करना है दो चेंज करना है जैसे कि देखो ये हंगड़ी वाला हो गया ठीक है एंग्री जो होता है ये थोड़ा वैसे बोल रहा है ओ ओ वाला हो गया ठीक है और है और ये ये जो नीचे थोड़ा पता नहीं किस तरीके का सो मैं इसे वाला जो अभी इमेज हमने लिया हुआ है इधर जाके इम्पोर्ट कर लेते हैं उसके बाद उसका जितने भी सिस्टम है सब इरेस करके इसके इक्वल कर देंगे और पीछे वाले को हमने इरेस कर देना है आई थिंक काफी लोगों को समझ आ चुका होगा काफी लोगों को नहीं आया बट वेट करो अभी सब समझ आ जाने वाला है मैं इसको इधर ले आता हूं देखो अब इधर कौन कौन सा कैसा कैसा है, है सो मैं उसी हिसाब से करने वाला हूँ मैं एक काम करूंगा इधर जो है ना इसका चिल्लाने वाला कर दूंगा बट यार इसका इरेज करने के लिए हमने इरेजर का तो यूज किया नहीं सबसे पहले मेरे को इसे इरेज करना पड़ेगा ठीक है सो मैं इसे इरेज कर देता हूं कहां से इरेज करेंगे आपको वो करेंगे हम रिमूव बैग से सो मैं इधर होम पे चलता हूं इधर हम ओपन कर लेते हैं रिमूव बैग रिमूव बैग एंड अपलोड जस्ट इधर हमने अपना रिमूव कर लेना क्योंकि यार देखो खोज से करने बैठेंगे पता नहीं कितना टाइम लग जाने वाला है आई का जमाना है तो थोड़ा बहुत यार यूज तो करेंगे ना फायदा तो उठाएंगे और सरप्राइज तो आप लोगों को पता गया है कि मैं आप लोगों को सौ प्लस करेक्टर प्रोवाइड करने वाला हूँ हंड्रेड प्लस करेक्टर्स एकदम हाई क्वालिटी करेक्टर्स प्रोवाइड करूंगा बट हाँ उसको यूज करने कुछ रूल्स होंगे जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर फॉलो कर ले तो भैया फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है ना कॉपी आएगी ना कुछ आने वाली है जिसको भी चाहिए देखो 200 लोगों को मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ सिर्फ 200 लोगों की लिमिट है कि 200 लोगों को करेक्टर फ्री मिलेगा को नहीं मिलने वाला है। बाद में होगा तो भैया हो, आप लोगों को नहीं मिल पाएगा क्योंकि 200 की लिमिट है 200 से ज्यादा डाउनलोड्स नहीं होने वाले हैं सो जल्दी से इंस्टाग्राम पर आओ और मैसेज करो कि भाई वो जो टू का करेक्टर वो हमें प्रोवाइड कर दो और कोड में मैं एक बताने वाला हूँ कोड आपको लास्ट में बताऊंगा उस कोड का यूज करके वो ओपन होने वाला है ठीक है सो आप लोग देखते रहो जस्ट मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ तो कोड ईजी होगा यार चार पांच अक्षर का होगा वो मुझे बता देना तो आप लोगों का उधर से ओपन हो जाएगा ठीक है तो जस्ट मैं इसे ले लेता हूँ और वापस हम इधर चलते हैं और इसे ओपन कर लेते हैं कैंसर बैकग्राउंड जस्ट मैं इसे डिलीट करूंगा बिकॉज यार देखो हमें सिंपल सिंपल चाहिए थोड़ा हैवी नहीं चाहिए तो मैं अब लेकर आने वाला हूँ इंपोर्ट कर लेते हैं अब इधर से देखो फेस अब मैच कर लेना पहले कह रहा हूँ कि इसका जो फेस वगैरह का इंप्रेशन वगैरह वो थोड़ा मैच करना पड़ेगा सो आप लोग मैच कर लेना जस्ट कहाँ गया अपना भाई ये देखो आ चुका है इसका पी एन जी हट चुका है ठीक है अब इधर से इसको आप एडजस्ट कर लो थोड़ा छोटा वगैरह पहली कर लो बाद में करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी अब ये देखो ये जो है चिल्लाने वाला है सो मैं इसको इधर लगाने वाला हूँ इसका माउथ का ही है ना सो मैं इसको इधर लगा दूंगा और पीछे वाले को रेस कर दूंगा इसको छोड़ के सारे के सारे मैं रेस कर देने वाला हूँ जस्ट मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसी पे सिलेक्ट करके रेस करना है ठीक है जिस पे भी आप मतलब सिलेक्ट करके रखोगे इरेस करोगे लाइक देखो मुझे इसी वाले का रेस करना है सिंपल से मैंने इसे सिलेक्ट करके रखो है फिर इरेजर टूल मैं यूज़ करूंगा जस्ट मैं इरेजर सेलेक्ट कर चुका हूँ अभी इसकी साइज को मैं थोड़ी सी कम कर लूंगा बिकॉज यार ऊपर या नीचे वाला ना इरेज हो जस्ट मैं इसे यहां से हल्के हल्के हाथों से इरेज कर दूंगा ये हो चुका है ऊपर साइड भी इरेज हो जा अब यहां से ये भी इरेज कर देता हूं जस्ट तुम भी हो जाओ हल्का सा रह गए बस ठीक है ये हो चुका है अब नेक्स्ट वाला जो अपना नीचे का था उसको मैं इरेज करूंगा जस्ट ये मैंने सेलेक्ट किया इधर है इरेजर टूल अवेलेबल है सो मैं क्या करूंगा इरेज कर देने वाला सिंपल घुमा के इसे इरेज कर देते हैं तो माउथ का पहला वाला अपना सेट हो चुका है मैं क्या करूंगा दूसरा जो माउस का था ना उसे लेकर आने वाला हूं दूसरा जो माउथ वाला था माउस कह रहा हूँ जस्ट मैं वापस से जाता तो हूं कैमरे वाले पे उसी को सिलेक्ट करते हैं उसके बाद नीचे कर देंगे यार देखो इतने सारे हैं कुछ तो इंप्रेशन वगैरह जो मूव का चेंज होगा ना सो so, आईब्रो वगैरह भी देख लेना आईब्रो वगैरह भी ऐसे लगा सकते हो आप लोग सिंपल सा है यार करेक्टर पे जब आईब्रो वगैरह आप लोग सेट करते हो ना जैसे हम लोग कर रहे थे इधर देखो ये जो आईब्रो था इसकी तो आईब्रो आप अपने हिसाब से जैसे गुस्से वाला होता है सो ऐसा कुछ होता है ठीक है ऐसा कुछ होता है ऐसी आईब्रो होती है मतलब यार डिफरेंट डिफरेंट आईब्रो होती है सो उसके ऊपर किसी डिटेल से बात करेंगे अभी सिंपल सा हम इसको पहले इंप्रेशन वगैरह दे, दे देते हैं जो ये खतरनाक सा लग रहा है अब इसमें मेरे को ये वाला थोड़ा बेटर लग रहा है जो दाद निकाला हुआ है सो मैं इसे सिलेक्ट करने वाला हूँ बट हाँ यार देखो इसमें थोड़ा एक दिक्कत होगी सो so, अभी बताता हूँ क्या दिक्कत होगी उसे आप लोग सही कर लेना ठीक है वरना बाद में प्रॉब्लम कर सकता है सो so, मैं इसे वापस से करने वाला हूँ सिलेक्ट इधर थोड़ा सेट कर लेते हैं एडजस्ट कर लेना उसके बाद मैं इसे टिक कर दूंगा ओके okay, टिक करने के बाद सिंपल से क्या करने वाला हूँ मैं इसमें से थोड़ी बहुत मैं चेंजेस करूँगा इसके देखो तो दांत वगैरह जो है उससे मुझे कलरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि बैकग्राउंड ने दांत भी इरेज कर दिया है सो उसके लिए आपको इरेज वगैरह करना पड़ेगा जस्ट मैं इसे इरेज कर देता हूँ इसके बाद देखो अभी क्या करने वाला है ये बस इरेज हो जाए फिर आपको दिखाता हूँ इसकी मूवमेंट वगैरह ओके तो अब मैं नेक्स्ट वाला सेलेक्ट करता हूँ नेक्स्ट वाले को भी इरेज करना जरूरी है ठीक है ना तो देख लेना आप लोग सो मैं इसे भी इरेज कर देता हूँ देखो ये भी इरेज हो चुका है मेरे ख्याल से बहुत है यार आई थिंक ठीक है ये ओ पी वाला सो रहन दो जो ओ पी वाला इसे रहन दो ये देख लो यार अगर आपको करना तो कर लेना कोई दिक्कत नहीं यार अपने पास है अवेलेबल है सो कर लेते हैं उसके बाद इस करेक्टर को हम लेकर जाने वाले हैं चेंजेस मत करना जो है ठीक है मुझे तो सही लग रहा है अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग को कैसा लग रहा होगा आई डोंट नो कि कैसा लग रहा है बट मेरे हिसाब से सही है अब इधर जो ओ वाला है ना ये ओ वाला मैं इसे लगाने वाला हूँ देखो ये चिल्लाने वाला भी है बट मैं इसे यूज़ करूँगा जो हल्का सा है ठीक ओ हो करके है सो डिफरेंट ही है सही है कोई बात नहीं मैं इसे भी थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट करूँगा उसके बाद उधर लगा दिया जाएगा कार्टून वाला है ठीक है पहले कह रहा हूँ ये कार्टून वाले हैं सो उसी हिसाब से दिखने भी वाले हैं उसी हिसाब से लगने भी वाले हैं इधर से अब इरेजर टूल को सेलेक्ट करूंगा और इसे इरेज कर देने वाला हूं जस्ट मैं इरेजर टूल पे जाता हूँ और इसी वाले फ्रेम को हमने सेलेक्ट करके रेस करना है और हां ध्यान रखना जिस फ्रेम को आपने सेलेक्ट किया होगा ये देखो इसमें मैंने इसी फ्रेम को सिलेक्ट किया है और इरेजर टूल को मैं यूज करने वाला हूं जस्ट मैं इरेजर टूल पर क्लिक करूंगा ठीक है सो मैं इसे कट करता हूं इरेजर टूल पर मैंने क्लिक किया है अब देखो जिस जिसको मैंने सेलेक्ट किया सिर्फ वही रेज होने वाला है और कोई भी रेज नहीं होगा देखो इधर से मैं इसे इरेज कर लेता हूँ जितने भी हैं जस्ट मैं इरेज कर चुका हूँ नीचे भी इरेज कर देते हैं ओके ये डन हो चुका है अब देखो मैंने नीचे वाला सेलेक्ट करना है क्योंकि नीचे वाला भी इरेज करना है इसके जो बैकग्राउंड में था ना ये इरेज करना है सिंपल से मैं इधर दो तीन बार घुमा दूंगा और इसे कंप्लीट कर देने वाला हूँ सो so, देखो ये इरेज हो चुका है अब अपनी थोड़ी एनिमेशन मुझे थोड़ा बैटर लगने वाली है ऊपर का हमने नहीं किया हुआ है so, सो ऊपर का आप रहने दो अगर इसका कलरिंग वगैरह चेंज करना चाहो तो कर सकते हो मैं काम करता तो हूँ इसकी कलरिंग चेंज कर देंगे ठीक है सो मैं इसे वापस सेलेक्ट करता हूँ बैकेट को ले लो यार बैकेट ज्यादा सही रहता है बकेट को लिया अब मैं इसके कलरिंग के लिए मैं सिंपल सही इसे सेलेक्ट करके रखने वाला हूँ कुछ देर प्रेस करके रखूंगा तो सिलेक्ट हो जाने वाला है जस्ट मैं एक काम करो आप पेंसिल कर लो इसे सिलेक्ट करके रखो ऐसे सिलेक्ट हो चुका है अब इधर से आप बकेट चूज कर लो जस्ट मैंने बकेट चूज किया है अब देखो उसके जो लिप्स वगैरह ये है ना इसको भी आप देरी कर दो ठीक है बस ये भी कंप्लीट हो चुका है आपका सेम कलर हो जाएगा देखो सेम हो गया अब इसके तो तेतना व्हाइट हो चुके हैं सो इसको आपको थोड़ा सा कलर इसका चेंज करना होगा अपने हिसाब से कर लेना जिस हिसाब से आप करना चाहो सो मैं इसे पूरा व्हाइट करने वाला हूँ अब ठीक है इसमें बकेट तो हमने सेलेक्ट किया ही हुआ है सो सिंपल से मैं क्या करूँगा इसे सिलेक्ट करूँगा और ये हो चुका है अब थोड़ा नीचे आओ ये भी हो चुका है अब जो नीचे है आपके जो दो तीन है इसको भी सलेक्ट कर लो इसके दांत में ही सिलेक्ट करना और कहीं मत करना तो देखो आप इधर करोगे तो भैया ये भी कंप्लीट हो जाने वाला है सो मैं इधर ही सिलेक्ट कर लेता हूँ अब नीचे चलते हैं हाँ यार ये ध्यान दो आप लोग रुको एक चीज़ मिस्टेक कर दिए हम सो मैं उसे मैं पहले सही करता हूँ ठीक है इधर मुझे ये सही करना पड़ेगा ओके okay, अभी सही है अब मुझे इधर से व्हाइट तो हमने सेलेक्ट किया हुआ है पर इधर से देखो वो तो हो चुका है कलर क्योंकि हमने यही लेयर सिलेक्ट किया था अब इस पर सिलेक्ट करो दे देखो कौन कौन सा लेयर है मुझे तो नहीं पता चल रहा है बट हाँ जो भी लेयर है उसे आपको सिलेक्ट करना है और चेक करना है कि वही लेयर है कि नहीं सिंपल से मैं चलता हूं इधर और इधर से मैं एक बार कोई और कलर लेकर देखते हैं ठीक है ये हो चुका है सिलेक्ट देखो कलर हो चुका है जस्ट मैं इस पर भी कर देता हूँ ये भी कलर हो चुका है ये वाला लेयर था इसके ऊपर वाला आप सिलेक्ट करो और इसके नीचे पहुंच जाओ आप लोग जस्ट देखो मैं नीचे आ रहा हूँ अब इसी तरह आपको एक एक करके सब में यार फिल कर देना है ताकि आपका बाद में कोई भी एनिमेशन ख़राब ना हो जस्ट मैं इधर क्लिक करता हूँ देखो ये भी हो चुका है तो दो, दो में हो चुका है अब तीसरा वाला नीचे वाला बचा हुआ है तो नीचे का लेयर भी हम सेलेक्ट कर लेंगे जस्ट मैं ये रहा अपना लेयर ठीक है यही वाला है ओके okay, मैं इसे सेलेक्ट कर चुका हूँ देखो मैंने इसे सेलेक्ट किया इसे नीचे करते हैं और इसमें भी हम कलरिंग दे देते हैं जस्ट मैं इस पर क्लिक करूंगा देखो ये भी हो चुका है देखो सारे अपने कंप्लीट हो चुके हैं इसके जो दांत वगैरह थे ट्रांसपेरेंट तो जो जो तो में, में। जैसे ही आपका सेव हो जाता है वापस हम चलने वाले अपने क्रोमाटोन के अंदर उधर थोड़ी सी और बस एडिटिंग वगैरह आपको मतलब अपने हिसाब से देखना कर लोगे तो हो जाएगा जस्ट मैं क्रोमा क्रोमाटोन को ओपन करता हूँ सो दोबारा से रिस्टार्ट हो जाता है कोई बात नहीं चलो इस समय हो चुका है इधर से देखो मैं क्या करने वाला हूँ इधर जो करेक्टर्स हमने लिए थे ना वही वाले मैं यूज करने वाला हूँ और सारे करेक्टर्स को पहले मैं हटा दूंगा वापस से क्योंकि मुझे सारे करेक्टर्स की जरूरत नहीं है अभी सिर्फ एक करेक्टर चाहिए सो उसी को रखने वाला हूँ बाकी करेक्टर्स को मैं इधर नन कर देता हूँ ओके okay? इधर से मैं चलता हूँ कस्टम पे इसके बाद टिक करते हैं इसके बाद लोड पे जाके ना मैं थोड़ी बहुत करेक्टर को बस एडिट वगैरह कर दोगे तो भैया आपका सिस्टम सेट हो जाने वाला है देखो इसके मूव देख लो किस तरह एकदम रेड हो गया ना लिप्स देखो हमने जो चेंज किया था उसकी वजह से कितना ज्यादा रेड हो चुका है इसमें आप मूवमेंट वगैरह ला के देख लेना भैया किस तरह एंग्री वाला डाल के देख लेना जैसे एंग्री कर देते हैं देखो ये देखो इसके एंग्री में दांत देख सकते हो किस तरह की चेंज हो गया बाकी मैं दूसरा करेक्टर भी दिखा देता हूं दूसरा करेक्टर किस तरह लग रहा है जस्ट मैं से चलता हूँ पे चलता हूँ इससे पहले वाला जो करेक्टर था ना उसमें देखना आप लोग क्या सिस्टम होता है दर से मैं कस्टम फ्रॉम ड्राइव इधर से ले लेता हूं इम्पोर्ट कर लेते हैं जो हमने पहले किया था जस्ट मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है अब देखो ये इम्पोर्ट होने के बाद देखो इसको भी मैं सेम मूवमेंट देने वालों एंगड़ी का बट इसका जो फेस का वो जो रिएक्शन है ना वो थोड़ा मुझे सही नहीं लगता देखो इसका देखो इसका फेस का देख सकते हो जो हमने इंप्रेशन जो चेंज किया है ना अभी लिप्स वगैरह तो इसका देख सकते हो तो कितना ज्यादा डिफरेंस है कितना ज्यादा बेकार लग रहा है मुझे तो ज्यादा एडवांस नहीं लग रहा है बट इसके टिप के कारण काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है इसमें जैसे ओ वगैरह के और भी जैसे बिटर्न वगैरह कर लेते हैं देखते हैं रिएक्शन देखो ये देखो वो चिल्ला रहा है ना नो कुछ मुंह करके खोला है तो इसका भी अगर मैं बिटन कर दू तो ये कैसा लग रहा है हम देख लेते हैं जस्ट मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ ये बिटन जस्ट देखो ये कैसा लग रहा है ये कैसा लग रहा है आपको दोनों में से किसका माउथ का रिएक्शन अच्छा लग रहा है मुझे तो भैया इस सेकंड वाले का काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है बिकॉज इसका जो फेस का रिएक्शन है काफी औसम लग रहा है ऐसे हम चलते हैं सैड में देख लेते हैं हमारे पास सैड होगा स्लिपिंग सैड आई थिंक अवेलेबल तो है यार देखो सैड स्टैंड आइडल तो देख सकते हो ये किस तरह हो चुका है ये इसका फेस भाई बहुत ज्यादा फनी लग रहा है ठीक है सो मैं नेक्स्ट वाला देखता हूँ वो कैसा लग रहा है सैड एंड आइडल वाला जस्ट सिलेक्ट कर देता हूँ ये देखो ये ओ कर रहा है ओ और ये जो है सिंपल सा दांत दिखा दे रहा है ही, ही, ही ओके ठीक है काफी फनी लग रहा है मतलब थोड़ी थोड़ी चीजें आप इसमें ऐड करके अपने करेक्टर को और भी ज्यादा ऑसम बना, बना सकते हो और भी ज्यादा एडवांस बना सकते हो बाकी हम थोड़ा बहुत रिसर्च करें इसके आईब्रो वगैरह पे अगर वो भी साथ साथ मूवमेंट हो तो ज्यादा बेटर रहेगा देखेंगे उसके बारे में हम किसी और दिन वीडियो बनाने वाले हैं ये तो आपका फर्स्ट पार्ट था सिंपल सा पार्ट था मैं इसमें कुछ एडवांस नहीं लेकर गया एकदम ईजी बताया हूं और भी चीजें आप इसमें चेंज कर सकते हो देखो एक और कैरेक्टर हमने बनाया था ना उसको भी लेकर आते हैं फिर उसको भी आप लोगों को दिखाते हैं क्या उसका किस तरीके सिस्टम होने वाला है सो लोड पे पहले क्लिक करें देखो अभी इधर क्या होगा एडल लिखा जाने वाला है ये देखो रॉन्ग हो गया है ना नहीं आया है ऊपर देखो एडल लिखा गया है सो ये क्यों है देखो जो मैं करेक्टर आप लोग को प्रोवाइड करूंगा तो उधर यूज करने के लिए आपको इधर फ्रॉम ड्राइव पे क्लिक करना है ठीक है फ्रॉम ड्राइव पे क्लिक करने के बाद लोड पे क्लिक करना है उसके बाद अपने करेक्टर को सिलेक्ट करके ले आना देखो मैंने सिलेक्ट कर लिया है अभी करेक्टर जैसे ही आ जाता है देखो अपने पास तीन करेक्टर आ चुके हमने जो है तीन तरीके के जो है करेक्टर बनाए हुए हैं अब तुमने फ्लाइंग करके दिखा देता हूँ ये देखो ये क्या है एक बार फ्लाइंग करता हूँ ठीक है जस्ट मैं इस पर फ्लाइंग वाले पे क्लिक कर देता हूँ तो फ्लाइंग हो जाएगा देखो अभी ये जैसे उड़ रहा है ना तो एकदम शांत है जस्ट सेकंड वाले पे भी सेम दे देता हूँ जैसे फ्लाइंग एंड आइडल देखो अभी ये भी में है अब तीसरे वाले को भी सिलेक्ट करके फ्लाइंग एंड आइडल दे देने वाला हूँ तो ये भी कम्प्लीट हो जाएगा देखो तीनों अभी जो है फ्लाइंग करके आइडल हो रहा है अब यहाँ पर ये यह हो रहा है कि भैया सब कुछ सेट हो चुका है काफी ज्यादा मुझे तीनों के तीनों कैरेक्टर देखो कितने ज्यादा होसम लग रहे हैं तीनों का ड्रेस आप चेंज कर सकते हो तीनों के माउथ के जो रिएक्शन वो चेंज कर सकते हो बाकी चलो अब थोड़ा बहुत एनिमेशन और डिटेल से समझ लेते हैं कैसे कैसे, कैसे क्या क्या सिस्टम होने वाला है सो देखो व्यूरो लिटरली बोर्ड अभी बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है क्योंकि बस एनिमेशन के साथ साथ आपको स्लिपिंग एनिमेशन अब सबसे इंपॉर्टेंट यार ये सब हो जाने के बाद आपने अपने कैरेक्टर को तो डिजाइन कर लिया वैसे वॉइस कहां से दोगे यार तो वॉइस की भी हम ट्यूटोरियल इसी में आप लोगों को बताने वाले ताकि आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो और हाँ जो एप्लीकेशन मैं यूज कर रहा हूँ ये आप लोगों को तो सब कुछ समझ आ रहा है कि नहीं, मुझे एक बार कमेंट में बता देना बाकी ये फर्स्ट पार्ट है ठीक है इसमें मैंने कोशिश की कि आप लोगों को जितना सिंपल तरीके समझा सको उतने सिंपल तरीके से समझाया है एकदम ईजी है यार इसको सिक्स क्लास का बच्चा देखेगा ना तो वो भी समझ आएगा भाई वीडियोज बनानी कैसे है सो ठीक है अपना ये भी कंप्लीट हो चुका है करेक्टर एनिमेशन भी आप लोग को समझ आ चुकी है करेक्ट का जो फेस का मूवमेंट वगैरह कैसे देनी है उसका रिएक्शन कैसे देनी है आई थिंक यार बहुत कुछ आप लोगों को समझ आ चुका है तो अब थोड़ा एडवांस में चलते हैं क्योंकि देखो वॉइस के बिना काम नहीं होगा ना तो वहीं पर चलेंगे उससे पहले हम बस एनिमेशन और थोड़ी बहुत स्लिपिंग एनिमेशन कर लेंगे क्योंकि काफी ज्यादा उसके ऊपर भी कमेंट आए थे कि भैया वो वाले भी बता देना चलो फिर स्टार्ट करते हैं उधर बढ़ते हैं और समझते हैं वो कैसे होगा तो so, अभी हम बात करते हैं देखो यार सारी वीडियोस तो अभी हमने क्रिएट कर चुके हैं ना वीडियोस अपनी बन गई अब एनिमेशन भी हमने कर दिया फैक्ट्स भी हमने यूज कर दी लेकिन देखो ये वीडियो क्रिएट हो चुकी है तो इसमें वॉइस ओवर कैसे करेंगे यार गर्ल की कैसे करेंगे बॉय की कैसे करेंगे एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें तो ए आई बॉयस यूज कर सकते हो कि नहीं देखो ए आई आप यूज कर सकते हो पर उसको थोड़ा बहुत करना ज्यादा मत करना अपना वॉयस का ज्यादा यूज करना जितना कम हो सके उतना एआई का यूज करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा यार क्योंकि अभी के टाइम पे काफ़ी लोगों का चैनल डिमोनिटाइज हो रहा है एआई आई बॉइस के कारण आई डोंट नो व्हाट वटन बट हो रहा है यार ठीक है तो सिंपल से देखो इस तरीके की वीडियोस के लिए मैं अभी मेरे को नहीं माइंड में कोई स्टोरी वगैरह सच बोल रहा हूँ कुछ नहीं मेरे दिमाग में कैसे क्रिएट करनी है जस्ट मैं इधर जाता हूँ मैं ए से छोटी सी एक स्क्रिप्ट लिखवाने वाला हूँ जस्ट मैं इधर लिख देता हूँ चैट जीपीटी चैट जस्ट मैं इसे लिखूंगा उसके बाद इसे इसको ओपन कर, so कर लेते हैं वगैरह वगैरह कहेगा सो कर लेते हैं बिकॉज यार मैंने एक स्टोरी जनरेट करनी और मुझे दिमाग में इस समय कोई भी स्टोरी वगैरह नहीं है सो so, जस्ट मैं लॉग इन कर लेता हूँ उसके बाद आपको बताता हूँ तो देखो यार सिंपल से कह रहा है कि ईमेल वगैरह पूछ रहा है मैं इसमें ईमेल दे देता हूँ उसके बाद मैं इसको कहूंगा भाई मेरे लिए एक बढ़िया सी होल्ड स्टोरी क्रिएट करके दे दो ठीक है जिसके अंदर कुछ ऐसे लिख देना तो हो जाएगा आप लोगों का काम सो जस्ट अपना जैसी आ जाता है मैं इसे कंप्लीट करता हूं देखो सब कुछ अपना कंप्लीट हो चुका है कुछ ही ये मांग रहा है सो so, ओके okay. मुझे सिर्फ यार स्टोरी बना के दे दो uh, मे का कार्टून हॉरर स्टोरी ठीक है जस्ट मैं इसे लिख के इसे फाइव मिनट्स आई डोंट नो यार जितना लिख हिंदी में लिख देना यार हिंदी में लिख दोगे इन हिंदी जैसे पहले इसको क्रिएट कर लेते हैं जैसे क्रिएट कर लेगा तो भैया हमारी जो स्टोरी आ जाएगी उसे हमने कॉपी करना है उसके बाद तो उसे बुलाना है देखो इंग्लिश में कर रहा है मेक इन हिंदी इसे कर देता हूँ मेक इन हिंदी क्योंकि इंग्लिश में हमने थोड़ी ना करना है भाई तुम हिंदी में लिख के दो कि मुझे हिंदी में चाहिए देखो ये अपनी स्टोरी लिख के दे रहा है सो so, इस स्टोरी को भैया मैं नहीं करूंगा कुछ भी ना आप वॉइस ओवर करने वाला हूं जो भी चीजें करेगा भैया मेरा जो है एआई करने वाला है वो भी एआई करेगा जी हाँ बस कुछ कुछ चीजें जहां पर मुझे खुद बोलना पड़ेगा बाकी एआई करके देगा यार उधर हम कर लेंगे अपना वॉइस को चेंज कर लेंगे उसका यूज करने वाले कई लोगों को लगता है भैया पता नहीं क्या अपना दिमाग में बसा लेते हैं कि भाई नहीं होता है सो मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसा मैथड बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप इसे आराम से यूज कर सकते हो चलो इसे मैं कर लेता हूँ इसे कॉपी कर लेते हैं ठीक है पहले जस्ट मैं इसे पूरा पूरा कॉपी कर लूँगा और ये काफ़ी ऊपर चला गया है सो इसे मुझे थोड़ा सा सेट करना होगा अपने हिसाब से देखो ऊपर भी चला गया है ना सो इसे मुझे हल्का सा अपने हिसाब से सेट करना है ये नीचे के साइड आ गया मैं इसे कट कर देता हूँ वेट यार इधर थोड़ा बहुत हमें प्रॉब्लम होगी सो मैं इसे हल्का हल्का देखो पहले इसको यहाँ से ले जाके मैं थोड़ा क्योंकि ऊपर का सिलेक्ट हो जाएगा काम ख़राब हो जाएगा यहाँ तक मैं कर लेता हूँ इसे कॉपी फिर इसे हम युवा से ले जाके थोड़ा नीचे करके किया अदा कर लेंगे कॉपी फिर यहाँ से लेकर हम यहाँ तक कर लेंगे इसे कॉपी देखो ये करने के बाद आप क्या करना है मैं ऊपर का वापस से कॉपी नहीं करना चाहूँगा तो सब मैं इधर जाता हूँ अब देखो इधर क्या लिखना है आपको इलेवन ए आई ई एल जस्ट मैं इसे कर देता हूँ ये जैसे ही आपका ओपन हो जाता है देखो यही वाले वेबसाइट पर आपको आना है किसी और मत आना मैं एक बार इसे हटा देता हूँ सब्सक्रिप्शन को इलेवन आई ओ जो लिखा हुआ है जस्ट देखो इलेवन देखो ये, तो ये जो है आपको इसी वेबसाइट पे आना है ठीक है इस पे आने के बाद जस्ट इस पे क्लिक करना है उसके बाद देखो आपको जो भी चाहिए जस्ट इधर देखो पेस्ट करोगे ना तो आपका हो जाने वाला है जैसे देखो एक लिखा हुआ है क्या कर रहे हो आप मैं एक बार इसके वॉल्यूम को हाई कर देता हूं दे एक बार जनरेट करके दिखाता हूँ आप लोग को जस्ट आप क्या कर रहे हो देखो ये बोल है ना आप क्या कर रहे हो आप क्या कर रहे हो जिस मतलब इस तरह हमने क्या करना है एक छोटी सी स्टोरी क्रिएट करना है यहाँ से लॉग इन कर लेते हैं बिकॉज मुझे थोड़ा लॉन्ग पढ़ने वाला है एक काम करता हूँ यार मैं इसे लॉग इन कर लेता हूँ वैसे लॉग इन तो है मुझे फाइव थाउजेंड करेक्टर्स इधर कितने नौ हज़ार तक मैं कर सकता हूँ जनरेट इधर को दिया हुआ है ना नौ हज़ार तक सो so, मैं इधर सिंपल सा पेस्ट कर देता हूँ अभी मैं इसे कट करता हूँ और हमने इधर क्लिप पार्ट में जाना है जस्ट मैं इधर से कॉपी करता हूँ जो भी चीज़ें अभी लिया हुआ है सर देखो मैं अभी वापस से चैट जी पी टी पे आ गया हूँ सो so, मैं इधर एक काम करता हूँ कि इधर इसे कॉपी करता हूँ पहले उसके बाद मैं वापस जाऊँगा अपने इधर और इसको मैं पेश कर देता हूँ ठीक है क्योंकि एक एक करके पेश करने वाले उस पर वर्क नहीं कर रहा है सो मैं इधर वापस इसे पेश करता हूँ अब वापिस क्या करना थोड़ा सा स्पेस देकर वापस उधर ही चलते हैं जस्ट नीचे चलते हैं अब देखो मैं कुछ भी स्टोरी क्रिएट किया हूँ ठीक है तो स्टोरी पे मत जाना क्योंकि मैंने सिर्फ समझाने के लिए ब्लॉक किया है अब इधर से वापस मैं जाता हूँ और इसे पेस्ट कर देता हूँ जस्ट अभी पेस्ट हो चुका है अब मैं वापस से क्या करूँगा उसे ओपन करूंगा और अपनी जो थर्ड लाइन है ना उसे पेस्ट करूंगा जस्ट दो पैरा हो चुके हैं ये रहा थर्ड पैरा इसे भी हमने कॉपी करना है जस्ट कॉपी करने के बाद इधर हमने पेस्ट कर देना है ये भी पेस्ट हो चुका है ओके okay. एक बार इसे जनरेट करेंगे यहाँ पर आप लोग को क्या करना होगा कुछ चीजें करनी होगी लाइक ये देखो इधर आपको यूज कर सकते हो अपने से जिसका और भी ऑप्शन है ये सब जो आप करना तो इस हिसाब से कर सकते हो लाइक हिंदी कर दोगे तो हिंदी हो जाएगा और देखो यहाँ पर जो बंदे है ना ये जैसे कि मैं कर लेता हूँ एक बार डी से किसी कर लेता हूँ लाइक इसका प्ले करके देखते हैं किस तरह लगता है a man is not old as long work while you have the light so kisi okay? yesterday's home runs the world is rap a man sees in the the less effort the faster and more power happiness can exist only at friends show their love in times of trouble i'd rather regret the thing government of the people by the people love all trust a few do government of the people

और थर्ड पैर पे भी सेम करने वाला हूँ जस्ट उधर ही चलते हैं नीचे चलते हैं मेरे ख्याल से हो गया कम्प्लीट यार वैली बहुत यहाँ पर ख़त्म ठीक है जस्ट मैं इसे कॉपी करता हूँ अब वापस मैं इधर आता हूँ इधर एल भी कुछ लिखा गया सो इधर मुझे करना होगा सेट अब देखो हो चुका है अपना काम यहाँ पर सेट हो चुका है अब नीचे देखो आपके जनरेट वाला ऑप्शन देखने को मिलता है ना जस्ट आपको इस पर क्लिक कर देना है फिर कुछ देर वेट करना और आपकी जो वॉइस है वो जनरेट हो जाने वाली है मेरा 800 सिर्फ कितना इकतालीस वर्ड हमारा इधर लिखा गया है अब ये जैसे ही अपनी जनरेट हो जाती है उसके बाद क्या करते हैं उधर थो थोड़ी बहुत हमें एडिटिंग करनी होगी अपने हिसाब से बिना एडिटिंग के आपका वर्क नहीं होने वाला है रात को सुनो एक पुराने हवेली में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी एक युवक नामक राज ने उत्सुकता भरे हृदय से पहले आप ये वॉइस सुनो ठीक है उसके बाद हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे कैसे, कैसे कैसे क्या होता है और वॉइस आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो ऊपर आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं लाइक ये देखो मैंने तो ये जो है ना ये जो आपको दिख रहा है सो इसे आप चेंज कर दोगे आपको जिस टाइप की वॉइस चाहिए उस हवेली की ओर कदम बढ़ाए ये देखो कुछ इस तरीके से बोल रहा है मतलब आप इधर वर्डिंग भी चेक कर लेना है ठीक है कि वर्डिंग सही है कि नहीं आपकी अगर वर्डिंग गलत होगी तो वो वही पढ़ने वाला है सो मैं इसे क्या करूंगा ये जो डाउनलोड वाला ऑप्शन इधर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर देने वाला सिंपल से डाउनलोड किया अभी डाउनलोड हो चुका है एक आप। अंदर, उसने खोजते हुए एक एक पुराने और भूतिया कमरे की ओर बढ़ा। वहां, एक पुरानी तस्वीर के सामने एक रोने वाली राजकुमारी का चेहरा था अचानक उस तस्वीर से आवाजें आने लगी और राज को लगा कि राजकुमारी की आत्मा उसके साथ है रात बढ़ती गई और हवेली में लेने की भी आ रही। मतलब कि एक एक देती है। कुछ मैथड होते हैं कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपको करना पड़ेगा प्योर मत यूज करना है और कुछ भी चीजें प्योर मत यूज करना ठीक है थोड़ी बहुत एडिटिंग जरूरी होती है जस्ट मैं इधर कट करता हूँ क्योंकि मैंने डाउनलोड कर चुका है अब इधर जो अपनी बॉइस है मैं लेकर आता हूँ जस्ट देखते हैं कहाँ अपना सो so, काफी सारे बॉयस आई डोंट नो कौन सा है वो एक बार जाता हूँ नेम नहीं चेक किया हुआ है so, सो वापिस से मैं देखता हूँ डाउनलोड वाले पे इलेवन आईओ करके लिखा हुआ है डिटेल पे जाता हूँ सो so, ये रहा ठीक है इलेवन आईओ लिखा हुआ है so, सो वापिस से मैंने अपने एडिटिंग ऐप को ऑन करना है अब इधर मैं इलेवन आई को देखता हूँ कहाँ पर है देखो ये आ रहा जस्ट मैं से... इसे मैं रख लेता हूँ यहाँ पर मैं एक बार प्ले करने वाला हूँ उसके बाद कुछ ट्यूनिंग वगैरह की जरूरत पड़ेगी ना तो वो कहां से डाउनलोड होगा काफ़ी काफ़ी प्रॉब्लम कहाता है सो मैं आप लोगों को को बताता हूं कैसे होगा एक 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 बार प्ले करते हैं अंधेरी रात पुराने हवेली में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी आई नो कि ये मैच तो नहीं कर रहा है स्टोरी के साथ बिकॉज सर मैंने नहीं सोचा था कि क्या चीज है मैं बताने वाला हूँ या सिखाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो जो आएगी नेक्स्ट कोर्स जो आएगा वो बहुत खतरनाक होगा उसमें हम पहले की स्टोरी आप लोगों को दिखाने वाले हैं उसके बाद हम सिखाएंगे कि भाई आप लोग कैसे उसे क्रिएट कर सकते हो सेम टू सेम ठीक है अभी मैं आपको ट्यून्स कैसे डाउनलोड कर सकते हो उसके बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जो तो इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा ठीक है बेसिक चीजें बताने वाला हूं अभी वो समझो आप लोग एक युवक नामक राज ने उत्सुकता भरे हृदय से उस हवेली की ओर कदम बढ़ाए So, देखो यार ये मैं आपको आगे बाद में बताता हूँ पर बैकग्राउंड ट्यून्स के लिए आप यूट्यूब पे चल जाना उधर एक है देखो ये वाला जो चैनल है इस आप सब्सक्राइब कर लेना ठीक है तो इसके बाद इसका यूज करने का कुछ मेथड होता है कुछ तरीके होते हैं जिसकी वजह से आपको कॉपी राइट या कुछ भी नहीं देगा तो ये है कि आप इसके जो ये है ना जो नेम है इसका चैनल का यार इसका शेयर कर देना डिस्क्रिप्शन दे देना सो आप इसके जितने भी ऑडियो हैं यूज कर सकते हो मैं तो होरर टाइप का ढूंढ रहा हूं सो मैं इधर देखूंगा इसके प्ले में देखो आप प्ले लिस्ट में चल जाना इधर आपको बहुत सारे दिख जाएंगे यार जिसको आप यूज कर सकते हो फाइटिंग क्लव लफिंग आई डोंट नो यार कितने सारे इसने बना के रखे हैं क्योंकि ये बहुत पुराना है और हमें फ्री में प्रोवाइड कर रहा है सो so, यार क्या दिक्कत है यार इसको हम दे देंगे अपने डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट वगैरह देना तो बनता है जस्ट नीचे करता हूँ देखो ओन होल्ड होल ओन पता नहीं क्या क्या है भाई और भी नीचे देखते हैं एक काम करेंगे मैं सिंपल सा कोई बढ़िया सेलेक्ट करता हूँ मोटिवेशनल तो है नहीं होडर टाइप का सो मैं होर्डर यूज कर रहा जैसे स्टडी वगैरह के लिए चाहिए नेचुरल चाहिए रोमांटिक चाहिए So, इधर आपको सब मिल जाएगा पता नहीं कौन कौन सा है सो so, मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ बस मुझे कोई मिले ठीक है होल टाइप का मिले मिस्टीरियस भी है अब देखो मिस्टीरियस भी मुझे सही लग रहा है कि मिस्टीरियस भी हम कर सकते हैं लाइक एक बार प्ले करता हूँ ठीक है प्लीट हो चुका है मैं एक बार प्ले करता हूँ वॉइस हाई करता हूं इसका कुछ इस तरीके का हॉरर नहीं लग रहा है यार सो so, मैं हॉरर के लिए दूसरा यूज करूंगा बिकॉज यार जब तक हॉरर नहीं होगा तब तक मजा कहां से आने वाला है बाकी क्लाइमेटिक क्लासिक ऐसे तो बहुत सारे मिल जाएंगे इंस्पिरेशन फ्री म्यूजिक सो so, ऐसे बहुत हैं यार मुझे बट हॉरर टाइप का चाहिए सो so, मैं हॉरर यूज करने वाला हूँ बिकॉज हमारी जो वीडियो थोड़ी हॉरर टाइप की है ना सो so, इसीलिए मैं हॉरर यूज करूंगा इसमें अब देखो भाई कितनी सारी चीज मैं तो कन्फ्यूज हो गया हूँ आप जब यूज करोगे आप भी कन्फ्यूज हो जाने वाले हो कि क्या चीज है ये कैसे होगा जस्ट मैं ये देखो एंग्री वाले पे देख लेता हूँ शायद ये बढ़िया हो नो 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 बिल्कुल नहीं भाई तुम तो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हो सो so, तुम चले ही जाओ ठीक है हम कोई नेक्स्ट ही ढूंढ लेंगे सो so, एक काम करता हूँ पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ जस्ट ये मुझे ठीक लग रहा है सो so, मैं इसे यूज कर लेता हूँ क्योंकि देखो यार सारे म्यूजिक थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट है इधर मैं कटिंग कर लेता हूँ अब, अब मैं एक बार प्ले करके आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा लग रहा है एक अंधेरी रात को एक पुराने हवेली में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी एक युवक नामक राज ने उत्सुकता भरे हृदय से उस हवेली की ओर कदम बढ़ाए हवेली के अंदर उसने हुए एक पुराने और उस तस्वीर से आवाजें आने लगी और राज को लगा कि राजकुमारी की आत्मा उसके साथ है भाई पहले ही कह रहा हूँ जो इसका जो चढ़ा है ना सीन, इस पे मत जाना आप लोग पहले वॉइस सुन रहे वॉइस सुनो ट्यून सुनो को समझो किस तरीके से आप बना सकते हो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टोरी क्रिएट करके दिखाने वाला जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ये तो सिंपल कोर्स आने वाला है बताऊंगा वो बहुत ज्यादा एडवांस होगा वैसे ये भी बेसिक होने वाला है ठीक है अभी तक लोगों ने सीखा है कुछ ज्यादा एडवांस नहीं सीखा हुआ है एडवांस में हम आगे जाएंगे देखो मेरे को सिखाने में ज्यादा मजा आता है वैसे हम सोचें कि हम भी क्रिएट करें क्योंकि इसको बनाते

सो देख सिंपल सा था यार एकदम बेसिक सा था आपका स्टोरी बन चुका है बट मैं इसे डिलीट करता हूँ बिकॉज मुझे अभी ये नहीं चाहिए अब देखो यहाँ पर आपको सासुमा कुछ बोल रही हूँ बट ट्यूनी बर्ड बोल रही है ना कि कुछ कुछ भी बोल रही है सो तो मैं इसे रिकॉर्ड करता हूँ जस्ट बोलता हूँ कि भाई आपको नहीं पता है कि जंगल में आपको इतनी रात को नहीं आना चाहिए ऐसा कुछ हमने एक स्टोरी क्रिएट करना है उसके बाद उसको थोड़ी एडिटिंग वगैरह करके ना आगे के लिए हम अप्लाई करेंगे ठीक है तो जस्ट मैं इधर ओपन करता हूँ और ट्यूनी बर्ड की आवाज निकालता हूँ उसे थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे ठीक है जस्ट मैं इधर प्ले कर रहा हूँ वेटर अगर मैं इधर रिकॉर्डिंग भी साथ में करूंगा ना तो मेरा जो बैकग्राउंड में रिकॉर्डिंग है हो सकता है कट जाए सो so, कोई बात नहीं मैं स्टार्ट करता हूँ देखते हैं क्या होता है दादी में आपको नहीं पता यहाँ पर इतनी रात को नहीं आना चाहिए था क्योंकि इस समय इधर का माहौल बिल्कुल भी सही नहीं होता है इधर एक चुड़ैलो जो सबको पकड़ के मार दे रही है और आप इधर आए हुए ऐसे नहीं करते हैं आपको यहां से चल जाना चाहिए जैसे देखो पहला सीन अपना हो चुका है पहला मैंने बोल दिया है अब क्या करना है दूसरे सीन के लिए सेम वही चीज है अब देखो इधर ये जो है दूसरा करेक्टर अपना बोल रहा है सो so, इधर से बोल देते हैं प्यारी टू नहीं कोई बात नहीं मैं आ चुकी हूं मेरे को बस आगे जाना था अपने लड़के को ढूंढना था वो पता नहीं कहां चला गया है देखो सेकंड वाला भी अपना हो चुका है अब देखो हमें क्या करना है इधर मैं अब इधर मैंने क्या करना है मैं इधर सिंपल से बोलूंगा मैंने तुझे मना किया था ना कि इधर नहीं आना है फिर भी तू है तो अब तू नहीं बचने वाला है तो सिंपल से कुछ ऐसे बोल देंगे फिर देखो वॉइस को चेंज करेंगे बट आपको मैं सुनाने भी वाला हूं उसके बाद हम वॉइस को चेंज करेंगे थोड़ी बहुत एडिटिंग करेंगे ठीक है मैंने तुझे मना किया था यहाँ पर मत आना फिर भी तू आया तो अब तू नहीं बचने वाला है जस्ट देखो बस इतना हो जाने के बाद मैं एक बार प्ले करके देख लेता हूँ कैसा लग रहा है तो सिंपल आप लोगों को समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ सो एक बार प्ले करते हैं दादी मैं आपको नहीं पता यहाँ पर इतनी रात को नहीं आना चाहिए था क्योंकि इस समय इधर का माहौल बिल्कुल भी सही नहीं होता है इधर एक चुड़ैल है जो सबको पकड़ के मार दे रही है और आप इधर आए हो ऐसे नहीं करते हैं आपको यहाँ से चल जाना चाहिए

प्यारी कोई बात नहीं। आ चुकी मेरे को को बस आगे जाना था था अपने लड़के ढूंढना वो पता नहीं कहां चला गया जस्ट देखो फर्स्ट मतलब एक अलग से अपने जैसे फनी निकालना कुछ और अभी एडवांस में चलेंगे ठीक है तो जस्ट देखो इस पे जाने के बाद आपको क्या करना है नीचे स्क्रॉल करना है फिर उसके बाद यहाँ पर आपको इस पे चल जाना है मिक्सर पे इस पे जाने के बाद ठीक इसको थोड़ा पिच वगैरह कम कर लेना तो आप एक बार प्ले करके देख लेना क्या होता है सही लग रहा है कि नहीं पिच आगे पीछे करोगे तो इसकी वॉइस में थोड़ी बहुत चेंजेस दिखेगी एक बार प्ले करता हूँ दादी आपको नहीं पता यहाँ पर इतनी रात को नहीं आना चाहिए था क्योंकि इस समय इधर का माहौल बिल्कुल भी सही नहीं हो जिसको वापिस जाता हूँ इसे मैं हाई करके देखता हूँ किस तरह लग रहा है प्लस में ठीक है जस्ट प्लस क्यों एक बार फिर से प्ले कर लेते हैं यहाँ पर इतनी रात को नहीं आना चाहिए था माहौल देखो थोड़ा सा यहा है ना मतलब कि इसकी बॉइस वगैरह हल्की से प्लस कर लेते हैं और इसे लेफ्ट साइड फेंक देते हैं अब देखते हैं किस तरह लग रहा है जस्ट देखो मैं इधर से थोड़ा चेंज कर देता हूँ क्योंकि देखो ये जो वॉइस है हार्ड अब होने वाला है मैं एक बार प्ले करता हूँ मना किया था यहाँ पर मत आना फिर भी तू आयो अब जस्ट मैं क्या करता हूँ इधर से वापिस ऑडियो वाले पे जाता हूँ मना किया था यहाँ पर मत आना फिर भी तू आये तो अब तुम नहीं बचने वाला है देखो मैंने क्या करना है जस्ट वापस इस पे क्लिक करता हूँ इसकी ऑडियो को मैं एकदम कम कर दूंगा इसको थोड़ा नहीं बचने है। सिंपल सा था यार। मतलब कि इसको हल्का फुल्का एडजस्ट करके उसके बाद इको वगैरह तो बहुत ज्यादा बेटर लगेगा ये लूप है इधर आपको काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं मतलब बेसिक बता दें आप इधर से इसका चेंज कर सकते हो ऐसे कर सकते हो पतला है मोटा ठीक है

पिक्सा बे ठीक है जस्ट मैं इधर करके सर्च कर देता हूं इधर वैसे कार्टून इमेजेस आ जाएंगे ठीक है सो so, मैं इधर सबसे पहले देखो इधर क्या करना है वीडियो फॉर्मेट है एक काम करते हैं यार मैं सिंपल से इधर पिक्सा बे का ऑफिशियल वेबसाइट पे चलता हूं पिक्सा बे इधर मैं इसको डिलीट करता हूँ ठीक है क्योंकि ये पीछे काफी ज्यादा छोटा हो गया मैं इसे हटा देता हूँ डॉट कॉम ओके तुम तुम हटो बाकी मैं हटाता हूं इधर जस्ट देखो इधर आप ये जैसे लिख दोगे तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट आ जाने वाली है जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है उसके बाद यहां पर क्या करना है लॉग वगैरह कहेगा सो so लॉग कर लेना यहाँ पर आपको इमेज का ऑप्शन देखने को मिलता है ना जस्ट इस पे जाके आपको क्या करना है इधर इमेज की जगह म्यूजिक कर लेना मैं म्यूजिक कर लेता हूं या इधर देखो साउंड इफेक्ट्स भी देखने को मिलता है जस्ट वापिस जाता हूं इधर एडिटिंग क्वालिटी नहीं अपने सर्च वाले पे जाना है और इधर देखो आपको साउंड इफेक्ट देखने को मिलता है साउंड इफेक्ट सेलेक्ट कर लेना अब मैं इधर जाता हूं और इधर होडल लिखता हूं ठीक है हॉडल लिख के अब सर्च करूंगा तो मेरे सामने काफी सारे इफेक्ट्स सा आ जाएंगे देखो रॉयल्टी फ्री इसको आपको को, यूज कर सकते हो इधर लिखा हुआ है ना इधर साफ साफ लिखा हुआ से आप यूज कर सकते हो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है सो मैं एक बार प्ले करता हूं देखो अफे साउंड सुनो यार ये सुन। अपनी वीडियो को ना और ज्यादा एंगेजिंग बना सकते हो और ज्यादा बेटर बना सकते हो साउंड इफेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपकी वीडियो को एडवांस लेवल की बनाने के लिए हम एक बार प्ले करके और भी दिखा देता हूं आपको कितने सारे हैं मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ क्योंकि ये मुझे हॉरर जो है थोड़ा बढ़िया लग रहा है देखो तो डाउनलोड हो चुका है इसका नाम वगैरह आप लोग देख लेना नाम क्या है सो so इसका नाम है नेचुरल थंडर कुछ नाम है सो so मैं इसे हटा देता हूँ भाई कुछ ज्यादा हॉरर हो चुका है हट जा सो मैं इधर देखो वो जो म्यूजिक हमने यूज किया था ना ये फाइट वाला इसे मैं हटा देता हूँ क्योंकि देखो सिंपल सा यार अपने को उससे बेटर मिल चुका है ठंडर नाम था उसका मैं इधर ढूंढ लेता हूँ कहाँ पर है जस्ट मेरे पास काफी सारे हैं ठंडर नाम का कौन सा है भाई So, देखो ये रहा ठंडर वाला सो so, मैं इसे क्या करता हूँ कर कुछ भी नहीं था जस्ट मैं इसे कट करता हूँ कर एक बार प्ले करते हैं दादी मैं आपको नहीं पता यहाँ पर इतनी रात को नहीं आना चाहिए था क्योंकि इस समय इधर का माहौल बिल्कुल भी सही नहीं होता है इधर एक जो सबको पकड़ के मार दे रही है और आप इधर आए हो ऐसे नहीं करते हैं आपको यहाँ से चल जाना चाहिए नहीं, कोई बात नहीं आ तो जस्ट इसको ऐसे कर देता हूँ सिंपल तो सा आपको पता लगे कि यहाँ से डाउनलोड कर, कर सकता उसको आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली आप एक काम कर सकते हो उनको क्रेडिट दे देना डिस्क्रिप्शन में आप जब उनका म्यूजिक का यूज करोगे तो आपको बहुत सारे अनलिमिटेड मिल जाने वाले हैं अब चलो हम अपनी वीडियो को और भी आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं भाई और और क्या चीजें होने वाली अभी आपको बस एनिमेशन प्लस मैजिकल एनिमेशन भी सिखाने वाला हूँ और बैक एनिमेशन भी सिखाऊंगा सो ये सब क्या है आगे डिस्कस करेंगे सो सिंपल से मैं क्या करता हूं? अपने ऐप को ओपन करता हूँ अब और इसके बाद आपको समझाता हूँ अब क्या क्या सिस्टम और ज्यादा हम एडवांस लेवल के सीखने वाले हैं सो बस एनिमेशन के लिए मैं सेम कुछ करेक्टर्स का यूज करने वाला हूँ सो उसको मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या क्या होगा सो यार मैं सोचा कि क्यों ना स्टोरी बना दिया जाए हमने ये देखो ये वाली जो बॉइस ली है यही मैं सेम आपको एक स्टोरी बना के दिखा देता हूँ क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का कब तक वेट करोगे इसी में बना के दिखा देते हैं ज्यादा मजा आएगा तो पहले मैं कुछ चार पांच लाइन देखने वाला हूँ चार पांच सीन को हमने इकट्ठे करना है उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे ठीक है जस्ट मैं एक बार प्ले करके आप लोग को सुनाता हूँ फिर कैसे कैसे सीन में वर्क करना है वो बताऊंगा एक अंधेरी रात को एक पुरानी हवेली में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी देखो अंधेरी रात को तो मेरे पास एक सीन तो पहले से जो हमने क्रिएट किया था ना होरर वाला सो मैं उसी का यूज करने वाला हूँ जस्ट मैं बैक करता हूँ कौन सा था मेरे पास ये रहा पिक्सल लुक में नहीं था सच मैं उसको देखता हूँ यार ये रहा सच मूवी वाले में अंधेरी रात में ये वाला कर लेते हैं ओके जस्ट में इसे कर लेता हूँ होरर सीन और एक फॉक्स वाला भी हमने बनाया था ना ये देखो को, एक अभी एक अंधेरी रात को एक... जस्ट मैं एक बार प्ले करता हूँ

एक काम करे कार्टून देखते हैं देखते हैं कार्टून में कैसा आता है कार्टून जस्ट मैं इसे सर्च करता हूं और अब देखता हूं वाह काफी सारे आ चुके हैं सो इनमें से किसी एक का मैं यूज करूंगा जो मुझे बढ़िया लगेगा ठीक है उसके बाद एक हमें गुफा भी चाहिए होगा सो मैं वही देखूंगा कौन सा बेटर रहेगा ये वाला मुझे सही लग रहा है ठीक सो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूं उसके बाद इसका मैं यूज करूंगा नीचे देखते हैं और भी है वाह काफी सारे आ चुके हैं यार जैसे एक काम करता हूँ ये मुझे सही है क्योंकि इसमें मैं क्रैक्टर को अपने वॉल्ट भी करा सकता हूँ ठीक वो कैसे कराऊंगा बताऊंगा ठीक है इसके साथ हम करेक्टर को साथ में लेकर भी जाने वाले हैं यहां पर मैं इसे डाउनलोड करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल और भी सारे हैं बट मुझे एक काम करो दो चार ऐसी इमेज डाउनलोड कर लो कोई बात नहीं अलग अलग हो चलेगा आपका सीन तो क्रिएट हो जाएगा ना अब इधर आपको एक गुफा भी चाहिए होगा ना सो so, गुफा को मेरे ख्याल से इंग्लिश में केफ कहते हैं सो सी ए बीई सेब कार्टून बैकग्राउंड जस्ट मैं इसे देखता हूँ हाँ ठीक है यही वाला आ चुका है अब यहाँ पर मैं इसको ना तीन से चार सीन डाउनलोड करने वाला हूँ क्यों करने वाला हूँ आप लोगों को आगे बताऊंगा ये भी अपना आया था ना उसमें म्यूजिक में आप लोगों ने सुना था सो मैं इसलिए इसे डाउनलोड कर रहा हूँ और जंगल के दो चार सीन तो अपने पास पहले से हैं सो उसे मुझे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है अब यहां पर मैं और भी देखता हूँ कोई मतलब कोई खतरनाक सा हो एकदम हॉरर टाइप का सो उसे यूज करूंगा क्योंकि जो हम बनाने वाले हैं ना कुछ अलग ही हो तो ज्यादा बेटर रहेगा जस्ट मैं इसे भी कर लेता हूँ ओके उसके बाद एक होरर सा सीन जैसे जस्ट मैं होरर रूम लिख के, इसे सर्च करूंगा उसके बाद मेरे पास देखो, काफी सारे आ जाने वाले हैं अब ये देखो काफी सारे आ चुके हैं इधर से मैं दो चार पिक्चर को ऐसे डाउनलोड कर लेता हूं उसके बाद इसी को मैं यूज करूंगा नीचे देखते हैं क्योंकि नीचे इससे बेटर बेटर आ जाते हैं ओके काफी सारे थ्री डी में भी हैं वैसे भी हैं अब कौन सा यूज़ करें वैसे मैं मेरे को बैक करता हूँ यार क्योंकि कन्फ्यूजन है काफी ज्यादा कन्फ्यूजन है कोई होरर एकदम होरर सा हो तो ज्यादा बेटर रहेगा जस्ट ये देखो ये थोड़ा पुराना लग रहा है बट इसका सेप जो है अलग है इधर देखो ये पुराना वाला रूम लग रहा है मैं काम करता हूँ इसे डाउनलोड करता हूँ जस्ट इसे डाउनलोड कर लेते हैं उसके बाद और इमेजेस देखते हैं दो चार इमेजेस आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी क्योंकि हमने अलग अलग सीन का रिकॉर्ड करना है ना और ये भी मुझे ठीक लग रहा है जस्ट मैं इसे भी कर लेता हूँ डाउनलोड ओके होरर रूम हो गया अब होरर एक काम करो होडर इमेज ठीक है होडर इमेज इमेज जस्ट मैं इसे भी सर्च कर लेता हूं होडर इमेज गर्ल जस्ट इसे सर्च करता हूं अब देखो काफी सारे आ जाएंगे अब यहां पर क्या करते हैं हम इसे भी डाउनलोड कर लेते हैं पिक्चर में लगाएंगे किधर बैकग्राउंड में चिपका देंगे जस्ट मैं देखता हूं कौन सा सही रहेगा एक काम करते हैं आई थिंक ये वाला सही है बैकग्राउंड बस हटाना पड़ेगा सो मैं इसे नहीं लूंगा क्योंकि दूसरा ले लेते हैं ये भी नहीं ठीक है यही वाला ठीक है यार मुझे तो यही से लग रहा है नीचे देख लेते हैं और भी कोई हो जो उससे खतरनाक लगे नहीं है सो मैं इसे ही डाउनलोड कर लेता हूँ जस्ट मैं डाउनलोड कर चुका हूँ देखो तो इसका मैंने मिरर सा कुछ बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा वो आप लोगों को दिखाता हूँ इधर पहले मैं रिमूव बैक पे चलता हूँ रिमूव बैक पे जाने के बाद मैंने क्या करना है वो जो अभी इमेज डाउनलोड किए ना उसका पहले बैकग्राउंड को इरेज कर देते हैं ताकि हमें बार बार चीज़ों को डाउनलोड ना करना पड़े इसलिए मैं इसे कर रहा हूँ जैसे इधर अपलोड पे चलते हैं इधर से सिलेक्ट किया इसे डन कर देते हैं ये जैसे रिमूव हो जाता है हमने एक सीन क्रिएट करना है पहला सीन हवेली वाला है सो so वो वॉक करता हुआ जाता है ना सो so वो कैसे कराओगे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है वो बिल्कुल मिस मत करना जस्ट ये डाउनलोड हो चुका है मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ ओके डाउनलोड कम्प्लीट हो चुका है मैं अपने अब काइन मास्टर को ओपन करता हूँ इधर हमने ये जो ऊपर का लिया था ना इसे मैं डिलीट कर देता हूँ अब इसे मैं ऊपर कर दूंगा जस्ट इसे ओके वेट मैं इसे ऊपर करना चाहता हूँ ते होगा नहीं मुझे पूरा ही हटाना पड़ेगा सो मैं हटा देता हूँ अब इधर से मैं चलता हूँ इस पर अब नीचे अपना होरर सीन का ये रहा पहला वाला और इसे मैं देखता हूँ एक... अब इधर से हवेली का बोला था ना इसने सो हमने हवेली वाला डाउनलोड किया था ये वाला ठीक है जस्ट इसे कर लो उसके बाद थोड़ी बहुत इफेक्ट्स बताऊंगा पुरानी हवेली में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी एक ही। अब यहां से मैं थोड़ा सा कट करूंगा उसके बाद देखो मैंने तीसरा वाला इमेज यूज करना है अभी जब फुल बन जाएगा ना तब आप लोगों को मजा आने वाला आई नो काफी लोगों को अभी अभी है भाई क्या सिस्टम सो वेट करो उत्सुकता भरे हृदय से उस हवेली की ओर कदम मैं इसे थोड़ा सा आगे कर दूंगा जस्ट इधर कर देते हैं भरे हृदय से अब देखो मैंने ये जो फर्स्ट सीन है अपना ये वाला हो गया सो so, अब नेक्स्ट सीन ये है तो इसमें भी मैं क्या करूंगा कलर ग्रेडिएशन करूंगा लास्ट में करूंगा अभी नहीं करूंगा क्योंकि सब में सेम कलर रहने वाला है इधर मैं क्या करूंगा थोड़ा सा इसे ऐसा कुछ कर दूंगा उसके बाद इसको ना थोड़ा सा ऐसे कर अब अब देखो भरे से उस हवेली की ओर कदम बढ़ाए हवेली के अंदर उसने खुद देखो मैं इससे थोड़ा कट करूंगा पहले सारे सीन को हम एक करने वाले उसके बाद करेक्टर को बताऊंगा कैसे करना है एक अंधेरे रात को जस्ट मुझे इमेज को बड़ी करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर सीन वैसा नहीं होगा जिस तरह हम सोच रहे हैं जस्ट ओके के अंदर उसने खोजते हुए एक पुराने और भूतिया कमरे की ओर बढ़ा वहाँ एक पुरानी तस्वीर के सामने एक रोने वाली राजकुमारी का चेहरा था जस्ट अब यहाँ पर मैं कट करने वाला हूँ ठीक है यहाँ पर क्योंकि अब अपने को एक रूम का इमेज चाहिए जो हमने डाउनलोड किया था जस्ट इधर चलते हैं और अपने पास काफी सारे रूम के हमने डाउनलोड किया था ना, जैसे ये वाले, so, इधर भी मैं मैं क्या करने वाला का करने वाला वाला का यूज़ लाइक इसको, इसको थोड़ा थोड़ा सा यूं कर दूंगा, थोड़ा सा कर लग जिससे लगे, जस्ट एक बार प्ले करते हैं, फिर देखते हैं हवेली के अंदर उसने खोजते हुए ब्लैक ले लेंगे उसके बाद इसको भी थोड़ा कर देंगे। मैंने का यूज कर सकते हो अपने हिसाब से जिस तरह आपको सही लगे मैं, मैं तो मैं नहीं यूज कर रहा हूँ भी करूंगा एडजस्ट करना अपने हिसाब से, से जब स्टोरी बनाओगे ना तब आप लोग को पता चलेगा जस्ट एक बार दिखाता हूँ उसने खोजते हुए एक पुराने और भूतिया कमरे की ओर बढ़ा तस्वीर के सामने एक रोने वाली राजकुमारी का चेहरा था अब मैं इसे थोड़ा सा आगे करता हूँ ले जो अपना तीसरा था जस्ट एरा मैं इसको भी थोड़ा सा जूम इफेक्ट देता ओके okay, इसको मैं थोड़ा सा और कर देता हूँ इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा बिकॉज अब मेरे को थोड़ा सुनना पड़ेगा क्या चीजें हैं जिसके हिसाब से मैं ऐड करना चाहूंगा अचानक उस तस्वीर से आवाजें आने लगी और राज को लगा कि राजकुमार राजकुमारी की आत्मा उसके साथ है अब यहाँ पर देखो अपने को क्या करना है थोड़ा इसे कट करता हूँ क्योंकि मैं दो लोगों को साथ में खड़ा करने वाला हूँ करने वाला हूँ क्या क्या सीन होगा अब एक काम करो यार पूरा आप सुन लो उसके बाद हम सिंपल सा करेंगे ठीक जस्ट एक बार मैं पूरा सुन लेता हूँ क्योंकि मैं एक बार में सारा सीन क्रिएट करने वाला हूँ जस्ट बैक चलते हैं रात बढ़ती गई और हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी

एक गुप्त सुरंग खोजी जो उसे एक अजीब दुनिया में ले गई जो उसे एक अजीब दुनिया में लगी मैं इसे कट कर देता हूं ठीक है अब इधर से मैं एक और काम करता हूं अजीब दुनिया में ले गई उस दुनिया में राज ने उस राजकुमारी की आत्मा से मिली जिसने उससे कहा कि उसकी चिंगारी ने हवेली को भूतिया कुमारी की आत्मा को शांति दिलाने का निर्णय लिया

अब यहाँ पर आपको थोड़ा और चेंजेस करना होगा क्योंकि ये वापस लौटते समय गुफा में में कर देंगे दुनिया लौटा अब इधर देखो मैं क्या करता हूं इसे पहले हटा देते हैं ठीक है ये ये गुफा वाला वाला सीन मैं वापस वापस ऐड करने वाला हूं। अब देखो कि वापस लौटा तो हवेली से हम इसे बंदे को वापस ले आ सकते हैं ठीक है जस्ट मैं इसे करता हूँ आगे की तरफ अपने को दो करेक्टर चाहिए ठीक है इसमें क्या क्या चाहिए होगा एक करेक्टर जो पीछे को वॉल करते आए मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ कैमरे का ये फर्स्ट हो गया सेकेंड पार्ट में वो करेक्टर जो है आगे जाएगा इसके ठीक है अंदर की साइड जाएगा सो so, मैं इसे थोड़ा सा ऐसे आगे की ओर करता हूं जस्ट एरा और सेकेंड वाला पीछे ही रहेगा जैसे ये है वैसे ही रहने वाला ये वो प्ले करता हूँ फिर देखते हैं किस तरह लगता है वेट मैं इसको इक्वल कर देता हूँ बिकॉज ये थोड़ा बहुत टेढ़ा हो गया ठीक है जस्ट इसको मैं ऊपर से थोड़ा जूम कर देता हूँ अब एक बार प्ले करते हैं एक युवक नामक राज ने उत्सुकता भरे हृदय से उस हवेली की ओर कदम बढ़ाए अब हवेली के अंदर जाने के लिए भाई पहला जूम होना चाहिए ठीक है जूम के साथ हम करेंगे लाइक ये है इसे छोड़ो आप अभी से जूम करो जस्ट एक बार अब प्ले करो प्ले करता हूं एक बार एक युवक नामक राज ने उत्सुकता भरे हृदय से उस हवेली की ओर कदम बढ़ाए

जैसे पूरा स्क्रीन बार बार चल जाता है साइड में मैं सेकंड वाला लेता हूँ और इसे नॉर्मल कर देता हूँ इसे मैं जितना जूम हो सके उतना जूम करूँगा ओके अब एक बार प्ले करते देखो ये पीछे से आगे आ रहा है ठीक है जस्ट ये सिस्टम है अब बाकी आपको समझाता हूं क्या चीजें करना है आप सिंपल से कट करो और क्रोमा टून जो है इनेबल करो अब इसे आप ओपन करने के बाद कुछ ग्रीन स्क्रीन में आपको चीजें रिकॉर्ड करनी होगी पहला है कि वो जो करेक्टर अपना पीछे के साइड वॉल करते हुए जाएगा ठीक है सो तो वो कैसे होगा मैं आप लोगों तो को दिखाता हूँ देखो कैरेक्टर डिजाइनिंग जब करोगे ना उसका ड्रेस को बैक साइड कर दोगे तो सारा सिस्टम हो जाने वाला है पहले मैं हटा देता हूँ अपने करेक्टर को इधर इम्पोर्ट करता हूँ जस्ट इधर से चलता हूं इसे लोड पे और अपना जो करेक्टर उसे ले लेता हूँ जस्ट ये रहा मेरा करेक्टर देखो ये करेक्टर आ चुका है अब मैं क्या करूंगा इसे वॉल कराऊंगा जस्ट इधर से मैं इसे वॉल कराता हूं ओके वेर आर यू ये वॉल्क देखो अब ये वॉल्क वाला आ चुका है इसे मैं ग्रीन स्क्रीन में रिकॉर्ड कर लूंगा ग्रीन स्क्रीन करके इसे मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ रिकॉर्ड वाले पे गया और इसे मैं इतने से सीन को रिकॉर्ड कर लेता हूं जस्ट देखो ये कुछ सीन का मेरे को बस दस पंद्रह सेकंड का जो है क्लिप चाहिए होगा बिकॉज हमारी जो क्लिप है थोड़ी लेंथी है ना यार तो मुझे उस हिसाब से इसे इस रिकॉर्ड करना पड़ेगा और हाँ इसके साथ अब हमने क्या करना है एक और करेक्टर को खड़ा कर देना है सो so, वो उससे बातें करेगा जी हाँ वो बातें करेगा वो जो सेकंड करेक्टर अपनी जो है ना बूतिया करेक्टर वो इससे बोलेगी पर यह नहीं बोलने वाला है अपना सेकंड कैरेक्टर में बोलना है क्योंकि सेकंड कैरेक्टर में स्टोरी में आपने देखा था ना कि उसको वो मिलती है सो so, देखो ये हो चुका है अपने हिसाब से एडजस्ट करना देखो फर्स्ट है कंप्लीट हो चुका है मैं इसे सेव कर देता हूँ जस्ट इसे मैं कैंसिल करता हूँ अब बैक वाला जो दूसरा वाला करेक्टर क्या था कि इसके साथ एक और करेक्टर था भूत वाला सो मैं उस करेक्टर को लेने वाला हूँ सो वो बातें करेगी मैं इधर से ओके करता हूँ और अपने पास जो भूतिया करेक्टर कर सबसे डेंजर वाला था ना वो वाला हम यूज करेंगे क्योंकि वो देखने में मुझे औसम लगता है इधर से मैं चलता हूँ अपने करेक्टर के पास और हाँ जिसको भैया ये करेक्टर चाहिए आ जाना क्योंकि सिर्फ 200 लोगों को मैं करेक्टर प्रोवाइड करने वाला हूँ उससे ज्यादा नहीं तो जिसको भी ये जितने भी करेक्टर्स मेरे पास है हंड्रेड प्लस करेक्टर्स आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ सो आ जाना सो जो कोड है मैं आप लोगों को बोला था ना कोड देने वाला हूँ तो कोड है आपका सिंपल सा कोड है टू थाउजेंड मेरे को उधर बता देना तो आप लोग को वो मिल जाने वाला है उस कोड के बिना आपका वो ओपन नहीं होने वाला है सो आप आ जाओगे आप लोग को वहां पर मिल जाने वाला है एक काम करता हूँ मैं देख लेता हूँ इधर कौन सा बेटर रहेगा क्योंकि काफी सारे हैं देखते हैं ये वाला कैसा लगता है अब मैं इसे पीछे करता हूँ हाँ ठीक है ये मुझे काफी ज्यादा औसम लग रही है यार देख सकते हो बैकग्राउंड को इधर ब्लू कर देते हैं अब ठीक है अब इस करेक्टर को देखो ये आइडल है तो इसको मेरे को बोलना पड़ेगा टाल कराते हैं जस इधर में देखो टाल करा रहा है और इसको मैं आइडल खड़ा कर दूंगा ठीक है जस्ट क्योंकि अब इसका काम खत्म हो चुका है देखो आइडल कर चुका हूँ अब ये इससे बातें कर रही है यहाँ पर ये चीजें हो चुका है अब इसे आपको देखो साइज वगैरह अगर आप मेंटेन कर लेते हो तो ठीक तो है वरना कोई बात नहीं इधर से मैं रिकॉर्डिंग वाले पे जाके कैंसिल करके इसे इनेबल कर देता हूं अब देखो ये बातें कर रही है अब इसको भी कम से कम आपको मतलब पंद्रह सेकंड का हर एक क्लिप को रिकॉर्ड करना है और हाँ इस जो है ना ये जो अपनी करेक्टर है इसको भी आपको क्या करना है बीस से पच्चीस सेकंड के लिए ऐसी क्लिप को रख देना है इससे क्या होगा कि आपका जो करैक्टर वो थोड़ा अलग लेवल में दिखेगा और भी ज्यादा बेटर दिखेगा अब मैं जब गुफा में जा रहा हूँ वो वाला हमने क्लिप रिकॉर्ड कर ली और ये बातें करी है और एक हमें इसको सिंगल में अकेले रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्यों क्योंकि देखो हमने काफी जगहों पे बोला ना कि इसको ये दिखती है मिलती है सो ऐसा कुछ बोला है अभी करेक्टर की वजह से मुझे तो बहुत ज्यादा औसम लग रही है बाकी जब वीडियो बन जाएगी तब आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लगा वो करेक्टर एक फ्रंट में वॉल्व करते हुए जाता है मतलब कि जब वो घर से वापिस आता है जब सब कुछ सही कर देता है सो उस सीन को भी रिकॉर्ड करना होगा जस्ट मैं इसे कैंसिल करता हूं ओके इसे कैंसिल करने के बाद मुझे एक और क्लिप चाहिए होगा मैं इस करेक्टर को अब हटा देता हूँ बिकॉज मुझे अभी ये नहीं चाहिए एक सिंपल से आइडल कर देते हैं इस करेक्टर को ये बात कर ली ना इसे मैं आइडल कर देता हूँ जस्ट आइडल कर दिया हूँ तो ये इधर से मेरे को वापस से इस सीन को रिकॉर्ड करना होगा क्योंकि देखो भाई आइडल है ये भी मुझे चाहिए होगा ये सिंपल सा है तो इसको भी पंद्रह बीस सेकंड के लिए मैं आइडल वाला रिकॉर्ड कर लेता हूँ ये उसे दिखती है वो बैक में खड़ा रहता है इसके पीछे खड़े कर देंगे उसको थोड़ा छोटा कर देंगे उसके पीछे कर देंगे कैसे करूँगा मुझे पता है जब आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा ना तब देखो ये भी रिकॉर्ड हो चुका है मैं इसको डुप्लीकेट वगैरह कर दूंगा इस मतलब टाइमिंग वगैरह थोड़ा कम कर दूंगा सब कुछ सेट हो जाएगा जस्ट मैं इसे भी कैंसिल करता हूँ और ओके कर देते तो देखो ये भी क्रिएट हो चुका है अब हमारा जो सेकंड काम है कि एक और करेक्टर को लेकर आना है सो मैं सबसे पहले अपना एक और करेक्टर ले आता हूँ जो फ्रंट में देख रहा हूँ पीला ड्रेस पहना मुझे ये ध्यान रखना है क्योंकि हमने जो है येलो ड्रेस पहना हुआ है जस्ट मैं इधर चलता हूँ सो वापिस आते हुए तो ड्रेस भी चेंज कर सकता है ठीक है तो कोई बात नहीं मैं देखता हूँ यार वही अगर ड्रेस मिल जाता है तो ठीक है कोई बात नहीं दूसरा यूज कर लिया जाएगा जस्ट देखते हैं काफी सारे अपने पास करेक्टर्स हैं कोई बात नहीं मैं इसका यूज कर लेता हूं यार देखो इसने भी येलो पहना हुआ है ओके ठीक है भाई मतलब अलग ही लेवल का बनने वाला है वीडियो जस्ट मैं इसे करता हूं इसकी साइज को मैं हल्के इंक्रीज कर देता हूं यार क्वालिटी अपनी खराब ना हो जस्ट ठीक है इसे मैं वॉल्क कराता हूं इधर से इसकी वॉल्किंग वाला इनेबल कर देता हूं ये रहा रोल्क वॉल् एंड पॉप मतलब फ्रंट में अपने को वॉल्क कराना है तिरछे में नहीं जाना भाई तिरछे में भी कर देते काम करो इसे भी आप रिकॉर्ड कर लो क्या पता इसका भी काम आ जाए साइड में जाने का हाँ एक सीन है जहां ये साइड में जाएगा सो मैं इसे भी रिकॉर्ड कर लेता हूं जस्ट ये देखो पंद्रह सेकंड हर एक क्लिप को आपको पंद्रह सेकंड तक रिकॉर्ड करनी है क्यों रिकॉर्ड करनी क्योंकि आपके वीडियो थोड़ी लेंथ थी हमने एक मिनट की स्टोरी बनाई आप ऐसी दस मिनट या पंद्रह मिनट की स्टोरी बना सकते हो आपकी जो बेसिक बेसिक चीजें थी मैंने तो बता ही दी बाकी अभी लाइटिंग वगैरह जब करेंगे ना तब आपकी वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है क्योंकि उस वीडियो में हम जो जो इफेक्ट डालने वाले हैं वो आप भी बोलोगे भाई इस तरीके के इफेक्ट्स का हम यूज करेंगे तो वीडियो सच में बहुत अमेजिंग हो जाएगी देखो ये भी क्लिप हो चुकी है मैं इसको क्या करता हूँ फ्रंट में वॉल्क कराऊंगा जस्ट मैं वॉल्किंग वाला वापस से सेलेक्ट कर लेता हूँ ये रहा वॉल्क तिरछे में जा रहा है वापस से इस करेक्टर को मेरे ख्याल से फ्रंट वॉल्क नहीं होगा होना तो चाहिए वॉपिंग है वॉल्क पॉप वॉल्क पॉप टू जस्ट ठीक है मेरे पास यही वाला है सो मुझे इसी हिसाब से इसको वॉल्क कराना होगा इमेज को थोड़ा इधर उधर करना पड़ेगा सो so, ठीक है ये भी अपना कंप्लीट हो जाए तो मैं आगे चलता हूँ जस्ट इसे भी सिंपल से ही लेता हूँ जस्ट तुम भी हो ही जाओ ये जैसे अपना कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या करना है आपको देखो हाँ एक काम कर सकते हो आप लोग रुको मैं आप लोग को बताता हूं जस्ट पहले ओके okay करो इसे अब इसके हाथ में आप कुछ भी दे सकते हो इधर से इसके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट दे सकते हो मैं एक काम करता हूँ देकर देखता हूँ अपना करैक्टर कौन सा है मेरे ख्याल से फ्रंट वाला करेक्टर इम्पोर्ट कस्टम ओके फ्रंट वाला है जस्ट मैं इस पर चलता हूँ इसके हाथ में जैसे ये दे दिया छूड़ा जब कस्टम में चलते हैं इधर से हम कुछ देते हैं हमारे पास क्योंकि काफ़ी चीज़ें इसका हमने एक भी बार यूज़ नहीं किया यार सो so, यूज़ करना चाहिए था हमारे पास काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं सो so, मैं किसका यूज़ करूँ काफ़ी चीज़ें हैं आई डोंट नो यार मेरे को समझ नहीं आ रहा है एक काम करते हैं जस्ट हम इसको देखें ये कैसा लग रहा है जस्ट ठीक है ये मुझे भाई साहब कहाँ थे तुम जस्ट इसे हम एक बार चलते हैं ठीक है देखो ये हाथ में लिया हुआ है मसाल सब कुछ इसमें लाइटिंग वगैरह दे दोगे तो आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा ये आपका जैसे ही कंप्लीट हो जाता है फिर हम वीडियो को और भी ज्यादा एडिट करेंगे उसमें काफी सारे इफेक्ट्स हैं जो आपको यूज करना पड़ेगा बिना इफेक्ट्स के आपकी वीडियोस यार बिल्कुल भी उसमें जान नहीं आएगी ठीक है सो मैं इफेक्ट्स का यूज करूंगा इधर देखो बस थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करते हैं उसके बाद चलते हैं बाकी यार जो स्लिपिंग वगैरह है वो तो सिंपल है कर खत्म करेंगे देखेंगे और कर स्टोरी पहले अपलोड कर देंगे उसके बाद उस लेकर आए कि नहीं लाए ये वीडियो चलो फिर भाई इतना सीन बहुत है अब जल्दी से हम अपने वीडियो को ओपन करते हैं मतलब जो काइन मार्शो से ओपन करके इसे एडिट करते हैं सो देखो यार अभी मैंने अपने काइन को ओपन कर लिया पहला सीन हम पहले सुनते हैं ठीक है

फिर जब पूरा बन जाएगा ना जब मैं अफेक्ट दूंगा तब देखना वीडियो कितनी ज़्यादा अमेजिंग लगने वाली है अभी तो कुछ भी नहीं है भाई कह रहा हूँ अभी आपकी वीडियो में कुछ भी नहीं है अब जो बनेगी वो मजा आएगा जस्ट मैं इसे इनेबल करता हूँ तो इसकी मैं साइज को इधर से थोड़ा सा भड़क कर दूंगा और मुझे क्रोमा की को ना थोड़ा इसका एडजस्ट करना पड़ेगा बिकॉज ब्लेंडिंग वगैरह मुझे सही नहीं लग रहा है ठीक है ये भी सही है ठीक है जस्ट ये देखो बोल रहा है मतलब हल्का सा ये

जस्ट मैं आइडल को इधर सेलेक्ट करता हूँ और इसको भी कटिंग वगैरह करनी होगी सो so, हम कट कर लेते हैं जो एडजस्टमेंट है ना यार वो थोड़ा ढंग से करना अगर उसको खराब कर दोगे तो आपका पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा जस्ट इसे भी इनेबल करता हूँ और इसको भी मैं हाई कर देता हूँ और इसकी साइज को भी हम बड़ी करने वाले हैं क्योंकि सेकंड में देखो ये रही अब वो जो करेक्टर हमने जो पहले किया था वही वाले करैक्टर में इधर डुप्लीकेट करता हूँ देखता हूँ अगर वर्क करता तो बढ़िया है वरना भाई ग्लिच करके पीस क्रैश तो हो ही जाता है क्रैश करने में इसने कोई भी अपनी कमी नहीं छोड़ी है मैं इधर थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ इसको पीछे लेकर चलता हूँ जस्ट मैं इसे ऊपर की साइड इधर एडजस्ट करूंगा ओके okay? थोड़ा सा और पीछे अब देखो कितना ज्यादा अमेजिंग लग रहा है यार ये करैक्टर के साथ खड़ा हुआ है मुझे तो बहुत औसम लग रहा है एक बार देखो प्ले करते हैं इसमें मुझे कट करना पड़ेगा ये सेकंड वाले में भी इसको लो कर देते हैं ओके इधर से मैं इसको सेट करता हूं ये हो चुका है, एक बार प्ले करते हैं फिर देखते हैं किस तरह लग रहा है राजकुमारी राज की आत्मा उसके साथ है मैं इधर थोड़ा सा इसको बड़ा कर लूंगा ठीक है एक बार देखते हैं वापिस प्ले करके चेहरा था

जस्ट ग्रीन स्क्रीन कोई कर देते हैं अब देखो यहाँ पर मैं थोड़ा से इसे करूंगा और से इसको लेकर आऊंगा है, है इसे मुझे एडजस्ट करना होगा जस्ट वापिस मैं इधर चलता हूँ और इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ अभी चलता हुआ आ रहा है ना देखो अच्छा। मैं इसकी पहले सबके बॉयस को मैं कम करता हूँ okay? अब यहाँ पर देखो कैरेक्टर पहले मैं एक काम करता हूँ इसमें की फ्रेमिंग देनी होगी मुझे जस्ट थोड़ा सा आगे करता हूँ एक की फ्रेम लगाया अब इधर ना मुझे यहाँ तक ले जाके इसको यहाँ पर ले जाके इसकी साइज को थोड़ी बड़ी करनी होगी जस्ट थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं यहाँ ले आके ओके एक बार प्ले करके आपको दिखाता हूँ ठीक है अचानक उस तस्वीर से आवाजें आने लगी ओहो भाई ये तो ये तो रोटेट ही हो गया रोटेट थोड़ी ना होना है तुम्हें माइनस यहाँ पर तुम भी माइनस हो जाओ जस्ट पहला मैं की फ्रेमिंग इधर दूंगा सेकंड की फ्रेमिंग मैं इधर देने वाला हूँ ठीक है एक बार देखते हैं किस तरह लग रहा है था। अचानक उस तस्वीर से आवाजें आने लगी और रा। इसकी साइज को मुझे यहाँ पर थोड़ी बड़ी करनी होगी ठीक है जस्ट मैं हल्की से इसकी साइज को बड़ी कर लूंगा और थोड़ा सा नीचे कर दूंगा जस्ट ऐसे कर देते हैं ये फिर से देखो रोटेशन हो गया है तो रोटेशन पता नहीं क्यों हो रहा है यहां पर हमने शायद की फ्रेमिंग थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है जस्ट इसे इधर लेकर आता हूं इधर ले आते हैं इसकी साइज हल्की से इंक्रीज कर देते हैं फिर से रोटेशन सुबह रोटेशन नहीं करना तुम कोई बात नहीं सिंपल रहो इसे मैं माइनस करता हूं सो यहां पर आओ तुम ऐसे ओके एवो प्ले करता हूं अब उधर जो है सिंपल से खड़ा कर देंगे अब यहाँ पर देखो मैं कट करता हूं ठीक है सो यहां पर मैं सीन को थोड़ा सा मैं इसे भी कट कर लेता हूं और पीछे से जो भूत वाला इसे हटा देता हूँ जस्ट दो मिनट वेट इसे हटा देते हैं बिकॉज इसका अब काम नहीं है यहां पर चलता हुआ आता है तो इसके सीन को मेरे को थोड़ा सा जूम या इफेक्ट देना पड़ेगा ना से चलता हुआ आ रहा है जस्ट इसे मैं थोड़ा सा जूम ऐसे नीचे के साइड जस्ट थोड़ा सा और इसे ऐसे जूम कर देंगे ठीक है क्योंकि करेक्टर चलता हुआ आ रहा है अभी जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह लगेगा ये देखो अभी चेहरा था अचानक उस तस्वीर से आवाजें आने लगी और राज को लगा कि राजकुमारी की आत्मा उसके साथ है देखो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हमें ना पीछे की जगह इसे आगे करना होगा फ्रंट में जस्ट इसे आप फुल करो इसे आप फुल करो दोनों को बराबर करो अब सेकंड वाले को ना आप थोड़ा जूम इफेक्ट दो देखो अभी एक बार मैं आगे ले चलता हूं यहां पर अपने को एक मिस्टेक हुई कि हमने ये ऐड करके रखा हुआ है इसे ऐड नहीं करना है हमें सिंपल सा रखना है अब सेकंड वाले को थोड़ा जूम इफेक्ट देना पड़ेगा हमें

यहाँ पर राजकुमार को लगा ठीक है यहाँ पर थोड़ी शॉर्ट कटिंग करते हैं जस्ट मैं इसे कट करता हूँ इधर से कट किया ठीक है और यहाँ पर मैं सीन को थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहूँगा ये वाला है ना खड़ा हुआ जो है इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ और इसे आगे लेकर चलेंगे हम जस्ट ये इधर आ चुका है मेरे ख्याल से ओके आ चुका है अपना सेकंड कैरेक्टर कहाँ है ये रहा इसको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं यहाँ पर नहीं हमें इसके नीचे लेकर जाना होगा यहाँ पर जस्ट यहां पर लेकर चलते हैं और इस करेक्टर के साथ देखो अरेंज कर देते हैं इसे देखते हैं आप किस तरह लगता है और राज को लगा कि राजकुमारी की आत्मा उसके अब यहाँ पर देखो हल्का सा मैं ये कर देता हूँ और ये जो नीचे अपना ये करेक्टर है इसको इधर थोड़ा सामने कर देते हैं ठीक है जस्ट ये हो चुका है उसके बाद मैं इधर थोड़ी सी इसकी साइज को इंक्रीज कर दूंगा जस्ट मैं इधर क्लिक करता हूँ और इसे हटा देता हूँ इस करेक्टर को अब क्योंकि यहाँ पर मुझे देखो अफेक्ट का यूज करना पड़ेगा यहाँ पर यहाँ पर हमने चेंज किया ना यहां पर फिर इफेक्ट का यूज करना पड़ेगा जस्ट मैं इफेक्ट का यूज कर लेता हूँ ओके यहां पर मिस्टेक हो गया यार ये तो पूरा ही चेंज हो चुका है वेट मैं वापस से देखता हूँ क्या सिस्टम है जस्ट मैं इधर कट करता हूँ स्पेडिट कर देता हूँ ओके स्पेडिट हो चुका है यहां पर मैं कोई और इफेक्ट जो अपना हमने डाउनलोड किया उसमें देखना कोई इफेक्ट हो सो उसे यूज़ उस करेंगे पर हाँ यार अपने को एक प्रॉब्लम और होगी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम होने वाली प्ले करते हैं। की की आत्मा उस जस्ट बैक करो आप जो इसे ऐसी दो, जो जो में प्ले काम कर सकते हो आप इसे पीछे लेकर जाओ इसके कैरेक्टर भी आपको उतनी साइज में रख सकते हो इधर जस्ट मैं नीचे करता हूँ इसके जो इसकी साइज सेम रख देते हैं जिससे ये होगा कि भैया आप इसका बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होने वाला है जस्ट मैं इधर से इसको सेम कर देता हूं साइज को ठीक okay, है यार थोड़ी बहुत होगी कोई दिक्कत नहीं जस्ट ओके okay. अब एक बार प्ले करते हैं आप देखते हैं आवाजें आने लगी और राज को लगा कि राजकुमारी की आत्मा उसके साथ है अब काम कर सकते हो इधर देखो थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है ना मैं इसे इक्वल कर देता हूँ क्योंकि अब यहाँ पर इक्वल रहना चाहिए

यहाँ पर देखो रात बढ़ती गई और हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी जैसे पूरा अब यहाँ पर देखो घड़ी वड़ी का दिखा रहे कि अजीब कुछ होने लग गया है ठीक है तो सो मैं इसे आगे करता हूँ एक बार प्ले करता हूँ जैसे पुरानी घड़ी की टिक टिक आवाज और दरवाजे खुद बंद होने की आवाज राज ने अपनी खोज में बढ़ते हुए एक अब यहाँ पर खोज वाला आ गया मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करूँगा यहाँ पर इसको चेंज कर देता हूँ ठीक है क्योंकि मेरे पास कोई इमेज तो नहीं है जिसका मैं यूज़ कर सकूँ डाउनलोड वाले में जाते हैं देखते हैं टिक टिक की हवेली में आवाज़ आ रही है कुछ ऐसा बोल रहा है सो so, इसका मैं यूज़ कर लेता हूँ जस्ट इसको मैं थोड़ा सा जूम इफेक्ट दे दूँगा और इसे हटा दूंगा ये वाले सेकेंड वाले क्लिक करता हूँ और इसको मैं बराबर कर देता हूँ ओके ये हो चुका है अब एक बार प्ले करके देखते हैं किस तरीके का लगता है क्योंकि घड़ी तो अपने पास नहीं है ठीक है सो मैं उसका यूज़ नहीं करूँगा जस्ट थोड़ी सी स्पैरिट नहीं ओके अब एक बार प्ले करो देखो रात बढ़ती गई और हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी जैसे पुराने घड़ी की टिक टिक आवाज और दरवाजे खुद बंद होने की आवाज राज ने अब, अब यहाँ पर मुझे देखो जो चलता हुआ था ना बैग में हमें वो लेकर आना पड़ेगा जस्ट मैं इससे मैं करता हूँ ग्रीन स्क्रीन को वापिस इधर से मुझे कटिंग करना होगा सो मैं थोड़ी सी कटी से कर देता हूँ जस्ट अपने हिसाब से और बैक करके इधर से मैं क्रोमा की को वापिस इनेबल कर देता हूँ थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे जिससे इसका जो सेप है वो बिगड़े ना ठीक है जस्ट मैं इधर से नीचे लाता हूँ थोड़ी सी एडजस्टमेंट और करनी पड़ेगी देखो क्योंकि ये जो आ रहा है ना अपना ग्रीन ग्रीन ये बिल्कुल ना यार वरना काम खराब हो जाएगा ओके प्ले करते हैं अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इसकी वॉइस को कम करता हूँ ने अपनी खोज में बढ़ते हुए एक गुप्त सुरंग खोजी जो उसे एक अजीब एक अजीब दुनिया में ले गई अब यहां पर यार मुझे थोड़ा सा इधर अफेक्ट यूज करना पड़ेगा मैं दिखाता हूं कहां पर कट करेंगे दुनिया में ले गई उस दुनिया में राज ने उस राज को यहाँ पर देखो मुझे इसे कट करना पड़ेगा स्पेडिट कर देते हैं देखो यहां पर मुझे क्यों कट करना पड़ेगा अभी बताता जस्ट इसे भी आप कट कर कर दो इस कर दो अब यहां पर देखो इसको आपको इफेक्ट देना पड़ेगा जूम वाला जो आपने इसमें दिया हुआ है ना बैक करते हैं जो आपने इसमें दिया हुआ है ऊपर का देखो क्या किया आपने थोड़ा जूम कर दिया ठीक है जस्ट इसे एक बार प्ले करते हैं जैसे देखो राज ने अपनी खोज में बढ़ते हुए एक एक गुप्त सुरंग खोजी जो उसे एक अजीब अब यहां पर मैं क्या कुड़ूंगा? ये ऊपर उस, दुनिया में राज ने उस राज अब यहां पर हमें दोनों को सेट करना होगा अपने हिसाब से जस्ट मैं इसे कट करता हूँ और वो जो दोनों क्लिप थी ना अब जो आपस में बात कर रहे थे उसको लेकर आना होगा देखो ये रहा वो क्लिप अब इसके जो बैकग्राउंड है मुझे इरेज करना पड़ेगा सेम जैसे हमने पहले इरेज किया था जस्ट इसको मैं कर देता हूं इरेज अब यहां पर मैं पीछे आता हूं ठीक है पूरा ए आई मैं दोबारा कह रहा हूं ठीक है मैंने तो आप लोगों को समझाने के लिए वैसे किया हुआ है सब so, पूरा ए आई बॉयस मत यूज करना अब यहां पर ये दोनों आपस में बात करते हैं देखो इनको मैं इधर सामने ले आया हूं ठीक है जस्ट इधर लेकर आ गया हूं आपस में बात करेंगे अब देखो

अब यहां पर मैं क्या करता हूँ वो जो वापस चलने वाला था ना ये वाला जस्ट मैं इसे लेता हूँ क्योंकि ये वापस चल रहा है और ये मुझे अमेजिंग भी लग रहा है यार मुझे अच्छा लग रहा है ये करैक्टर सच बोल रहा हूँ जस्ट इसको मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट करूंगा पीछे जाके इसको मैं कट कर लेता हूं जस्ट मैं क्रॉप कर लेता हूं ओके okay, मैं इसे हल्का सा और क्रॉप करूंगा बैक करते हैं इसकी क्रोमा की को अब इनेबल कर लो जस्ट इनेबल कर लिए अब हल्का सा इसे आप एडजस्टमेंट कर दो जिस तरह सेडो वगैरह देना चाहो वो दे सकते हो अब यहां पर क्या करो अब आप इसको वॉल कराओ अब वॉल कराते हुए लाना है ना इसे जस्ट मैं इसे ऐसे सिलेक्ट करता हूँ प्ले करके देखते हैं निर्णय लिया और वापस अपनी दुनिया में लौटा हवेली की भूतिया चिंगारी बुझ गई लेकिन राज ने उस रात का भयानक अनुभव कभी नहीं भूला एक अंधेरे रात को एक पुराने हवेली में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी सो so, अब अब देखो अब मैं क्या करने वाला हूँ इधर देखो मैंने कुछ अलग सा ही करना है अब यहाँ पर जाता हूं मैं फिल्टर में जाता हूं इधर जाता हूँ नीचे चलता हूं अप्लाई टू ऑल हल्का से से हल्का निफुल इसे अब इसके जो करेक्टर है ना इसमें आपको देख लो आप सभी जगह नहीं हुआ है जो इधर हुआ है तो सब जगह नहीं हुआ है अप्लाई टू ऑल करना है हमें वापस चलते हैं इधर ही फिल्टर में अप्लाई टू ऑल जस्ट एक बार देख लेते हैं अब देखो यहाँ पर सब जगह हो चुका है एक बार प्ले करते हैं अजीब आवाजें सुनाई देने लगी एक युवक नामक राज ने उत्सुकता भरे हृदय से उस हवेली की ओर कदम बढ़ाए हवेली के अंदर उसने खोजते हुए एक पुराने और भूतिया कमरे की ओर बढ़ा वहां एक पुरानी तस्वीर के सामने एक रोने वाली राजकुमारी क्या लग रहा है भाई अचानक उस तस्वीर से आवाजें आने लगी और राज को लगा कि राजकुमारी की आत्मा उसके साथ है देख सकते हो काफ़ी अमेजिंग लग रहा है अब देखो यहाँ पर आप एक चीज़ कर सकते हो मैं उसको क्लियर कर देता हूँ ताकि यार वीडियो थोड़ी और अपनी बैटर लगे यहाँ पर चलते हैं फिल्टर में जस्ट अपना फ़िल्टर ये रहा और मैं इसकी इंटेंसिटी को थोड़ी थोड़ी कम कर दूंगा जितने भी है कितनी सेवेंटी थ्री किया हुआ ठीक है सेवनटी थ्री के आसपास मैंने सबको कर देना है फिल्टर में गए जस्ट इसको भी सेवेंटी टू या सेवेंटी थ्री के आसपास कर देना है थर्ड पे भी चलते हैं इधर भी हम फिल्टर में जाएंगे और इसे भी सेवेंटी थ्री या सेवेंटी फोर के आसपास कर देंगे इधर भी चलते हैं जस्ट फिल्टर में गए अभी इधर जस्ट फिल्टर ये रहा इससे भी हम 73 या 72 के आसपास कर देंगे नीचे चलते हैं ये रहा अपना करेक्टर जस्ट इसको भी कर देंगे ठीक है देखो क्यों कर रहा हूँ ताकि देखो अभी जब पूरी वीडियो बन जाएगी तब देखना कितना ज्यादा अमेजिंग लगेगा ये भूत को थोड़ा सा हम ज्यादा डार्क दिखाने वाले हैं सो ये रहा अपना बाकी करेक्टर देखो तो ये बैकग्राउंड मुझे थोड़ा जान तो ज़्यादा ही कुछ लग रहा है मैं इसे थोड़ा सा कम कर दूंगा अब इसकी साइज को जो इसका जो है अपना फिल्टर इसे हमें ज़्यादा इसे हमें ज़्यादा कम करना पड़ेगा लाइक इतना क्योंकि देखो यार यहाँ पर पहुँचने के बाद इसका एकदम ही सिस्टम बिगड़ जाने वाला है मैं इसे भी थोड़ा सा कम कर दूंगा ओके जस्ट इसके आगे आके हमें इन दोनों का सेट करना होगा अपने हिसाब से देखो फिल्टर ना इस तरीके की वीडियोस बनाने के लिए अब मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ अब यहाँ पर देखो जो धुंधला सा था इधर मुझे करेक्टर थोड़ा सही लग रहा है बट इसका भी फिल्टर हम कम करेंगे ठीक है

उस तस्वीर से आवाजें आने लगीं और राज को लगा कि राजकुमारी की आत्मा उसके साथ है रात बढ़ती गई और हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं जैसे पुराने घड़ी की टिक-टिक आवाज और दरवाजे खुद बंद होने की आवाज राज ने अपनी खोज में बढ़ते हुए एक गुप्त सुरंग खोजी जो उसे एक अजीब दुनिया में ले गई उस दुनिया में राज ने उस राज एक काम करो यार इधर इसके साइज को थोड़ी इंक्रीज करो क्योंकि तब बड़ा लगेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा एक बार मैं वापस पीछे करता हूँ आप देखो राज ने अपनी खोज में बढ़ते हुए एक गुप्त सुरंग और यहां पर देखो इसका सिर नहीं दिख रहा है पता नहीं लग रहा है ठीक है तो मैं फिल्टर को और कम कर देता हूँ थोड़ा सा सही, सही लगे बट डार्क में रहेगा तो बढ़िया रहेगा मैं प्ले करता हूँ रंग खोजी जो उसे एक अजीब दुनिया में ले गई उस दुनिया में राज ने उस राजकुमारी की आत्मा से मिली जिसने उससे कहा कि उसकी चिंगारी ने हवेली को भूतिया बना दिया है राज ने उस राजकुमारी की आत्मा को शांति दिलाने का निर्णय लिया और वापस अपनी दुनिया में लौटा की लाइट वाला जी हाँ देखो हमने इतनी सारी डाउनलोड की, की है देखने के लिए थोड़ी ना की है यार सो मैं देखो अभी क्या करता हूँ मसाल इधर में सेट कर देता हूँ जस्ट सेट कर दिया आगे कर दूंगा यहाँ पर प्ले करता हूँ जस्ट मैं इधर थोड़ी से और इसको छुटा करूंगा जस्ट इसे मैं इसके स्क्रीन कर दूंगा ठीक है जस्ट इधर जाता हूं किस तरह लग रहा है। का निर्णय लिया और वापस अपनी दुनिया में लौटा जब इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ क्योंकि देखो यार ये नीचे ऊपर हो रहा है सो दिक्कत हो सकती है अब देखो लिया और वापस अपनी दुनिया में लौटा हवेली की भूतिया चिंगारी बुझ गई लेकिन उस रात का अनुभव एक काम करो इसको आप सेट करो जस्ट देखो यहाँ पर गए स्किन इनकोमा की लगाया थोड़ा सा नीचे गया ना इसको भी आप नीचे लाओ ऊपर गया ये जस्ट इसे भी आप ऊपर लाओ नीचे आया जस्ट इसे भी आप नीचे लाओ ये ऊपर गया जस्ट इसे भी आप ऊपर लाओ जस्ट ये नीचे आया इसे भी आप नीचे करो जस्ट ऊपर गया इसे भी आप ऊपर करो जस्ट नीचे आया फिर इसे नीचे करो तो ये सब करोगे ना थोड़ी आपकी वीडियो थोड़ी एडवांस लगेगी देखने में बढ़िया लगेगी जस्ट इसलिए मैं ये सब प्ले करते हैं आप देखते हैं किस तरह लग रहा है देखो आप निर्णय लिया और वापस अपनी दुनिया में लौटा हवेली की भूतिया चिंगारी बुझ गई लेकिन राज ने उस रात का भयानक अनुभव कभी नहीं भूला

उस तस्वीर से आवाजें आने लगी और राज को लगा कि राजकुमारी की आत्मा उसके साथ है रात बढ़ती गई और और हवेली में अजीब घटनाएं होने होने लगी जैसे पुराने घड़ी की की टिक टिक आवाज आवाज दरवाजे खुद बंद की आवाज। राज ने अपनी खोज में बढ़ते हुए एक गुप्त सुरंग खोजी जो उसे एक अजीब दुनिया में ले गई वाओ भाई उस दुनिया में राज ने उस राजकुमारी की आत्मा से मिली जिसने उससे कहा कि उसकी चिंगारी ने हवेली को भूतिया बना दिया है

ऐप का प्रीमियम वर्जन नहीं लेकर जाओगे क्योंकि इस ऐप को जो आप यूज करोगे तो भैया एड्स बहुत ज्यादा आने वाले हैं और आपका दिमाग हो जाएगा खराब इस टॉपिक को मैंने लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि ये आपका सेकंड सरप्राइज होने वाला है जो आपको भाई मतलब कहीं पर भी नहीं मिलने वाला यार इसके बारे में तो आपको किसी ने बताया नहीं होगा इसको आप जितना भी यूज कर लो ऐप को जैसे कि आपने कोई करेक्टर चेंज करना है ना तो आपको ऐड देखने को मिलेगा अगर उसमें कोई मूवमेंट वगैरह देनी ना तब आपको एड्स देखने को मिलेगा मतलब कि एड्स तो आप लोगों को देखने को बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं सो so, इसका सोल्यूशन क्या है तो सोल्यूशन लेकर जाओ प्रीमियम वर्जन लेकर जाओ मेरे से देखो सबसे पहले क्या करना है आपको अपने एंड्रॉइड के स्क्रीन पे आ जाना देखो मैं अभी स्क्रीन पे आ चुका हूं तो so, देखो आपको मैं दो मैथड बताने वाला हूँ एक मैथड ये रहेगा कि मेरे में देखो जो नहीं चलता है, वो भी आप लोगों को दिखा देता हूं आपके में वो सपोर्ट करेगा ठीक है सो so, आप देख लेना आपका क्या होता है सबसे पहले देखो आपको क्रोमा टून को इधर से ना एप्लीकेशन में जाके जहां मैनेजर एप्लीकेशन वगैरह होता है जहां पर आपका टोटल एप्लीकेशन होता है ठीक है वहां चल जाना ऐप इन्फो में चल जाओगे तो आपका कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा अब जस्ट मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो इधर देखो आपको देखने को मिलेगा ना मोबाइल डेटा जस्ट आपको इस पे जाना है फिर देखो नीचे स्क्रॉल करोगे तो इधर आपको दो चार चीजें जैसे कि ये अलो बैकग्राउंड डेटा यूजर्स ऐसा कुछ है तो आपके में कुछ और होगा सो उसे ऑफ ऑन करके देख लेना सो आपका वर्क करेगा बट 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 काफी लोगों का वर्क नहीं करता है सो सेकंड मैटर्ड ये रहेगा कि आपको आपके एंड्रॉइड के सेटिंग में जाना है अब आप देखो आपको क्या करना है नीचे स्क्रॉल करना है जस्ट फिर ये देखो सर्च वाला ऑप्शन होगा सर्च पे चल जाना क्योंकि यार सब पे आजकल सर्च वाला मिलता ही मिलता है फिर देखो लिखा हुआ है ना प्राइवेट डी जस्ट आपको यही चीज सर्च करना है देखो यही चीज सर्च करना और कुछ सर्च करोगे तो ऑप्शन नहीं आने वाला है क्योंकि एंड्रॉइड बहुत ही ज्यादा ही सकते हो यार अब देखो इधर ये रहा अपना प्राइवेट डीएनएस जस्ट मैं इस पे जाता हूँ उसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो देखो आपको ये नन का ऑप्शन मिलता है बीपीएन सो so इसको आप रहन देना आपको इस तरह कुछ मिलेगा तो देखो सबसे पहले ये आपका ऑफ रहने वाला है जस्ट आपको कुछ ऐसे दिखेगा ठीक है प्राइवेट डीएनएस जो है ऑफ रहेगा इस पर आप जाना फिर ये देखो प्राइवेट डीएनएस को ऑन कर लेना और हाँ जो मेरा लिखा हुआ है ना डीएनएस डॉट एटग डॉट कॉम जस्ट आपको यही सेम टू सेम लिख लेना है कुछ है नहीं सेम टू सेम लिखोगे तभी वर्क करेगा अगर कुछ और लिखते हो तो भैया नहीं वर्क करेगा सो सिंपल से इसको करने के बाद आपको सेव कर देना और सेव करने के बाद ओके okay, आपका काम कंप्लीट हो चुका है ये जैसे आपका कनेक्ट हो जाता है आप यूज कर सकते हो इस एप्लीकेशन को विदाउट ऐड के और फ्री में यूज करोगे आपको प्रीमियम वर्जन मिल चुका है आपको पेमेंट देने की जरूरत नहीं है सो so, अब जाओ मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कोर्स में आज के कोर्स में इतना ही एक अंधेरे रात को एक पुराने हवेली में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी एक युवक नामक राज ने उत्सुकता भरे हृदय से उस हवेली की ओर कदम बढ़ाए हवेली के अंदर उसने खोजते हुए एक पुराने और भूतिया कमरे की ओर बढ़ा वहां एक पुरानी तस्वीर के सामने एक रोने वाली राजकुमारी का चेहरा था अचानक उस तस्वीर से आवाजें आने लगीं और राज को लगा कि राजकुमारी की आत्मा उसके साथ है रात बढ़ती गई और हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी जैसे पुराने घड़ी की टिक, -टिक आवाज और दरवाजे खुद बंद होने की आवाज राज ने अपनी खोज में बढ़ते हुए एक गुप्त सुरंग खोजी जो उसे एक अजीब दुनिया में ले गई उस दुनिया में राज ने उस राजकुमारी की आत्मा से मिली जिसने उससे कहा कि उसकी चिंगारी ने हवेली को भूतिया बना दिया है राज ने उस राजकुमारी की आत्मा को शांति दिलाने का निर्णय लिया और वापस अपनी दुनिया में लौटा हवेली की भूतिया चिंगारी बुझ गई लेकिन राज ने उस रात का भयानक अनुभव कभी नहीं भूला